है ना मतलब टाइम कंज्यूम नहीं होगा ऐसा नहीं आपने कैलकुलेशन स्टार्ट किया और लास्ट में जाके आपका आंसर नहीं है ऐसा नहीं रहता है इसमें इसमें अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हो इन फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड अगर नहीं आता है देन आपको स्किप करना आपका ज्यादा से ज्यादा टेन सेकंड वेस्ट होगा क्वेश्चन को रीड करने में तो ये एक अच्छी सबसे अच्छी चीज लगती है केमिकल टेक्नोलॉजी So, देखिए मैं केमिकल टेक्नोलॉजी में आपको जैसा कि ड्राइडन जो बुक है उसमें मतलब आपको गिवन रहता है सीट गिवन रहता है ना हर एक हर एक प्रोसेस के लिए सीट गिवन है इतने सारे एन नंबर ऑफ से हमको याद करने होते हैं ऐसा नहीं मैं आपको पर्टिकुलर सब पर्टिकुलर जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें देखिए उस टॉपिक में बेसिकली लाइक like, कौन कौन से प्रोसेसिस हैं किस प्रोसेस के लिए क्या रो मटेरियल है क्या उसके लिए कंडीशन है लाइक क्या स्पेसिफिक उसके लिए होता है, मेंस कि मैं जो वो सारे स्पेसिफिक पॉइंट आपको बताऊंगा कि जो गेट में पूछे जाते तो देखिए हम लोग केमिकल टेक्नोलॉजी को पढ़ने वाले हैं टॉपिक वाइज लाइक पहला पहला मतलब कि सेक्शन रहेगा हमारा नेचुरल प्रोडक्ट नेचुरल प्रोडक्ट इंडस्ट्री होप सो so, काफी थ्योरिटिकल लेक्चर uh, रहने वाला है मतलब कि बिल्कुल ये सब्जेक्ट ही थ्योरिटिकल है तो कोई भी बोर्ड ना हो स्टूडेंट ट्राई करूंगा मैं कि आपको एक्टिव रख पाऊं नेचुरल नेचुरल प्रोडक्ट इंडस्ट्री नेचुरल प्रोडक्ट इंडस्ट्री लाइक हम डिस्कस करेंगे देखिए इसमें हम लोग कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड थैंक यू सर क्लिएट माई कंफ्यूजन फाइन ओके सो पहला टॉपिक देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड मैं अननेसेसरी जो सब्जेक्ट में नहीं है वो आपको चीज नहीं पढ़ाऊंगा जो सब्जेक्ट में नहीं है उसकी रिवीजन में आपको नहीं कराऊंगा सल्फ्यूरिक एसिड देखिए पहला प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे पर सल्फ्यूरिक एसिड देन इसके बाद में देखिए हम लोग डिस्कस ये हो गया मतलब नेचुरल प्रोडक्ट इंडस्ट्री इसी में आपका पेपर इंडस्ट्री आ जाता है इसी में आपका पेपर इंडस्ट्री आ जाता है आफ्टर पेपर इंडस्ट्री देखिए मैं मतलब जस्ट एक और व्यू दे देता हूं सो आपके लिए बेटर रहेगा ओके कि हम लोग ये, ये चीज डिस्कस करने वाले ना हम लोग पेपर इंडस्ट्री डिस्कस करेंगे आफ्टर दैट नेचुरल प्रोडक्ट इंडस्ट्री हो जाएगा आफ्टर दैट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री नेचुरल प्रोडक्ट इंडस्ट्री उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आपसे बहुत पॉजिटिव वेव है थैंक यू यार है ना फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में देखिए हम लोग डिस्कस करने वाले अमोनिया आफ्टर अमोनिया हम लोग डिस्कस करेंगे यूरिया यूरिया के बाद हम डिस्कस करेंगे यहां पर देखिए ओके हो गया अमोनिया हो गया यूरिया हो गया देन उसके बाद हम लोग फॉस्फोरेस इंडस्ट्री डिस्कस करेंगे फॉस्फोरस फर्टिलाइजर का ही पार्ट है फोस्फोरे फोसफोरिस इंडस्ट्री जो है उसमें हम लोग देखते हैं सिंगल फोर्स ट्रिपल ट्रिपल फोर्स हम देखेंगे और उसके अलावा हम लोग क्लोरो एल्काइल इंडस्ट्री डिस्कस करेंगे क्लोरो क्लोरो एल्काइल इंडस्ट्री फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आफ्टर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोरो क्लोरोलो क्लोरो एल्काइली इंडस्ट्री सो क्लोरो एलका जो इंडस्ट्री है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लाइक देखिए सोडा एस यू मिस सोप इंडस्ट्री अरे आ जाएगा भाई सब आ जाएगा कुछ मिस नहीं करने वाला मैं ना सो सोडा इंडस्ट्री सोडा एस है ना हम लोग क्लोरेकल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं सोडा एस हो गया और देन इसके बाद में हम लोग सोडा एस के अलावा देखेंगे देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाई कार्बोनेट जिसमें हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट आफ्टर दैट हम लोग डिस्कस करेंगे वॉशिंग सोडा है ना वॉशिंग सोडा हम डिस्कस करेंगे देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड एन सोडियम हाइड्रोक्साइड सो आफ्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहां पर ऑयल एंड फेट इंडस्ट्री ओके का इंडस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे ऑयल एंड फेट इंडस्ट्री ऑयल एंड फेट इंडस्ट्री ऑयल एंड फेट इंडस्ट्री देन इसके बाद में इसको आप अलग भी लिख सकते हैं ऑयल एंड फेट इंडस्ट्री और इसी में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक सोप एंड डिटर्जेंट सोप्स एंड डिटर्जेंट सॉपस एंड डिटर्जेंट ये जस्ट मैं बेसिक और भी दे रहा हूँ इस मैं ये, ये टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ यू मिस द सॉप इंडस्ट्री नहीं मिस नहीं किया मैंने लिख दिया है एंड इसके बाद अभिषेक अभिषेक पूछ रहा है क्या हम पॉलीमर से शुरू करें नहीं पॉलीमर से शुरू नहीं करेंगे पोलीमर से शुरू नहीं करेंगे हम लोग अगर आपको लगता है ना कि सॉप इंडस्ट्री देन इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सुगर इंडस्ट्री तो आप जस्ट पोलीमर से ज्वाइन कर सकते हो भाई अभिषेक है ना इसके बाद हमारा टॉपिक होगा पोलीमर इंडस्ट्री पॉलीमर इंडस्ट्री हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा देन इसके बाद आफ्टर पॉलीमर इंडस्ट्री पॉलीमर इंडस्ट्री में देखिए जो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग जब इस सेक्शन को डिस्कस करेंगे तो वो बात हो जाएगी पॉलीमर में तारा लाइक फाइबर हो गया है ना सब चीज सर इज देर एनी चांस ऑफ द आस्किंग क्वेश्चन क्वेश्चन ओके इज देर एनी चांस ऑफ आस्किंग यूजिंग रिएक्शन इन केमिकल टेक्नोलॉजी और डायरेक्ट थ्योरी टाइप रिएक्शन इन केमिकल टेक्नोलॉजी और डायरेक्ट थ्योरी टाइप यार मतलब मैं जो चीजें बताऊंगा ना अगर उतना पढ़ के जाते हो आप केमिकल टेक्नोलॉजी में मैं मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ और पढ़ने की रिक्वायरमेंट है आप, आप एक मैं ये डिस्कस कर लेता हूं उसके बाद अगर मैं ये कंप्लीट करने के बाद आप बोल सकते हो कि ओके सर आपने ये नहीं पढ़ा है मुझे लगता है भी आ जाएगा तो वो बात हम बाद में करेंगे बट स्टिल मेरा ये आप सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं पहले है ना सो ये हो गया उसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो रहेगा पेट्रोलियम इंडस्ट्री पेट्रोलियम इंडस्ट्री सो आफ्टर पेट्रोलियम इंडस्ट्री हम लोग लास्ट में डिस्कस क्या करेंगे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री तो ये ये रहने वाला है बेसिक और यहां पर देख लीजिए ये पार्ट में आपके आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं पॉलीमर इंडस्ट्री पेट्रोलियम इंडस्ट्री पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री उससे पहले नेचुरल प्रोडक्ट इंडस्ट्री उसमें देखिए फर्टिलाइजर इंडस्ट्री क्लोरो एलकाल इंडस्ट्री ये सब टर्म हमारे रहने वाली है सो so, स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट नेचुरल इंडस्ट्री से जिसमें हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे अब यहां पर देखिए आपको क्या क्या टर्म याद होनी चाहिए हम लोग स्टार्ट करेगा इस पहले टॉपिक नेचुरल प्रोडक्ट इंडस्ट्री से नेचुरल प्रोडक्ट इंडस्ट्री तो गाइस कोर्स जस्ट स्टार्ट किया हमने आप एटलीस्ट अपने अपने सर्किल में शेयर से, कर सकते हो जिससे और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल जाए इस सब्जेक्ट में बिकॉज मैंने देखा है केमिकल टेक्नोलॉजी में काफी स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहता है आई डोंट नो क्यों रहता है मतलब ऐसा लगता है स्टूडेंट को यार थोड़ी थो, 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 थोरटिकल सब्जेक्ट है पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है लास्ट में पढ़ लेंगे लास्ट में पढ़ लेंगे बट स्टिल वो सब्जेक्ट रह जाता है है ना बिल्कुल आप साइडवेज करते हुए सब्जेक्ट को तो ये मुझे लगता है कि प्रॉब्लम काफी स्टूडेंट मुझे पूछ रहे थे कब से कि सर नेचुर हम लोग केमिकल टेक्नोलॉजी में कब स्टार्ट करेंगे केमिकल टेक्नोलॉजी कब स्टार्ट करेंगे ना तो अब मैं इसलिए आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने फ्रेंड में एटलीस्ट अपने फ्रेंड सर्किल जो भी आपका है उसमें शेयर कर दीजिए बिकॉज जस्ट लेक्चर मैंने स्टार्ट किया नाउ सो सो स्टार्ट करते हैं हम लोग देखिए पहला टॉपिक सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड हम लिखते हैं एस टू एसओ फोर

your all video will be uh, definitely helpful sir thank you sir for your live streaming okay bhai thank you for appreciation mm -hmm. तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड हम पहला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इस केमिकल टेक्नोलॉजी uh, के कोर्स में नेचुरल प्रोडक्ट इंडस्ट्री में टॉपिक आता है तो यहां पर मैंने बताया कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं लेट चेंबर प्रोसेस देन उसके बाद में कॉन्टेक्ट प्रोसेस तो लेट लेट जो है बेसिकली ये आउटडेटेड प्रोसेस हो गया मीनस पहले पुराना पुराना जो प्रोसेस था सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन के लिए वो था लेट चेंबर प्रोसेस तो यहां पे जो यहां पे देखिए यहाँ पे हमको जो सल्फ्यूरिक एसिड बनता था वो हमको मिलता था 78 एट परसेंट कंसंट्रेशन सेवेंटी परसेंट कंसेंट्रेशन अप्रोक रहता था जो हमें फाइनल एस टू एस एस मिलता था बेसिकली देन सेकंड देखिए कॉन्टेक्ट प्रोसेस कॉन्टेक्ट प्रोसेस इतना परफेक्ट प्रोसेस है एडवांस अभी यूज होता है आज के टाइम में कॉन्टेक्ट प्रोसेस जो है यहां पर हमको देखिए नाइनटी टू नाइनटी सल्फ्यूरिक एसिड सल्फुरिक एस का कंसंट्रेशन मिलता है ये कंसंट्रेशन आपको अच्छे से याद रखने का इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए ओके okay, बहुत स्टूडेंट ज्वाइन करते जा रहे हैं अभी अच्छी बात है सारे स्टूडेंट ज्वाइन करें लास्ट मैं देखिए केमिकल टेक्नोलॉजी बिल्कुल लास्ट में लेके आया हूं बिल्कुल बिकॉज अभी जो थ्योरी आप पढ़ोगे अभी जो भी चीजें आपको तो मतलब कि मैं बताऊंगा वो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है हो सकता है कि बाकी सब्जेक्ट के फॉर्मुलेज वो सब आपने पढ़ रखे हो बट स्टिल केमिकल टेक्नोलॉजी का मान के चलिए आप आज लास्ट रिवीजन है न, इसके बाद आपको नेक्स्ट टू से थ्री दिन में नेक्स्ट टू है ना इलेवन ट्वेल्व 13 को तो एग्जाम ही है नेक्स्ट टू डेज में कौलने, कौलने की रिक्वायरमेंट नहीं है फिर जो खत्म करना आज प्रोसेस केमिकल टेक्नोलॉजी का खत्म कर दीजिए आज रिवीजन ना इस मेरे कंप्लीट करने के बाद में आपको लगता है, है खत्म होने के बाद आप देख लीजिए सो so, मैंने यहां पर बताया कि चेंबर प्रोसेस हो गया एंड कॉन्टेक्ट प्रोसेस हो गया अब सल्फ्यूरिक एसिड को देखिए हम लोग अगर इसका यूज की बात करें एसिड एज एज ए स्ट्रॉन्ग डाया एसिड हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग डायाबेसिक एसिड या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना ऑक्सीडाइजिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका यूज होता है इसके बाद में इसको हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी बोल सकते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट ये मतलब बेसिक यूजेस है डिहाइड्रेटिंग एजेंट अब यहां पर देखिए अब इस कॉन्टेक्ट प्रोसेस की मैं बात करूंगा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है यहां पर आपको क्या क्या, क्या, क्या याद रखना है फर्स्ट थिंग इज द रो मटेरियल फर्स्ट थिंग इज द रो मटेरियल तो अगर मैं रो रो मटेरियल की बात करूं कॉन्टेक्ट प्रोसेस में तो मेरा सल्फर होता है रो मटेरियल एंड सल्फर के अलावा इज ओटू ओज दू कहां से लेते हैं हम लोग सिंपल एटमोस्फेयर एयर जो रहता है उससे हम लोग ओटो लेते हैं एंड द नेक्स्ट थिंग इज द केटलिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है केटलिस्ट हो जाता है तो कैटलिस की अगर मैं बात करूं तो वी टू ओ फाइवियम पेंटा ऑक्साइड जो है वो है प्रोसेस का तो कम से कम तीन चार बार तो आपको ये catalyst पूछा गया प्रोसेस का वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है वो कैटलिस्ट होता है कॉन्टेक्ट प्रोसेस का अच्छे से याद रख लीजिए ओ शिट मैन सॉरी एक मिनट तो गाइस कैसा है जोश क्लास का एक्चुअली एक्साइटमेंट में जो था पेन इसको मैंने यहां पर फेंक दिया दूर ना ओके सो हम लोग बात कर रहे थे रॉ मटेरियल की तो रॉ मटेरियल जो है वहां पर सल्फर एंड ऑक्सीजन एंड एंडलीस की अगर मैं बात करूं तो है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एंड द नेक्स्ट थिंग इज द केमिकल रिएक्शन है ना केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे कि कैसे सल्फर से ओ टू मिला के यहां पर एस टू एस टू फोर बनता है ओके गाइस नो देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं रोमोट ओके नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं हम लोग सो so, यहाँ पर लिख रहे हैं केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं ओके okay, जो साई है केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो सल्फर सल्फर अपनी सॉलिड स्टेट में रहता है प्लस ऑफ ओ टू गैसेस स्टेट में रहता है और एसओ टू बनाता है तो क्या ये ये एस टू फोर हो गया बहुत अच्छा चल रहा है सर ओके ओके ठीक है विमलेश पटेल सूरज काफी लोग आए आज एस टू एसओ हम लोग बात कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन की तो सल्फर प्लस ओटू जो है एसओ टू बनाता है ना यहां पर देखिए ये जो सेकंड रिएक्शन है मतलब कि दो स्टेप में रिएक्शन होती है सेकंड स्टेप में क्या होता है एसओ टू जो है ऑक्सीजन से हाफ ऑक्सीजन से और यहां पर हम, हमें रिक्वायरमेंट होती है केटलीस की हमारे हाँ से, से कोई भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जहां पर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन हो, हो रहा है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी तो वो ऑलवेज क्या होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी सिंपल फंड आगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी टू मतलब कि जो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है सबको पता होगा और जिसको नहीं पता याद कर लीजिए तो अब यहां पर देखिए मैंने बोला कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो जो हीट है वो रिलीज होनी चाहिए तो यहां पर देखिए इस इस फर्स्ट रिएक्शन के लिए 70.9 किलो कैलोरी जो हीट है वो रिलीज होती है एंड सेकंड रिएक्शन की अगर हम बात करें तो माइनस ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री किलो कैलोरी है वो रिलीज होती है ये

थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पर जो आपको याद रखना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो लो टेम्परेचर मतलब कि लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर लो टेम्परेचर होनी चाहिए सिर्फ टेम्परेचर की अगर हम बात करें बट नहीं स्टिल ऐसा नहीं होता है 400 टू 600 डिग्री टेमप्रचर की रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम एक हाई टेम्परेचर बोल सकते हैं जिसे हम एक हाई टेम्परेचर बोल सकते हैं इस प्रोसेस के लिए एंड सेकंड थिंग अगर प्रेशर की हम बात करें तो वन एटमोस्फेरिक प्रेशर तो लो प्रेशर ये काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये आपने देखा भी होगा गेट पेर की क्वेश्चन किया तो ये गेट में पूछा जाता है ना ये आपका सिंपल कंडीशन हो गया यहां पर तो मैंने अभी पहले रिएक्शन लिखी देखिए एसो टू से हाफ ओटू बना के एसो थ्री बना रहा है ना यहां तक क्लियर चीज है अगर हम लोग यहां इसकी प्रोसेस की बात करें तो देखिए हमने सिंपली पहले क्या किया ये मतलब कि इसमें बता देता हूं अच्छे से से बिकॉज वहां भी क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट स्टेप होता है एलिमेंटल सल्फर हम जहां पर यूज कर रहे हैं एलिमेंटल सल्फर एज ए फीड हमने इंट्रोड्यूस किया सेकंड जो स्टेप है वहां पर हम लोग एसओ टू और एसो टू और एयर हमारे पास में होता है सेकंड जो मेन कन्वर्जन चेंबर होता है देखिए इसमें दो कन्वर्जन चेंबर होते हैं एक है फर्स्ट फर्स्ट फेज फर्स्ट फेज और एक है सेकंड फेज तो फर्स्ट फेज की अगर हम बात करें तो इस फर्स्ट फेज में जो कन्वर्जन है वो होता है एट्टी परसेंट एट्टी परसेंट कन्वर्जन जो है हमको फर्स्ट फेज में अचीव हो जाता है एंड सेकंड फेज में नाइन्टी सेवन परसेंट सेकंड फेज में नाइन्टी सेवन परसेंट कन्वर्जन जो हमको अचीव हो जाता है फाइनली देखिए एसओ थ्री बन जाता है तो जो कॉन्टेक्ट प्रोसेस है उसमें देखिए एसो थ्री बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं ओलियम टावर फाइनली हम क्या करते हैं इस, इस ओलियम टावर हाई प्रेशर होगा सर हाई प्रेशर होगा नहीं नहीं, हाई प्रेशर बिल्कुल नहीं होगा सल्फर के साथ जो रिएक्शन होती है गाइस अगर आपको पता हो एस टू एस सल्फर बनाते हैं वो भी हाई टेम्परेचर लो प्रेशर लो प्रेशर रिएक्शन होती है ना और यहां पर भी जो रिएक्शन है गुड यार सरदार सरल का ओके okay, सो so, ठीक है अच्छी बात है मैंने बोला भी था अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है देना आप बोल सकते हो तो मुझे एटलीस्ट प्रेशर की आप वैल्यू बता दीजिए प्रेशर की वैल्यू बता मैं मैं के लिए श्योर हूँ मैं मैं के लिए श्योर हूँ प्रेशर की मुझे वैल्यू बता दीजिए एपॉक्समेटलीटली कितना रहता है फिर मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये लो प्रेशर प्रेश हाई प्रेशर है एपॉक्समेट बता दीजिए अच्छी बात है कि आप सल्फरिक एसिड में एसिड प्लांट में जॉब करके आए मैं सल्फर प्लांट में जॉब करता हूँ तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है ये तो ना तो सिंपल देख लीजिए गाइस है ना नेक्स्ट

हाँ मैंने तो पॉइंट फाइव लो के जी अरे पॉइंट फाइव तो लो लो प्रेशर हुआ ना पॉइंट फाइव लो प्रेशर हुआ किसने कहा कि हाई प्रेशर है पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव के जी कितना सा प्रेशर होता है यार हम लोग सल्फर के साथ डील करते हैं सल्फर में हम लोग वन के जी प्रेशर के ऊपर बात ही नहीं करते हैं सल्फर प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको किसी को मैं आगे आई थिंक डिस्कस भी करूंगा जस्ट थोड़ा सा कि सल्फर प्रोडक्शन कैसे होता है तो मैं बता दूं आपको कि जो फर्स्ट रिएक्शन है उस प्रोसेस अगर किसी को पता हो सल्फर प्रोडक्शन का तो क्लाउज प्रोसेस में एसटूएस के साथ में ऑक्सीजन रिएक्ट करता है और वो फॉर्म करता है एसोटू ये पहला स्टेप सेम होता है क्लाउस प्रोसेस एंड जो यहां पर कॉन्टेक्ट प्रोसेस है इन दोनों में पहला रिएक्शन सेम होता है एक्जेक्टली exactly. कोई डिफरेंस नहीं उनमें सेकंड रिएक्शन में डिफरेंस होता है कि वहां पर हम लोग वापस जो एसोटू होता है रिमेनिंग उसमें एसोटू जो है वो रिएक्ट करता है रिमेनिंग एसटूएस के साथ में सेकंड स्टेप अलग होता है बट फर्स्ट स्टेप सेम होता है दोनों प्रोसेस का मैं आपको बता दूं और वहां पर आ, हम लोग डील करते हैं लेस देन वन के जी प्रेशर पे सल्फर बनाने के लिए हम लोग लेस देन वन के जी प्रेशर पे डील करते हैं एप्रोक्सीमेटली हमारा प्रेशर होता है पॉइंट फाइव से वन के जी मैक्स पॉइंट नाइन ओके गाइस तो देखिए ओके okay, ये बहुत ज्यादा डिस्कशन से मतलब लेक्चर डिटेल में हो जाएगा है ना तो इतना मतलब बेसिक चीजें आपको जो भी मैं बता रहा हूँ लो लो प्रेशर ये सब चीज आपको याद रखनी है मेन मेरा जो डायग्राम का बनाने का परपज था वो था कि यहां पर पूछा जाता है क्वेश्चन फर्स्ट फर्स्ट फेज में कन्वर्जन होता है एट्टी परसेंट सेकंड फेज में कन्वर्जन होता है कितना सेवन परसेंट तो टेम्परेचर याद रखिए फोर हंड्रेड टू सिक्स हम बोलते हैं कन्वर्टर कन्वर्टर टू फेज है ना टू फेज कन्वर्टर ये हमारा होता है नौ अब यहां पर देखिए फर्स्ट स्टेज में ये हमको याद रखना है अगर हम टेपेचर की बात करें तो फर्स्ट स्टेज फर्स्ट स्टेज जो है वहां पर टेम्परेचर रहता है 500 हंड्रेड टू सिक्स डिग्री डिग्री सेंटीग्रेड एंड पर अगर हम कन्वर्जन की बात करें तो 80 परसेंट कन्वर्जन 80 परसेंट कन्वर्जन एंड सेकंड फेज जो है स्टेज पर टेम्परेचर रहता है 400 हंड्रेड टू फोर और यहां पर कन्वर्जन हमको मिलता है 97 परसेंट तो यह यहाँ पर कंप्लीट हो गया ओके okay, तो मैं आपको बता दूं लो प्रेशर लो प्रेशर ही होता है और मैंने लिखा भी वन एटमॉस्फेयर तो वन एटमॉस्फेयर पे है ना तो चंदन कुमार अगर आपका कंफ्यूजन है तो आप उसको ठीक कर लीजिए कि ये जो प्रोसेस है कॉन्टेक्ट प्रोसेस लो प्रेशर प्रोसेस होता है बिल्कुल मैंने सही बताया नाउ उसके बाद वर्ड हम यूज करते हैं ओलियम इस ओलियम का मतलब क्या होता है जो ओलियम टावर यहां पर है ना एसओ देखिए ओलियम का मतलब क्या है मैं यहां पर बता देता तो हूं आपको ओलियम मतलब कि ये क्या है मतलब कि द वेरियस कंपोजिशन ऑफ एसओ थ्री एसो थ्री का कंपोजिशन एस टू एस में मतलब अगर मैं लिखता हूं अगर मैं लिखता हूं कि 20% परसेंट ओलियम है 20% परसेंट ओलियम का मतलब क्या हुआ देखिए 20% परसेंट ओलियम मीन ट्वेंटी के जी एस ओ थ्री ट्वेंटी के जी एस ओ थ्री एंड रिमेनिंग जो एटी 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 के जी होगा वो क्या होगा एस टू एस ओ फोर होगा तो है ना एस टू एस ओ फोर होगा तो सिंपली ओलियम क्या हो जाता है एस टू एसओ एस टू एस ओ फोर प्लस ऑफ एसओ थ्री तो यहां पर से जो बनता है एस टू एस टू सेवन ये होता है ओलियम है ना इसे हम बोलते हैं ओलियम और एक चीज याद रखिए यहां पर देखिए जो फाइनल टावर होता है टावर वहां पर हम लोग यूज नहीं करते हैं वाटर यूज नहीं करते हैं है ना वहां पर हम लोग वाटर यूज नहीं करते हैं है, उसका रीजन होता है कि उसका रीजन बेसिकली क्या होता है मतलब वहां पर पूरा हाइट मतलब कि अगर हम लोग वाटर यूज करेंगे तो अगर बेसिकली ये क्या बना, बना लेगा एस टू एस ओ फोर मिक्स मतलब कंप्लीट आपका लाइक फॉगी मतलब टाइप का हो जाएगा वहां पर मिक्सर ना तो सिंपल देखिए हम लोग यहाँ पर कॉन्टेक्ट प्रोसेस में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज करते हैं इससे पहले इससे पहले हम लोग वहाँ पर यूज करते थे कैटलिस्ट प्लेटिनियम बट प्लेटिनियम जो है वो कॉस्टली कैटलिस्ट हो जाता है प्लेटिनियम जो है ये भी कैटलिस्ट यूज़ करते थे कॉन्टैक्ट प्रोसेस में बट ये बेसिकली क्या है एक तो रिएक्टिव है और एक कॉस्टली है ये बेसिकली क्या हो जाता है कॉस्टली हो जाता है अब उसके अलावा कैसे देखिए यहां पर ये जो, ये जो जो हमने चेंबर बनाया था बेसिकली ये इसका मटेरियल भी आपको याद रखना है इसका मटेरियल भी कभी कभी पूछा जाता है तो कन्वर्टर जो मटेरियल है कन्वर्टर मटेरियल बता देता हूं कन्वर्टर का जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन वो रहता है स्टेनलेस स्टील एस एस स्टेनलेस स्टील का बना होता है कन्वर्टर जो आपका चेंबर होता है है ना तो अब ये देखिए स्टेनलेस स्टील जो हमने बोला है कंपोजिशन uh, की अगर हम बात करें ओके कंपोजिशन की बात कर लेते हैं स्टेनलेस स्टील का कंपोजिशन क्या होता है तो स्टेनलेस स्टील जो होता है स्टेनलेस स्टील

डबल ऑब्जॉप्शन डबल कॉन्टेक्ट डबल ऑब्जॉप्शन यहां पर होता है डीसीडीए ये वर्ड है तो ये बेसिकली कहां पर यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है ये गेट में क्वेश्चन भी पूछा गया है तो ये आपको क्लियर होना चाहिए सल्फ्यूरिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए डबल डबल ऑब्जॉप्शन पर है देखिए मतलब टावर उसके बाद फाइनल मतलब टावर की रिक्वायरमेंट होती है ना तो यहाँ पर डबल कॉन्टेक्ट डबल डबल कॉन्टेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो, okay, ये तो, होता, ये तो बात तो पहले ही पर सॉरी सर डिस्टर्ब यू सर केमिकल इंजीनियरिंग के ऑल सब्जेक्ट uh, के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए विवेक केमिकल uh, टेक्नोलॉजी के ऑल केमिकल इंजीनियरिंग के ऑल सब्जेक्ट सॉरी केमिकल इंजीनियरिंग के ऑल सब्जेक्ट के डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए भाई मैंने स्टार्टिंग में जस्ट uh, लेक्चर को स्टार्ट करके देखना वहां पर एक एक पर्टिकुलर मैंने स्पेसिफिक बताया था नोट्स के लिए तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा विवेक आप बिल्कुल लेक्चर को स्टार्ट से देखना खत्म होने के बाद में तो आपको वहां पर मिल जाएगा आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो मैंने मैंशन की थी ठीक है तो स्टार्ट करते देखिए ये हो गया सिंपल इतनी चीज आपको पता है अगर इस प्रोसेस में देन सफिशियंट आपके लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस सफिशियंट है यहां पर आपको रिएक्शन पता होना चाहिए एक्सोथर्मिक होता है आपको कंडीशन पता होना चाहिए आपको कैटलिस्ट पता होना चाहिए रॉ मटेरियल आपको पता होना चाहिए ऑल अबाउट यहां पर यह हो गया है कॉन्टेक्ट प्रोसेस का इससे ज्यादा मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कैटलिस्ट इन सल्फ्यूरिक एसिड इज गिवन इज लाइक वेनेडियम पेंटेनियम विच इज करेक्ट आपको क्वेश्चन मिला ऐसा गेट में आपको क्वेश्चन मिला क्या ऐसा गेट में हरी संतोष कुमार बिल्कुल ऐसा गलती नहीं करेगा ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करेगा ऐसे क्वेश्चन नहीं 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 पुट अप किया जाएगा आपसे है ना ओके लेट्स स्टार्ट करते आगे ओके थैंक यू सर विवेक तो सल्फर नेक्स्ट देखिए हम लोग यहां पर सल्फर की बात करते हैं थोड़ी सी सल्फर सल्फर का थोड़ा सा मेथड ऑफ प्रोडक्शन देख लेते हैं मेथड ऑफ प्रोडक्शन मेथड ऑफ प्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर एलिमेंटल सल्फर एलिमेंटल सल्फर की बात कर रहे हैं एलिमेंटल सल्फर सल्फर प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं देखिए इसके लिए प्रोसेस एस इज द पोजिजन फॉर प्लेटिनियम हा मैंने बोला है ना जो जो बेसिकली ये, ये होता है ना क्या बोलते हैं मोरली कॉस्टली और रिएक्टिव होता है उसके साथ में तो वो रिएक्टिव वाला जो टाइम है उसके उसका मतलब पोजन से रिलेटेड था ना तो पहले यूज करते थे मैंने बोला पहले यूज करते थे बट अब वेनेडियम पेंटाऑक्साइड परफेक्ट कैटलिस्ट है उस प्रोसेस के लिए और वही हम यूज करते हैं सो so, उसके बाद क्या हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट सल्फर सल्फर में देखिए मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं पहला प्रोसेस जो है सल्फर सल्फर प्रोडक्शन के लिए वो है क्लाउस प्रोसेस जो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था क्लाउस प्रोसेस वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस है इसके बाद इसका मॉडिफाइड क्लाउस प्रोसेस भी आया है ना इसका मॉडिफाई क्लाउस क्लाउस प्रोसेस या फिर हम लोग मॉडिफाई क्लाउस प्रोसेस बोल सकते हैं मॉडिफाइड क्लाउस प्रोसेस सल्फर प्रोडक्शन के लिए उस है ना उसके बाद में यहां पर देखिए एक फिनिश प्रोसेस भी होता है एक फिनिश प्रोसेस होता है और एक यहां पर है क्रास्ट प्रोसेस तो ये सब सल्फर के लिए है इतना आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए लेकिन ये क्लाउस प्रोसेस इंपॉर्टेंट है देखिए सेम चीज मैं यहां पर बोलूंगा आपको क्लाउस प्रोसेस जो है वो भी लो लोसेस लो प्रेशर लो प्रेशर के साथ डील करते हैं यहां पर और क्लाउस प्रोसेस कहां पर यूज करते हैं हम क्लाउस प्रोसेस यूज करते हैं आ, मतलब कि रिफाइनरीज के लिए है ना बाई प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनरी बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनरी यहां पर रॉ मटेरियल होता है तो आपको पता है कि जितना भी क्रूड ऑयल यूज करते हैं इंडस्ट्री में सब में एस्टूअस होता है सब में सब में एस्टूअस गैस होती है तो वो जो एस्टूअस होता है बेसिकली उसको हम पहले की से सेपरेट करते हैं, ना? उसके बाद उसका रीजनरेशन करके जो एसिड गैस फॉर्म होता है उसको फाइनली हम लोग विद दी हेल्प ऑफ क्लाउस प्रोसेस एलिमेंटल सल्फर में कन्वर्ट करते हैं सो so, ऑफ द इंपोर्टेंट प्लान होता है पेट्रोलियम uh, मतलब की रिफाइनरी का पेट्रोकेमिकल पेट्रोलियम रिफाइनरी का वन ऑफ द इंपोर्टेंट प्लान होता है सल्फर बिकॉज विदाउट सल्फर आप इंडस्ट्री रन नहीं कर सकते हो डिपेंड कर बट स्टिल आपको सल्फर प्लांट चाहिए होता है तो क्लाउज प्रोसेस जो है वहां पर हम लोग मतलब फीड uh, यूज करते हैं बाई प्रोडक्ट ऑफ द पेट्रोलियम रिफाइनरीज बाई प्रोडक्ट ऑफ द पेट्रोलियम रिफाइनरीज अब देखिए ये जो मैंने यहाँ पर फ्राइस प्रोसेस बताया देखिए क्या, क्या होता है माइनिंग केस में यूज होता है

प्रोसेस प्रोसेस तो में दो रिएक्शन होती है देखिए प्रोसेस की मैं बात कर रहा सिंपल इसमें क्या होता है हाइड्रोजन सल्फाइड जो है एस टू एस एस टू एस से थ्री ओ टू देखिए रिएक्ट कर रहा है और टू बन जाता है, 2SO2 बन जाता है 3 O2, तो सिंपल रिफाइनरी से बेसिकली रिकवर करते हैं हम लोग गैस एस टू एस उससे उसको हम लोग एलिमेंटल तो पहली रिएक्शन हो गई है पहली reaction, होती है आई एम फुली डिपेंडेंट ऑन यू सर फॉर सिटी ओके गुड ओके सो सेकंड देखिए अब इसमें होता क्या है इसमें बेसिकली हमारे पास जितना जितना हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होता है फीड में उसमें से हम क्या करते हैं फर्स्ट वन बाई थ्री फर्स्ट हम क्या करते हैं वन बाई थ्री जो है हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं ऑक्सीजन के साथ में एसोटू बना लेता है और ये जो एसो टू है और जो रिमेनिंग यहाँ रिमेनिंग जो बेसिकली हमारा एसटूएस रहता है उस, उस रिमेनिंग के साथ में ये एसो टू सेकंड स्टेप में ये एसोटू जो है थ्री बाई टू एस टू एलिमेंटल सल्फर इसे हम बोलते हैं एलिमेंटल सल्फर ये फाइनली एलिमेंटल सल्फर बन जाता है तो एक तो यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन के लिए है हाँ ना उसके अलावा ये फार्मास्यूटिकल में भी यूज होता है फार्मास्यूटिकल के लिए भी ये जो सल्फर है ये यूज होता है डिपेंड करता है कि आप आपका फाइनल आ, मतलब आ, आ, आप एलिमेंटल सल्फर बना रहे हो या फिर इसको और भी आप इंप्रूव कर रहे हो ना तो ये सिंपल क्लाउस प्रोसेस है तो यहाँ पर याद रखना आपको कैटलिस्ट कैटलिस्ट की के अगर मैं बात करूं फॉर द क्लाउस इसम एल टू ओ थ्री है ना एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है बेसिकली ये यह यहां पर हो जाता है एल टू ओ थ्री अलुमिनियलिनियम बेस्ड कैटलिस्ट जो है वो यूज करते हैं हम लोग सल्फर प्रोडक्शन के लिए इन अ क्लाउज प्रोसेस ओके गाइस यहां तक क्लियर है एनी एनी एनिक्यूशन इन सल्फर प्रोडक्शन एंड एंड सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर प्रोडक्शन और सल्फर प्रोडक्शन में अगर uh, कोई भी डाउट हो

इस प्रोसेस की मैं बात करू यहां पर देखिए फर्स्ट रिएक्शन सेकंड रिएक्शन ये जो क्लाउज प्रोसेस है ये भी आपका हाई टेम्परेचर ऑक्सीडेशन हो रहा है फिर भी हाई प्लस लो 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 प्रेशर प्रेशर प्रोसेस होता है अगर मैं आपको की बात करूं तो यहां पर टेम्परेचर रहता है हमारा 1100 टू 1350 1100 टू 13 ये जस्ट अप्रॉक्सीमेटली मतलब 1100 से 1400 भी आप बोल सकते हो बट एटलीस्ट हाई रेंज आप है ना देन उसके बाद में लो प्रेशर प्रेशर की अगर हम बात करें तो यहां पर पॉइंट से वन के अब एक और चीज आप याद रख सकते हो माइंड में Refinery में रिफाइनरी में ऐसे यूनिट जहां पर हम लोग हाईएस्ट टेम्परेचर के साथ डील करते हैं वो होती है सल्फर ये क्लाउज प्रोसेस प्रोसेस है जहां पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर के साथ हम डील करते हैं कोई भी ऐसा मतलब कि यहां पर बाकी यूनिट नहीं होता है लाइक सीडियो वीडियो आइडो कैकर और उसके बाद एमएसपी डीएसडी टी कहीं पर भी इतना टेम्परेचर के साथ डील नहीं करते हैं फर्नेस में टेम्परेचर रहता है मैक्स फोर हंड्रेड फोर फिफ्टी अदरवाइज तो आपका जो क्रेकिंग हो जाता है बेसिकली क्रूड ऑयल का ना सिर्फ पेट्रोलियम रिफाइनरी में एकमात्र यही सल्फर uh, प्लांट जो होता है जिसमें मॉडिफाइ क्लाउज प्रोसेस के लिए हम लोग टेम्परेचर पर डील करते हैं थर्टीन हंड्रेड थर्टीन फिफ्टी डिग्री टेम्परेचर ओके वी नीड टू वी नीड टू रिमेंबर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं सजेस्ट करूंगा बट या लॉजिकली मैं देखिए ये जो पहले वाले दो प्रोसेस क्लाउज प्रोसेस एंड कॉन्टेक्ट प्रोसेस ये थोड़े से एक्सेप्शनल केस आप मतलब हमारा ऑक्सीडेशन okay, हो रहा है की हो ना? की हो अगर आप याद रखते हो तो बट ओके okay, लेकिन जो स्पेशल केस है उसमें आपको क्लियर होना चाहिए उसमें आपको पता होना चाहिए ओके एक्सैक्ट टेम्परेचर याद रह जाएगा यार कुछ भी नहीं है जैसे मैंने आपको बोला कि इलेवन हंड्रेड टू थर्टीन फिफ्टी तो मैं थोड़ी बोल रहा हूँ आप इसको थाउजेंड से फोटी हंड्रेड याद रख लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं बट स्टिल आपको याद होना चाहिए हाई हो ओके कंटिन्यू करते अब देखिए सिंपल ये कर, ये फंडा याद रखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती है ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना ऑल एक्सो ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑलवेज ये स्टेटमेंट ऑलवेज है ऑलवेज ट्रू है ऑलवेज ट्रू इस तरीके से अगर कॉमन कंसर्ट बना लेंगे तो आप आपकी चीजें मिस नहीं होगी ना इसको जस्ट आप एक नोट बना लीजिए है ना

जहां पर डायलू टेस्टूएस की हम बात करते हैं वहां पर लेड लेड बेसिकली जो है यूज होता है मटेरियल ये बेसिकली मटेरियल मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और उसके बाद अगर हम लोग बात करें ओलियम जो कॉलम होता है ओलियम कॉलम बेसिकली ओलियम कॉलम जो होता है वो यूज होता वो बना होता है कार्बन स्टील का वो कार्बन स्टील का बना होता है देन इसके बाद में अगर ऑब्जॉप्शन टावर की हम बात करें ऑब्जॉप्शन टावर तो ऑब्जॉप्शन टावर जो है वो माइल्ड स्टील माइल्ड स्टील का बेसिकली रहता है उसके बाद में अगर ओके उसके बाद में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट ओके कंसनट्रेट ओके कंसनट्रेटेड हाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक एससीएल के लिए बनाने के लिए जो बेसिकली कॉलम होता है वो एस्टिलोई का बेसिकली होता है ना मिक्सिंग मटेरियल होता है ये तो ये बेसिक चीज है आप याद रख सकते हो अब एक एक टर्म में बता देता हूं आपको फाइनली द बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट अगर आपको कोई पूछता है बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट का एग्जाम्पल है एस टू एसओ फोर एस टू एसओ फोर जिसे हम सल्फ्रिक एसिड बोल रहे हैं और इसके अलावा चारकोल भी बेसिकली बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है उ अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं पेपर इंडस्ट्री सफिशियंट है जो मैंने पढ़ाया इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ओके क्या लिखा है प्रद्युमन सिंह तो नेक्स्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूं पेपर इंडस्ट्री देखिए पेपर इंडस्ट्री में क्या क्या याद करना है पेपर इंडस्ट्री में दो पार्ट है पहला होता है पल

फ्रॉम बेंबू देन इसके बाद में वुड बेंबू वुड एंड बागस ये बेसिकली आपका नॉन नॉन वुड हो जाता है ना नॉन वुड तो यह सबसे जो फाइबर हम बेसिकली कलेक्ट करते हैं उसी फाइबर को हम लोग क्या बोलते हैं पल्प बोलते हैं और उसी के बाद उसको हम लोग फाइनली किस में कन्वर्ट करते हैं उसको हम कन्वर्ट करते हैं पेपर में फिनिशिंग जो हम लोग देते हैं उसको तो देखिए पल्पिंग में बेसिकली क्या क्या होता है अब यहां पर ये जो फाइबर में हम कलेक्ट करते हैं मतलब ये पूरा डिस इंटीग्रेशन फोन में मिलता है तो इसको बल्की फाइबर मतलब फाइबर की टाइम में स्टेट फाइबर की टाइम में इसको कन्वर्ट किया जाता है पल्पिंग में तो देखिए इस, इसके लिए डाइजेस्टर एक इक्विपमेंट होता है सिंपली देखिए कैसे बनता है पल्प डाइजेस्टर इंडस्ट्री डाइजेस्टर होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं लाइक सिंपल जो वुड की हम बात कर रहे हैं जहां पर फाइबर होता है तो वुड चिप्स मतलब स्मॉल स्मॉल पीसेस लाइक एम 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 में होता है बेसिकली वो हम इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं उसके अलावा हम इसमें वाटर इंट्रोड्यूस करते हैं लाइक फिफ्टी परसेंट जैसा वाटर रहता है और फीड रहता है हमारा वुड चिप्स जो है ट्वेंटी फाइव परसेंट रहता है उसके बाद हम बोलते हैं व्हाइट लिक्विड हम लोग इसमें केमिकल यूज करते हैं व्हाइट लिक्विड इसे बोलते हैं और गेट एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि व्हाइट लिक्विड क्या होता है वाइट लिक्विड होता है एन ए टू एस प्लस ऑफ एनएच इसका जो मिक्सर होता है एनए टू एस एन ए टू एस प्लस ऑफ एनए ये होता है व्हाइट लिक्विड याद रखिए इसको अच्छे से तो फाइनली हमको इस डाइजेस्टर में एक प्रॉपर टाइम के लिए यहाँ पर ये प्रोसेस होता है उसके बाद हमको फाइनली क्या मिलता है आउटलेट में फाइबर इस फाइबर को आप इन मतलब साइंटिफिक नॉलेज वर्ड में बोल सकते हो सेलुलोज है ना ये फाइबर बेसिकली क्या है सेलुलोज होता है देन इसके बाद में हमको जो रिमेनिंग मिलता है वो होता है ब्लैक लिक्विड ब्लैक लिक्विड होता है मतलब ब्लैक लिक्विड क्या करता है कि जो वुड के अलावा मतलब ये वुड का जो एक्सटर्नल पार्ट होगा है ना उसमें से फाइबर रिमूव हो गया उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट होता है बेसिकली वो व्हाइट लिक्विड के साथ मिक्स हो जाता है और ब्लैक लिक्विड बना लेता है ब्लैक जो लिग्निन मतलब जिसे हम लोग लिग्निन भी बोलते हैं तो यहां पर सिंपली जो लिग्निन है लिग्निन बेसिकली व्हाइट लिक्विड के साथ एड हो जाता है तो वो बना लेता है ब्लैक ब्लैक लिक्विड है ना लिग्निन प्लस व्हाइट लिक्विड लिग्निन प्लस व्हाइट लिक्विड ओके गाइस अब यहां पर एक वर्ड आपको याद रखना होता है जिसे हम बोलते हैं बाथ रेशो है ना इस पर्टिकुलर एक के लिए एक बाथ रेशो होता है बेसिकली वो बाथ रेशो क्या होता है इज डिवाइडेड बाय द लिक्विड रेशो वुड इज डिवाइडेड बाय द लिक्विड रेशो लिक्विड रेशो का मतलब क्या है इनपुट कितना हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लिक्विड So, ये बात रेसो so कुछ वन मतलब कि अगर हम लोग यहां पर देखे थे कि वुड कितना हो गया 20, मतलब परसेंटेज में मिलकर हूँ डायरेक्टली ट्वेंटी फाइव परसेंट वुड हो गया नीचे अगर हम लिक्विड की बात करें तो ये देखिए यहां पर ट्वेंटी लिक्विड हो गया ट्वेंटी परसेंट लिक्विड हो गया बिकॉज फिफ्टी परसेंट वॉटर है तो कुछ वन बाई थ्री जैसा ही फैक्टर होता है ट्वेंटी अपॉन ऑफ ट्वेंटी वाटर है तो ये ट्वेंटी अपॉन ऑफ सेवेंटी मतलब कि ये हो गया वन बाई थ्री परसेंट जैसा ये रेशो रहता है तो यहां पर याद रखना आपको व्हाइट लिक्विड ये इंपॉर्टेंट टाइम है ओके okay? वाइट लिक्विड जो होता है एन ए टू एस प्लस ऑफ एन एच सबको याद होगा होपफुली अब ये जो डाइजेस्टेड प्रोसेस जो होता है बेसिकली पल्प पल्प प्रोडक्शन के लिए बेसिकली यहां पर यहाँ पर एक आ, मतलब एक आ, मतलब हाई लेंथ का बेसिकली मतलब कि एक लॉन्गर टावर होता है बेसिकली जहां पर इस कॉलम में हम लोग टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं देखिए 172 सेवेंटी टू हंड एट्टी डिग्री सेंटीग्रेड वन सेवेंटी टू एट्टी डिग्री सेंटीग्रेड और अगर प्रेशर की मैं बात करूँ तो टेन एटमोस्फेयर इस रेंज का इसमें यहां पर होता है मतलब टेम्परेचर और प्रेशर अब इसमें इसमें मतलब कि प्रॉपर टाइम दिया जाता है कि कितने टाइम तक इसको रखना है होल्ड पे रखना है तो वो होता है उसे हम कुकिंग टाइम बोलते हैं बेसिकली है ना कुछ हाफ एंड आवर जैसा रहता है जिसे हम रेजिडेंस टाइम भी बोल सकते हैं कि हमारा उसमें वुड व्हाइट लिक्विड और जो वाटर है वो हाफ एंड वन एंड हाफ आवर के लिए बेसिकली मतलब कि उसमें होल्ड करता है तो अब उसके बाद में देखिए पेपर क्या होता है बेसिकली पेपर होता है फिनिश प्रोडक्ट जो पल्प हमको बन जाता है, है बेसिकली मतलब, like, मतलब डायलूटेड रहता है मतलब इसमें जो वाटर होता उसको है उसको रिमूव करते हैं हम लोग है ना तो पल्प बेसिकली पल्प का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो होता है पेपर वो होता है पेपर अब उसके अलावा एक वर्ड आप ये भी देख सकते हो कि कुकिंग सोल्यूशन क्या होता है देखिए तो कुकिंग सोल्यूशन की मैं अगर बात करूं तो वो होता है व्हाइट लिक्विड जिसमें हम लिख रहे हैं एन Na2, ए उसके बाद हम लोग लिखते हैं NaOH ये हो गया व्हाइट लिक्विड का पार्ट और उसमें हम लोग एन भी यूज करते हैं Na2CO3 बेसिकली क्या है हम रिकवरी के लिए यूज करते हैं ये हम लोग रिकवरी के लिए यूज करते हैं तो यहां पर Na2CO3 भी हमने लिख दिया ना अब नेक्स्ट देखिए हम लोग इस पेपर पेपर प्रोडक्शन के लिए पेपर प्रोडक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्लीचिंग एज ए ब्लीचिंग एजेंट यूज करते हैं तो ब्लीचिंग एजेंट क्या करता है बेसिकली ब्लीचिंग एजेंट क्या करता है कलर रिमूव करता है कलर को रिमूव करता है ब्लीचिंग ब्लीच आ, मतलब कि ये ब्लीचिंग जो भी ब्लीचिंग एजेंट रहता है वो बेसिकली क्या करता है कलर को रिमूव करता है ओके कलर को रिमूव करता है लेकिन ब्लीचिंग आ, ब्लीचिंग आ, अगर एजेंट की मैं बात करूं तो ब्लीचिंग एजेंट की एग्जांपल देख लीजिए एस टू ओ टू सी एल टू ओ थ्री ओ टू ये सब बेसिकली क्या है ब्लीचिंग एजेंट है अब यहां पर देखिए जो प्रोसेस में लिख रहा हूं सल्फेट क्राफ्ट गेट के लिए इंपॉर्टेंट सल्फेट क्राफ्ट प्रोसेस सल्फेट क्राफ्ट प्रोसेस जो है यहां पर मैं लिख रहा हूं हम लिखते हैं देखिए सल्फेट क्राफ्ट प्रोसेस में क्या होता है एन ए टू एसओ फोर एन ए टू एसओ फोर एल्काइलिन प्रोसेस और इसमें हम प्लस एड कर देते हैं व्हाइट लिक्विड जिसे हम लिख रहे हैं एनए टू एस प्लस यहां पर एड हो जाता है बेसिकली एनए टू एन एसओ फोर और उसमें यहां पर हम लिख रहे हैं एन ए टू एस प्लस एनओ एच तो ये यह यहां पर व्हाइट लिक्विड है इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सल, है, ये याद रखना गेट में पूछा गया है।

और ये हो गया सल्फेट क्राउड प्रोसेस अब अगर ये सल्फेट क्राउड प्रोसेस है एक यूज लाइक मैं यहां पर प्रोसेस लिख देता हूं देखिए सल्फाइड प्रोसेस रिगार्डिंग द रिगार्डिंग द पेपर इंडस्ट्री सल्फाइड सल्फाइड प्रोसेस स्वेड़ प्रोसेस तो एसिडिक मीडियम की अगर हम बात करें एसिडिक मीडियम एसिडिक मीडियम की अगर हम बात करें तो मेरा जो प्रोसेस है देखिए हो जाता है मैग्नीफाइड प्रोसेस और इसमें देखिए आपको कुछ याद रखना है इसमें मैग्नीशियम यूज हो रहा है ना मैग्नीशियम बाई सल्फेट एम जी एम जी एच एसओ थ्री देखिए देखिए हो सकता है आपको ये टिपिकल लग रही हो होटम लेकिन डेफिनेटली आपको याद होनी चाहिए गेट के क्वेश्चन अगर उठा के देखोगे तो आपको मिल जाएगा वहां पर है ना सल्फाइड प्रोसेस सल्फेट प्रोसेस तो एसिडिक मीडियम के केस में हम लिखते हैं मैगनीफाइड मे प्रोसेस जो है जिसमें देखिए मैगनीजियम यूज हो रहा है मैग्नीजियम मैग्नीजियम बाई सल्फेट मैग्नीजियम बाई सल्फेट है ना प्लस इसमें हम लोग यूज करते हैं फ्री एसो फ्री एसो इन एसिड मीडियम फ्री एसोटू इन द एसिडिक मीडियम इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है जो लिख रहा हूं अभी ना उसके बाद बी देखिए यहां पर लाइक न्यूट्रल सल्फेट न्यूट्रल न्यूट्रल सल्फाइड अगर मैं लिखूं तो न्यूट्रल सल्फाइड में क्या आता है एनए टू एसओ थ्री ब्लैक लिक्विड एनए टू क्या बोलते हैं ग्रीन लिक्विड एन इसके बाद में एनएच थ्री अगर आपको लाइक एक भी टर्म याद है ना तो आप यहां से आंसर कमेंट कर सकते हो और ये तो हो गया एसिडिक मीडियम केस में अगर आपको बेसिक पूछा जाए आपका सोडियम आप हो सोडियम बाईसल और यहां पर एनए टू थ्री Na2SO3. तो यहाँ पर एक एक बार याद रख लीजिए मैग्निफाइड प्रोसेस हो तो एम जी एच एसओ थ्री यूज होता है उसके बाद में ये मेंसओ टू इन एसिडिक मीडियम वाला टाइम वहां पर गिवन रहेगा आपको आई थिंक गेट में ये वाला टाइम पूछा गया उसके अलावा ये एसिड सल्फाइड जो है एन एच एसओ एंड एन ए टू एस एन 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 ए टू सीओ थ्री ये टाइम जो है बेसिकली सोडियम ये बेसिक मीडियम को डिनोट करता है तो यहां पर इस प्रोसेस में आपको याद रखना पड़ता है कि सल्फेट प्रोसेस जो है सल्फेट क्राउट प्रोसेस वो कैसे हम लोग डिनोट करते हैं मैग्निफाइड प्रोसेस होता है तो ये वाला आंसर हमको चूज करना होता है ये फर्स्ट वाला A वाला ए और सी वाला ये दो इंपॉर्टेंट है सल्फेट क्राउट प्रोसेस है तो हमको चूज करना पड़ेगा यहां पर यह देखिए एनेट, वाला जिंक सल्फेट एग्जैक्टली है ना तो इसके बाद नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट यहां पर हम लोग यूज करते हैं मल्टी इफेक्ट ऑपरेटर अब वो जस्ट इसी में अलग अलग नेम है उसको आप याद रख सकते हो तो यहां पर मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं मल्टी इफेक्ट मल्टी इफेक्ट मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर तो मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर आपको पूछा जाता है कि कहां पर यूज होता है तो मल्टी इफेक्ट ऑपरेटर जो है वो पेपर पेपर इंडस्ट्री प्रोडक्शन के लिए यूज होता है मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर देखिए ऑपरेटर का पर्पस क्या है वाटर को रिमूव करना वाटर को बिकॉज हमने मैंने बोला कि पल्प में मोस्टली क्या रहता रहता है? रहता है। वाटर तो हैल्टी ऑपरेटर की वाटर जो होता बेसिकली okay, मतलब, हम लोग 10, initially मतलब हम देखते हैं कि वाटर जो है, 10 12 होता है उसको हम लोग कंसेंट्रेशन उसकी इंक्रीज करके हेल्प ऑफ द मल्टी इफेक्ट ऑपरेटर सिक्सटी टू सिक्स परसेंटेश बना देते हैं तो उसके बाद यहां पर देखिए केमिकल यूज जो होता है रिकवरी के, के केस में केमिकल यूज जो हम करते हैं रिकवरी में केमिकल यूज इन रिकवरी वो आपको याद रखना है केमिकल यूज इन द रिकवरी इज एन ए टू एसो फोर एन ए टू एसओ फोर प्लस सल्फर ये केमिकल यूज होता है रिकवरी के लिए ये केमिकल यूज होता है रिकवरी के लिए मैं कंप्लीट प्रोसेस एक बार लिख देता हूं देखिए रिकवरी का ब्ले रिकवरी ऑफ वहां पर ही वो जो मैं एन ए टू सीओ थ्री टाइम बोलाता ना ये केमिकल यूज करते हैं हम लोग रिकवरी के लिए मतलब जो लिग्निन प्लस ब्लैक लिक्विड होता है मतलब ब्लैक लिक्विड जो होता है लिग्निन प्लस वाइट लिक्विड वहां पर उस व्हाइट लिक्विड को वापस मतलब कि उसका रिकवरी करने के लिए हम केमिकल यूज करते हैं Na2SO4 प्लस सल्फर और ये बेसिकली केमिकल यूज करने के बाद वहां पर Na2CO3 एज ए एज ए बाई प्रोडक्ट हमको मिलता है मतलब इनिशियली हमको मिलता है जिसे हम लोग ग्रीन लिक्विड बोलते हैं Na2CO3 देख मैं बता देता हूं आपको रिकवरी प्रोसेस क्या होता है ब्लैक लिक्विड का रिकवरी लिक्विड रिकवरी लिक्विड देखिए क्या होता है इसमें सिंपली क्या करते हैं Na2SO4 प्लस टू कार्बन से रिएक्ट करके ये बनाता है एन ए टू एस प्लस ऑफ टू सीओ टू सेकेंड क्या होता है लिग्निन एन एन ए आर जो है लिग्निन मैं आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात बता दूंगा यहाँ पर क्या याद रखने देखिए लिग्निन साल्ट जो होता है वो एयर से रिएक्ट करके Na2 Na2CO3 बनाता है Na2CO3 ए टू सीओ थ्री ये एस ओ टू यहाँ पर टाइम देखिए एंड इसके बाद में Na2SO4 से रिएक्ट मतलब कि ये टू कार्बन से रिएक्ट करके ये बना रहा है उसके बाद यहां पर लिग्निन साल्ट जो है जस्ट वर्ड याद रख लीजिए लिग्निन साल्ट वो एयर से रिएक्ट करके Na2CO3 बना रहा है फाइनली देखिए Na2CO3 जो है ये कोल्ड वाटर के साथ कोल्ड वाटर के साथ मतलब कि जब

है ना यहां पर हमको ये मिलता है इसे मिल्क ओके okay, इसको हम लोग मिल्क ऑफ लाइम भी बोलते हैं जो ये बेसिकली सी एच होल टू बेसिकली जो है ओके देन फाइनली यहां पर देखिए हमको क्या मिल जा रहा है सीएसओ थ्री मिल जा रहा है ये जो होता है है ना ये हीट जब इसको मिलता है तो ये सीएओ प्लस सीओ टू में कन्वर्ट हो जाता है मतलब वापिस जो uh, ये हम लोग ये मतलब कि ये जो एज ए मेकअप लाइम हम यूज करते हैं ना इस एन ए टू सीओ थ्री को एनओ एच में कन्वर्ट करने के लिए सीओ नॉट लिक्विड नॉट लिक्विड लिक्विड हाँ अरे लिक्विड नहीं बोल रहा हूँ मैं हो सकता है आपको प्रोशन मेंिक्विड सुनाई दे रहा हूँ एक्जैक्टली exactly लिक्वेड बोल रहा हूँ ना तो सिंपली यहाँ पर देखिये यहां पर हम लोग क्या लिख रहे हैं सी ए ओ प्लस ओफ एस टू जो है वापिस मतलब कि यह जो मेकअप लाइम होता है ये रिकवर हो जाता है यहां पर इस रिएक्शन में मेकअप लाइम जो है मिल्कअप लाइम ये वापिस रिकवर हो जाता है ओके okay, शुभम शुभम अग्रवाल ठीक है गुड नोटिस किया आपने तो सिंपल आप सीक्वेंस एक देख लीजिए अगर मैं सीक्वेंस बताऊं फाइनल फिनिश कर रहे हैं हम लोग पेपर इंडस्ट्री देखिए सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो पहले क्या होता है पहले क्या होता है सिंपल व्हाइट लिक्विड व्हाइट लिक्विड हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो व्हाइट लिक्विड क्या हो जाता है एन ए टू एस प्लस ऑफ एन एच प्लस कन्वर्ट हो जाता है जब प्रोसेस होता है तो वहां पर ब्लैक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और ब्लैक लिक्विड क्या होता है लिग्निन लिग्निन प्लस प्लस लिक्विड और फाइनली ये ये किस में कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो ये होता है Na2CO3 एक्वस Na2CO3 एक्वस एंड फाइनली हम इसको वापस रिकवर कर लेते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है वाइट लिक्विड में है ना तो ये मतलब क्या होता है ना कि मतलब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से याद रख सकते हो आप ओके okay, कि ये ये केमिकल यूज हो रहा है काफी सारे केमिकल हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलरली मतलब कि पेपर इंडस्ट्री के केस के के में तो अब कंटिन्यू करते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं देखिए ओके पेपर पेपर प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं तो पेपर प्रोडक्शन के लिए देखिए फाइनली पेपर प्रोडक्शन के लिए जो अगर प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है मतलब मेन पर्पज जो होता है लाइक uh, मतलब प्रेसिंग करके ड्राइंग करके फिनिशिंग करके हम लोग फाइनली क्या करते हैं जो पल्प है उसको हम लोग इंप्रूव करते हैं और फाइनल एज एज ए ए फाइनल प्रोडक्ट हम उसको पेपर में कन्वर्ट करते हैं तो उसके रिगार्डिंग देखिए कुछ यूज यूज uh, होती है लाइक like, Like हम लोग एलम यूज कर रहे हैं है ना एलम अलुमिनियम सल्फेट अगर मैं बोलूं अलुमिनियम सल्फेट हम लोग यूज करते हैं तो एलम देखिए क्या हो जाएगा केसी एल के सी एल इंटू एसओ फोर के सी एल इंटू एसओ फोर एसओ फोलवास टू डॉट ट्वेल्व हाइड्रेटेड मतलब हो गया ये हाइड्रेटेड एलम ना इंटू इंटू टू तो ये बेसिकली क्यों यूज करते हैं फॉर प्योरिटी ऑफ वाटर फॉर प्योरिटी ऑफ नॉट सॉरी सॉरी फॉर ऑफ पेपर पेपर प्योरिटी की बात कर रहा हूँ पेपर प्योरिटी के लिए हम लोग एलम यूज करते हैं है ना उसके बाद में लाइक फिलर्स यूज करते हैं जिसके लिए, जिसको हम बोलते हैं लाइक ब्राइटनेस इंक्रीज करने के लिए ये बेसिकली यूज होता है टू इंक्रीज द ब्राइटनेस फ्लेक्सिबिलिटी एंड सॉफ्टनेस देन उसके बाद में कलरिंग एजेंट होते हैं ना सिंथेटिक uh, मतलब कि कलरिंग एजेंट यूज किए जाते हैं फाइनली कलरिंग एजेंट यूज किए जाते हैं फाइनल uh, मतलब कि पेपर पेपर में कलरिंग एजेंट की अगर हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट कलरिंग एजेंट होते हैं लाइक like, जो uh, जो uh, मतलब फाइनल कलर बेसिकली देता है लाइक ना ब्लू कलर का पेपर चाहिए आपको जिस भी कलर का पेपर चाहिए तो वो फाइनली कलरिंग एजेंट की हेल्प से मतलब uh, बनाया जाता है सिंथेटिक ऑर्गेनिक डाई स्टेप्स बेसिकली होते हैं उसके अलावा वाटर इंसोल्यूबल पिगमेंट्स uh, भी यूज करते हैं नाउ इसके बाद नेक्स्ट देखिए पेपर इंडस्ट्री की हम बात कर रहे थे पेपर इंडस्ट्री में हम हम लोग एक टाइम डिफाइन करते हैं जिसे हम बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं सल्फिडिटी और इसको आप याद रख सकते हो ये क्या हो जाएगा बेसिकली एनए टू एस एन ए टू एस अपॉन ऑफ एन एच प्लस ऑफ एन ए टू एस ये जो है बेसिकली यहां पर क्या हो गया व्हाइट लिक्विड ओके ओके okay, एक आई थिंक एक टाइम मैंने जो पहला कॉन्टैक्ट प्रोसेस था मैंने उसमें आपको रेशियो नहीं बताया ना फीड का जो हम लोग फीड यूज करते हैं आई थिंक मैंने मिस कर दिया है ना मैंने मिस कर दिया मुझे याद है अच्छे से याद है तो जो कॉन्टेक्ट प्रोसेस जो है कॉन्टेक्ट प्रोसेस उस कॉन्टेक्ट प्रोसेस में जो फीड है देखिए फीड जो रहता है हमारा सर सल्फ्यूरिक एसिड के जीपीएल ग्राम पर लीटर कैसे चेक करता है ना कॉन्टेक्ट प्रोसेस जो है देखिए कॉन्टेक्ट प्रोसेस कॉन्टेक्ट प्रोसेस के केस में जो फीड होता है बेसिकली

ट ऑफ पोटास हो जाता है है 96%, 96 ना कैल्शियम क्लोराइड सॉरी केसीएल पोटाशियम क्लोराइड पोटाशियम क्लोराइड मतलब कि इस तरीके से लिखते हैं म्यूट्रेट और पोटास वो क्या हो जाता है नाइन्टी सिक्स परसेंट ऑफ ना ये बेसिकली होता है पोटाशियम क्लोराइड अब ये यूज कहां करते हैं न्यूट्रेटो पोटास फर्टिलाइजर के लिए यूज करते हैं इंडस्ट्री के लिए यूज मतलब मेडिकल इंडस्ट्रीज में ये यूज करते हैं न्यूट्रेटो पोटास अब नेक्स्ट जो टाइम हमारा वो फर्टिलाइजर हम इंडस्ट्री जिसमें हम पहले टाइम डिस्कस करेंगे अमोनिया नेक्स्ट वन इज द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री देखिए फर्टिलाइजर इंडस्ट्री फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को आप देखिए नाइट्रोजन इंडस्ट्री भी बोल सकते हो मतलब मेन जो हमारा फोकस होता है सारे फर्टिलाइजर वो कंपोजिशन पर डिपेंड करता है तो वहां पर नाइट्रोजन का कंपोजिशन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन का कंपोजिशन कितना है तो कॉमर्शियल ओके ओके कॉमर्शियली हम लोग जो यूज करते हैं अमोनिया उसमें ऑलमोस्ट ट्वेंटी मतलब कि ट्वेंटी एट परसेंट अमोनिया यूज होता है जो हम लोग फर्टिलाइजर यूज करते हैं नो no, पहला मैं लिखता हूं यहां पर अमोनिया तो अमोनिया कैसे फॉर्म प्रोड्यूस करते हैं सबको पता होगा अमोनिया एनएस थ्री हम लिख रहे हैं इसके लिए जो प्रोसेस यूज होता है वो है हैबर प्रोसेस इसके लिए हम यूज करते हैं हेबर प्रोसेस ओके okay, हम लोग यूज करते हैं इसके लिए प्रोसेस हेबर प्रोसेस तो यहां पर देखिए यहां पर हेबर प्रोसेस में लिख रहा हूं कैसे मतलब कि हम लोग प्रोड्यूस करते हैं अमोनिया अमोनिया के लिए हम यूज करते हैं नाइट्रोजन फिर देख लीजिए रो मटेरियल देख लीजिए नाइट्रोजन एंड उसके अलावा हाइड्रोजन सो सोन मोल ऑफ एन टू जो है थ्री मोल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है टू मोल्स ऑफ अमोनिया टू मोल्स ऑफ अमोनिया बनाता है यहां पर इस रिएक्शन के, के लिए प्रोसेस के लिए आपको कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो फेरिक ऑक्साइड बेस्ट कैटलिस्ट होता है फेरिक ऑक्साइड और अगर यहां पर हम लोग बात करें प्रेशर की तो वन हंड्रेड से थाउजेंड मतलब हाई प्रेशर हाई प्रेशर प्रोसेस होता है ये मिनट हंड्रेड से था एटमोस्फेरिक प्रेशर के बीच में पर प्रेशर रखा जाता है अगर हम लोग बात करें हम लोग बात करें टेम्परेचर की तो फोर हंड्रेड से फाइव हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर क्या रखा जाता है टेम्परेचर रखा जाता है अब अब यहाँ पर देखिए ओके इसमें परमोट परमोटर भी हम यूज करते हैं लाइक एल्का ऑक्साइड की रिएक्शन मतलब इंप्रूव करने इं� के लिए तो ये जो प्रोसेस है प्रोसेस प्रोसेस देखिए क्या होता है यहां पर हाइड्रोजन रिएट कर रहा है ये जो प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है एक्जोथर्मिक रिएक्शन है ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन हेबर प्रोसेस जो है वो एक्जो रिएक्शन है अब यहां पर आपको सिंपली याद रखना है, है देखिए हेबर प्रोसेस में हम हाई प्रेशर के साथ डील करते हैं हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर हाई हाई प्रेशर के साथ डील कर रहे हैं और हाई टेम्परेचर के साथ डील कर रहे हैं ये चीज आपको याद रखनी है फाइनल और अगर हम लोग बात करें यहां पर नाइट्रोजन की अमोनिया में कितना परसेंट कन्वर्ट हो जाता है तो अगर हम लोग पर पास एक पास में हम अगर हम लोग बात करें तो ओनली थर्टीन मतलब कि ओनली थर्टीन टू फोर्टीन परसेंट एक पास में कन्वर्जन मिलता है ओनली एक पास में थर्टीन टू फोर्टीन परसेंट ओनली कन्वर्जन बेसिकली हमको मिलता है नाइट्रोजन से एस थ्री उसके बाद मतलब जितना फीड इंट्रोड्यूस करते हो सिस्टम में ओनली थर्टीन टू फोर्टीन परसेंट उसका अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है बाकी वापस आप एटमोस्फेयर मेंमोनिया रिलीज कर देते हो फिर से लाइक उस फ्रेश यूज करते हो तो यहां पर अमाउंट ऑफ फीड बेसिकली हाई रहता है कंपेयर टू जो प्रोडक्शन होता है तो कटलिस आपको याद रखना है जो मैंने बोला है एफ ईक्साइड केटलीस आपको याद रखना है इस प्रोसेस में फॉर हेबर प्रोसेस केटलिस हमारा एफ हो जाता है इसे हम लोग आयरन ऑक्साइड लिख रहे हैं एफी आयरन ऑक्साइड ना फेरिक ऑक्साइड सिंपली हम लिख सकते हैं अगर एग्जाम्पल मैं बताऊँ तो आपको एफ ई टू ओ थ्री Fe2O, Fe2O3 हो गया ना फेरिक ऑक्साइड तो ये हमारा केटलिस्ट हो गया अब ये जो अमोनिया यहां पर हम प्रोड्यूस करते हैं अमोनिया जो प्रोड्यूस करते हैं बेसिकली ये यूज करते हैं हम आगे यूरिया प्रोडक्शन के लिए कहां यूज करते हैं यूरिया यूरिया का अगर हम लोग फॉर्मूला लिखे तो एन टू सीओ टू उसके अलावा अमोनिया नाइट्रेट बनाने के लिए यूज होता है एच एन ओ थ्री बनाने के लिए यहां पर रो मटेरियल मैंने आपको बताया रो बार फिर से बता देता हूं रो मटेरियल मैंने बोला कि हम लोग नाइट्रोजन यूज करते हैं नो रो मटेरियल हम यूज करते हैं नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन देखिए सिंपल हम लोग कहां से लेते हैं एटमोस्फेयर से तो नाइट्रोजन हम लोग यूज करते हैं एटमोस्फेयर से. तो है? से उसके अलावा हम लोग हाइड्रोजन यूज करते हैं फ्रॉम सिंथेसिस गैसेस फ्रॉम सिंथेसिस गैसेस तो सिंपल यहां पर जो नाइट्रोजन uh, है एटमोस्फेर से हम लोग लेते हैं अब यहाँ पर हम लोग रेंज 100 अलावा तो तो और भी प्रोसेस है जो इस रेंज में मतलब अगर हाई प्रेशर होता है तो डिफरेंट मतलब इसी रेंज में पर्टिकुलरली प्रेशर के अकॉर्डिंग यहां पर हम लोग अमोनिया प्रोडक्शन uh, को फिर से डिवाइड करते हैं लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर अमोनिया प्रोडक्शन किसने कहा किसने कहा यहां पर देखिए एक्जो थर्मिक हाँ बेस्ट ऑन एक्सोथर्मिक मत लिखो यार कुछ चीजें जो है एक्सेप्शनल आपको याद रखनी पड़ेगी कुछ एक्सटनल चीजें जो है वो याद रखनी पड़ेगी बेसिक फॉर्मूला ठीक है हमारा बेसिक रहता है क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो लो टेम्परेचर फेवरेबल होगा लो टेपेचर फेवरेबल होगा लेकिन यहाँ पर तो आप टेम्परेचर देख सकते हो फोर से टू फाइव डिग्री सेंटीग्रेड मैंने रेंज बोला कि आपको ये लो लग रहा है फोर हंड्रेड्रेड्रेड्रेड डिग्री हंड्रेड्रेड्रेड्रग्री लो तो नहीं है ओके मुझे तो लो नहीं लग रहा है अगर आपको लगता है तो मैं भी हो सकता है ओके नेक्स्ट देखिए अमोनिया नेक्स्ट देखिए अमोनिया अमोनिया की बात कर रहा हूँ सॉरी अमोनिया हो गया यूरिया यूरिया की हम बात करें फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूरिया प्रोडक्शन तो यूरिया एनएस टू सीओ एन एस टू हो सकता है यूरिया इंडस्ट्री में कोई काम करता हो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में जो बंदा काम करता होगा वो अमोनिया और यूरिया के साथ डी डेफिनेटली करता होगा है ना पहला पहला प्लांट वहां पर यूरिया ही होता है ये अमोनिया होता है अमोनिया प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्शन करते हैं उसके बाद में जो अमोनिया बनता है वहां पर उसी से हम लोग क्या बनाते हैं यूरिया बनाते हैं बेसिकली यूरिया जो होता है उसमें हम बोल सकते हैं कि 40 टू 40 परसेंट क्या होता है नाइट्रोजन होता है guys. ये कंपोजिशन अप्रोक्सिमेटली आपको याद रखना है यूरिया में मैक्सिमम नाइट्रोजन जो है बेसिकली वो रहता है देखिए 40 टू 42 परसेंट तो इसे हम लोग यूज uh, करते हैं एज ए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर एज ए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ना तो बेसिकली मतलब जो हमारी क्रॉप्स होती है बेसिकली उनकी ग्रोथ के लिए डिपेंड करता है ना वो सौल कैसा रहता है क्या आपका क्रॉप है बेसिकली उनके प्रोडक्ट मतलब कि उनकी ग्रोथ के लिए आपको नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर चाहिए ओके कि वो सब चीजें मैटर करती है तो यहाँ पर हम लोग इसलिए इसको बोलते हैं नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर आप इसको इसको बोल सकते हो अब यहाँ पर देखिए ये यूरिया अल्सो हम आगे यूज करते हैं यूरिया फॉरमेलडियट रेजाइन बनाने के लिए भी हम यूज करते हैं और यूरिया फॉरमेलडियट रेजिन बनाने के लिए यूज करते हैं अब यहाँ पर रो मटेरियल देखिए रो मटेरियल जो है इसके लिए वो है अमोनिया

अरे यार लास्ट लेक्चर है ना एक्चुअली मैं क्या हुआ कि पहला जो सब्जेक्ट ले रहा था आज के दिन में आ, कौन सा सब्जेक्ट था आज हमारा प्रोसेस कैलकुलेशन तो प्रोसेस कैलकुलेशन जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा था तो उस टाइम मैं काफ़ी लाइक पूरा मतलब मेरा कंडीशन सही नहीं था क्लास लेने की बट स्टिल मैंने प्लान कर दिया था तो वो मैंने क्लास लिया था ना बट अभी मैं बिल्कुल रेस्ट करके रिफ्रेश होकर बिल्कुल आया हूँ तो आज पूरा धूम मचाने वाले हैं मतलब ना बिकॉज लास्ट सब्जेक्ट है और मतलब आपको थोड़ा अच्छे से मतलब अगर इस वे में अगर आप याद करोगे चीजों को तो अच्छे से याद भी हो जाएगी अगर जस्ट मैंने पहले बोला था बिल्कुल थ्योरिटिकल सब्जेक्ट है अगर आपको बिल्कुल थ्योरी थ्योरी में पढ़ाऊंगा तो आप बोर हो जाओगे कोई भी इक्वेशन को भी फॉर्मला नहीं आएगा है ना प्रोसेस कैलकुलेशन यार प्रोसेस कैलकुलेशन ही था ना हाँ तो वहां पर थोड़ा सा मतलब मैंने चीजें सारी पढ़ाई है वहां पर बट स्टिल मतलब जो मेरा मतलब कि ओके मेरे पढ़ाने का जो स्पीड था वो लाइक थोड़ा आज थोड़ा डाउन था मतलब मैं ना हेल्थ मतलब कि कंफर्म ओके नहीं था मेरा बिकॉज नाइट शिफ्ट के बाद मैं uh, ट्रेवल करके आया था मैं uh, काजीरंगा काजीरंगा नेशनल पार्क किस किस को पता है आसाम में तो वहीं गया हुआ था मैं तो वहां से आके जस्ट वन थर्टी में पहुंचा था उसके बाद टू फिफ्टीन या टू थर्टी से मैंने क्लास ले लिया था ना तो वो एक रीजन था कि थोड़ा डाउन था मैं आज उस क्लास में है ना तो अभी उसका फार, जो सारा जो है मतलब है ना कि जोश यहाँ पर निकालने वाला हूँ ठीक है स्टार्ट करते यूरिया हैं यूरिया की हम बात कर रहे थे होप सो आप सबको अच्छा लग रहा होगा क्लास फाइनल क्लास है मेरी तरफ से ये ज ए क्विक रीजन एज ए क्विक रीजन उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो मैं देखता हूँ दो दिन का टाइम है और दो दिन में मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूंगा कि आप बस वीडियोज ही देखते रहो वाट इज द अमोनिया कार्बोनेट एंड ओके अरे बात कर रहे हैं अभी तो खत्म कहाँ है खत्म थोड़ी हो गया ये हमें पता है अमोनियम ये बनता है है ना इस ए, इसको नहीं बनाना पड़ता है ना बाट जो है बेसिकली है बात कर रहे हैं इसकी संतोष थोड़ा सा सबर कीजिए कभी कभी अच्छे से बात भी कर लेनी चाहिए नाइन एटीन हुआ है होप्सो आप सब लोग डिनर करके बैठे हो या फिर क्लास के बाद डिनर करोगे देखते हैं क्या रहता है तो हम लोग यहाँ पर देखिए बात कर रहे हैं यूरिया की तो यूरिया में सिंपली देखिए इतना परसेंट नाइट्रोजन रहता है उसके बाद हमने देखा कि अमोनिया प्लस यू जो है उसे हम लोग बनाते हैं यूरिया एंड फाइनली एंड फाइनली देखिए मैंने बोल रहा था कि प्रिलिंग टावर है कि हम यूज करते हैं ना प्रिलिंग टावर जो है फाइनल जो हमारा मतलब की वेपर फॉर्म में जो बनता है अमोनिया उसको हम लोग स्पेरिकल ड्रॉप स्पेरिकल सॉलिड फॉर्म में हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं ये चीज आपने देखा होगा डेफिनेटली नाइन्टी परसेंट स्टूडेंट तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करते हैं पता नहीं करते हैं या सर्टिफिकेट बनाते हैं वो चीज़ तो डिपेंड करती है स्टूडेंट टू स्टूडेंट पे। लेकिन गाइज एक और सजेस्ट मैं दूंगा आपको अगर जो भी स्टूडेंट अगर अपनी लाइक इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर फाइनल ईयर में तो गाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जहां पर जहां पर भी आप ट्रेनिंग करो एटलीस्ट थोड़ा सा जिस प्लांट में काम कर, काम करके आते हो उसको एटलीस्ट एक वीक अच्छे से समझ लो ताकि अगर कभी भी इन फ्यूचर आप इंटरव्यू देते हो किसी भी इंडस्ट्री में तो वहां पर आपको डिफिकल्टी फेस ना करना पड़े बिकॉज एक जो एक्चुअल एक्सपीरियंस लिया होता है और फाइनली एक जो हम लोग बुकिस नॉलेज लेते हैं ना किसी की रिपोर्ट पढ़ के या फिर ड्राइडन से आपने नाइट मतलब की यूरिया तो वो इतना फील नहीं देता आपको जितना आप एक्चुअली इंडस्ट्री में सीखते हो ना बहुत डिफरेंस होता है दोनों चीजों में तो मैं आपको सजेशन मान लीजिए मेरा या फिर अपने जूनियर्स को सजेस्ट कर देना अगर आपके तो काम में नहीं आएगा ये सजेशन तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर देखिए अमोनिया की और अमोनिया की हम लोग बात कर रहे थे तो इसमें मतलब हाँ ये जो फाइनली बात कर रहा था स्टूडेंट हरी संतोष कुमार तो वो भी हम बात कर लेते हैं देखिए यहाँ पर जो रॉ मटेरियल होता है वो भी गेट में पूछा गया है कि ये जो रॉ मटेरियल होता है यूरिया के लिए हम लोग जो यूज करते हैं अमोनिया और उसके अलावा यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं सीओ तो ये जो अमोनिया होता है ये जो अमोनिया होता है ये लिक्विड लिक्विफाइड अमोनिया होता है लिक्विफाइड अमोनिया एंड ये जो CO2 होता है मैंने बोला ना सिंथेसिस गैसिंग से कंप्रेस्ड CO2 हम यूज करते हैं तो ये वर्ड कंप्रेस्ड CO2 एंड लिक्विफाइड अमोनिया ये ये गेट में मतलब कि क्वेश्चन पूछा गया है मार्क्स का तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है कि रो मटेरियल जो है वो लिक्विफाइड अमोनिया और कंप्रेस्ड ओटू की टाइम में होता है तो यहां पर मैंने लिखा था देखिए जो यूरिया की रिएक्शन बेसिकली है यूरिया के लिए जो रिएक्शन हो रहा है फीड का अमोनिया प्लस ऑफ सीओ टू तो हमने ये बोला कि यहां पर हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए एन एन एस टू सीओ एन एस टू सीओ एस टू लेकिन होता क्या है कि अमोनिया जो है ये अमोनिया सीओ से रिएक्ट करके क्या बना लेता है देखिए

अमोनियम कार्बोनेट अमोनियम कार्बोनेट ये है इंटरमीडिएट आप इसे बोल सकते हो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यहां पर बनता है इस प्रोसेस में अब यहां पर देखिए फाइनली फाइनली होता क्या है कि ये यह यहां पर जो सीओ है अमोनिया के साथ क्रिएट करके देखिए यहां पर ये यह बना रहा है बेसिकली कार्बोनेट हो गया ये हो गया फाइनली एक होता है प्रोडक्ट ये कि जो अमोनिया है अमोनिया फाइनली जो बन गया एन एस टू सीओ एन एस टू ये अमोनिया बेसिकली क्या करता है ये अमोनिया एन एस टू सी ओ एन एस टू मतलब लाइक मोल मोल ऑफ ऑफ अमोनिया जो है टू मोल ऑफ यूरिया जो है टू मोल ऑफ यूरिया जो है वो रिएक्ट करके क्या बना लेता है रेड करके क्या बना लेता है एन एस एनएच एनएस टू सीओ एनएच सी ओ एन एस टू तो ये बेसिकली क्या होता है बाई ये हमारे लिए मतलब साइड प्रोडक्ट बोल सकते हो ये हमारे लिए हमारे लिए डिजायर्ड कंडीशन नहीं है ना यहां पर ये ये बाई बाई यूरेट जो बनता है ये हमको नहीं बनाना है मतलब कि जितना आपका अमोनिया बेस, बेसिकली जो यूरिया बना है तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है जो प्रिलिंग टावर होता है फाइनल जो प्रिलिंग टावर होता है वहां पर टेम्परेचर को बेसिकली मेंटेन किया जाता है टेम्परेचर जो रहता है वो जस्ट अबो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है मेल्टिंग पॉइंट जो यूरिया का रहता है उस टेम्परेचर से अबव रखते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ यूरिया मेल्टिंग पॉइंट ऑफ यूरिया जो रहता है उससे अबाव रखते हैं टेम्परेचर मेंटेन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ यूरिया टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट से मेल्टिंग पॉइंट ऑफ यूरिया जो रहता है उससे हाइयर रखते हैं हम लोग हैंचर जिससे कि हम लोग ये जो बाई यूरिट का फॉर्मेशन है इसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं है ना अवॉइड कर सकते हैं ये क्यों करते हैं हम लोग बाई यूरिट जो फॉर्म मतलब की बन रहा है उसको अवॉइड करने के लिए फाइनल एक बार हम लोग केमिकल रिएक्शन लिख देते हैं केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन देखिए पहला यहां पर है CO2 CO2 प्लस अमोनिया जो है ये रिएक्ट करके बनाता है अगर मैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की बात करूं तो एन एच फोर सी डबल ओ एन एच एन एच टू ओके यहाँ तो यहां से सिंपली आप देख सकते हो कि ये जो एच टू है और उसके बाद में एक ऑक्सीजन ये यहां से डिहाइड्रेशन हो जाता है और फाइनली एच टू रिमूव हो जाता है नेक्स्ट स्टेप में अब यहां पर अगर मैं ऑलमोस्ट प्रेशर की बात करूँ तो फोर्टीन मेगा पासकल और उसके अलावा यहाँ पर वन एट्टी डिग्री टेम्परेचर रेंज होता है और ये जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें एनएच फोर सी ओ ओओ एन एच टू जो है ये रिएक्ट करके मतलब डिहाइड्रेशन ओके okay, इसका क्या बन जाता है यूरिया बन जाता है और ये ध्यान रखिए ये जो दोनों रिएक्शन है एनएच टू सी ओ एन एच टू एन एस टू सीओ एन एस टू जो है ये यूरिया बन गया और यहाँ पर एज एस टू हमको मिल गया तो यहां पर आपको समझना है कि फर्स्ट जो रिएक्शन है फर्स्ट रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है फर्स्ट रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और सेकंड यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एंडोथर्मिक रिएक्शन सेकंड क्या लिख रहा हूँ एंडोथर्मिक रिएक्शन रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तो ये आपको पता होना चाहिए इस यूरिया प्रोडक्शन के लिए इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए गाइस सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है है प्रोडक्शन होता और बाई यूरिट के अलावा भी जब वो रिएक्शन होती है सीओ एन टू एस टू ये सब आ, मतलब कि एक्स्ट्रा कंपोजिशन मिल जाते हैं उसके अलावा एक होता है अम, आ, ओके एक होता है लाइक मतलब आउटडेटेड प्रोडक्ट हो गया बेसिकली हम लोग बात करें फर्टिलाइजर की तो पहले डीएपी यूज होता था डीएपी डाईमोनियम फोस्पेट डाई अमोनियम फोस्फेट ये भी एक फर्टिलाइजर है बट ये आउटडेटेड हो गया अभी यूज नहीं किया जाता है डाई डी एपी डाई आपने घर में देखा होगा जो भी यहाँ पर रूरल एरिया से आते हैं सब मतलब कि यूरिया अब देखोगे मोस्टली जो फर्टिलाइजर यूज यूज होता है अब यूरिया ही सुनोगे आप घर पे ना तो यूरिया में भी सबसे मोस्टली यूज मतलब कि प्रजेंट टाइम में फर्टिलाइजर है और सिंपली आप देख सकते हो कैल्शियम अमोनियम फोस्फेट और डीएपी जो है वो आउटडेटेड हो गया पहले यूज किए जाते थे

ट रॉक होता है रो मटेरियल फॉर सिंगल सुपरफोसिक एसिड एस टू एसओ फोर उसके अलावा रॉ मटेरियल ट्रिपल सुपर फोस्पेट के लिए देखिए क्या है ट्रिपल सुपर फोस्पेट के लिए जो रो मटेरियल है वो होता है ओके प्लस यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता यहां पर फोस्फोरिक एसिड होता है यहां पर क्या होता है इसके साथ में फोस्फोरिक एसिड होता है जिसे हम लोग एस थ्री पीओ फोर लिखते हैं ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया और ये फोस्फोरिक एसिड हो गया तो सिंपली अब आपको जो याद रखना देखिए यहां पर पी टू ओ फाइव पी टू ओ फाइव जो रहेगा वो रहता है यहां पर पी टू ओ फाइव जो है वो रहता है 16 टू ट्वेंटी परसेंट और यहां पर जो पी टू ओ फाइव है फॉस्पेटो वो कितना रहता है पी टू ओ फाइव जो है वो रहता है फोर्टी टू फोर्टी फाइव परसेंट फोर्टी टू फोर्टी फाइव परसेंट रहता है तो यहां पर रिमेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा सिक्सटी सिक्सटी फाइव सिक्सटी परसेंट ऑलमोस्ट और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड रहता है फॉस्फरिक एसिड रहता है ऑलमोस्ट सेवेंटी फाइव परसेंट तो यहां पर अगर आप रिएक्शन याद करना चाहो तो याद कर सकते हो अदरवाइज आपको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा सिंगल सुपर फोर्सपेट के लिए जो रिएक्शन है देखिए सिंगल सुपर फोर्स ये हो गया ट्रिपल सुपर फोस्पेट तो सिंगल सुपर फोर्स में हम लिख रहे हैं फोस्पेट रॉक सी एर होल वाइस टू होल वाइस टू होल वाइस ओके होल वाइस टू देन यहां पर थ्री देन सी एफ टू प्लस ऑफ इसमें हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड से जब रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्म करेगा थ्री सी एच फोर पीओ फोर होल वाइस टू डॉट सेवन सी एसओ फोर

एसिड से जब रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है टेन मोल ऑफ सी एच फोर पीओ फोर होलवाइज ऑफ टू एच एफ यहां पर फॉर्म करता है और ये हमारा सिंगल सुपर ये ट्रिपल सुपर फोर्स है और ये हमारा सिंगल सुपर फोर्स है यहां पर ये यह वाला तो अब आप बोल सकते हो यहां तक क्लियर है सारी चीजें हम लोग नाइट एच एन ओ थ्री मतलब हम लोग यूज़ करते हैं देखिए एच एन ओ थ्री भी यूज करते हैं नाइट्रिक एसिड जो है वो यूज़ करते हैं किसके लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट जो है वहां पर जो कंपोजिशन है फोस्पेट का जो कंपोजिशन है वो इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सिंगल सुपर फोस्पेट के साथ में हम लोग यूज़ करते हैं देखिए नाइट्रिक एसिड फोस्पेट कंटेंट जो इसमें है वो इंक्रीज़ करने के लिए फोस्पेट जो कंपोनेंट है बेसिकली वो इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग सिंगल सुपर फोस्फेट के साथ में नाइट्रिक एसिड जो है वो यूज़ करते हैं तो इतना, तो इतना सफिशियंट है उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्लोरो एल्काल इंडस्ट्री क्लोरो एल्काल इंडस्ट्री क्लोरो एलकाइली इंडस्ट्री क्लोरो एलकाइली इंडस्ट्री तो गाइज लेक्चर को लाइक करना ना भूले और शेयर करना ना भूले अपने फ्रेंड सर्किल में है ना जो कि देख सके जिसका भी केमिकल टेक्नोलॉजी लगता है कि अभी भी वीक है अभी भी लगता है उनको कि केमिकल टेक्नोलॉजी में मतलब क्वेश्चन नहीं बनते हैं देन एक बार ये क्विक रिवीजन वाला पार्ट

यहां पर हम बात कर रहे हैं कि रो मटेरियल सोडा एस बनाने के लिए आपको रो मटेरियल की क्या क्या रिक्वायरमेंट है रो मटेरियल फॉर द सोडा एस रॉ मटेरियल तो गाइस कभी कभी क्या होता है अगर आपको रो मटेरियल लाइक पता है आपके प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल पता है तो काफी बार आप ये देख सकते हो मतलब कि अगर आपको नहीं पता है तो भी की ओके मेरा इस सिस्टम में बाई प्रोडक्ट क्या होगा यहां पर कौन कौन सी टाइम लाइक साल्ट हो गया एन एस सी एल लाइम स्टोन कोल ये सब बेसिकली यूज होता है सोडा एस के लिए एज ए रो मटेरियल रो मटेरियल यहां पर यूज होता है देखिए सोल्ट सोल्ट को हम लिख सकते हैं एनएसएल देन इसके बाद लाइम स्टोन उसके बाद में कोल एंड नेचुरल गैस है ना कोल एंड नेचुरल गैस एज ए रो मटेरियल यूज होता है यहां पर देन इसके बाद में सोल्वे प्रोसेस में क्या होगा देखिए सोल्वे प्रोसेस थोड़ा सा पढ़ते हैं सोल्वे प्रोसेस इसमें क्या होता है केमिकल रिएक्शन इसके लिए लिख देते हैं इसमें सिंपल अमोनिया जो है वो रिएक्ट कर रहा है सीओ टू से वो ऑस टू से रिएट करके क्या बना रहा है एन ए एच सीओ थ्री सोडियम ट तो रिएक्ट करता हैोल्ट हो गया, सोल्ट यूज हो गया पर एज़े, 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 रो मटेरियल तो अमोनियम क्लोराइड यहां पर एनए टू सीओ थ्री बन गया और ये है सोडा एसे. तो अब क्वेश्चन कैसे पुटअप पुट होता है फ्रेम किया जाता है कि सोलवे प्रोसेस में मतलब कौन से प्रोसेस के लिए एन एच फोर सी एल जो है वो बाई, बाई प्रोडक्ट होगा तो आपको समझना पड़ेगा ओके सोलियो प्रोसेस हम देखते हैं एनएच फोर सी एल जो है वो बेसिकली हमारा बाई प्रोडक्ट होता है, 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 है रिएक्ट करता है लाइम के साथ में सी एस सीओ थ्री के साथ में और ये कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया प्लस ऑफ सी एस सी एल टू जो है सीएससीएल टू बेसिकली मेजर पोल्यूटेंट है इसको मिनिमाइज किया जाता है यहां पर सोडा इसके प्रोडक्शन के लिए और ये गेट में क्वेश्चन पूछा गया ये मैंने गलत बोल दिया यहाँ पर सीएससीएल टू जो है ये मतलब पर मतलबेंट होता है बेसिकली यहां पर इसे हम लोग प्रोडक्ट बोल रहे हैं तो ये मिनिमाइज करना होता है इसका अमाउंट जो है इसका प्रोडक्शन जो है वो मिनिमाइज करना होता है हमको प्रोसेस में सबको यहां तक क्लियर है चीजें मैं वही चीज आपको डिस्कस करूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये सो, मतलब गेट में पूछा गया भी और ये बाई प्रोडक्ट होता है इस प्रोसेस का ऑल क्लियर तो मैं नेक्स्ट यहां पर डिस्कस कर रहा हूं सोडियम बाइकार्बोनेट नेक्स्ट जो है क्लोरोल इंडस्ट्री उसमें हमारा टॉपिक है सोडियम बाइकार्बोनेट तो सोडियम बाइकार्बोनेट में देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का अगर मैं फॉर्मूला लिखू तो एन एच सीओ थ्री हो गया सोडियम एच थ्री इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेकिंग सोडा तो कैसे मैं तो ये नाम स्पेटिफिक जो नाम लिख रहा हूं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है गेट एग्जाम में मैं भी आपको सोडा ना गिवन मतलब कि लाइक ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट वर्ड यूज कर दे सोडियम कार्बोनेट वर्ड यूज कर दे आपके लिए

सिंपल एप्लीकेशन है ये इसका उसके बाद मैं थर्ड लिख रहा हूं वॉशिंग सोडा है ना इससे बेसिकली हम क्या बोलते हैं देखिए अगर इसका फॉर्मूले की बात करें तो ये हो जाएगा Na2CO3, Na2CO3 जो है इसे हम बोलते हैं सेल सोडा भी बोलते हैं और ये होता है वॉशिंग सोडा फाइनली है ना ये आपको याद रखना मतलब ये हो गया एन ए टू सीओ थ्री एनए टू सीओ थ्री क्या था वी आर वेरी लकी एज वी आर अटेंडिंग यूर सेशन थैंक यू थैंक यू डियर फॉर योर एप्रीशियशन तो सिंपली यहां पर देखिए वॉशिंग सोडा जो है वो एन ए टू सीओ थ्री एन ए टू सीओ थ्री डॉट टेन एस टू मतलब कि हम बोल सकते हैं जो सोडा एस है उसी का हाइड्रेटेड फॉर्म जो हो गया उससे हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं है ना उसी हम क्या बोलते हैं वॉशिंग सोडा बोलते हैं ये चीज क्लियर है देन अब लास्ट एंड इंपॉर्टेंट देखिए यहां पर लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट ये मतलब क्लोर इंडस्ट्री का पार्ट अगर मैं देखूं तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड ये इंपॉर्टेंट है इसका मतलब मैकेनिज्म जो है डिफरेंट 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 मेथड से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाता है एन एओ इज द इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं कोश्टिक सोडा भी बोलते हैं गाइज अच्छे से याद रखिए मुझे तो बहुत कन्फ्यूजन होता था मुझे तो बहुत कन्फ्यूजन होता था क्या तो कॉस्टिक सोडा है क्या यहाँ पर बेसिकली सोडा एस है क्या बेकिंग सोडा है सेल सोडा है तो आप अच्छे से इन चारों टाइम को एक साथ लिख लीजिए और याद कर लीजिए बिकॉज मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता था इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ तो इतना मुझे पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसके लिए हमको पढ़नी है प्रोडक्शन मेथड तो अब मैं डिफरेंट डिफरेंट लिख देता हूँ देखिए हम लोग यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्शन के लिए डायफम सेल डायफम सेल हम यूज़ करते हैं देन इसके अलावा मर्करी सेल हम यूज करते हैं देन इसके अलावा हम लोग मेमरन सेल भी यूज करते हैं इसके प्रोडक्शन के लिए अब इसमें बेसिक इंपॉर्टेंस क्या है वो हम लोग देख लेते हैं ओके okay. तो देखिए देखिए यहां पर डायफम डायफम सेल सेल जो है सेल में मतलब मैं हमने मैंने बोला ना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एनओ जो है मतलब जो ब्राइन ब्राइन जो बेसिकली मतलब एनएससीएल जो हम यूज करते, है, करते हैं एनएसएल जो यूज करते हैं एज ए रो मटेरियल तो एनएसएल जो होता है ना मतलब इतना इतना मतलब पुरि, ब्राइन की रिक्वायरमेंट नहीं है ना लेस प्योरिटी लेस प्योरिटी जो है लेस प्योरिफाइड ब्राइन भी आप यूज करोगे एज ए रो मटेरियल तो चलेगा यहाँ पर, पर है ना? लेकिन यहाँ पर membrane cell की जब बात करते हैं, तो यहां पर प्योरिटी जो है वो हाई होनी चाहिए, है ना? प्योरिटी जो है, है ब्राइन की वो हाई होनी चाहिए नेक्स्ट टाइम देखिए ओके जो कंसनट्रेशन मतलब जो आ, हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं यहां पर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं टेन टू ट्वेल्व परसेंट्रेन कंसेंट्रेटेड एन 10 to 12 NUH, तो रिमेनिंग क्या होगा उसमें remaining basically, मतलब कि वाटर होने वाला है डायलूटेड मतलब कि ओनली टेन टू 12 परसेंट उसमें कंसेंट्रेशन है then अगर हम लोग मेम्ब्रेन सेल से जो प्रोड्यूस होता है उसकी बात करें तो सेवेंटी परसेंट कंसेंट्रेशन रहता है सेवेंटी परसेंट कंसनट्रेशन ऑफ एनएच और अगर हम लोग बात करें सेल की तो इन बिटवीन इन बिटवीन बोल सकते हैं हम कि ट्वेल परसेंट सेवेंटी परसेंट के बीच में एग्जिस्ट करता है का जो uh, uh, जो मतलब uh, membrane cell से जो बनता है NUH, उसका concentration. Then the जो एज ए डाइफम यूज़ करते हैं वो एस्बेस्टोस यूज़ करते हैं और इसके अलावा हम लोग मर्करी सेल में यूज़ करते हैं मर्करी और यहाँ पर मेम्ब्रेन यूज करते हैं सिंपल मेम्ब्रेन सिंथेटिक पॉलीमर जब जैसा भी रहता है एक्स वाई जेड ओके और इसके अलावा यहाँ पर एज ए मतलब साथ में हमको क्या मिलता है लाइक फीड जो है एन तो वहाँ पर सीएल भी क्लोरीन परजेंट होगा तो जो क्लोरीन बेसिकली है यहाँ पर सीएल प्रोड्यूस होता है सीएल टू प्रोड्यूस जिसके साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है सीएल जो प्रोड्यूस होता है उसके साथ में मतलब कि ऑक्सीजन रहता है ना प्रोड्यूस सी एल टू देट कंटेंद ऑक्सीजन और यहाँ पर हम बात करें तो प्योर प्योर डाईक्लोरिन मतलब सीएल जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस होता है और अगर हम यहाँ पर बात करें तो मेमरन सेल में बात करें तो यहाँ पर भी सीएल टू प्रोड्यू सी एल जो प्रोड्यूस होता है उसके साथ में ऑक्सीजन जो है वो कंटेंट प्रजेंट होता है और अगर अमाउंट की बात करें है ना तो अमाउंट देखिए डायफम सेल के अंदर मतलब कि मोर अमाउंट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं डायफम सेल के अंदर मोर अमाउंट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं यहां पर लिस्ट अमाउंट रहता है बट प्योरिटी बिकॉज हाई रहती है है ना उसके अलावा यहां पर भी जो है लेस अमाउंट रहता है मर्करी सेल में भी तो ये इंपॉर्टेंट है प्योरिटी और ये मतलब लाइक आपको कंसंट्रेशन पूछ सकता है इसका लाइक आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लिया तो ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए बिकॉज कुछ भी पूछा जा सकता है यार आपको नहीं पता है केमिकल टेक्नोलॉजी में इतना सारा सिलेबस है ना तो आपको जो टॉपिक आप प्रिपेयर कर रहे हो उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए नो मैंने देखा है काफी सारे मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट में या फिर मैं किसी का नाम तो नहीं लेने वाला लेकिन कुछ भी पढ़ाते हैं मतलब ना जितना क्या ड्राइडन में जितने प्रोसेस है सारे पढ़ा देंगे क्या अरे बार देख तो लो वो एक बार गेट में कभी क्वेश्चन भी पूछा गया या सिलेबस में मैंशन भी है क्या ऐसा नहीं है कि बुक से आपने उठाया और एक्सवाइजेड जो भी है सब कुछ पढ़ा दिया ऐसा नहीं होता बिल्कुल बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ के जाओ तभी मजा आता है लेकिन जो पढ़ के जाओ उसको परफेक्ट पढ़ के जाओ है ना तो सिंपल हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे अब इसमें होता है क्या कि लाइक एनर्जी कंज्यूम मतलब प्रोडक्शन के लिए एनर्जी जो कंज्यूम होती है ये जो डायफम सेल है इसमें जो एनर्जी कंज्यूम होती है वो मतलब लाइक लो एनर्जी मतलब यूज uh, होती है ना इसमें लो एनर्जी यूज होती है इसमें बहुत हाई एनर्जी यूज होती है इसमें बहुत uh, मतलब कि हाई एनर्जी यूज होती है प्रोडक्शन के लिए उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो मेम्ब्रेन सेल है मतलब कि मर्करी सेल का ऑलमोस्ट मतलब वही आप इन बिटवीन कंसीडर कर लीजिए मेम्ब्रेन सेल को कि इसमें मतलब ना तो लो और ना इसमें हाई दोनों के मतलब मीडियम एनर्जी जो है वो इसमें यूज होती है दोनों से जस्ट कंपेयर करें तो अब इंपॉर्टेंट ये चीज है ये जो डायफेन सेल होता है है ना इसको मतलब लाइक आपने प्रोडक्ट किया बेसिकली मतलब हार्मफुल है, है इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा तो मतलब पोल्यूटेंट वाली टाइम में देखो तो पोल्यूटेंट है ये हार्मफुल है, है तो इसको भी आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा बट सेल सेलर सेल कोई हार्मफुल नहीं है ना मेमर्रेन सेल कोई हार्मफुल नहीं है तो उसको कहीं भी आप डिस्पोज करने का मतलब इश्यू नहीं रहता है लेकिन यहाँ पर इस पर हो सकता है बेसिकली अब मैं यहां पर बात कर रहा था एन है ना एनएच तो गेट में अगर आपने देखा होगा तो एक क्वेश्चन पूछा गया कि एनए टू सीओ थ्री एन ए टू सीओ थ्री क्या है सोडा एस सोडा एस में अगर हम लोग लाइम मिक्स करें मतलब लाइम के साथ रिएक्ट कराए तो बेसिकली ये क्या फॉर्म करता है एनएओए तो ये देख सकते हो आप याद कर लो यार इसको सोडियम कार्बोनेट अगर सीए सीओ थ्री के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है अदरवाइज तो हम लोग ये जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं यहां तो देखिए डायफम सेल में मतलब ब्राइन हम लोग यूज करते हैं एनए है हाँ ना यहाँ पर uh, एज ए रो मटेरियल लेकिन यहां पर मतलब कि ये ये जो ये क्या था सोडा एस था सोडा एस सोडा एस में अगर हम लोग लाइम ऐड करें तो यहां पर फाइनली हमको मिल जाता है एनिवे जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड तो आप लिख लोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड आप लिख सकते हो यहां पर लिख देता हूँ कौस्टिक सोडा कौस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड ओके तो ये आप लिख सकते हो मतलब कि सोडा ऐसे हम लोग पोस्टिक सोडा बना सकते हैं ये गेट में क्वेश्चन पूछा गया था आ, गेट टू थाउजेंड फोर आई थिंक गेट टू में क्वेश्चन पूछा गया था ग्रेट वर्क अजय आई डोंट नो क्या नाम लिखा हेनु सिंह हेमंत बोस है क्या हेनु सिंह ओके okay गाइस तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ओके हम एक एक रिएक्शन जस्ट बता के उसके बाद जस्ट दो मिनट का गेप लेते हैं डायफम सेल जो है इसमें देखिए रिएक्शन देखिए डायफम सेल डायफम सेल जो है देखिए सेल हम लिख रहे हैं यहां पर एनएससीएल एनएससीएल जो है बेसिकली वो एन ए प्लस और सीएल माइनस में कन्वर्ट हो जाता है देन उसके बाद सीएल माइनस जो आये बेसिकली वो वन बाय टू सीएल टू मतलब यहां पर देखिए हम बोल सकते हैं एल्काइल मतलब कि सीएल टू रिलीज होगा हाँ ओके बॉस ठीक है थैंक यू बॉस For appreciation. So, CL जो है वो हाफ सीएल देखिये सीएल जो है मतलब कन्वर्ट हो जाता है और प्लस पर जो इलेक्ट्रॉन जो था बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा यहाँ पर रिलीज हो जाएगा है ना ये इलेक्ट्रॉन मतलब किस पे, ये कौन सा एंड पे होता है एनोडेंट पे सीएल टू रिलीज सीएल टू जो गैस है वो रिलीज होती है एनोडेंट पेन उसके अलावा जो एन ए प्लस है एन ए प्लस जो है एस टू ओ से रिएट करके यहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो रहता है एनोड पे वो यहाँ पर रिएट करके क्या बना लेता है एन एओ एच बना लेता है ये प्रोसेस होता है डायफम सेल में ये प्रोसेस होता है आ, मतलब कि जो डा, सेल हम देख रहे हैं वहां प्रोड्यूस करने का यहाँ पर रिमेनिंग हाफ एस टू ओ रिमूव हो जाता है और हम बोल सकते हैं कि कैथोड एंड पे कैथोड एंड पे क्या रिलीज हो रहा है हाइड्रोजन कैथोड एंड पे क्या रिलीज होता है एस टू यहाँ से क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है गाइस कभी भी पूछा जा सकता है उसके अलावा एक टाइम आपको याद रखना है यहाँ पर डायफम सेल के रिगार्डिंग एक टाइम हम डिफाइन करते करें डीपोजिशन एफिशियंसी

ग्राम इक्विलेंट वेट ऑफ एन सेम तो नहीं लिखा मैंने हां ग्राम इक्वलेंट वेट ऑफ एन एच अपॉन ग्राम इक्वलेंट वेट ऑफ एनएसीएल इसको अगर हम लोग हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देते तो ये होता है डी कंपोजिशन एफिशियंसी ये आपको याद रखना है ये गेट टू में पूछा गया है मोस्ट प्रोबली रिपीट तो नहीं होगा लेकिन क्या पता पूछा जाए तो uh, है ना तो डी कंपोजिशन हम लोग डीकम्पोजिशन एफिसंसी डिफाइन करते हैं ग्राम इक्विलेंट वेट ऑफ एनओ अपॉन ग्राम इक्वलेंट वेट ऑफ एनएसीएल बिकॉज प्रोड्यूस किससे एनएसएल से तो सिंपल हम देख सकते हैं कि कि क्या हो गया कि कितना मेरा equivalent, मतलब कि कितना मेरा एनएच बन रहा है और कितना मैं एनएसएल यूज कर रहा हूं तो इनका जो रेशियो है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते दे कंपोजिशन तो एफिशियंसी हो गया और उसके अलावा देखिए एनएसएल जो है ब्राइन सोल्यूशन जिसे हम बोलते हैं एनएसियल सोडियम क्लोराइड ब्राइन जिसे हम बोल रहे है, हैं ब्राइन सोल्यूशन ब्राइन सोल्यूशन देखिए यहां पर ब्राइन सोल्यूशन एनएसएल जो है इसमें अगर हम वाटर एड करें तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है NaOH NaOH में NaOH में कन्वर्ट हो जाता है और हाफ एच टू किसके लिए लिख रहा हूं मतलब कि मैं ये मैंने जो लिखा है ना मैं जस्ट बता देता हूं plus of half Cl2. तो ये जो रिएक्शन है, है, मतलब लिखी है इंडिविजुअल रिएक्शन लिखी है तो ओवरऑल जो रिएक्शन होती हैं यहां पर वो होती है NaCl प्लस एच टू ओ से एन एच बन रहा है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया प्लस ऑफ हाफ हाफ और एस टू तो ये बेसिकली कैथोड यह बेसिकलीफ सी एल टू और ये ये रिलीज होता है किस पे Anodine पे एनोड तो ये क्लोरीन आप बोल सकते हो एज ए क्लोरीन बाय प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बन रहा है क्लोरीन ये भी लिख सकते हो यहां पर कि डायफ्राम सेल में जो क्लोरीन बेसिकली वो क्या हो रहा है एस ए बाय प्रोडक्ट तो यहां पर बाय प्रोडक्ट तो रहता है ये क्लोरीन तीनों प्रोसेस में रहता है मतलब जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं तो बाई प्रोडक्ट जो है बनता है क्लोरी अब हम स्टार्ट करेंगे ऑयल एंड फेट इंडस्ट्री ऑयल एंड फेट इंडस्ट्री ज्यादा टाइम नहीं लग रहा होगा हमने स्टार्ट किया था 10, uh, 8. 15, 8. 15 अभी हो रहा है सो 9, 9. So हमने कवर कर लिया है okay, ओके हमने नेचुरल इंडस्ट्री डिस्कस कर रहे थे ना ऑयल एंड फेट इंडस्ट्री उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सोप डिटर्जेंट उसके बाद हम पोली पर आ जाएंगे ठीक है स्पीड नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑयल एंड फेट इंडस्ट्री ऑयल एंड फेट इंडस्ट्री ठीक है ऑयल एंड फेट इंडस्ट्री देखिए ऑयल एंड फेट इंडस्ट्री सिंपल यहां पर हम बात करते हैं एक एक हम बात करते हैं वेजिटेबल ऑयल है, एक हम बात करते हैं एसेंशियल ऑयल है ना एक हम बात करते हैं वेजिटेबल ऑयल जो लाइक मतलब कि फॉर प्लांट एनिमल ह्यूमन के लिए जो यूज होता है उसके अलावा एक हो गया देखिए वेजिटेबल ऑयल है ना वेजिटेबल ऑयल और एक होता है एसेंशियल ऑयल मतलब जो आपका कॉस्मेटिक सोप ये सब प्रोडक्शन के लिए यूज होता है ना तो एक हो गया वेजिटेबल ऑयल एक हो गया एसेंशियल ऑयल एसेंशियल ऑयल सिंपली देखिए ऑयल एंड फेट इंडस्ट्री में हम लोग डिस्कस करें कि ऑयल एंड फेट बेसिकली होता क्या है ऑयल एंड जो होता है वो होता है मिक्सर ऑफ मिक्सर ऑफ ग्लाइसराइड एक सेकेंड क्या हो रहा है यस सॉरी यस हाँ तो ऑयल एंड फेट बेसिकली जो हम लिखते हैं वो क्या होता है मिक्सचर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिक्सचर ऑफ ग्लाइसराइड है ना तो देखिए सिंपली हम लोग ग्लाइसाइड जो होता है बेसिकली कैसे लिखते हैं देखिए हम लिखते हैं मतलब लेकिन आपको फॉर्मूला याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है बट इसलिए थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए देखिए कैसे कि R1 एक ग्रुप है यहां पर उसके साथ सीओ सी एस टू उसके बाद यहां पर देखिए सी एच ओ सी ओ देन उसके बाद में R2 ग्रुप देन उसके बाद में R3 थ्री सी ओ ओ और यहां पर CH2 और ये जो R बेसिकली ग्रुप होता है ना R R जो बेसिकली R1 जो यहां पर है लाइक like, R1 ग्रुप जो लिख रहा हूं वो हो जाता है ऑलमोस्ट मतलब आपको ये बस थोड़ा सा आईडिया होना चाहिए हो कि कितना नंबर ऑफ कार्बन यहां पर रहता है तो C C17 H35 C17 H35 बेसिकली यहां पर है देखिए C1 जो है अब उसके अलावा मतलब अगर हम लोग यहां पर जो ओके uh, okay, यहां पर जो हाइड्रोजन है अगर हाइड्रोजन का कंपोनेंट लाइक like, uh, जो यहां परजेंट है कंपोनेंट अगर हम ये रिड्यूस कर दें अगर ये रिड्यूस कर दे लाइक डिफरेंट डिफरेंट यहां पर ग्लाइसराइड uh, अगर हम बोले लाइक स्टेरिक स्टेरिसाइड देन उसके बाद में ओलिक उसके बाद में लिंडिक जो ये जो बेसिकली यहां पर हम लोग लिखते हैं लाइक सी सेवनटीन एच थर्टी हो गया ये आर इस ग्रुप में देन अगर ओलिक है तो वहां पर क्या होता है दो हाइड्रोजन कम हो जाता है एच बन जाता है मतलब दो हाइड्रोजन कम हो रहा है तो डेफिनेटली वहां पर अनसेचुरेशन आ रहा है बिकॉज़ डबल आ जाएगा वहां पर हमारे सिस्टम में थर्ड जो है C 17, H 31, तो, तो वहां पर है, पर, पर, पर तो अनसे इंक्रीज होता है तो सिंपल अगर हाइड्रोजन डिक्रीज होता है हाइड्रोजन डिक्रीज होता है तो बेसिकली क्या होता है इंक्रीज होता है डबल बॉन्ड इंक्रीज जब डबल बॉन्ड होता है तो हम वहां पर बोलते हैं अनसेचुरेशन हमारे सिस्टम में आ रहा है तो ऑयल एंड फैटी इंडस्ट्री में आपको देखिए क्या याद रखना है बेसिकली

अब क्या याद कर रखो बेसिकली यहां पर ये सी सेवनटीन लाइक एस ट्वेंटी नाइन मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन और जो नंबर ऑफ कार्बन है बस ये याद रख लीजिए जिससे आपको आइडिया लग जाएगा अगर कुछ अनसेचुरेशन uh, का बेसिकली अगर आपको रिलेशन पूछे तो आप कर सकते हो मतलब अनसेचुरेशन uh, और सेचुरेशन uh, जो भी बेसिकली है निकलोगे no. अब नेक्स्ट देखिए यहां पर यहां पर बेसिकली प्रोसेस में एलकाइली और मतलब एल्काली मतलब वर्ड अगर मैं यूज करूं तो उसके लिए लिख सकता हूं कि एन ए टू सीओ थ्री एन ए टू सीओ थ्री जो है हम लोग एड करते हैं बेसिकली फ्री फैटी एसिड जो प्रेजेंट होता है ऑयल में उसको रिमूव करने के लिए फ्री फैटी फे, एसिड जो है बेसिकली उनको रिमूव करने के लिए हम लोग एन ए टू सीओ थ्री जो है वो एड करते हैं टू रिमूव द फ्री फैटी फैटी एसिड है ना जिसे हम लोग बोलते हैं बेसिकली फूड ओके उसके अलावा यहां पर सेम ब्लीचिंग हम यूज करते हैं ब्लीचिंग भी हम यूज करते हैं लाइक मैं आपको अगर फाइनली यहाँ पर बताऊँ तो मतलब हाइड्रोजनेशन में देखिए क्या होता है जो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन बेसिकली रिमूव हो रहा है तो अल्टीमेटली यहां पर क्या आता है अनसेचुरेशन बेसिकली बनता है मतलब अनसेचुरेशन uh, uh, जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो सिंपल आप ये याद रखें कि हाइड्रोजनेशन आगे डिस्कस करेंगे हम लोग पेट्रोलियम इंडस्ट्री में हाइड्रोजनेशन जो है वहां पर क्या होता है हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजनेशन इज रिड्यूस द डबल बॉन्ड हाइड्रोजनेशन इज रिड्यूज द डबल बॉन्ड अगर हम लोग हाइड्रोजनेशन की बात करें तो वहां पर डबल बॉन्ड जो है वो इंक्रीज होता है और रिड्यूस होता है डबल बॉन्ड इंक्रीज रिड्यूस होता है तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर जो सेचुरेशन है वो कम होता है सेचुरेशन जो है कम होता है लेकिन फैटी एसिड के केस में क्या और एक आप एक काम कीजिए कॉमन एक फार्मूला याद रख लीजिए फैटी एसिड्स का जो अभी पूछ रहा था एक स्टूडेंट ना फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्या संतोष कुमार संतोष like कुमार ने क्वेश्चन किया था कि सर आ, आ, जो फैटी एसिड है उनका मतलब कि याद रखने की रिक्वायरमेंट तो मैं आपको करूंगा के लिए एक की रेंज आप याद रख लीजिए मतलब ये फैटी एसिड के लिए फॉर्मूला होता, मतलब होता है लेकिन जो स्टार्टिंग में बोला था वो सारे आप बेसिक हाइड्रोजन का कितना अमाउंट है एंड उसके अलावा ऑडियो का इश्यू तो नहीं आ रहा है ना ऑडियो का ना द ऑडियो स्ट्रीमिंग करंट देखते हैं लोअर देन द रिकमेंडेड इट ठीक है ऑडियो का इशू नहीं होना चाहिए ओपुली तो सिंपल मतलब जो अनसेचुरेशन होता है उसे हम लोग हाइड्रोजन एड करके उसे हम लोग हाइड्रोजन एड करके बेसिकली कम कर सकते हैं जो अनसेचुरेशन रहता है अनसेचुरेशन तो जो रहता है सिस्टम में उसको हम लोग मतलब जो ग्लाइसराइड फैटी एसिड्स के लिए फॉर्मुला लिख रहे हैं वहां पर अनसेचुरेशन जो है उसका हम लोग हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजनेशन मतलब सिस्टम में एच एड करके एच एड करके हम लोग कर सेचुरेट कर सकते हैं उनको सेचुरेट कर सकते हैं No, अब नेक्स्ट देखिए ओके ठीक okay, है वॉइस का इश्यू नहीं है अच्छी बात है तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सोप एंड डिटर्जेंट सोप एंड डिटर्जेंट की हम बात कर रहे हैं सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री देखिए इसमें आपको क्या क्या याद रखना है सोप एंड डिटर्जेंट्स के लिए हम बात कर रहे हैं नो सर ठीक है, no है संत तो ओके okay, तो बेसिकली सोप की अगर हम बात करें तो सोप जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं वो कैसे वो उसमें मतलब बेसिकली कौन सा फैटी एसिड होता है सोडियम एंड सोडियम एंड पोटासियम सोल्ट ऑफ फेटी एसिड सोडियम एंड पोटासियम सोडियम एंड पोटासियम सोल्ट ऑफ फेटी एसिड कोई कोई सॉप एंड डिटर्जेंट मतलब कि इस टाइप की इंडस्ट्री में वर्क करता है क्या कोई भी स्टूडेंट जो ये लेक्चर देख रहा हो सोडियम एंड पोटेशियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड्स

से हूँ क्लास अटेंड कर सकता हूं क्या ऑब्वियसली कर सकते हो यार इंपोर्टेंट क्लास चल रहा है है ना गेट का नाम लिखा हुआ है बट केमिकल टेक्नोलॉजी मतलब केमिकल स्टूडेंट के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है जो भी इंडस्ट्री में अगर एग्जैक्टली कोर इंडस्ट्री में काम कर रहा है केमिकल इंजीनियरिंग में तो उसके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप चाहे रिफाइनरी में हो एज ए डिप्लोमा इंजीनियर एज एज ए अगर आप मतलब इंजीनियर एज ए ग्रेजुएट इंजीनियर तो आपके लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है इक्वली इंपॉर्टेंट रहता है तो यहां पर मैं बात कर रहा था यहां पर मैं बात कर रहा था देखिए सोप एंड डिटर्जेंट की हाँ जिंक ऑक्साइड अरे केटलिस की तो मैंने बात ही नहीं की अभी मैं तो पहले रिएक्शन लिख रहा हूँ फेट स्प्लिटिंग वेरी गुड आपको पता है जे जे अरोरा सही बताया आपने जिंक जिंक बेस्ड बेस्ड ऑक्साइड ऑक्साइड हम यूज करते हैं सो so, पर फेट स्प्लिटिंग प्रोसेस के लिए देखिए फेट स्प्लिटिंग में क्या होता है हाइड्रोलाइजेशन मतलब हम बोल सकते हैं कि लॉन्ग इसमें होता क्या है हाइड्रोलाइजेशन प्रोसेस होता है हाइड्रोलाइजेशन जो है वो लॉन्ग फेटी एसिड को स्मॉल फेटी एसिड में कन्वर्ट करता है लॉन्ग फेटी एसिड

3, मैं की बात कर रहा हूं, C3H5, तो पर ये आपको याद रखना है सो तो फेटी ये बना लेगा देखिए आर सी ओ एच ये हो गया फेटी एसिड इसके बाद में, यहां पर हम लोग कन्वर्ट कर दिया हमने देखिये ट्राइग्लाइसराइड को किसमें कन्वर्ट कर दिया ग्लाइसराइड में सी थ्री एच फाइव ओ एच होलवाइज थ्री ये हो गया ग्लाइस ग्लाइसरीन है ना ग्लाइसरीन में हमने कन्वर्ट कर दिया देखिए मैंने जो लिखा है यहां पर ग्लाइसरीन ग्लाइसरीन मैंने लिखा है सी थ्री एच फाइव ओ एच यह बेसिकली क्या होता है देखिए सी एच टू सी एच टू ओ एच सी एच टू ओ एच सी एच ओ एच देन सी एच टू ओ एच इस तरीके के से इसका फॉर्मूला होता है मतलब ऐसे अगर आप याद रखते हो ना तो चीजें भूलते नहीं ओके सी एस टू एच सी एच ओ एच एंड सी एस टू ओ एच तो बेसिकली इसको आप लिख सकते हो ना टोटल सी थ्री हो गया इसमें एच फाइव हो गया एंड देन इसके बाद में ओ एच ओलवाइज थ्री होता है यहाँ पर तो ये पहला स्टेप है फेट स्प्लिटिंग जो कि जो कि लॉन्गर जो मतलब मेरा जो लॉन्ग फैटी एसिड्स होता है उनको स्मॉल फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है एंड सेकेंड जो प्रोसेस रहता है यहाँ पर वो रहता है स्फोनिफिकेशन रिएक्शन है ना तो बेसिकली इसमें क्या होता है रिएक्शन जो है यहां पर मैं लिख रहा हूँ सिंपल हम लोग मतलब कि रिएक्शन जो है वो मतलब कि वाटर रिमूव करने के लिए होती है जो फैटी एसिड है आर सी ओ एच वो बेसिकली लाइक like किसी ये एसिड हो गया फैटी एसिड हम इसे बोल रहे हैं तो फैटी एसिड किसी बेस से रिएक्ट करेगा मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ जस्ट एम ओ एच लिख दिया तो यहाँ पर आप ये लाइक like, यहाँ पर आप यूज कर सकते हो पोटास भी यूज कर सकते हो है ना uh, मतलब कि एम आप कुछ भी बेस लिख सकते हो उसमें तो बेस बन जाएगा लाइक के ओ एच हो गया तो सिंपली ये बेसिकली रिएक्ट करके क्या बना लेगा आर सी ओ एम प्लस ऑफ एच टू ओ वही मैं बोल रहा हूँ वेरी गुड काफी अच्छा प्रिपरेशन तो ये सोप हो गया मैंने कॉमन बता दिया आप यहां पर यूज़ तो ये की जगह में रिप्लेस हो जाएगा ना? तो सिंपल यहां पर याद रखना आपको प्रोसेस जो है फेट स्प्लिटिंग एंड स्पोनिफिकेशन रिएक्शन दोनों आपको याद रखनी है तो सिंपल हमने देखा जिंक ऑक्साइड होता है जिंक ऑक्साइड इज और फॉर फॉर सॉफ्ट प्रोडक्शन और आप इसको देखिए जिंक ऑक्साइड लिख रहे हैं मतलब जिंक क्या हो एक मेटल हो प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है वाटर रिमूव करते हैं हम लोग ये चीज आप देख लीजिए वाटर रिमूव बैटरी लो ये वाटर रिमूव करते हैं जो प्रोसेस है, उसमें क्या करते हैं वाटर रिमूव करते हैं ना, वाटर हम लोग यहां पर रिमूव कर रहे हैं सो so, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं डिटर्जेंट की डिटर्जेंट इतना है है याद रखना क्या लिखा बस इतना ही याद रहा अरे हाँ इतना तो याद रहा है तो बहुत है अगर बता दो इसमें से बाहर कोई क्वेश्चन पूछा गया हो क्या आपने केमिकल टेक्नोलॉजी के सारे क्वेश्चन किए होंगे आपको लगता है कुछ बाहर से पूछा गया है इससे बाहर अगर कुछ पूछा गया तो बता सकते हो क्वेश्चन एक बार एक, मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया है तो कटलिस्ट से पूछा गया उसके अलावा जो फेट स्प्लिटिंग एंड स्पर्टिफिकेशन प्रोसेस होता है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया हाइड्रोलाइशन और सेकंड स्टेप में आपका वाटर रिमूव होता है तो सिंपल देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट डिटर्जेंट नेक्स्ट डिटर्जेंट और वैसे भी क्यूक्रीजन चल रही है डिटेल में नहीं जाने वाले हम क्यूक्रीजन में इतना पढ़ लिया तो बहुत है डिटर्जेंट की हम बात करें देखिए डिटर्जेंट आपका डिपेंड कर मतलब कि डिपेंड करता है कि वो कटाइनिक बेस है है ना या फिर अनाइनिक बेस है ये डिपेंड करता है या फिर ये अनायनिक बेस है ये डिपेंड करेगा आपके कैटलिस्ट में तो लाइक सिंपली हम लोग अगर अनाइनिक बेस अगर केटलिस की बात करें और मतलब कि डिटर्जेंट की बात करें तो देखिए यहां पर अनाइनिक बेस जो डिटर्जेंट है आपको डायरेक्टली याद रखना है सिंपली वो सर केमिकेट केम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं जेरोरा और जेरोरा कौन से ईयर में गेट दे रहे हो आप अनाइनिक अनाइनिक डिटर्जेंट तो ओके कंटिन्यू यहां पर जे अरोरा का क्वेश्चन सोल्व कर देता हूं मतलब कि क्योरी जो है एक मिनट दीजिए यह कैमकेट अकेडमी का ऐप है इसको डाउनलोड करो इसको डाउनलोड कर सकते हो आप गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है देन इसके अलावा यह वेबसाइट है थर्ड ईयर गुड जेयर वेरी गुड ना अच्छा लगा तुम्हारा केमिकल टेक्नोलॉजी देख के तो ये केमिकेट अकेडमी का गूगल प्ले स्टोर पर एप अवेलेबल है उसके अलावा ये वेबसाइट है है ना वेबसाइट में आपको स्टडी मटेरियल मिल जाता है स्टडी मटेरियल मिल जाता है उसके अलावा आपको यहाँ पर ऐप के ऊपर सारी वीडियो लेक्चर क्लासेस मिल जाती है फुल वीडियो लेक्चर सीरीज और उसके अलावा मतलब फुल वीडियो लेक्चर कोर्सेज भी मिल जाते हैं आपको उसके अलावा इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज लेक्चर भी आपको वहाँ पर मिल जाते हैं अकेडमी पर है ना एंड फॉर डेमो वीडियो तो सफिशियंट ऐप पर बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है डेमो के लिए आप देख सकते हो फाइन कंटिन्यू करते हैं हम लोग ओके सर कंटिन्यू है ना तो सिंपल अनायनिक डिटर्जेंट की मतलब ये बात कर रहे थे डिटर्जेंट की तो बात डिपेंड करता है कि वो अनायनिक अनायनिक बेस बेस है है या base है, तो यहाँ पर बेस में देखिए वो वो डिटर्जेंट बेसिकली जो आर माइनस देते हैं मतलब तो वाटर में जब सोल्यूबल हो गया तो ये क्या देंगे हमको आर माइनस है ना आर यहां पर बेसिकली कॉम्पोनेट uh, हो जाएगा तो सिंपली यहां पर हम लिख सकते हैं लाइक एग्जाम्पल अनायनिक डिटर्जेंट की अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो लाइक like, एग्जाम्पल हो गया मेरा सल्फेट्स देन इसके बाद में सल्फोनेट है ना मतलब कि सल्फेट बेस्ड जो है वो आपका अनैनिक डिटर्जेंट होगा और उसके अलावा एक होता है एबीएस अगर आपको याद हो आपने गेट क्वेश्चन किया तो ये एबीएस आपको पूछा गया था इसका फॉर्म है एल्काइल एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट एल्काइल एल्काइल बेंजाइल है ना एलकाइल बेंजाइल सल्फोनेट तो अगर यहां पे आपको ये पूछा गया था कि ये बेसिकली किस कैटेगरी में आता है है ना तो ये अनाइनिक बेस्ड डिटर्जेंट बेसिकली है डिटर्जेंट मतलब था ये आपको आंसर वहां पर डिटर्जेंट चूज करना था लेकिन अगर आपको इतना भी पता हो कि ये ये सल्फो यह सल्फेट जो बेसिकली इसका मतलब कि फॉर्म एबीएस क्या हो गया बेंजीन सल्फोनेट तो हमें पता है कि सल्फेट और सल्फोनेट जो बेसिकली है वो अनाइनिक डिटर्जेंट टाइप का कैटेगरी में आता है तो वो बेसिकली क्या होगा डिटर्जेंट होगा तो वहां पर करेक्ट हमको चूज करना था डिटर्जेंट आई थिंक ऐसा ही क्वेश्चन था एक्जेक्ट मुझे याद नहीं है पर इतना मुझे पता है कि एबीएस जो है ये गेट में पूछा गया है ना ये गेट में बेसिकली पूछा गया है देन uh, गुड आपको और भी एग्जाम्पल बताया वेरी गुड मैम बेसिक लिख रहा सल्फ, सल्फ सल्फेट और सल्फोनेट बेसिस पे है ना ये भी यूज कर सकते हैं ना तो सेकंड मैं यहां पर लिख रहा हूँ सेकंड टाइप यहां पर लिख रहा हूं, हूं देखिए अरे अमोनिया अगर अमोनिया मैं वही बता रहा हूँ वेट करो थोड़ा अगर लिख रहे हैं तो वो आर माइनस देंगे है ना वाटर में होने पे जो आप बता रहे हो अमोनिया बेस। अमोनिया बेस सारे डिटर्जेंट में आ जाते हैं जो आर प्लस देते हैं ना आ, वो सारे जैसे ही अमोनिया वर्ड आ गया तो कैटेगरी का डिटर्जेंट से, जो है ये बेसिकली क्या कर, करेंगे ये आर प्लस देते हैं हमको वाटर में सोल्यूबल जब होते हैं तो सिंपली देखिए हम एग्जाम्पल के लिए यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं एक ही वर्ड लिखूंगा यहां पर अमोनिया

नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग द सुगर इंडस्ट्री सुगर इंडस्ट्री हाँ अरे सल्फेट लिख अरे तो देखो ना यार सल्फेट तो मैंने एग्जांपल लिख दिया आप सल्फेट बेसिस पे आप उसके साथ में कुछ भी लगाओ ना सल्फेट आ रहा है तो डेफिनेटली वो अगर एक डिटर्जेंट है तो इस कैटेगरी का डिटर्जेंट होगा ना लेकिन सल्फेट है तो वो फर्स्ट कैटेगरी का हो गया अगर अमोनियम कंपाउंड बेस्ट है तो वो सेकंड कैटेगरी का हो गया फाइन नौ नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ सुगर इंडस्ट्री टाइम हो रहा है टेंट कोर्स में काफी कवर कर लिया हम लोगों ने नेक्स्ट हमारा पॉलीमर होगा मतलब पहला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में पॉलीमर उसके बाद में पेट्रोलियम उसके बाद में पेट्रोकेमिकल तो सिंपल सुगर इंडस्ट्री सुगर इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं देखिए यहां पर रो मटेरियल तो सबको पता होगा सुगर मटेरियल सुगर इंडस्ट्री का रो मटेरियल क्या होता है सुगर केन सो सिंपल देखिए रो मटेरियल की हम बात कर रहे हैं सुगर केन के लिए सुगर इंडस्ट्री के लिए रो मटेरियल आपका हो रो मटेरियल uh, हो जाएगा सुगर uh, केन uh, है ना नो no. अब नेक्स्ट देखिए हम फाइनली प्रोड्यूस क्या करते हैं सुगर इंडस्ट्री में सुक्रोज अब ये बेस पे गेट 2018 में आपको क्वेश्चन मिलेगा देखिए सी सी ट्वेल्व O11 ट्वेंटी टू ओ इलेवन सिंपल आपको यही फॉर्मूला आई थिंक चूज करना था यही फॉर्मूला आपको चूज करना था इस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंट डिफरेंट आपको कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर दे रखे थे आपको सुक्रेजी आंसर चूज करना था ओके okay? तो सिंपल देख लीजिए यहां पर मैं लिख रहा हूं इसको हम लोग गुल्कोज अगर डिटेल में बात करें तो इसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं है ना फ्रक्टोज तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर जाता है फॉर्मूला सेम रहता है दोनों के लिए है ना दोनों ही सुक्रोज कैटेगरी में आते हैं लेकिन फॉर्मूला आगे चेंज हो जाता है लेकिन आपको डायरेक्टली ये ये सी ट्वेल्ल एस ट्वेंटी टू ओ इलेवन फॉर्मूला गिवन था है ना तो वो पूछा गया था ना गाइस अभी देख लो यार उसमें मतलब क्या आ, मतलब कि थोड़ा सा गूगल करके देख लो ना और मैंने बेसिक जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो मैंने बता दिया ना उसके बाद मैं यहाँ पर बात कर रहा था देखिए सुगर इंडस्ट्री की जिसमें रॉ मटेरियल हो गया देन उसके बाद में सुक्रोज यहां पर हम प्रोड्यूस करते हैं फाइनली हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं सुक्रोज प्रोड्यूस करते हैं सो नेक्स्ट देखिए अब यहां पर मतलब कि कैल्शियम हम लोग एक टाइम यूज करते हैं जिसे हम बोल रहे हैं कैल्शियम कैल्शियम हाइपोफोस्फेट कैल्शियम हाइपोफोस्फेट इसका जो फॉर्मूला है देखिए वो हो जाता है ये यूज होता है सी ए टू एच सी ए सी ए टू एच है ना तो यहां पर बेसिकली देखिए हम लोग यूज करते हैं एसओ टू और सीओ टू जो है यूज करते हैं एज एज ए ए इंडस्ट्री में ब्लीचिंग है ना इट हेल्प इन द ब्लीचिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं एसओ टू और एक और टाइम मल्टी इफेक्ट ऑपरेटर जो है मतलब अगर आप शुगर इंडस्ट्री का डिटेल में जब प्रोसेस मतलब प्रोसेस अगर पढ़ोगे तो आपने पढ़ा होगा कि मल्टी इफेक्ट ऑपरेटर भी हम यूज करते हैं शुगर इंडस्ट्रीज में मल्टी इफेक्ट ऑपरेटर जो है ये टाइम मैंने पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी बताया था सॉरी नॉट पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो हमने पढ़ा था पल्प है ना पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री जो पढ़ा था वहां पर भी मैंने बताया था आपको कि मल्टी इफेक्ट ऑपरेटर हम यूज करते हैं बट ऐसा नहीं कि आपको दोनों ऑप्शन में गिवन होगा जस्ट आपको कोई एक ऑप्शन में गिवन होगा तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मल्टी इफेक्ट ऑपरेटर हम शुगर इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं और हम बेसिकली यहां पर भी यूज करते हैं क्लियर है और यहां पर अगर हम लोग बात करें शुगर इंडस्ट्री के केस में आपको ये पता होना चाहिए देखिए हम लोग फाइनली सुक्रोज बना रहे हैं उससे भी होता है सर अब तो यार पूरा डिटेल में घुस गए हो ना पूरा डिटेल में चले गए आप लोग सो so, ये सुगर इंडस्ट्री के बारे में इतना नॉलेज सफिशियंट है इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछेगा जो जूस बेसिकली यहाँ पर फॉर्म होता है मतलब कि रो मटेरियल से उसे हम लोग कैल्सियम हाइपोफोस्फेट बेसिकली बोलते हैं तो फाइनली आपको ये बेसिक चीजें याद रखनी मल्टीफेक्टिव ओपरेक्ट यूज होता है रो ये होता है फाइनली हम लोग प्रोड्यूस प्रोड्यूस करते सुगर ये फॉर्मुल याद कर लीजिए है ना इतना सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जाता है लेकिन कभी कभी माइंड से अगर मतलब निकल जाती है वैल्यू तो फिर आप नहीं कर पाते हो सिंपल होता है क्वेश्चन लेकिन कभी कभी मतलब निकल जाता है ओके हमें याद तो रहता है बट उस टाइम पे याद नहीं आता है ना तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखिए इन चीजों का अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं पोली में केमिकल टेक्नोलॉजी को ऑलवेज आप पढ़ो ना तो बिल्कुल मतलब कि टॉपिक वाइज पढ़ो पहले आपका नेचुरल इंडस्ट्री हो गया देन उसके बाद में पॉलीमर इंडस्ट्री हो गया उसके बाद में पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो गया आफ्टर दैट यहां पर क्या हो जाता है आ, पेट्रो पेट्रोकेमिकल तो आप सेक्शन वाइज पढ़ोगे तो ठीक रहेगा सो so, हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं पोलीमर हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं पोलिमर पोलीमर इंडस्ट्री है ना तो सिंपली पॉलीमर क्या होता है वेरी मतलब कि बहुत लार्ज मॉलिक्यूल uh, का बेसिकली चेन होता है ना वेरी लार्ज मोलिक्यूल हैविंग द हाई

तो देख लो फॉर्मूला यहाँ पर नहीं पूछेगा कॉमन जो फॉर्मूला है आप इनका फॉर्मूला देख सकते हो तो सिंपल यहां पर बात कर रहा था पॉलीमर की देखिए देखिए गाइस ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया है ना टोटल फोर सेक्शन है अभी हमारा एक सिंपल एक सेक्शन हुआ है अभी हमारा पॉलीमर बाकी, बाकी है उसके बाद में पेट्रोलियम बाकी है उसके बाद में पेट्रोकेमिकल बाकी है टाइम लगने वाला है थोड़ा वेट कीजिए है ना कि हम लोग जल्दी से पढ़ सके सो पॉलीमर इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि हम लोग अगर लाइक अगर मोनो पोलिमर है तो क्या हो जाएगा एक ही मतलब कि एक ही चेन है मतलब एक ही लाइक चेन है वो रिपीट हो रही है वो स्ट्रक्चर जो है वो रिपीट हो रही है ना मतलब एक ही चेन लाइक रिपीट हो रही है तो बेसिकली poly... okay, मतलब मतलब like तो वो पोलिमराइजेशन एक पर्टिकुलरली चेन यहाँ पर कनेक्ट होकर एक लाइक लॉन्गर चेन पॉलीमर बनाता तो वो बेसिकली होता अब हम यहां पर बात करते हैं टाइप ऑफ पोलिमराइजेशन अब टाइप ऑफ पोलिमराइजेशन डिपेंड करता है किस बेसिस बात कर रहे हो टाइप ऑफ पोलिमराइजेशन टाइप्स ऑफ पोलिमराइन देखिए Types of polymerization. तो हम लोग टाइप ऑफ पोलिमराइजेशन में पहला टॉपिक लिख रहे हैं बेस्ट ऑन दोर्स बेस्ट ऑन दोर्स हम लिखते हैं सिंपली बेस्ट ऑन सोर्स हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं एक हो गया नेचुरल बेस्ट ऑन सोर्स अगर हम बात करें तो नेचुरल हो गया उसके बाद में मतलब नेचुरल पोलिमर हो गया उसके बाद में सेमी सिंथेटिक हो गया सेमी सिंथेटिक आफ्टर सेमी सिंथेटिक देखिए सेमी सिंथेटिक के बाद में थर्ड uh, हो गया सिंथेटिक पोलीमर सेमी सिंथेटिक एंड यहां पर टोटली सिंथेटिक पोलिमर तो ये थ्री टाइप ऑफ

देन उसके बाद में ब्यूना एन ये बात करेंगे हम आगे इनके फॉर्मूले की कैसे ये बेसिकली बनता है इनका क्या आ, मतलब कि हम बोल सकते हैं मतलब कि क्या चेन रहती है ओके लाइक मोनो पोलिमर होता है या फिर अलग अलग चेन इसमें रहती है तो ये सब हो गया आपके डिफरेंट डिफरेंट पोलिमर बेस्ड ऑन द सोर्स अब सेकंड हम लिखते हैं बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर अगर हम डिफाइन करें बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर हम लिखते हैं पोलीमर को लीनियर एक हो गया लीनियर एक हो गया ब्रांच एक हो गया ब्रांच एक हो गया क्रॉस क्रॉस लिंक है ना ये सबके एग्जाम्पल आपको पूछे जाते हैं गेट में तो सिंपली देखिए लीनियर में आपका आता है हाई डेंसिटी एच डी एच डी पी हाई डेंसिटी पोलिथाइलिन उसके बाद में अगर ब्रांच की मैं बात करूं तो लो डेंसिटी पोलिथेलिन हम आगे बात करेंगे वन वन बाय इनकी उसके बाद में क्रॉस लिंक का अगर हम बात करें तो बेकेलाइट जो है वो आपका क्रॉस लिंक बेस्ट पोलिमर हो जाता है नाउ नेक्स्ट देखिए तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बेस्ट ऑन बॉन्ड तो तीन कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं बेस्ट ऑन बॉन्ड देखिए हम लोग डिफाइन करते हैं बेस्ट ऑन बॉन्ड की मतलब कैसा बॉन्ड है बेसिकली बिटवीन द पॉलीमर तो एक हो, एक होता देखिए आपके इसमें इसमें दो पार्ट होता है एक होता है एडिशनल पॉलीमर एक होता है एडिशन पॉलीमर अरे रुक तो जाओ भाई सब डिस्कस करेंगे अभी जस्ट स्टार्ट किया है सारे क्वेश्चन अगर अभी पुटअप कर दोगे डेकोट सब कुछ हो जाएगा आप जस्ट आगे मैं बताऊंगा अगर मैं नहीं बताऊं देन उसके बाद में क्वेश्चन करना ना तो देखिए एडिशनल पॉलीमर जो है एडिशनल पॉलीमर जो है वो यहां पर होता है इसे हम सिंपली जो मैकेनिज्म होता है वो होता है इसका चेन ग्रोथ चेन ग्रोथ मैकेनिज्म चेन ग्रोथ पॉलीमर होता है ये तो अगर हम लोग बात करें कि जितने भी पॉलीमर्स poly की हम बात करते हैं हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो सारे मतलब ऑलमोस्ट 90 टू 95 फाइव परसेंट जो एडिशनल पॉलीमराइजेशन बेसिस पे होता है और सेकंड एक मैकेनिज्म जो होता है वो रहता है देखिए कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन सेकंड जो मतलब बेस्ड ऑन बॉन्ड्स की हम बात करें सेकंड होता है कंडेंसेशन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इसमें रिमेनिंग कैटेगरी आती है आपकी है ना इसमें स्टेप ग्रोथ होता है बेसिकली स्टेप ग्रोथ पॉलीमर मतलब इसमें जो है वो स्टेप ग्रोथ होता है और यहाँ पर चेन ग्रोथ होता है। तो एडिशनल पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर की हम हम बात करते करते हैं हैं पहले थोड़ा सा लोग डिस्कस एडिशनल पॉलीमर। सिंपल वर्ड से सिंपल मतलब तो तो हम पहले बात करते है, तो example, होमो, 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 होमो हैं एडिशन पोलिमर की एडिशन पोलिमर तो सिंपली देखिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग होमो की अगर मैं बात करूं तो फॉर एक्जाम्पल होमोपोलीमर का example, आप देख लीजिए इथाइलिन सिंपल इथाइन में क्या होगा सी एच टू सी एच टू इसके अगर एन मोल होंगे तो देखिए वो कैसे पोलिमराइजेशन हो क्या बना लेगा सी एच टू डबल पोन यहाँ पर रिमूव हो जाएगा सी एच टू और एन मतलब यहां पर इसके बाद फिर से एक चेन लगा होगा ये डिनोट कर रहा है यहां पर फिर से इसके साथ में एक चेन लगा होगा तो ये बेसिकली हो गया मतलब इथाइलिन था ये इथाइलिन किस में कन्वर्ट कर दिया हमने पोली में ये सिंपलेस्ट मतलब की पोलिमर हो गया होमो पोलिमर इथलियन से पोली बनाना ये किस कैटेगरी में आता है चेन ग्रोथ कैटेगरी में मतलब एडिशन पोलिमराइजेशन मेथड पे नौ देखिए होमो पोलिमर हो गया उसके बाद को पोलिमर को पोलिमर की बात करें मतलब यहां पर क्या हो रहा है सेम आइडेंटिकल यूनिट इथालियन से इथालियन ही कनेक्ट हो रहा है एन नंबर ऑफ इथालियन यूनिट की हम बात करें सेकंड को पोलिमर में क्या होगा एडिशन पोलिमराइजेशन होगा लेकिन यहाँ पर डिफरेंट मोनोमर रहेंगे यहाँ पर टू डिफरेंट मोनोमर होंगे टू डिफरेंट मोनोमर टू डिफरेंट मोनोमर यहाँ पर होंगे तो सिंपल देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ब्यूनाइस है ना अभी हम लोग आगे मतलब कि सिंथेटिक में भी बात करेंगे इसकी लेकिन अभी मैं बता देता हूं को का एग्जाम्पल आ गया एडिशन पोलिमराइजन बेस तो ब्यूनाएस का एग्जाम्पल है ब्यूनाएस में देखिए क्या हो रहा है सिंपल मैं लिख देता हूँ एस ब्यूना एस जो है इसे हम लोग एस आर बी भी बोलते हैं है ना ब्यूना एस जो है उसको हम लोग सॉरी एस बी आर ओके तो यहां पर देखिए स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबड़ है ना एस बी आर बेसिकली क्या हो गया स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबड़ Polyester, सब आ गया भाई अभी क्वेश्चन आगे सारे ना तो ब्यूटाडाइन की हम बात करें तो इसमें देखिए जो दो डिफरेंट मैं यहां पर बोल रहा हूं आपको दो डिफरेंट डिफरेंट बेसिकली मोनोमर बोल रहा हूँ कोई कोई मुझे बताएगा कौन कौन सी इसमें यूनिट होती है मोनोमर ब्यूनाइस के लिए ब्यूनाइस के लिए क्या मोनीमर क्या पोलीमर होगा हमारे पास में दो डिफरेंट जो मोनोमर में बता रहा हूं जिससे ये बनता है जल्दी बताइए ब्यूनाइस के लिए हम लोग यूज करते हैं One, three and styrene, सबको पता होना चाहिए हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं प्लस स्टाइरिन यस गुड है ना वन थ्री ब्यूटाडाइन आपको याद रहना चाहिए और इसके साथ में स्टाइरिन तो फाइनली क्या बन जाता है ब्यूना एस बन जाता है थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि इसका चेन ब्यूटाडाइन कैसे लिखते हैं सी एच टू सी एच टू सी एच सी एच सी एच टू आप देख सकते हो वन एंड थ्री पे डबल बॉन्ड है तो वन थ्री हम इसको बोलते हैं वन थ्री ब्यूटाडाइन हम इससे बोलते हैं प्लस ऑफ स्टाइरिन स्टाइरिन कैसा होता है सिंपल बेंजीन के ऊपर बेंजीन के ऊपर यहां पर सी एच सी एच टू लग जाएगा तो ये बेसिकली क्या बन जाता है स्टाइरिन बन जाता है इसको आप लिख सकते हो एन एन नंबर ऑफ मोल ना वेरी गुड वेरी गुड कार टायर सब एग्जाम्पल सब बता दो. Yes, इतना ही confidence होना चाहिए. तो finally ये क्या बनता है? Tarine, मतलब ब्युना, बनता है? है. देखिए, मतलब दोन और यहां पर जो है 1, 3 इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ एन सी सिक्स एच फाइव सी एच सी एस टू तो फाइनली ये क्या बना लेता है देखिए पोलिमराइजेशन होके सी एच टू सी एच टू सी एच मतलब यहाँ से डबल बॉन्ड रिमूव हो जाएगा सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी टू एंड इसके बाद में सी एच सी एच टू और यहाँ पर हो जाएगा बेंजीन सी सिक्स एच फाइव है ना सिंपली यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएगा एक दूसरे के साथ में और ये एन एन मतलब एन नंबर तक ये चेंज चलती रहेगी तो ये हो गया ब्यूनाइस सबको पता है होप्सो लेकिन बस आपको अच्छे से स्पेसिफिक पता होना चाहिए हो कि ये किस कैटेगरी में आता है ये किस टाइप का होता है ना यहाँ पर आपका जो चेन ग्रोथ पॉलीमर होता है इसमें फ्री रेडिकल रहता है इनिशियल पहले सबसे पहले मतलब कि इनिशिएशन होता है उसके बाद में चेन प्रोपोगेशन होता है उसके बाद में चेन टर्मिनेशन होता है ये आपका प्रॉपर कंप्लीट स्टेप होता है ओके ये मैसेज डिलीट क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट स्टूडेंट मैसेज डिलीट कर रहे हैं ऐसा मत करो यार कुछ गलत तो नहीं लिखा ना आपने ये कौन बोला रे नयन -मिथायल डाएं, मिथायल डाएं, ये गलत बोला आपने वन थ्री ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन जो है वो करेक्ट है, इसका मोनोमर डिफरेंट जो मोनोमर है नो थर्ड जो सेकंड कैटेगरी गाइस देखिए सेकंड कैटेगरी सेकंड कैटेगरी में लिख रहा हूं यहां पर भाई तुमने नाइलॉन सिक्स का बोल रहे हो मैंने तो नाइलॉन सिक्स नहीं पूछा करेक्ट करो अपना ना का जो है वो है मोनोमर जो वन थ्री वन थ्री वो, वो मोनोमर होता है उसमें नाइलोन सिक्स आता है नाइलोन सिक्स का पॉलीमर तुम बोल रहे हो वहां पर होता है एडीपी कैसिड प्लस मिथाइलिन डायमिन ऐसा मत करो ना करो करेक्ट करो चीजों को सो नेक्स्ट प्रोसेस है कंडेंसेशन 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 पॉलीमराइजेशन तो यहां पर मैं इंपॉर्टेंट रख रहा हूँ बिकॉज इसमें स्पेसिफिक है इसमें स्पेसिफिक मतलब इसमें स्पेसिफिक जो है वही पॉलीमर आते हैं बाकी सारे के सारे जो है वो एडिशनल कैटेगरी में आ जाते हैं जो पहले हमने डिस्कस किए कैटेगरी एडिशन पॉलीमर है category, uh, polymer, ना चेन ग्रोथ पॉलीमर उसमें आ जाता है यहां पर जितनी भी है वो मैं स्पेसिफिक यहां पर लिख दूंगा कोई भी मैं uh, नहीं रहने दूंगा सारी की सारी लिख दूंगा इसमें बेसिकली स्टेप ग्रोथ होता है देखिए इसमें क्या हो रहा है एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो कंडेंसेशन पोलिमर का एग्जाम्पल देखिए कोई पूछ रहा था डेक्रोन किस कैटेगरी में आता तो वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कैटेगरी में आता है लिख देता हूं मैं और डेक्रोन को हम लोग टेरिलिन भी बोलते हैं टेरिलिन और डेक्रॉन है ना आप कौन सा वर्ड यूज करते हो आप पे डिपेंड करता है और आगे हम लोग बात करेंगे कैसे बनता है तो पुल, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का फर्स्ट फर्स एग्जांपल हो गया टेरिलिन डेक्रोन देन इसके बाद में सेकंड एग्जांपल नाइलॉन 66 देन थर्ड एग्जांपल नाइलॉन 6 देन इसके बाद में पॉलीकार्बोनेट पॉलीकार्बोनेट जो है वो भी बेसिकली एग्जाम्पल है किसका कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन मैंने देखा है स्टूडेंट टेरेलीस एंड नाइलोन सिक्स याद रखते हैं बट पोली कार्बोनेट जो है वो याद नहीं रखते हैं तो पोली कार्बोनेट जो है वो भी कंडेंसेशन है ओके तो फॉर एग्जाम्पल के लिए बताता हूं मैं देखिए इसमें जो यूनिट यूज हो रही है नाइलॉन सिक्स सिक्स देखते हैं नाइलॉन सिक्स तो बताइए का बताइए मोनोमर अभी नाइलॉन सिक्स सिक्स का जल्दी से मोनोमर बताइए क्या होगा जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले नाम भी लिया था नाइलोन सिक्स का मोनोमर बताइए मोनोमर बताइए हाई प्रेशर पे तो फाइनली बन जाता है पोली सर पोलियोमाइड के सर इंजीनियरिंग प्लास्टिक अदर नेम क्या कर रहे हो भाई है ना तो यहाँ पर देखिए सिंपल ये बन जाता है एडिपिक एसिड गुड वेरी गुड एडिपिक एसिड सेकेंड वन तो यहाँ पर सिंपली बन जाता है एन एच सी एस टू सी सिक्स एन एच देन इसके बाद में सी डबल बॉन्ड ओके okay, मैं यहां पर लिख रहा हूँ आपको पता नहीं दिखाई भी दे रहा होगा मैं यहां पर नीचे लिख देता हूँ ये, ये मैं लिख रहा हूं फाइनल फाइनल जो बन जाता है वो देखिए एनएच एन एच सी एच टू सी एच टू सिक्स एनएच एन एच देन इसके बाद में सी डबल बॉन्ड सी एच टू होल बाई एस टू सी डबल बॉन्ड है ना ये आपका बन गया एन गुड वेरी गुड सबको पता है तो ये जो पहली चेन लिखी थी ये क्या लिखा था मैंने एडीपी कैसे ये लिखा था मैंने एडिपिक एसिड सिक्स कार्बन नंबर इसमें एडिपिक एसिड याद रखिए सिक्स कार्बन नंबर इसमें उसके बाद में मेंमीन इसमें भी कितने सिक्स कार्बन है ये बेसिकली हो गया हेक्सा हेक्सा मिथाइल हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन वेरी गुड सबको पता है ओके okay. तो ये मतलब मैं जस्ट फॉर्मूला आपसे कोई नहीं पूछेगा आपको मोनोमर मोनोमर जो है वो पता होना चाहिए है ना उसके बाद जस्ट आपको एक कन्वर्ट करना कि ये पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी में आता है मैं गेट के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो आपको यह फॉर्मूला कोई नहीं पूछने वाला है आपको ये फॉर्मूला कोई नहीं पूछने वाला आपको ये पता होना चाहिए सिर्फ आपको मोनोमर पता होना चाहिए और उसके बाद में किस कैटेगरी में आता है कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है डेक्रोन नाइलोन सिक्स नाइलन सिक्स सिक्स देन इसके बाद में पॉलीकार्बोनेट ये सब आपको पता होना चाहिए अब हम लोग लाइक फोर्थ कैटेगरी टोटल थ्री कैटेगरी होगी फोर्थ कैटेगरी की मैं बात कर रहा करूँ क्लासिफिकेशन ऑफ द बेस्ट ऑन द दोलिकुलर फोर्स क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोलिकुलर फोर्स मतलब जो मोलिकुलर मोलिकुल्स है उनके बीच में जो कौन से फोर्सेस है उनके बेसिस पर हम लोग मतलब कि डिवाइड करते हैं एक होता है एक होता है वंडरबोल फोर्स एक होता है हाइड्रोजन फोर्स है ना एक एक यहाँ पर मतलब यह कैटेगरी नहीं है ये मैं फोर्सेस बता रहा हूं कि आपको वॉन्ड्रोबल फोर्सेस होता है और उसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है ना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है आपको सबको पता होना चाहिए कि वनडरबोल जो फोर्सेस होता है मतलब फोर्सेस होते हैं बहुत वाइक वीक वीक फोर्सेस होते हैं वो ना तो सिंपल में यहां पर देखिए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ऑनिकुलर फोर्सेस अगर बात करूं तो इसमें कैटेगरी कौन कौन सी आ जाती है संतोष का क्वेश्चन है कि बैक बैक कर देता हूं मैं ये पॉलीकार्बोनेट पॉलीकार्बोनेट क्या होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का है हम लोग बेसिकली यहां पर मतलब पॉलीकार्बोनेट किसका एग्जाम्पल देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं विस्फिनोल विस्फिनोल जो है बेसिकली इसको हम लोग मतलब विस्फिनोल प्लस सीओ सी एल टू

देखते हैं अगर बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे तो टेन ट्वेंटी फाइव नहीं होगा ज्यादा लेट मुझे उम्मीद है कि हम लोग विद इन एक पर्टिकुलर टाइम इसमें देखते हैं ट्वेल्व के बाद तक कितना टाइम एक्सटेंड होता है बट मिनिमम मान के चलिए ट्वेल्व 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 थर्टी मिनिमम सो फर्स्ट देखिए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पोलिमर फोर्स पोलीमर फोर्स पर बेस्ड यहां पर मैं लिख रहा हूँ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोलिकुलर फोर्स तो पहला है इलास्टोमर पहला है इलास्टोमर सेकेंड है फाइबर थर्ड है थर्मोप्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक सर दोज आर द थर्मोप्लास्टिक ओके दो या एग्जैक्टली गुड जो यहाँ पर बिस्पिनोल बताया वो बेसिकली थर्मोप्लास्टिक में ही आता है इसलिए मैंने बोला था कि मैं आगे डिस्कस करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा है ना आपको मैं आगे डिस्कस करूंगा तो क्लियर हो जाएगा नोट थर्मोप्लास्टिक होगा या नहीं होगा देखते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉली ना आई थिंक पोलीथलिन में आएगा क्या मैं बा, बा, बात करता हूं हाथ थर, थर्मोप्लास्टिक में आता है थर्म, थर्मो थर्मोसेटलिंग में समझ रहा था थर्मोप्लास्टिक में ही आता है जो मैंने अभी वर्ड यूज किया था विस्मिनोल प्लस जो आपका ये फोशन गैस होता सीओ सी वो बेसिकली थर्मोप्लास्टिक ही है सो तो मैं इसलिए मैं बोला था आपको कि देखिए मेरे को पटाने तो दीजिए आप क्लासिफिकेशन ऑफ द मोलिकुलर फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ तो इस पर बेसिस है देखिए इलास्टोमर फाइबर थर्मोप्लास्टिक तो वो मैं वापस पॉलीकार्बोनेट जो मैंने बताया था वो यहाँ पर मैं डिस्कस करता था थर्मो में तो थर्मोप्लास्टिक के बाद में थर्मोसेटिंग का जो सेक्शन है उसी को देख के मैंने बताया कि थर्मो प्लास्टिक में आता है ये ना सो so, ओके okay, ये हो गया मेरा क्लासिफिकेशन अब वन बाय वन थोड़ा डिस्कस करते हैं फर्स्ट वन इज द इलास्टोमर फर्स्ट कैटेगरी यहां पर डिस्कस कर रहे हैं इलास्टोमर ओके okay, तो इलास्टोमर में देखिए एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहां पर रबड़ बेसिकली रबड वो होता है इलास्टोमर कैटेगरी कैटेगरी में आता है ना अगर रबड़ की हम बात करें तो वहां पर रबड़ केस में क्या होता है कि जो बॉन्ड्स होते हैं ना वो वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं इनके बीच में तो सिंपली

थर्मोप्लास्टिक एग्जाम्पल हो जाएगा ब्यूना एन ब्यूना एन ब्यूना, एस ब्यूना एन एन उसके बाद में मेंोपिन एन ब्यूना एन ब्यूना एस ओके सारे मैंने ऐसे लिख दिया ऐसे इतना अच्छा क्यों लग रहा है ना ब्यूना एन एंड ब्यूना एन एंड ब्यूना एस उसके बाद में नियोप्रीन है ना ये सब बेसिकली हो गया इलास्टोमर तो मतलब आप बोल सकते हो कि जो रबड़ होता है बेसिकली उसको हम लोग सिंथेटिक रब्बड़ में कन्वर्ट करके उसकी बेसिकली हम लोग क्या करते हैं जो स्ट्रेंथ है वो इंप्रूव करते हैं उसकी स्ट्रेंथ बेसिकली इंप्रूव करते हैं विद हेल्प ऑफ द क्रॉस लिंक अगर ये क्रॉस लिंक वाला फैक्टर आपको पता होना चाहिए जब आपने डिटेल में पढ़ा होगा तो देखा होगा कि मतलब क्रॉस लिंक बन जाता है सल्फर जो है बेसिकली वो एज ए क्रॉस लिंक वहां पर रहता है फॉर्मुले में तो उसकी हेल्प से होता क्या है कि जो सल्फर का स्ट्रेंथ है बेसिकली वो इंप्रूव होता है ना अब हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं इलास्टोमर में पहला एग्जाम्पल इलास्टोमर की बात कर रहा हूं तो पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं नेचुरल रब्बड़ नेचुरल रबर है ना हाँ एस सल्फर ही है तो नेचुरल वन बाय वन बात करते हैं देखिए नेचुरल रबर नेचुरल रबर बेसिकली नेचुरल रबर का एग्जाम्पल क्या होगा बताओ कोई नेचुरल रबर को हम क्या बोलते हैं सिंपली जो नेचुरली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल रबर का एग्जाम्पल है एनी वन जल्दी जल्दी बताओ नेचुरल रबर का एग्जाम्पल किसे नेचुरल रबर हम बोलते हैं आपको बता देता हूं Isoprene. Isoprene जो है, isoprene, natural का example. अगर होगा तो किसमें हो तो कन्वर्ट किस हो जाएगा गुड वेरी आइसोप्रीन तो ये किसमें जाएगा? कन्टी आइसोप्रीन में ये poly -isoprene में कन्वर्ट हो जाता है आइसोप्रीन जो है पोली आइसोप्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप फॉर्मूला देखो तो या, एवेट्री जो तुम बोल रहे हो वो बोल रहे हो तुम कि जिससे ये मतलब सोर्स बता रहे हो, कि सोर्स नहीं पूछा मैंने मैंने पूछा था यहाँ पर आइसोप्रीन है ना तो सी एच सी एच फोर सी एच सी एच थ्री

सी एच सी एच टू ये जो ये जो न्योप्रीन है ना मतलब जो आइसो आइसोप्रीन है ना जिसको नॉट न्योप्रीन जो पोलीमर पोल जिसे हम लोग पोलिया आइसोप्रीन बोल रहे हैं तो ये पोलियाप्रीन का ही मतलब हम लोग क्या करते हैं नेचुरल रबर का स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए वेल्किनाइजेशन ऑफ रबर का एक कंसेप्ट होता है इसमें आपका देखिए सल्फर यहाँ पर आ जाता है ये यह सल्फर यहाँ परजेंट पर है यहाँ पर एक सल्फर प्रजेंट होगा उसके बाद में अनदर एक यूनिट यहाँ पर सी एस टू सी सी एस टू सी देन उसके बाद में सी एस थ्री दे सी एच उसके बाद में सी एस टू तो ये बेसिकली ये क्रॉस लिंक जो है बेसिकली क्या करता है इसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव करता है फाइन आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट है सिंथेटिक पॉलीमर बहुत सारे हैं सिंथेटिक पॉलीमर तो सिंथेटिक पॉलीमर है नेक्स्ट सिंथेटिक सिंथेटिक पॉली रबर है ना सिंथेटिक रबर की हम बात कर रहे हैं इलास्टोमर की इलास्टोमर uh, कैटेगरी डिस्कस कर रहे हैं तो इलास्टोमर में सबसे पहले हमने देखा नेचुरल रबर सेकंड हम देख रहे हैं सिंथेटिक रबर सिंथेटिक रबर में आपके सभी एग्जाम्पल आ जाएंगे जो मैंने अभी लिए थे है ना जस्ट मैंने इलास्टोमर में बता के मैंने बताया लाइक एग्जाम्पल हो गया ब्यूना एन ब्यूना एन, ब्यूना ब्यूना एन एस उसके बाद में नियोप्री तो यहाँ पर मैं फर्स्ट बता रहा हूं कि नेचुरल की बात करते हैं तो आइसोप्रीन हो गया लाइक ब्यूना एन क्लोरोट फॉर इज सिंथेटिक रबड़ ठीक है यहाँ पर देखिए ये हो गया एस ब्यूना एस हो गया ब्यूना एन हो गया सब किस में आता है सिंथेटिक रबड़ में आता मतलब एस, मतलब है ब्यूना एन उसके बाद में ब्यूटाइल पर लिख देता हूं मैं सारे ब्यूटाइल रबर हो गया उसके बाद में नियोप्रीन वो भी सिंथेटिक है सबके सब, सब सिंथेटिक में आते हैं गाइस नियोप्रीन उसके बाद में क्लोरो क्लोरो क्लोरोब्यूटाइल क्लोरोब्यूटाइल रबर आफ्टर देट आफ्टर देट यहां पर देखिए पोलिसोक्सिन कोई क्वेश्चन है क्या हा एसबीआर है बिल्कुल है देन उसके बाद में

मोनोमर यूज होता है किसके लिए कौन सा मोनोमर यूज होता है है ना उसके अलावा हम लोग यहाँ पर इसका थोड़ा सा रो मटेरियल मतलब कि इसका यूज देख लेंगे हम लोग तो फर्स्ट देखिए फर्स्ट यहाँ पर पोलियो आइसोप्रीन में लिख रहा हूँ पोलियो आइसोप्रीन अगर यूनिट की बात करेंगे तो इसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं है डेफिनेटली मतलब कि क्या यूज हो रहा होगा पोलियोसोप्रीन के लिए यूज हो रहा होगा आइसोप्रीन है ना पोलियोसोप्रीन के लिए आइसोप्रीन तो मैंने क्या किया ये 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 ध्यान रखिए ये सिंथेटिक नहीं है ये सिंथेटिक नहीं है ये किस कैटेगरी में आता है नेचुरल आता है मैंने लेकिन लिख दिया यहां पर एक साथ लिख दिया नेचुरल ये नेचुरल रबड़ है ये थोड़ा याद रखिए ना इस कैटेगरी में लिख दिया ऐसा मतलब नहीं कि है।, तो है, है कि सिंथेटिक है तो पोलियो ने हमें बताया कि आसोफ्रीन बेसिकली क्या हमारा मोनोमर है आइसोफ्रीन इसके लिए मोनोमर है यहां पे मैं सिंथेटिक लिख रहा हूँ मैं ये नेचुरल रबर लिख रहा हूं, हूं जस्ट है ना बताने के लिए तो इसका यूज क्या हो जाएगा एज ए एज से रबर

थैंक यू नितेश फॉर योर सजेशन डेफिनेटली चीजें ईजी हो जाती है यार देखिए मतलब मैं आदत आदत खराब होने का मतलब क्या होता है जब हमको चीजें अच्छी लगती है ना मतलब लाइक like, आप पढ़ते हो तो वही चीज उतना मजा नहीं आता आपको लेकिन कोई आपको जब डिलीवर करता है इन ए बेटर वे देन आपको वहां पर ज्यादा समझ भी ज्यादा आता है है ना तो मैं ठीक है तुम सजेस्ट करो अच्छा लगा मुझे तो गेट ट्वेंटी टू के लिए जो सिल्वर मेंबरशिप का ऑप्शन है गाइस उसमें मैं क्या करने वाला हूं कंप्लीट गेट पिरोसरी के जो क्वेश्चन पेपर है कंप्लीट गेट के क्वेश्चन मतलब कंप्लीट सब्जेक्ट इंक्लूडिंग द मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड वहां पर आपको क्या मिलने वाला है उनके बेसिकली आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे ईयर वाइज मैं स्टार्ट करने वाला हूं नाइनटी से ट्वेंटी आपको वहां पर वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज तो आपके लिए बहुत बेटर मतलब वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा कहीं भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा आपको इधर उधर से कोई भी सोर्स यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी आपको हर एक चीज के लिए वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा तो आपके लिए मुझे लगता है कि परफेक्ट चीज रहेगी आपको अभी तक कहीं पर भी ऐसा नहीं मिलेगा कहीं पर भी आपको गेट नाइंटी से लेकर तक के जो वीडियो सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेंगे सब कॉपी पेस्ट मटेरियल मतलब आपको मिलता है uh, जो कि मतलब uh, रहता है उसमें पता नहीं कितनी तो मिस्टेक्स होती है मैंने देखा है बहुत सारी मिस्टेक्स होती है कहीं भी मल्टीपल मल्टीपल सोल्यूशन आपको नहीं मिलता है मैं अगर कोई क्वेश्चन अगर दो से तीन मेथड से भी सोल्व हो रहा तो मैं डेफिनेटली दो से तीन मेथड से सोल्व करूंगा ऐसा है तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा नितेश भी सजेस्ट कर रहा है और नितेश सजेस्ट कर रहा है जिसकी लाइक गेट गेट में लास्ट ईयर टू लाइक लास्ट ईयर रैंक कितना था फिफ्टी टू था है ना लास्ट लास्टर इसका फिफ्टी टू तो ये सजेस्ट कर रहा है तो होप पुलिस का सजेशन आपके लिए हेल्पफुल हो तो हम लोग वापस हमारे टॉपिक में आते हैं हम लोग डिस्कस कर रहे थे सिंथेटिक रबड़ तो सिंथेटिक रबड़ में हमने पहला देखा एस बी आर एस बी आर इज दूना एस तो ब्यूना एस में हमारा मोनोमर क्या हो गया स्टायरिन तो यहां पर इसका यूज देखिए इसका यूज जो है वो होता है टायर बनाने में तो वन ऑफ द इंपोर्टेंट है एस बी आर है वन ऑफ द मोस्ट यूज मतलब सिंथेटिक सिंथेटिक टाइप का इलास्टोमर uh, रबर है ये तो यहां पर देखिए इसका यूज होता है टायर्स बनाने के लिए है ना टायर्स बनाने के लिए और टायर रिलेटेड इंडस्ट्री टायर रिलेटेड इंडस्ट्री का अगर ऑप्शन आपको आता है तो आपको चूज करना है एस देन थर्ड देखिए थर्ड यहां पर है ब्यूना एन ब्यूना एन को हम लोग क्या लिखते हैं नाइट्राइल रबड़ भी लिखते हैं नाइट्राइल रबड़

देखिए एकराइलो नाइट्रल का मोनोमर हो गया देन इसके बाद इसका जो यूज है नाइट्राइल रबर जो है ब्यूनाइन उसका यूज होता है गैसकेट बनाने के लिए अभी गैसकेट तो पता होगा सबको कोई भी लाइक आपका पाइपलाइन है उसमें जो फ्लेंज होता है वहां पर हम लोग गैसकेट यूज करते हैं लाइक लीकेज को अ, मतलब कि अवॉइड करने के लिए ना तो गैसकेट बेसिकली ऑयल रिलेटेड एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जो गैसकेट बने होते हैं वो मोस्टली ब्यूना एंड रबड़ के बने होते हैं ना ऑयल रिलेटेड ऑयल रिलेटेड इंडस्ट्री जो है मतलब पेट्रोलियम इंडस्ट्री आप कंसिडर कर सकते हो ऑयल रिलेटेड इंडस्ट्री में

है ना इम्प्रिमेबल मतलब गैसेस जो है मतलब इसको पास नहीं कर पाती है तो इम्प्रीमेबल होती है गैसेस गैसेस के लिए है ना तो ब्यूटाइल रबर जो है वो बेलून बनाने के लिए बना, बेलून बनाने के लिए मतलब मोस्टली यूज किया जाता है उसके बाद आता है नियो, नियोप्रीन, तो नियोप्रीन भी क्या है सिंथेटिक रबड़ है नेक्स्ट वन इज द नियोप्रीन नियोप्रीन जो है इसे हम लोग पोली पोली भी बोलते हैं ना या बेलून मेकिंग गुड वेरी गुड तुमको पता था है ना तो सिंपल हम यहां पर लिख रहे हैं इसका मोनोमर जो है वो हो जाएगा क्लोरोप्रीन

इसका बेसिकली यूज है तो वेल्कनाइज रबड़ हम बोल सकते हैं जिसका सिंपल मतलब कि रबड़ से नेचुरल रबड़ से अगर हम कंपेयर करें तो उसका बेसिकली स्ट्रेंथ और मतलब जो क्वालिटी है वो बेटर रहता है नाउ उसके बाद नेक्स्ट देखिए न्योप्रीन हो गया आफ्टर न्योप्रीन में यहां पर डिस्कस कर रहा हूं क्लोरो क्लोरोब्यूटाइल 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 रबड़ तो गाइज ये इंपॉर्टेंट है क्लोरोब्यूटाइल रब रब जो है ये इंपॉर्टेंट है सिंथेटिक टाइप का है इसकी अगर मोनोमर की मैं बात करूं तो देखिए आइसोब्यूटाइलिन आइसोब्यूटाइलिन

यहां पर इसका है बेसिकली मोनोमर uh, और आइसोप्रीन का कंपोजिशन लेकिन बहुत कम रहता है ऑलमोस्ट वन टू थ्री परसेंट और यूज देखिए यहां पर मैं यूज की बात कर रहा हूं तो यूज यहां पर देखिए है ट्यूबलेस टायर तो ट्यूबलेस टायर सबने सुना होगा है ना मतलब हमने ब्यूनाइ uh, यूज करते हैं फॉर टायर एंड टायर रिलेटेड इंडस्ट्री देन उसके बाद में यहां पर जो uh, क्लायरब्यूटाइल रबड़ है बेसिकली वो स्पेशली यूज किया जाता है ट्यूबलेस टायर बनाने के लिए देन नेक्स्ट वन यहां पर हम बात कर रहे हैं क्लोरोल हो गया आफ्टर क्लोरोल देखिए पोली पोलिसोक्सिन तो ये इसका जो है मतलब कि अगर मोनोमर की हम बात करें तो सिलोक्सिन बेसिकली जो है ये मोनोमर हो जाएगा है ना ये इस तरीके से हम लिखते हैं ओ एस आई ओ है ना फाइनली अगर पोलीमर के टाइम में लिखे तो फॉर न्योप्रिन सर या गुड गुड मैंने क्लोरोप्लीन मेन जो है वो लिख दिया उसके बाद अच्छा है तुम्हें एग्जैक्टली exactly पता है क्लोरोप्लीन प्लस एसिटिलिन और देन ठीक है उसके बाद मैं यहाँ पर बात कर रहा करूं देखिए सिलोक्सिन जो पोलिसोक्सिन जो है ये किस लिए यूज होता है फॉर इलेक्ट्रिक फॉर इलेक्ट्रिक फॉर इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट है बनाने के लिए लाइक इसमें अगर मैं इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में बात करूं तो लाइक लाइट स्विचेस हो गए है ना लाइट स्विचेस जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं तो पॉलिसन यूज होता है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के रिगार्डिंग देन उसके बाद में ये हो गया और यहां पर मैंने बता दिया उसके बाद में यहां पर देखिए जो है वो किसके लिए यूज हो रहा है कन्वेयर बेल्ट बनाने के लिए जो कन्वेयर बोल्ट बेल्ट होता है ना सॉलिड सॉलिड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो वो कन्वेयर बेल्ट बेसिकली बेसिकलीप्लॉन का बना होता है ओके ये चीज क्लियर है इसका अगर हम लोग मोनोमर देखें तो देखिए मोनोमर इसका क्लोरो क्लोरोसल्फोनेट क्लोरो क्लोरोसल्फोनेट प्लस ऑफ पोली पोलिथाइलिन ओके वेरी गुड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा आज प्लेबैक भी अच्छा है नंबर ऑफ कैंडिडेट भी अच्छा है वेरी गुड गाइज जिसने भी लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दे uh, किसी में कैटलिस्ट नहीं आता अरे भाई पॉलीमराइजेशन में कैटलिस्ट की बात ही नहीं है पोलिमराइजेशन कैटलिस्ट की बात ही नहीं है सिर्फ टेम्परेचर के साथ डील करते हैं हम सिर्फ जो यहां पर मेंटेन करना, करना होता है वो टेम्परेचर मेंटेन करना होता है बस कैटलिस्ट की कोई बात नहीं पर पोलिमराइजेशन में तो राइस ये था कंप्लीट मेरा सिंथेटिक रबर सिंथेटिक रबड़ वाला टॉपिक मतलब जितने भी मतलब रब्बड़ है वो मैंने यहां पर बता दिया उसका मोनोवर मैंने बता दिया देन उसका यूज आपको बता दिया इतना पता है देन सफिशियंट है तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं फाइबर नेक्स्ट सेकेंड हम डिस्कस करेंगे फाइबर ओके तो फाइबर डिस्कस करते देखिए फाइबर में अगर मैं टाइप बताऊं आपको तो पहला टाइप हो गया पोलियमाइट है ना फाइबर का जो टाइप है देखिए पोलियमाइट देन सेकंड टाइप है पोलियस्टर देन उसके बाद में थर्ड टाइप है देन फोर्थ टाइप है सेलुलोज है ना सेलुलोजिक फाइबर तो पोलियमाइट में क्या क्या आता है नाम से ही पता चल रहा है नाम से ही पता चल रहा है कि यहां पर इसमें नाइलॉन सिक्स आने वाला है नाइलॉन सिक्स आने वाला है और नाइलॉन सिक्स सिक्स आने वाला है नाम से ही पता चल रहा है आपको है ना उसके बाद में देखिए सेकेंड पोलियस्टर पोलियस्टर में क्या आता है डेक्रॉन जिसे हम लोग टेरिलिन भी बोलते हैं डेक्रॉन या टेरेली देन उसके अलावा एक्राइलिक एक में क्या आता है ऑर्नल एंड डायनल ये बेसिकली एक्राइलिक में आता है हम आगे बात करेंगे जस्ट ओके okay, थोड़ा सा पहले बता रहा हूं आपको वन बाय वन हम कंप्लीट देखेंगे टेक्रिन डेक्रॉन क्या होता है ओरलिन क्या होता है नाइलो सिक्स नाइलोन सिक्स क्या होता है सबकी मैं बात करूंगा जस्ट मैं लिख देता हूँ एक साथ की फाइबर जो है इस टाइप से मतलब इस टाइप से अगर आपको पता होगा तो आप भूलोगे नहीं कोई भी कोई भी मिस नहीं करोगे आप है ना जैसे ही आप लिखते हो कि ओके okay, फाइबर है तो फाइबर कितने टाइप का होता है फोर टाइप्स का होता है पोलीमाइट पोलियस्टर एकजी सब चीज आपको पता होगी ओके वेरी गुड लाइक का रिस्पॉन्स भी इंप्रूव हो गया है अगर वीडियो देख रहे हो तो लाइक करना ना भूलो ना लाइक करना और शेयर करना ना भूलो है ना इतना तो बनता है इतना तो सपोर्ट आपका प्यार बनता है मेरे लिए सो फाइनली देखिए अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर सेल्यूलॉजिक फाइबर सेलोलॉजिक फाइबर में यहां पर लिख रहा हूं सेलोलॉजिक फाइबर जो है देखिए सेल्यूलॉजिक फाइबर में थ्री टाइप हम डिस्कस करेंगे एक होता है विस्कस रेन सेलोलॉजिक फाइबर में एक आता है विस्कस रेन उसके बाद में सेकेंड टाइप इसका होता है एसीटेट एसीटेट रेओन है ना आफ्टर एसिटोट रेन देखिए यहां पर थर्ड जो है वो है यहां पर प्योर सिंथेटिक फाइबर जो एक होता है अमोनियम रेयोन ये हम जस्ट बात करेंगे आगे ना रेयन ओके अब देखिए हम लोग बात कर रहे थे फाइबर की ना फाइबर में पहला डिस्कस करें भी पोलियमाइड वेरी गुड वेरी गुड पोलियमाइड सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पोलियमाइड्स देखिए पोलियमाइड जो है मतलब इसमें हम लोगों ने देखा कि नाइलोन सिक्स है एक तो और एक है

और इसका यूज मैं आपको बता देता हूँ ये जो नाइलॉन सिक्स सिक्स हम यूज करते हैं ना ये लाइक सीट्स बनाने के लिए है ना मोस्टली मतलब हम बोल सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है सीट्स बनाने के लिए और उसके अलावा टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वहां पर ये यूज होता है बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नाइलॉन सिक्स जो है सिंपल यार वर्ड से ही पता चल रहा है नाइलॉन मोस्टली इंडस्ट्री में टेक्सटाइल मतलब कपड़े बनाने के लिए यूज किया जाता है आई एम एंड फॉर ए कम्पटेबिलिटी को फाउंडर फॉर माई न्यू कंपनी इन द फील्ड ऑफ द एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी गैस तो भैया आपका यहाँ पर क्या यूज है संतोष सुशांत गौरव मुझे नहीं लगता आपका कोई यूज है मैं रिमूव कर रहा हूं आपका जो भी जो भी आपने लिखा है ठीक है सो uh, so, देखिए नाइलॉन सिक्स सेकंड हम देखते हैं नाइलॉन सिक्स तो कैप्रोलेक्टम कैप्रोलेक्टम बेसिकली इसका मोनोमर होता है कैप्रोलेक्टम का स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए देखिए एंड मतलब आपको क्या करना है सिंपली पहले देखिए दो तीन चार पांच मतलब फोर नंबर ऑफ सी एस टू चैन है इसमें है ना फोर नंबर ऑफ सी एस टू चैन है तो पहले हम लोग सी एस टू चैन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं सी एस टू सी एस टू देन उसके बाद सी एस टू ओके थ्री टू फाइव है ना फाइव नंबर ऑफ सी एस टू चेन है ना? इस तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिए लाइक बेंजीन की तरह ना उसके बाद यहां पर क्या है कि एक जो कार्बन है ना, उसके साथ में ऑक्सीजन कनेक्टेड है और यहां पर एक एन के साथ में हाइड्रोजन बैलेंस ही कंप्लीट करने के लिए तो ये आपका केप्रोलेक्ट्रम का स्ट्रक्चर है आपको जस्ट कैप्रोलेक्ट्रम नेम भी पता तो सफिशिएंट है लेकिन एटलीस्ट आपको फॉर्मुला भी जो है वो पता होना चाहिए गाइज तो ये और यहां पर देख लीजिए किसी ने पूछा था कैटलिस्ट कैटलिस्ट की बात नहीं करते हम लोग पॉलीमराइजेशन के लिए ये जो टेमप्रचर है ये हमको मेंटेन करके रखना होता है मतलब कैप्रोलेक्टम को अगर इस टेपरेचर पर हम लोग लाइक पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो सिंपली क्या होगा यह कैप्रोलेक्टम जो है नाइलोन सिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां पर जो वाट एस मतलब सिंपल पॉलीमराइजेशन में क्या होता है मोस्टली मतलब एस टू एस टू जो वही तो रिमूव होता है और फाइनली फाइनली आपको मिल जाता है यहां पर आपका पॉलीमर अब इसका अगर हम यूज की बात करें इसका अगर हम यूज देखें देखिए नाइलॉन सिक्स तो नाइलोन सिक्स का जो यूज है यूजिस अगर हम बात करें तो इसका यूज होता है अगेन देखिए टायर्स के रिगार्डिंग होता है इसका यूज टायर कोड्स उसके अलावा फेब्रिक के लिए भी यूज होता है फेब्रिक के अलावा रोप्स बनाने के लिए भी यूज होता है नाइलॉन सिक्स जो है नाउ सेकंड कैटेगरी जो है फाइबर की फाइबर का पहला कैटेगरी हम लोगों ने पोलियमार डिस्कस किया नौ सेकंड कैटेगरी डिस्कस करते हैं सेकंड कैटेगरी जो है वो है स्टर और हाँ सेकंड ही आई थिंक हाँ सेकंड है पोलियस्टर तो पोली में हमने देखा कि पोली में जो है वो कन, मतलब कि कंडेंसेशन वाले टाइम है डेक्रोन एंड टेरिलिन देखा हमने एग्जांपल देखा कि वो बेसिकली कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन का पार्ट है तो सिंपल यहां पर देख सकते हो आप पोली एस्टर, पोली एस्टर में आता है आपका डेक्रोन डेक्रोन जिसे आप क्या बोल सकते हो टेरेली भी बोल सकते हो जल्दी से इसका मुझे मोनोमर बता दीजिए टेरेली एंड डेक्रोन गेट में पूछा गया भी है गाइस जल्दी से मुझे इसका मोनोमर बता दीजिए हीट आपको मेंटेन करके रखनी है फोर से फोर सिक्सटी केलविन टेम्परेचर पे और प्लस पोलिमराइजेशन में पहले बोल रहा था ठीक है ट्रपथेलिक या फर्स्ट वन क्लियर है सेकंड सेकंड एक नहीं दो मनोमर होता है ट्रपथेलिक क्लियर है ओके यहां पर ओके ये ठीक है प्लस ऑफ एन एस टू तो रिमूव होने वाला ही है ओके तो ये बेसिकली है पोली इथा इसको हम बोलते हैं पोली इथाइलिन यस डीएमटी एन इथलिन ग्लाइकोल डीएमटी क्या है भाई माधुरी व्हाट व्हाट इज डीएमटी इथालियन ग्लाइकोल गुड वेरी गुड क्लियर है लेकिन सेकंड क्या लिखा तुमने पोली हम यहां पर लिख रहे हैं देखिए पोली इथैलियन ट्रप्थेलेट पोली इथाइलियन ट्रप्थेलेट क्लियर तो यहां पर देखिए सिंपल इथैलियन ग्लाइकोल इथैलियन ग्लाइकोल जो फर्स्टर है मोनोमर है यहां पर इथालियन ग्लाइकोल वो यहां पर रिएक्ट करता है किसके साथ में ट्रप ट्रपथेलिक एसिड है ना ट्रथलिक एसिड हम इसे बोलते हैं बेसिकली तो ये जो एसिड है यहाँ पर एसिड को हम लोग कैसे डिनोट करें देखिए इस तरीके से ये बेसिकली बेंजीन पे आपका यहाँ पर सी ओ एच है और इधर भी यहाँ पर ओ एच है देन उसके बाद में ग्लाइकिन ग्लाइकोल कैसे लिखते हैं वेरी गुड सबको पता है अच्छी बात है वेरी गुड बस मेन चीज होता है ये कैटेगरी का कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए कैटेगरी पोलेशन एडिस पोलिमराइजेशन या फिर एन सी एस टू ओ एच सी एस टू ओ एच यहाँ पर बेसिकली देखिए एस टू रिमूव होता है उसके बाद में ये फाइनली फाइनलीन हमको मिलता है जिसे हम लोग बोलते हैं पोलियस्टर ओके अब कोई स्टूडेंट बोल रहा था कैटलिस्ट कैटलिस्ट वाला स्टूडेंट था कि सर किसी में कैटलिस्ट की यूज नहीं होती है क्या या yeah, एग्जैक्टली exactly, अभी देखिए अभी तक तो कैटलिस्ट की बात नहीं की लेकिन फाइनली यस हार्दिक हार्दिक ने पूछा सर किसी में कैटलिस्ट नहीं आता क्या तो अभी कैटलिस्ट की हम बात करेंगे डेक्रोन के लिए यहां पर पर्टिकुलरली जो रिएक्शन होती है उसके लिए हमको कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है और वो कैटलिस्ट रहता है हमारा कैटलिस्ट देखिए यहां पर कैटलिस्ट जो है वो रहता है जिंक एसिटेट जिंक एसिटेट तो वन बाय वन हम लोग चलेंगे ना तो सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएगी जिंक एसिटेट एंटीमोनि ट्राई ऑक्साइड यहां पर कैटलिस्ट होता है ये आप देखोगे ये क्वेश्चन गेट में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन गेट में पूछा गया है आपने गेट प्यूरसरी क्वेश्चन की किए की होंगे तो आपको यह क्वेश्चन मिला होगा है ना और डेक्लोन टेरिलीन जो बेसिकली है यहां पर अगर इसका बात करें हम लोग यूजिस की बात करें तो यहां पर देखिए वुल फाइबर उसके बाद में ग्लास रेनफोर्सिंग मटेरियल बनाने के लिए ग्लास रेनफोर्सिंग मटेरियल ये सब बेसिकली इसके यूजिस है यस वेरी गुड एंटर मनी पूरा याद रखिए जिंक एसिडेड एंटोमनी अगर दूसरे वर्ड के साथ दे देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना पूरा याद रखिए जिंक जिंक जो है वो यहां पर होता है कैटलिस्ट के केस में अब हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी थर्ड कैटेगरी ऑफ फाइबर्स तो यहां पर एक्राइलिक्राइलिक में हम लोग डिस्कस करते हैं ऑक्साइड वेरी गुड सबको पता है स्टूडेंट वेरी गुड अच्छा रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है

ये होता है सेकंड तो आपको मोनोमर पहली चीज आपको, तो आपको मोनोमर याद रखना है तो मोनोमर क्या हो जाएगा देखिए जल्दी से, के लिए, नाम से ही पता चल रहा है, प्लास्टिक, सब, सब पता है. माला रमेश है ना तो यहां पर मोनोमर की अगर हम बात करें तो एक्रायल, नाइ, एक्रायल, नाइट्रायल, एक्रायल, नाइट्रायल की मैं बात कर रहा हूं ये हो गया मोनोमर किसके लिए अगर हम लोग इसको लिखे मतलब इसके फॉर्मूला लिखे तो ये हो जाएगा सी एच टू सी एच और यहां पर लगता है सीएम सी एस -CH टू सी एच सी एन ये एकराइलो नाइट्राइल है ना नाइट्राइल रबड़ के लिए भी यूज करते हैं ये मोनोमर है लेकिन वहां पर नाइट्राइल रबर के लिए साथ में ब्यूटा डाइन एड करते हैं ये मैंने आपको बताया था ये नाइट्राइल रबड़ के लिए भी यूज करते हैं सी एच टू सी एच सी एन तो उसके बाद सेकंड देखिए डायनिल जो है बेसिकली इसके लिए आपका अ, अ, मतलब पोलिमराइजेशन जो है मतलब को करते हैं है यहां पर जो मोनोमर है वो को हो जाता है किसके लिए एक्राइल नाइट्राइल तो रहता है एक्राइल नाइट्राइल तो यहाँ पर रहता है लेकिन नाइट्राइल एक्राइल नाइट्राइल के अलावा हम लोग क्या यूज करते हैं विनाइल क्लोराइड

ओके okay, वो भी कर सकते हैं बट परफेक्ट जो है विनाइल क्लोराइड जो है परफेक्ट है ये ना विनाइल क्लोराइड हम यूज करते हैं तो फोर्थ कैटेगरी देखिए अब यहां पर फाइबर्स की फोर्थ कैटेगरी जो है वो है सेल्युलजिक फाइबर है ना फोर्थ कैटेगरी मैंने लिखा था सेल्युलजिक फाइबर तो फोर्थ एंड लास्ट कैटेगरी है ये सेलुलॉजिक फाइबर सेल्युलजिक फाइबर जो है ये लास्ट टाइप है इसे हम लोग सेमी सिंथेटिक फाइबर भी बोल सकते हैं सेमी सिंथेटिक फाइबर सेमी सिंथेटिक फाइबर यहां से गेट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया वो भी मैं बताऊंगा देखिए तो मैंने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया इनको देखिए फर्स्ट है विस्कस रेयोन, विस्कस रेयन 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 उसके अलावा है एसीटेट 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 इज इज द द तो यहां पर देखिए रो मटेरियल विस्कस रेयन के लिए अगर रो मटेरियल की बात करें तो क्या हो जाएगा सेल्यूलोज इसलिए हम इसको सेल्यूलॉजिक फाइबर बेसिकली बोलते हैं यहां पर रो मटेरियल जो है रो मटेरियल वो होता है रो मटेरियल जो है वो होता है सेल्युलज है ना सेल्यूलोज विस्कस, एसिटेट, सोल्ट, यार किस चीज का क्वेश्चन बोल रहे अक्सर मिस्त्री तुम्हारा वेरी अच्छा है तुम्हारा केमिकल टेक्नोलॉजी लग रहा है मुझे रो मटेरियल हो गया सेलूलोज हो गया और तुम यही बता रहे हो ना विस्कस एसिटेट एंड कॉपर सोल्ट तो वो मैं बात कर रहा हूँ सेकंड जो है कॉपर बेस्ड होता है लेकिन ओनली कॉपर बेस्ड सोल्ट नहीं होता है थर्ड जो कैटेगरी है देखिए विस्कस रेहोन एसिटेड रेहोन और ऊपर अमोनियम जो रेन हम लिख रहे हैं वो सिर्फ अमोनिया बे, अमोनिया बेस तुमने कॉपर सोल्ट लिखा है यहां पर ये यह अमोनिया बेस भी होता है रेओन तो सिंपल में पहले बात कर रहा था विस्कस रेन की तो यहां पर रो मटेरियल क्या हो जाता है सेलुलोज सेलुलोज के अलावा एक टाइम मैं लिख रहा हूं सी एस टू सी एस टू बेसिकली क्या देखिए मैं यहां पर बात कर रहा हूं अभी विस्कस रेन की विस्कस रेन में रो मटेरियल मेरा हो गया सेलुलोज उसके अलावा सी एस टू ओके उसके अलावा सी एस टू जो है ये हो जाता है कार्बन कार्बन डाइसल्फाइड कार्बन डाइसल्फाइड ये सी एस टू हो गया

क्यू, आ, क्यूप्रो अमोनियम रेन जो मैं बोल रहा हूं देखिए ये आपका सेलुलोज है है ना ये सेलुलोज है इसमें किसी ने कमेंट किया कॉपर सॉल्ट या इसमें आपका हो जाता है देखिए सिंपल हम लोग सेलुलोज कैटेगरी डिफाइन कर रहे हैं लाइक सेलुलोज इसमें हम लोग कॉपर सोल्ट बेस या फिर अमोनिया कॉपर कॉपर सोल्ट एंड अमोनिया बेस्ट जो हमारा फाइबर होता है बेसिकली वो होता है लाइक इसने जैसे क्यूप्रो अमो, अमोनिया लिखा ना क्यूप्रो अमोनियम तो मैं सिंपल अमोनिया बेस लिख रहा हूँ ना तो ये आपका आ जाता है किस क्य� कैटेगरी में फाइबर की कैटेगरी में और सेलुलोज टाइप का फाइबर ये होता है तो नेक्स्ट जो है कैटेगरी मतलब जो हम लोग सॉरी 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 यस नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम लोगों ने हम लोगों ने क्लासिफाइड किया मतलब कि पॉलीमर्स को बेस्ड ऑन द मोलिकुलर फोर्स तो फर्स्ट हमारा था इलास्टोमर सेकंड हमारा है फाइबर एंड थर्ड एंड फोर्थ जो रहा है वो है थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग तो अभी हम लोग थर्मोप्लास्टिक की बात करते हैं यस yes. थर्मोप्लास्टिक की बात करते हैं नेक्स्ट so कैटेगरी है थर्ड कैटेगरी थर्मोप्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर देखिए थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर जो है आप इसको पॉलीथाइलीन लिख सकते हो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में क्या आता है पॉलीथाइलीन आता है सर इतना सर इतना कब याद रहेगा अरे इतना सिस्टमेटिक वे से इतना लेके आया हूं मैं आपको क्यों नहीं याद रहेगा यार मैं तो कंप्लीट ड्राइड एंड बुक उठा के तो आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि फिलोसिट याद करो कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको याद करने के लिए जस्ट आप एक बार लेक्चर अवेलेबल है आप इसको रिवाइज कर लेना अगर आपको लगता है कि okay, कुछ चीजें मिस हो रही है बिकॉज अच्छा खासा वेटेज रहता है सिक्स टू एट मार्क्स इसको आप मतलब कि छोड़ के मत जाइए बस तो मैं यही सजेस्ट करूंगा बिकॉज मैं मतलब फ्री के मार्क्स रहते हैं एक तरीके से बिल्कुल बोनस मार्क्स में बोल सकता हूँ केमिकल टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं बिकॉज यहाँ पर हमारा क्या है टाइम सेव होता है टाइम सेव होता है वो मेन चीज़ है तो थर्मोप्लास्टिक की हम बात करें देखिए इसमें आपका ब्रांच कैसी होती है देखिए पोलीथैलिनियन एंड पोली यस एंड पॉलीमर जो है पोलीप्रोपिन जो है वो यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में आता है तो सिंपली अगर हम लोग बात करें तो लीनियर मतलब इसमें मतलब ब्रांच कैसी होती है लीनियर स्ला, स्ला, स्लाइटली ब्रांच ब्रांच पॉलीमर होते हैं हमारे है ना और अगर हम लोग बात करें स्लाइट ब्रांच और उसके अलावा लॉन्ग चेन पोलीमर लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स तो सिंपल देखिए इसका एग्जाम्पल तो बता ही रहा है यहाँ पर पोलीथाइलिन एंड पोलीप्रोफिन तो हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं पोलीइथाइलिन है पोली ना पोलीथिन पोलीथाइलिन जो देख रहे हैं देखिए इसमें हमारा कैटेगरी है देखिए मतलब इसको हम लोग पोलीथाइलिन को डिवाइड करते हैं फर्स्ट कैटेगरी देखिए लो डेंसिटी लो डेंसिटी पोलीथाइलिन पोलीथिन पोली है पोली पोली, ना लो डेंसिटी लो डेंसिटी पोलीथीन की हम बात कर रहे हैं लो डेंसिटी पोलीथीन तो ये हो जाएगा आपका पोलीथैलिन ये हो जाएगा एल लो डेंसिटी एल डी पी ई लो डेंसिटी पोली हम इसको बोलते हैं सिंपली तो अगर यहां पर देखिए लो डेंसिटी पोलीथिलीन कौन से होंगे पॉलीमर मतलब कौन से पॉलीमर होंगे आपके थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है यहां पर मतलब अगर हम लोग प्रेशर की बात करें तो उस थाउजेंड से टू थाउजेंड एटमोसफेयर के बीच प्रेशर रहता है उसके अलावा टेम्परेचर जो है वो थ्री से फाइव सेवेंटी होता है मतलब मेरा मेन पर्पज यहाँ पर प्रेशर बताना मतलब हाई प्रेशर पर रहता है तो देखिए सिंपल लो डेंसिटी पॉलीथाइलीन बनाने के लिए अगर हम लोग बात करें कैटलिस्ट की के. तो कैटलिस्ट क्या यूज होता है पर दाई उक्षीजन. दाई उक्षीजन मतलब हो यहां पर डाई ऑक्सीजन डाई ऑक्सीजन मतलब ओटू हो गया डाई ऑक्सीजन देन इसके अलावा यहां पर यूज किया जाता है इनिबेटर यूज किया जाता है परोक्साइड हाइड्रोजन परोक्साइड जो है वो इनिबेटर यूज किया जाता है एस है ना इसका जो वो तो फ्री, फ्री फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रहता है तो यहां पर आपको याद रखना देखिए कि अब लोग बात करेंगे पहले हम लोग लो डेंसिटी पोलीथैलिन की बात करेंगे एल डी पी उसके बाद हम बात करेंगे लीनियर लो डेंसिटी पोलीथैलीन एल एल डी पी देन इसके बाद हम बात करेंगे परोक्साइड या एग्जैक्टली एस टू परोक्साइड देन उसके बाद हम बात करेंगे एच डी पी ई हाई डेंसिटी पोलीथैलिन तो यहां पर देखिए आपको ये मतलब कि एक तो प्रेशर रिक्वायर्ड का ऑर्डर पता होना चाहिए लो डेंसिटी सबसे लो डेंसिटी जो पॉलीथाइलीन है उसमें हाई प्रेशर रहता है उसके बाद हम लीनियर लो डेंसिटी पॉलीथाइलीन की बात करेंगे तो वहां थोड़ा लो प्रेशर होगा उसके बाद हाई डेंसिटी पॉलीथाइलीन की बात करें तो वहां पर और भी लो प्रेशर होगा और ब्रांचिंग का ऑर्डर अगर हम देखें

नहीं वो नहीं पूछा जाएगा लेकिन ब्रांचिंग पूछा जा सकता है है ना कंपेरिजन जब देख, हम देखते हैं तो वो ब्रांचिंग का एक थोड़ा रिलेशन आपको पता होना चाहिए प्रेशर के टाइम आपको कोई नहीं पूछेगा अक्षय मिस्त्री तो यहां पर सिंपल हम बोल सकते हैं ये टाइम ऐसे पूछा जाता है लाइक देखिए ओके इसका ये तो देखिए मोनोमर तो आप इजिली बता दोगे मोनोमर क्या होगा इथैलिन मोनोमर यहां पर क्या होगा पोलीथैलिन के लिए मोनोमर जो होगा वो होगा इथलिन ये तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है तो यहां पर आप लिखिए देखिए लो डेंसिटी पोलीथैलिन में ये लिखिए हाई ब्रांचिंग यहां पर हाई ब्रांचिंग होता है हाई ब्रांचिंग विद शॉर्ट एंड विद शॉर्ट एंड लॉन्ग लॉन्ग चेन ब्रांच हाई ब्रांचिंग विद शॉर्ट एंड लॉन्ग डायरेक्ट एंड एक सर एक डायरेक्ट एंड डिफरेंस बना देना यस yes, एग्जैक्टली exactly, डायरेक्शन डिफरेंस बना दूंगा एंड लॉन्ग चेन ब्रांचेस पहले देख लेते हैं जस्ट थोड़ा थोड़ा और व्यू उसके बाद में लास्ट में देख लेंगे तो थर्ड सेकेंड जो है वो है एल एल डी पी ई एल एल डी पी ई लीनियर लो डेंसिटी लीनियर लो डेंसिटी पोलिथैलिन लीनियर लो डेंसिटी है ना लीनियर लो डेंसिटी पोलीथाइलिन हो गया तो इसमें बेसिकली क्या है मतलब कंपेयर टू लो प्रेशर होता है कंपेयर टू लो प्रेशर कंपेयर प्रेशल डी पी ई है ना तो यहां पर बेसिकली मैं डायरेक्टली मतलब ब्रांचिंग की बात करूंगा तो यहां पर देखिए ब्रांचिंग जो है नंबर ऑफ uh, जो ब्रांचिंग है देखिए शॉर्ट ब्रांचेस होता है यहां पर नंबर ऑफ uh, मतलब कि लीनियर पॉलीमर होता है नंबर ऑफ नंबर ऑफ शॉर्ट ब्रांचेस एंड रेगुलर ब्रांचेस तो यहां पर जो ब्रांचेस का कंपेयर करें हम तो सिंपली आपका आ, लो डेंसिटी पोलिथाल से ब्रांचेस कम होता है यहां पर ओके अब यहां पर एक बात करते हैं ना केटलिस इसके बाद हाई डेंसिटी पोलिथालिन पढ़ते हैं तो वहां पर हम केटलिस यूज करते हैं जिगलर नट्टा केटलिस वो सबको पता होगा गेट में बहुत बार पूछा गया है तो थर्ड जो है देखिए वेरी गुड संतोष लीनियर देन लो लिनियर देन हाई लीनियर

से ही मतलब कंपेयर करके हम लोग ब्रांचिंग को देख सकते हैं बिकॉज जो प्रेशर वाला जो है वही ब्रांचिंग का ऑर्डर होगा तो थर्ड वन जो है वो हाई डेंसिटी हाई डेंसिटी पॉलीथाइलीन, हाई डेंसिटी ओके, तो हाई डेंसिटी पॉलीथाइलीन में क्या होता Simple, जो ethylene है सिंपलिन है इथैली वहां पर केटलीस यूज किया जाता है है ना उसके बाद केटलीस यूज किया जाता है देखिए कोटलीस की मैं बात कर रहा हूं हाइड्रो हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट मतलब कि टी आई सी एल फोर जिसे हम बोलते हैं ट्राई इथालीन एल्यूमिनियम ट्राई ट्राई इथालीन एलुमिनियम ओके इसमें जो केटलिस यूज करते हैं हम वो रहता है मैं केटलिस यहाँ पर बता देता हूँ अभी देखिए अजिगलर नटा किटलीस जैसे हम बोलते हैं ना सो टी आई सी एल फोर उसके बाद फाइनली मैं लिख रहा हूं कि एच डी पी हाई डेंसिटी पोलीथालीन बन जाता है तो यहाँ पर हम लोग ब्रांचिंग की बात करें तो फ्यू ब्रांचेस होती है यहाँ पर जो ब्रांचेस है वो फ्यू ब्रांचेस होती है और प्रेशर जो है बहुत लो रहता है प्रेशर की अगर हम बात करें तो सिक्स टू सेवन एटमोसफेयर बहुत लो प्रेशर यहां पर रहता है बहुत लो प्रेशर रहता है बेसिकली एडिशनल पोलिमराइज बेस है तो सिंपल आपको याद रखना इस केस में आपको याद रखना है, तो हम लिख देता है देखिए ट्राईमिनियम ट्राईमिनियम या एग्जैक्टली जिगलन डाटा टी आई सी एल फोर प्लस एल सी एस थ्री ए एल सी एल ए एल सी एल थ्री बोल रहे हो ना िन अलुमिनियम ट्राईलिन अलूमिनियम होगा ए एल सी एस थ्री वाइज थ्री है ना तो यहां पर हम लिख रहे हैं देखिए ट्राईलिनियम जिसे हम लिख रहे हैं एल्यूमिनियम एल सी एस थ्री वाइज थ्री एंड इसके बाद में हम लिख रहे हैं टाइटेनियम टाइटेनियम टेट्रा टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड यह हो जाएगा टी आई सी एल फोर क्लियर है तो सिंपल इसे हम बोलते हैं जिगलर नटा कैटलिस्ट क्या बोलते हैं इसे हम लोग जिगलर नटा कैटलिस्ट जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हो हाँ जिगलर नटा यस सर गुड जिगलर नट्टा किटली से बोलते हैं इंपॉर्टेंट है, है इस गेट में पूछा गया जो चीज गेट में पूछी जाती है वो तो इंपॉर्टेंट वैसे भी हो जाती है ना जो चीज गेट में पूछी गई है वो चीज वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए तो ऑलरेडी ऑर्डर आपने देख लिया प्रेशर का ऑर्डर हमने देखा प्रेशर का ऑर्डर देखा एल डी पी ई इज ग्रेटर देन एल एल डी पी ई इज ग्रेटर देन एच डी पी ई देन उसके बाद में अगर ब्रांचिंग का ऑर्डर देखे तो ब्रांचिंग का जो ऑर्डर है एल डी पी ई एल डी पी ई देन इसके बाद में लीनियर लो डेंसिटी पोलीथाइलिन इसके बाद में हमने देखा कि हाई डेंसिटी पोलीथाइलिन में ब्रांचिंग जो है सबसे कम रहता है तो हम यहां पर देख रहे हैं बेसिकली हम लोग थर्मो थर्मो बेसिकली थर्मोप्लास्टिक देख रहे हैं ना तो थर्मोप्लास्टिक का सेकंड कैटेगरी देखिए थर्मोप्लास्टिक हम डिस्कस कर रहे हैं तो थर्मोप्लास्टिक में नेक्स्ट आता है पोली प्रोपाइलिन ोपाइलिन ना पोलिप्रोपाइलिन में देखिए मोनो आपको कुछ नहीं करना मोनोमर याद होना चाहिए तो मोनोमर तो देखिए इसके लिए पोलिप्रोपाइलिन के लिए मोनोमर क्या हो जाता है आइसो आइसो है ना मोनो मोनो मोनोप्रोपाइलिन के लिए आइसो आइसोप्रोप्लिन बेसिकली आपका होता है uh, क्या बोलते हैं मोनोमर होता है फ्री रेडिकल प्रोसेस होता है देन उसके बाद में नेक्स्ट देखिए थर्ड थर्मोप्लास्टिक अगर हम बात करें तो पोलिस्टाइर पोलिस्टाइर जो है तो ये सब मैं आपको याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है देखिए पोली पोली प्र, पोली प्रोफाइलिन है तो यही आपका मोनोमर हो जाएगा पोलिस्टायरिन है तो यही आपका मोनोमर हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो सी एस टू सी एच सी एस थ्री ये मोनोमर हो गया यहाँ पर पोली मतलब प्र, आइसो प्रोफाइलिन देन इसके बाद में पोली पोलिस्टायरिन पोलिस्टायरिन के लिए हो गया सी सिक्स 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 एच फाइव इसमें सी एच सी एस टू एड हो जाता है फॉर सीमेंट बैग क्या डिलीट किया देखा नहीं मैंने एक्चुअली देन उसके बाद में फोर्थ कैटेगरी जो है वो है पॉलीविनाइल पॉलीविनाइल क्लोराइड यूज सर ओके ओके ठीक है फॉर सीमेंट बैग्स हाई डेंसिटी पोलिथालिन की आई थिंक बात कर करो तो पोलीथाल पोलीविनाइल क्लोराइड की मैं बात कर रहा हूं पोली क्लोराइड तो पोलीविनाइल क्लोराइड क्या हो जाता है पीवीसी है ना पीवीसी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं तो पीवीसी के लिए देखिए मोनोमर क्या हो जाएगा विनाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड यहां पर इसका हो गया मोनोमर उसके बाद में देखिए Uh, यहां पर फाइनली बनता है पोलीविनाइल तो यहां पर भी आपको सबको कैटलिस्ट पता होगा जल्दी से कैटलिस्ट बता दो पीवीसी बनाने के लिए विनाइल क्लोराइड मोनोमर मैंने बता दिया विनाइल क्लोराइड पोलिनाइल क्लोराइड के लिए विनाइल बेसिकली विनाइल क्लोराइड आपका मोनोमर हो जाता है तो पोलीप्रोपालिन यूज फॉर सीमेंट बेग्स पोली यूज फॉर सीमेंट बेग्स ओके पोलिक के लिए बात कर रहे थे तो गुड अगर आपको अच्छे से इतने पता है डिटेल में देन वेरी गुड है ना विनाइल क्लोराइड की मैं बात कर रहा था तो विनाइल क्लोराइड हो गया सी एच टू सी एच सी एल ये विनाइल क्लोराइड है ये इससे हम लोग बना रहे हैं पोली क्लोराइड सी एच टू सी एच सी एल तो जल्दी से मुझे ब्यूटाइल लिथियम वेरी गुड ब्यूटाइल लिथियम बेसिकली इसका है ब्यूटाइल लिथियम यहाँ पर कैटलिस्ट है किसके लिए विनाइल क्लोराइड के लिए यह भी इंपॉर्टेंट है इस गेट में पूछा गया है है ना बिस्में जिसे बोल रहे हैं आप विनाइल क्लोराइड

कि नाइलॉन सिक्स नाइलॉन सिक्स उसके बाद आपका टेरिलीन उसके बाद नाइलॉन सिक्स था नाइलॉन सिक्स सिक्स और टेरिली तीन थे ये पॉलीमर उसके अलावा चौथा जो पॉलीमर बेसिकली जो कि पॉलीकार्बोनेट कार्बोनेट जो कि पॉलीकार्बोनेट था जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है इन चार इन चार पॉलीमर्स के अलावा बाकी सब किस में आता है एडिशन पॉलीमर में सोचना ही नहीं है है ना सिंपल फंडा याद रखना है कि ये सिर्फ पॉलीमर है जो बेस्ड ऑन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है बाकी सारे एडिशन में आ जाते हैं सॉरी फॉर टाइपिंग मिस्टेक फाइन सो पोली पोलिक्बोनेट की मैं यहां पे बात कर रहा था देखिए पोली कार्बोनेट किससे बनता है कंडेंसेशन पोलिमाइजेशन का एक्साम्पल है सोडियम ओके यहां पर मैं लिख देता हूं ब्रेकिंग में ताकि याद रहे आपको कंडेंसेशन तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की हम बात कर रहे हैं इसमें क्या होता है जो मोनोमर है मैं मोनोमर लिख रहा हूं मेन ये बेसिकली बनता है फिनोल और सीओसीएल से अब सीओ सी एल टू ये भी आपको क्लियर हो जाएगा सीओसीएल क्या होता है फोसजिन गैस बोलते हैं इसे हम फोसजिन तो यहां पर देखिए अगर मैं फाइनल बनाऊ यहाँ पर विस, विस का अगर फॉर्मूला बताऊँ तो कैसा होता है कुछ यहाँ पर बेंजीन रिंग है बेंजीन रिंग के बाद देखिए सी सी एस थ्री सी एस थ्री बिस फिनोल एन फोर्सिन वेरी गुड माधुरी सी ओके ओ एच उसके बाद में सी ओ सी एल टू है ना ये हो गया विस्फिनोल और ये हो गया सी ओ सी एल टू सर पोलिविनाइल क्लोराइड आल्सो एडिशनल पोलिमाइड अरे ऑब्वियसली अरे सोचना ही नहीं है ना मैंने बोल दिया आपको कि कंडेंसेशन के सिर्फ चार ही एग्जाम्पल है एंड बोलते हैं देन उसके अलावा फोर्थ वन इज द कंडेंसेशन पोलिकार्बोनेट उन चार के अलावा जितने भी रिमोनिंग है रिमेनिंग है जितने भी रिमेनिंग है वो किस कैटेगरी में आएंगे एडिशनल पोलिमराइजेशन में इतना दिमाग ही नहीं लगाना है ना सिर्फ चार याद रखिए बाकी सब एडिशनल पोलिमराइजेशन में आ जाएंगे टॉक्सिक फोर्ड यस Fine, यहां तक फुली सबका चीजें क्लियर हो तो लास्ट कैटेगरी यहां पर है लास्ट कैटेगरी बेस्ट ऑन द मोलिकुलर हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं वो है थर्मोसेटिंग अभी हम डिस्कस कर रहे थे, थर्मो प्लास्टिक नाउ अब हम आगे थर्मोसेटिंग पे थर्मोसेटिंग पॉलीमर तो थर्मोसेटिंग जो पॉलीमर है देखिए थर्मोसेटिंग पॉलीमर में क्या होता है क्रोस लिंक क्रोस लिंक्स होते हैं क्रोस लिंक्स होते हैं लिंक है, मतलब Heavily branched molecules बोल सकते हैं थर्मोसेटिंग कोवीली ब्रांच हेविली ब्रांच मोलिक्यूल है ना मतलब होता क्या है? अगर एक्स्टेंग, एक्स्टेंग, मतलब कि एक्सटेंसिवली अगर आप हीट प्रोवाइड करोगे एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करोगे तो जो क्रॉसलिंक बेसिकली होता है वो आपका डेमेज मतलब एक बार अगर ये मतलब आपका डेमेज लाइक जो इसमें क्रॉसलिंक होता है ना बहुत हाई टेम्परेचर पर क्या होता है वो मतलब कि ऐसी कंडीशन में चला जाएगा कि उसको आप वापिस से रिकवर नहीं कर सकते हो है ना अनफ्यूजेबल हो जाएगा मतलब किसी यूज़ का नहीं रहेगा बेसिकली विच विच कैन नॉट चेंज देयर सेप या एग्जैक्टली विच कैन बिकॉज बहुत हार्ड होते हैं ना थर्मोसेटिक्स जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं और फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात करेंगे यहाँ पर फिनोल फॉरमेल रेजियन बेकेलाइट ये सब हम बात करेंगे यहाँ पर तो पहला जो टाइप है देखिए थर्मोसेटिंग में पहला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फिनोल फॉर्मेल फिनोल है ना मतलब इनको आप रीयूज नहीं कर सकते हो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि एक बार जिस यूज के लिए इसको आपने बनाया उसको आप रीयूज नहीं कर सकते हो तो पहला यहां पर हम बात करें फिनोल फॉर्मेलडी एट लाइक सिंपल जैसे क्रूड ऑयल का वो हो जाता है ना थर्मल क्रैकिंग हो जाता है उस तरीके से समझ सकते हो तो फिनोल फॉर्मेलडी फिनोल फॉर्मेलिडी जो है

पूरा फॉर्म में हो तुम लोग तो पॉलीमर के सेक्शन में तो यूज टू मेक ब्लड बोल्स ओके बिलियर्ड्स बोल ना ठीक है वेरी गुड अच्छा लग रहा है तुम्हारा फेवरेट गेम है मतलब मेन चीज है टफ टफ चीज बनाने के लिए ना उसका टफनेस इतना अच्छा है ना तो सिंपल देखिए यहां पर फिनोल हो गया और ये फोर हो गया एच बेसिकली इसका मोनोमर हो गया इससे बनता है अब यहां पर इसकी कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ एक होता है आपका तो मतलब एसिड कैटलिस्ट होता है उसके अलावा जो रिसोल फिनोल फॉर्मुलेट होता है वो आपका बेस कैटलिस्ट होता है मतलब तो मतलब आप यूज देख सकते हो यहाँ पर सिंपल मैं अगर बताऊं देखो नेरोलिक यहां पर फिनोल फॉर्मलेट रेजिस्ट जो है इसमें फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ नेरोलिक जो है ये आपका एसिड कैटलिस्ट है ये इसका यूज होता है बेसिकली पेंट्स के लिए है ना और उसके अलावा सेकंड जो है रिसोल फिनोल फोल मेडियट इसका यूज होता है कॉम्स बनाने के लिए है ना एक, एक यूज मैंने बता दिया ना पर्टिकुलरली फिनोल फोल्ड मेडियट का आपको यूज बता दिया है तो सिंपली ये क्या होता है जो ये जो ये नेरोलेक वाला होता है ना फिनोल यही बेसिकली आपका बेकेलाइट कैटेगरी किसमें आता है, किस है? बेकेलाइट कैटेगरी में आता है जब मतलब इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो फिनोल फिनोल यहाँ पर ये जो फिनोल मेलडियट जो बेसिकली ना ये इसका जो क्रो, क्रोस लिंक क्रोसिंक बेसिकली ऐसा फॉर्म एक इन्फ्यूजेबल सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम लोग बेकेलाइट बोलते हैं यूज टू मेक ओके ये सब तो मैंने पढ़ लिया कमेंट कोई नया कमेंट नहीं है So, यहां पर उसके बाद देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं यूरिया फोर आपने बताया यहां पर ओ, किसने बताया था कहाँ गया बहुत सारे मैसेज आ गए क्या हाँ फिनोल फोर मेलामाइन फोर एंड इपोक्सी रेजिन तो सेकंड हम डिस्कस करते हैं यूरिया फोरमेलडी तो यूरिया फॉरमेलडी में बेसिकली क्या होता है जो फिनोल की तरह यहाँ पर हम लोग मतलब कि मोनोमर क्या यूज करते हैं है, तो यूरिया, यूरिया, मतलब यूरिया, कर यूरिया और सेकंड वन यहाँ पर यूज करते हैं तो ये ये आपका आपका यूरिया 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 मतलब कि हो जाएगा सिंपल इसमें मोनोमर याद कर लीजिए यूरिया और फॉरमेलडी उसके बाद में थर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं मेला तो मेला माइन ओके फोर एल तो फोरम एल में आपको मोनोमर सबको पता होगा मोनोमर बता सकते हो इसके लिए मेलामाइन माइन के लिए है ना नेम में ही गिवन है बेसिकली इसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो मेलामाइन ही होता है बेसिकली है ना और ये कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है यूरिया से है ना ये मेलामाइन कहाँ से बनाया जाता है यूरिया से बनाया जाता है मतलब यूरिया को जब हम हीट करते हैं एट थ्री सिक्सटी टू सेवन हंड्रेड डिग्री टेम्परेचर है ना जब वहाँ पर हीट प्रोवाइड करते हैं इतना इतना टेम्परेचर पे तो उस उस पर बेसिकली जो यूरिया है वो मेलामाइन में कन्वर्ट हो जाता है ओके हंड्रेड लाइक्स कंप्लीट हो गए आज के वीडियो पे गाइज लाइक्स और बनते हैं जो भी नए स्टूडेंट आए हैं वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले मेलामाइन यूरिया एडवांस फॉर्म ऑफ द यूरिया या yeah एग्जैक्टली exactly, मैंने बोला ना यूरिया से ही बनाते हैं इसको उसके अलावा यूरिया फॉर मेलिया वेरी गुड हो गया सब सब ठीक चल रहा है अभी तक है ना तो मेलामाइन टू एंड एसिड यूज ऑफ द क्वार्स यस यस एग्जैक्टली तो सिंपली हम लोग मेलामाइन कैसे बनाते हैं मतलब यूरिया यूरिया को लाइक क्वार्स में कन्वर्ट करके देन उसके बाद में यहाँ पर हम लोग आइसो आइसोसाइक्लिक आइसो आइसोसाइनिक आइसोसाइनिक नॉट आइसोसाइक्लिक बेसिकली एसिड हम यूज करते हैं लाइक सिंपली एच HN एन सी ओ यस यस वही लिख रहा हूं मैं ना आइसोसाइनिक एसिड जो है वो यूज करके यहां पर हम डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड प्लस अमोनिया मतलब इसका मिक्सर होता है ये तो यहां से बेसिकली अलूमिना केटलिस यहां पर फाइनली ये याद करो मेला माइंड फोर मेलडियट बनाने के लिए के के हम केटलिस का यूज करते हैं कैटलिस्ट हम यूज करते हैं इसके लिए कैटलिस्ट हम यूज करते हैं क्या अलूमिना तो ये ये कैटलिस्ट मेलामाइन डेट के लिए नहीं है ये मेलामाइन पर्टिकुलरली मेलामाइन जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं यूरिया से उसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ तो फाइनली इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है मैं स्ट्रक्चर बना दूं ओके वेरी गुड एंड मतलब सिंपल इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का होता है मतलब स्ट्रक्चर से कभी कभी कुछ चीजें क्लियर हो जाती है अक्षय मिस्त्री अक्षय मिस्त्री ने क्या दिया है ये मतलब यूट्यूब का आइकन दिया है रीजन और गलती से आई थिंक सेंड हो गया है है ना सिंपली यहाँ पर ये जो मैंने बताया लास्ट में मतलब आइसोसाइनिक एसिड जो है उसमें अमोनिया से रिएक्ट करके फाइनली हमको मिल जाता है ये मेलामाइन है ना इससे हम मेलामाइन बेसिकली बोलते हैं अलुमिना वेरी गुड अर्पित अलुमिना अर्पित सूरी आई थिंक अर्पित अर्मित अर्मित केमिकल अकेडमी के नोट्स यूज कर रहे हो तुम अर्पित सैनिमिक एसिड से जब बनता है तब यूज करते हैं अलुमिना हाँ तो मैंने बताया है ना मैंने तो लास्ट में लिखा है देखिए इससे बना रहे हैं तभी एलुमिना यूज़ कर रहे हैं हम लोग ये चीज़ मैं मेंशन कर रहा हूं ओके देन ये क्लियर हो गया यहां पर देन फोर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इपोक्सी इपोक्सी रेजिन है ना इपोक्सी रेजिन अगर पता हो तो गेट में आया हुआ इपोक्सी रेजिन इपोक्सी रेजिन भी गेट में पूछा गया है इपोक्सी रेजिन जो है देखिए इसका मोनोमर याद रखना आपको इसका मोनोमर क्या होता है जल्दी से इपोक्सी रेजिन का मोनोमर बताइए इपोक्सी रेजिन का मोनोमर ईपोक्सी रेजिन का मोनोमर देखिए और यूज में बता देता हूँ आपको ये यूज़ होता है कोटिंग के लिए है ना आपको लाइक कोई सरफेस जो है इंटरनल सरफेस टैंक की स्टोरेज टैंक की इंटरनल सरफेस या कुछ भी आपको कोटिंग करना हो देन उस केस में हम यूज करते हैं इपोक्सी रेजिन एक तरीके से एक तरीके का पेंट बोल सकते हो इसको आप ना इपोक्सी रेजिन सर आपके पुराने लेक्चर का ज्ञान न सरफे सूरी नहीं मुझे लगा आई थिंक तुम नोट्स यूज करते हो ओके फाइन फाइन वेरी गुड एपॉक्सी रेजिन है ना एपॉक्सी रेजिन यहाँ पर इसका जो मोनोमर है किसी ने मोनोमर नहीं बताया बिस्फिनोल एंड एपिक्लोरोहाइड्रिन जो है बेसिकली इसका यहां पर हो गया मोनोमर तो ओके वेरी गुड आपको पता है अच्छी बात है सब चीज आपको पता है अच्छा लग रहा है देख के क्लोरोप्रीन क्लोरोप्रीन हाइड्रोक्लोरो क्लोराइड ड्रीन प्लस बीस ये दोनों हो गया इसका इप, आ, मतलब इपॉक्सी रेजिन का आ, मोनोमर उसके अलावा कोटिंग ये इंपॉर्टेंट इसका क्या है यूज है देन इसके बाद कैसे देखिए अनसेचुरेटेड पोलिएस्टर रेजिन भी होते हैं और पोली अगर आप कहीं देखोगे तो आ, रोशन रोशन कुमार माधुरी मादूर, माधुरी हाई ये भाई ये बार बार माधुरी को क्यों हाई बोल रहे हो भाई तुम पर्सनल चैट कर लो जाके उस है या हाई आई नो कंफ्यूजन है ना क्या बोल रहे हो आप उसके अलावा एक चीज था पोलि पोलियोथिन ना पोलियोन में बेसिकली क्या होता है फाइबर अगेन पोलियोरो मतलब पोलीमर ही है वो भी मतलब आ, पोलीमर बनाने के लिए यूज होता है नो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सिंपल है ना थर्मोसेटिंग पोलीमर सारी क्लियर अभी तक बेकेलाइट वाला मैंने यहां पर बता दिया थर्मोसेटिंग जो है फिनोल जो है है ना वही आपका बेकेलाइट बेकेलाइट बनाने के काम आता है और उसका यूज मैंने बता दिया अनफ्यूजेबल जो हो जाता है हाई टेम्परेचर तो फाइनली थर्मोसेटिंग में हमने पढ़ लिया फिनोल फॉर्मेल रेजिन उसके बाद में यूरिया फॉर्मेलिट रेजिन उसके बाद में मेला फॉर्मेलिट रेजिन एंड फाइनली हमने पढ़ा इसमें इपोक्सी रेजिन अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वापस पोलिमराइजेशन डिस्कस कर रहे हैं बट हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पर टाइप्स ऑफ एडिशनल पोलिमराइजेशन है ना टाइप्स ऑफ एडिशनल पोलिमराइजेशन टाइप्स ऑफ एडिशनल पोलिमराइजेशन लास्ट टॉपिक है ये पॉलीमराइजेशन का मेरे को जहां तक याद है लास्ट टॉपिक है अह uh, पॉलीमराइजेशन का 10 20 तो टाइप्स ऑफ एडिशनल पॉलीमराइजेशन में देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं मतलब कंटिन्यू विद द सेम स्पीड ये एग्जैक्टली होमोजेनियस एक है होमोजीनियस ना अगर एक हो होमोजेनियस एक हो गया हेटेरोजेनियस फेसेस की बात कर रहा हूं होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस तो होमोजेनियस में आता देखिए बल्क एडिशनल अभी हम पढ़ेंगे बल्क बल्क पोलिमराइजेशन और सेकेंड सोल्यूशन पोलिमराइजेशन आता है होमोजीनियस में उसके बाद में हिट्रोजीनियस में आता है सस्पेंशन पोलिमराइजेशन एंड इमलिराइजेशन जो है वो, है वो आता है वो आता है यहां पर हिट्रोजीनियस में तो पहले हम देखते हैं बल्क बल्क पोलिमराइजेशन बल्क पोलियमराइजेशन की यहां पर बात कर रहे हैं देखिए बल्क पोलिमराइजेशन जो है हम लोग मोनोमर कैसा यूज करते हैं प्योर हम लोग प्योर लिक्विड मोनोमर यूज करते हैं प्योर लिक्विड मोनोमर बेसिकली हम लोग यूज करते हैं बल्क पोलिमराइजेशन के लिए प्योर लिक्विड मोनोमर हम यूज करते हैं है ना उसके अलावा देखिए मतलब बल्क पोलिमराइजेशन के इसमें इनिबेटर इनिबेटर भी यूज किया जाता है भी बेसिकली यूज किया जाता है उसके अलावा यहां पर ये यह याद रखना आपको मतलब कि इसमें आपको रिजल्ट मतलब आउट मतलब कि प्योर लिक्विड मोनोमर आप जब यूज कर दे हो, तो आपको जो फाइनल मतलब कि जो पॉलीमर मिलता है वो प्योर मिलता है है ना वो प्योर मिलता है फाइनल जो पॉलीमर है मतलब जो आपका डिजाइड पॉलीमर है है ना वो आपको प्योर मिलता है प्योरेस्ट फॉर्म येस वेरी गुड अर्पित पे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द पोलिमराइजेशन होता है सिंपली हम बोल सकते हैं मतलब हाई विस्कोसिटी रहेगा उसका प्योर प्योर फॉर्म ऑफ पोलिमराइजेशन देन बल्क पोलिमराइजेशन मीन दैट हीट रिमूव रिमूवल इज नॉट देयर देन टेम्परेचर कंट्रोल इज डिफिकल्ट अर्पित संतोष वेरी गुड गाइज सब चीज़ आपको पता है कंटिन्यू विद ठीक है यह हो गया तो यहां पर देखिए ओके आई थिंक किसी ने लिखा है बल्क बल्क पोलमराइजेशन में टेम्परेचर हीट हाँ हीट रिमूवल इज नहीं रहता है तो सिंपल मैं यहां पर लिख देता हूं कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर इज डिफिकल्ट कंट्रोल टेम्परेचर ऑफ डिफिकल्ट बिकॉज कंट्रोल टेम्परेचर इज डिफिकल्ट मतलब हम लोग टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं सर वाह तीन में तीन ओस क्या है ये क्या है यस प्लीज डेकोरम मेंटेन करके रखिए यार अदरवाइज यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाएगा आपको अदरवाइज आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा जो भी है ये आतिफा खान

देन इसके बाद में पॉलीप्रोपाइलीन पॉलीप्रोपाइलीन हो गया है ना उसके बाद में आप ये एक और लिख देता हूं देखिए पीई टी -E ये बेसिकली किसको नोट कर रहा है पोली इथाइलिन पोली इथाइलिन पोली इथाइलिन पीटी हो गया ना पीटी का टाइप भी आपको क्यों उसके अलावा नाइलोन भी इस कैटेगरी में आता है अब ऐसा नहीं है कि मैं जो पोलिथाइलिन पोलिस्टर पोलीप्रोफाइल ये सब बता रहा हूं कि ये मतलब दूसरी मेथड में दूसरी मेथड से नहीं बना सकते ऐसा बिल्कुल नहीं है हम ये सस्पेंशन पोलिमराइजेशन में भी, बना, से भी बनाते हैं है ना लेकिन इन जनरल मतलब पोलिमराइजेशन में यही एग्जाम्पल हो गए नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं सोल्यून पोलिमराइजेशन या पोलियस्टर ना सोल्यूशन पोलिमराइजेशन पोलिमराइजेशन की बात कर रहा हूं यहां पर देखिए सोल्यूशन पोलिमराइजेशन इसमें क्या यूज होता है बताइए यहां पर सोल्यूशन पोलिमराइजेशन में देखिए टेम्परेचर कंट्रोल पॉसिबल होता है टेम्परेचर कंट्रोल है ना एडिशन पोलिमराइजेशन के टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं तो बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए यहां पर टेम्परेचर कंट्रोल जो है वो इजियर रहता है टेम्परेचर कंट्रोल इज मच इजियर अब यहां पर क्या होता है प्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट प्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या डिक्रीज हो जाती है प्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज हो जाती है उसका रीजन देखिए क्या है उसका रीजन होता है कटलिस का यूज करना यहां पर हम लोग कटलिस यूज करते हैं तो बेसिकली क्या होता है प्योरिटी जो प्रोडक्ट की है वो क्यों रिड्यूज हो जाती है because of, because, because, because of use of catalyst, ना बिकॉज ऑफ केटलिस यूज बिकॉज ऑफ केटलिस यूज बेसिकली यहां पर सर आप ही बताइए क्या करूं ओके okay गाइस uh, जो भी है मिस्टर आतीफ़ा खान इसको अभी ब्लॉक किया जाएगा सो आपसे रिक्वेस्ट है इस टाइप के अननेसेसरी मतलब अनरिक्वायर्ड है ना अन रिक्वायर्ड मतलब मैसेज मत कीजिए अगर आपको टाइम पास करना है देन किसी और के साथ जाके की कीजिए यार ओके देन जैन मिस्टर जैन हाँ ठीक है मैंने हटा दिया उसको ब्लॉक कर दिया यार कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे नेगेटिव लोगों से वो बेसिकली किसी कोचिंग का मतलब टीचर बैठा होगा फेक आईडी बना के किसी कोचिंग का टीचर बैठा होगा मैं आपको बता देता हूं ऐसे बहुत लोग एक्चुअली ना ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे माफिया होता है ना जैसे हम बोलते हैं माफिया कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो माफिया है ना वो बेसिकली बैठा होगा कोई या फिर अपना वो आ, मतलब पेड पेड, पेड पेड बच्चे रखते हैं आप भी जॉब कर सकते हो इसी। पेड पेड मतलब जॉब मिलती है इनको फाइव थाउजेंड टेन थाउजेंड रुपीज में ये लोग क्या करते हैं टेलीग्राम हैंडल करते हैं इस तरीके के लाइव चैट मतलब दूसरों के बिगाड़ने के लिए बेसिकली आते हैं ऐसे लोग ना सो so, हम लोग स्टार्ट करते हैं ऐसे लोगों से मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा दूर रहिए है ना साइकोलॉजिकल प्रेशर मतलब बना देते हैं सो अर्पित सूरी पेन ओके पी डब्लू ए आर एग्जाम्पल ऑफ द सोल्यूशन वेरी गुड ठीक है तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ देखिए uh, कि क्योरिटी ऑफ द सोल्यूट जो है डिक्रीज हो जाती है बिकॉज यहाँ पर हम लोग कैटलिस्ट यूज़ करते हैं कैटलिस्ट भी यूज करते हैं और इनिवेटर भी हम यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कैटलिस्ट uh, का प्योरिटी रिड्यूस हो जाता है उसके बाद में पॉलीमर विद हाई मोलिकुलर वेट अजय सर रॉक ऑलवे अलोन वॉरियर है यार थैंक यू भाई यार ठीक है तो पोलिमर विद पोलिमर विद हाई मतलब जो हमको पोलीमर मिलता है ना वो हाई मोलिकुलर वेट का मिलता है वो हाई मोलिकुलर वेट का मिलता है जो ऑप्टेन होता है फाइनल पोलीमर उसका मोलिकुलर वेट कंपेयर टू मतलब अगर हम लोग बात करें सिंपल बल्क पोलिमराइजेशन की तो यहाँ पर हमको वेट ज्यादा मिलता है सो so, उसके बाद अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो ऑलरेडी एक्जाम्पल अर्पित ने बताया उसके अलावा यहां पर मैं बता देता हूँ देखिए विनाइल एसिटे विनाइल ट और एग्जाम्पल e है, e है किसके बल्क ये सोल्यूशन पोलिमराइजेशन के सोल्यशन पोलिमराइजेशन के एग्जाम्पल है ये वाला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है हाई मोलिकुलर वेट आपको मिलता है उसके अलावा ये एग्जाम्पल यहां पर और अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सस्पेंशन पोलिमराइजेशन सस्पेंशन पोलिमराइजेशन सस्पेंशन पोलिमराइजेशन देखिए सस्पेंशन पोलिमराइजेशन में क्या हो रहा है यहां भी कैटलिस्ट हम यूज करते हैं तो बेसिकली होता क्या है यहां पर मतलब वाटर टू मोनोम मोनोमर का जो वेट है वो बहुत स्ट्रांग रहता है मतलब यहां पर भी आपको डाइल्यूटेड मिलेगा सस्पेंशन फिजिकल प्रोसेस इमलशियन केमिकल प्रोसेस वेरी गुड संतोष कुमार सस्पेंशन देन उसके बाद में सस्पेंशन हो गया उसके बाद में उससे पहले हम लोगों ने सोल्यूशन पढ़ा सर प्लीज इन फालतू लोगों पर एक भी टाइम मत वेस्ट करो आप हमारे गुरु हमेशा रहेंगे लव यू सर थैंक यू सौरभ थैंक यू थैंक यू फॉर योर लव तो सिंपल मैं यहां पर अगर बात करूं तो स्मॉल यहां पर जो पॉलीमर फोम होता है मतलब फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ अन स्मॉल अमाउंट ऑफ अनडिजायरेबल स्मॉल अमाउंट ऑफ अनडिजायरेबल लो मोलिकुलर वेट पॉलीमर बनता है स्मॉल अमाउंट ऑफ द मतलब मतलब अनडिजायरेबल जो कॉम्पोनेंट है उनका जो अमाउंट है वो स्मॉल रहेगा यहाँ पर ना स्मॉल अमाउंट ऑफ द अनडिजायरेबल लो मोलिकुलर वेट लो मोलिकुलर वेट यहां पर पॉलीमर बेसिकली फॉर्म होता है ना अनडिजायरेबल तो ये तो स्मॉल अमाउंट ऑफ द अनडिजायरेबल मोलिकुलर वेट साथ में फॉर्म होता है अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल के लिए तो यहां पर देखिए इस इस इसका इस्टरिन्पल हो गया acrylic, acrylic इसका एग्जाम्पल हो गया विनाइल क्लोराइड इसका एग्जाम्पल हो गया और भी किसी को कोई पॉइंट ऐड करना तो ऐड कर सकते हो है ना मतलब इस पर्टिकुलर सस्पेंशन पोलिमराइजेशन के लिए अपने ओपिनियन यहां पर रख सकते हो हो सकता है आपको कोई एक एक्स्ट्रा पॉइंट आता हो है ना तो स्टायरिन हो गया हो गया विनाइल क्लोराइड हो गया

बल्क भी बनाते हैं और सस्पेंशन भी बनाते हैं तो आपको प्रायोरिटी किसको चूज करना है सस्पेंशन को बल्क इतना मतलब यूज नहीं किया जाता है सो so, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है एन इंपॉर्टेंट इमल्शन पोलेशन मोस्टली जो पोलिमराइजेशन मतलब कि पोलिमर हम लोग बनाते हैं बेसिकली वो विद हेल्प ऑफ किस विद हेल्प ऑफ इमल्शन पोलिमराइजेशन बनाते हैं इमल्शन पोलिमराइजेशन ओके इमल्शन पोलिमराइजेशन देखिए इमल्शन पोलिमराइजेशन की मैं यहां पर बात कर रहा हूं तो इसमें बेसिकली क्या होता है ओके okay, एक चीज तो यहां पर जो पॉलीमर की कंसंट्रेशन है है ना पॉलीमर की जो कंसंट्रेशन है इन प्रोडक्ट वो लो रहती है कंसंट्रेशन लो रहती है ओके okay. कंसंट्रेशन जो है प्रोडक्ट की वो लो रहती है कंसंट्रेशन ऑफ पॉलीमर इज लो मतलब फाइनल जो प्रोडक्ट बन रहा है पॉलीमर मतलब की प्रोडक्ट इज लो और यहां पर जो पॉलीमर बनता है है ना वो मतलब की हाई मोलिकुलर वेट वाला बनता है हाई मोलिकुलर वेट पॉलीमर हाई मोलिकुलर वेट पॉलीमर यहां पर बनता है देन इसके बाद में कोई तो एक्स्ट्रा पॉइंट एड नहीं कर रहा है मतलब बाकी आपका मतलब वो इंपॉर्टेंट हो जाए मतलब कि अगर बहुत डिटेल में जाए तो लाइक ना मतलब कि इंसोल्यूबल मोनोमर मतलब यूज करते हैं हम वाटर के साथ में वो सब चीजें मतलब इमल्शन और सस्पेंशन में बेसिकली आता है बिकॉज यहां पर हमने देखा कि हिड्रोजीनियस फेस के लिए ही होता है तो वहां पर आपका मोनोमर जो होता है उसके साथ वाटर उन दोनों का बेसिकली आपका हीड्रोजीनियस मिक्सर वहां पर रहता है वन जीरो इट लाइक ओके यहां पर अगर हम लोग फाइनल एग्जाम्पल की बात करते हैं इसके साथ ही हमारा पोलीमर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा पी वी सी पीवीसी हो गया है ना उसके बाद में पोलीब्यूटाइन ओके पोली पोलीब्यूटाडाइन पोलीब्यूटाइडाइन रबर एस एस बी आर स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर तो मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ जो पीवीसी होता है पोली क्लोराइड 90 परसेंट जो प्रोडक्शन है पोलीविनाइल क्लोराइड का हम यूज़ करते मतलब कि पोलीविनाइल क्लोराइड किससे बनाते हैं हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ इमल्शन अब मैंने जस्ट ऊपर में सस्पेंशन में भी रखा था इसको विनाइल uh, क्लोराइड करके तो ये अल्टीमेटली पी वी सी देगा ना आपको पोली क्लोराइड तो हम लोग ओनली टेन परसेंट लाइक बाकी जो पीवीसी है तो 90 हम लोग इस से से बनाते हैं। इमल्चेन, पोली, इमल्चेन, मतलब पोली से बनाते हैं। हैं। मतलब कि ओके ठीक है, कंप्लीट करते हैं अभी हम लोग इसको नेक्स्ट टॉपिक फॉर्म ऑफ सस्पेंशन सस्पेंशन में लिखा ना मैंने विनाइल क्लोराइड लिखा मैंने स्टाइरिन भी मैंने लिखा गुड वही चीज तुम बता रहे हो ठीक है सो so, हमने डिस्कस कर लिया है नेचुरल इंडस्ट्री उसके बाद में हमने डिस्कस किया पॉलीमर इंडस्ट्री इसमें थोड़ा पार्ट ज्यादा है मतलब कंपेयर टू तो अगर हम लोग पेट्रोलियम इंडस्ट्री से कंपेयर करें और पेट्रोकेमिकल से तो स्टार्टिंग में पॉलीमर और इसमें ज्यादा पार्ट आता है इसके बाद मेन है पेट्रो पेट्रोलियम इंडस्ट्री मोस्टली रहता है अभी काफी पार्ट रिमेनिंग है एलेवन हो गया है कल मॉर्निंग ओके पेट्रोलियम इंडस्ट्री और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कल मॉर्निंग में डिस्कस करें पेट्रोलियम पेट्रोलियम इंडस्ट्री एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है हम लोग मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं बिकॉज अभी मतलब ज़्यादा मैसेप हो जाएगा सारी चीज़ें ना नहीं तो बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है तो हम लोग मॉर्निंग में प्लान करते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री एंड रिमेनिंग हमारा रहा है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री वो भी काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है नो सर कंप्लीटेड ओके ठीक है अभी तो इतना टाइम नहीं हुआ है स्टार्ट करते हैं हम लोग पेट्रोलियम इंडस्ट्री से सो so, फाइनली मैं लिख रहा हूं यहां पर पेट्रोलियम इंडस्ट्री तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री को सिंपली आप क्रूड से कोरिलेट कर सकते हो पेट्रोलियम इंडस्ट्री तो किस पे बेसिस है कंप्लीटली क्रूड पे बेसिस है अभी कर सकते हैं सर प्रद्युमन इज ओके ऑल्सो अभी कर रहे हैं ठीक है अभी कर रहे हैं फाइनली पेट्रोलियम इंडस्ट्री क्रूड पे बेसिस है क्रूड ऑयल अगर देखिए क्रूड ऑयल सिंपली क्या है क्रूड ऑयल की मैं बात करूं तो सिंपल क्या है मल्टी कॉम्पोनेट ऑफ मिक्सर है जिसमें कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्चर और कुछ भी नहीं है जिसमें हाइयर परसेंटेज कार्बन होता है और परसेंटेज uh, में आपको बता देता हूं क्रूड की अगर हम बात करें क्रूड ऑयल थर्टी मिनट करते हैं थोड़ा ठीक है थर्टी मिनट के बाद देखेंगे क्या होगा अगर क्रूड ऑयल में हम कार्बन की बात करें तो एट्टी फोर टू एट्टी सेवन परसेंट सिंपल कार्बन है उसके बाद में हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो इलेवन टू फोर्टीन फोर्टीन परसेंट हाइड्रोजन होता है अगर सल्फर की बात करें जो इंप्योरिटीज में आता है ये सब इंप्योरिटीज में आता है सल्फर होता है जीरो टू टू परसेंट डिपेंड करता है आपका क्रूड ऑयल कौन सा है उसके अलावा नाइट्रोजन नाइट्रोजन होता है पॉइंट्स में पॉइंट जीरो से पॉइंट सिक्स परसेंट तक उसके बाद में नाइट्रोजन हो गया उसके बाद में मेटल इंप्योरिटीज होती है मेटल इंप्योरिटीज जो कि जीरो से हंड्रेड पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन पर मिलियन का मतलब क्या होता है मिलीग्राम पर लीटर मिलीग्राम पर लीटर है ना जी, तो जीरो से हंड्रेड पीपीएम यहां पर रहता है मेटल्स तो ये आपका ब्रॉडली मतलब क्रूड ऑयल को मैं बोल सकता हूं कि इसका ये परसेंटेज होता है ना मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन मेन तो कार्बन एंड हाइड्रोजन है बाकी सब इंप्योरिटीज है तो सिंपल अगर हम बात करें तो मतलब क्रूड क्रूड ऑयल का प्राइमरी क्रूड ऑयल की बात करें तो मतलब उसका पार्ट क्या होता है बेसिक लाइक मतलब क्या मिलता है हमको फाइनल मतलब कि फाइनल प्रोडक्ट या फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं like uh, uh, तो उसको पता होगा ये सब चीजें है ना तो सोर्स सोर सल्फर मीन हाई सल्फर या एक्जैक्टली सोर क्रूड का मतलब होता है उसमें सल्फर कंटेंट हाई है स्वीट क्रूड का मतलब होता है उसमें सल्फर कंटेंट कम है अगर हम लोग बात करें कि uh, मतलब लाइक नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में जो बेसिकली क्रूड ऑयल है उस, उसमें आपका सल्फर कंटेंट बहुत कम रहता है वो स्वीट क्रूड होता है बाकी सब जो क्रूड uh, ऑयल है लाइक बॉम्बे हाई वाला क्रूड ऑयल की मैं अगर बात करूँ या फिर बाडमेर क्रूड ऑयल जो राजस्थान का क्रूड ऑयल है उसकी अगर मैं बात करूं तो वो सब सोर क्रूड है बिकॉज वहां पर सल्फर कंटेंट बहुत बहुत हाई रहता है तो सल्फर कंटेंट पर बेस डायरेक्टली हम लोग डिफाइन करते हैं कि हमारा क्रूड ऑयल सोर क्रूड ऑयल है या फिर स्वीड क्रूड ऑयल है येस गैसोलीन केरोसिन डीजल या अरे फाइनल वो तुम फाइनल प्रोडक्ट बता रहा हूँ मैं जस्ट इंटरमीडिएट की बात कर रहा था उसके बाद अगर फाइनल प्रोडक्ट की बात करें तो फ्यूल अगर फाइनल प्रोडक्ट की बात करें हम लोग पेट्रोलियम इंडस्ट्री की तो देखिए फ्यूल गैस हो गया है ना फ्यूल गैस मतलब फ्यूल गैस वापस इंडस्ट्री में यूज किया जाता है लाइटर हाइड्रोकार्बन होता है बेसिकली उसके अलावा एलपीजी होता है जिसमें प्रोपेन प्रो, एंड ब्यूटेन रहता है उसके बाद गैसोलिन हो गया जिसे हम लोग पेट्रोल भी बोलते हैं मोटर स्प्रीड गेसोलिन हो गया उसके बाद में जेट फ्यूल होता है जेट फ्यूल जिसे हम लोग बोलते हैं है ना उसके बाद आपका ए है ना एवियशन टर्बाइन फ्यूल उसके बाद केरो हो गया केरोसिन जिसे हम बोलते हैं केरोसिन हो हो गया डीजल, डीजल हो गया ऑटो डीजल डीजल है ना तो ये सब पार्ट बेसिकली बेसिकलीके उसके बाद में देखिए लुब, लुब्रिकेंट हो गया है ना इसफाल्ट कोक ये सब मतलब कि मेजर मेजर प्रोडक्ट होते हैं इंडस्ट्री के वट टाइम इट टेक कंप्लीट इट सर वी विल वेट सर पॉइंट फाइव पिप पिपीएम परसेंटेज में होता है बेसिकली वेट परसेंटेज में हम लोग डिफाइन करते हैं ठीक है वेरी गुड तुमको नॉलेज है तो हम लोग बात करते हैं यहां पर देखिए सिंपल अब मैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं तो आपको यहां पर एक मतलब कि मंत्रा बेसिकली मैं बोलता हूं है ना सिंपल आपका मंत्र ये होना चाहिए आपको ये याद होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कोई भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो क्या होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ऑलवेज एक्सोथर्मिक ये चीज मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं अपने इस कोर्स में एक्सोथर्मिक रिएक्शन

एंडोथर्मिक रिएक्शनो एक्सोथर्मिक रिएक्शन पता नहीं क्या बोल रहे हो एंडोथर्मिक होता है मैं क्रैकिंग की बात कर रहा हूं तो देखिए पेराफिन पेराफिन पेराफिनस हम दिख रहे हैं कि पेराफिन को सिंपली एक फॉर्मूला लिखे अगर हम जनरल फॉर्मूला पेराफिन तो क्या हो जाता है सी एन एच टू एन प्लस टू मैं आपको आगे बता दूंगा एग्जांपल जब हम देखेंगे क्रैकिंग का और का तो आपको क्लियर हो जाएगी वो चीज तो देखिए पेराफिन पेराफिन में आता है सिंपल जनरल फॉर्मूला सी एन एच एच टू एन प्लस टू है ना सिंपल एलके हम लोग बोलते हैं पेराफिन सच एज एस फॉर एक्साम्पल आप देख सकते हो मिथेन हो गया इथेन हो गया प्रोपेन हो गया मिथेन इथेन प्रोपेन मिथेन इथेन प्रोपेन ना तो ये सब किस में आता है पेराफिनस में उसके बाद आइसो मतलब आइसो टाइम में लाइक मतलब नॉर्मल नॉर्मल ब्यूटेन हो गया आइसो ब्यूटेन हो गया नॉर्मल नॉर्मल पेंटेन आइसो पेंटेन ये सब बेसिकली किस में आता है पैराफिन में आता है बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए नौ सेकंड देखिए सेकंड है ओलिफिन है ना पेराफिनिक हो गया ओलिफिन हो गया नेपथथिन आगे डिस्कस करेंगे नेपथ्थिन भी हम डिस्कस करेंगे ओलिफिन उससे पहले बता देता हूँ ये हो गया एल्किन उसके बाद में एल्फिन तो सिंपली मतलब कि इसके एग्जाम्पल अगर हम बताएं तो जहां डबल बोन्ड आ जाता है पेराफिन सिंगल बोन्ड ओलिफिन डबल बोन्ड यहां पर देखिए इथायिन हो गया इथालीन ब्यूटा ब्यूटालीन इथैलिन ब्यूटालीन प्रोपाइलिन अर्जेक्ट्रा जो भी है वो मतलब कि ओलीफिन uh, होते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए इथाइलिन आप देख सकते हो क्या हो जाएगा सी एस टू डबल पोन सी एस टू है ना उसके अलावा अलग like, प्रोपाइलिन आप देख सकते हो सी एस टू सी एस टू सी एस टू डबल बॉन्ड सी एच सी एस थ्री यस 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 सी एन एच टू एन सी एच एस टू एन हाँ इसके लिए लिख रहे हो ना ओलिफिन के लिए लिख रहे हो यस लिख यहाँ पर लिख देता हूँ मैंने लिखा नहीं क्या जनरल फॉर्मूला सी एन एच टू एन तो ओलिफिंस अब देखिए ओलिफिंस आपको एक टर्म याद रखना है कि ओलिफिंस क्रूड ऑयल में प्रेजेंट नहीं होते हैं ऑलिफिन जो है आर नॉट फाउंड इन क्रूड ऑयल आर नॉट फाउंड इन क्रूड ऑयल सिंपल यहां पर मैं लिख देता हूं आर नॉट फाउंड इन क्रूड ऑयल बट जब हम लोग क्रैकिंग करते हैं जब हम क्रैकिंग करते हैं तब बेसिकली मतलब ओ, होता क्या है कि हमारा ओ, जो ऑयल होता है उसमें ऑलिफिन जनरेट हो जाते हैं ओलिफिन क्रूड ऑयल में प्रेजेंट नहीं होते हैं बट ओलिफिन क्या होता है जब क्रैकिंग होती है तब तो वहां पर जनरेट हो जाते हैं मतलब आपके पेराफीन से वो में बेसिकली क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है ना कि जो है, क्रूड ऑयल में नहीं परजेंट होता है आई थिंक गेट में पता नहीं पूछा गया कि शायद एक मार्क्स का क्वेश्चन है उल्फीन क्रूड ऑयल में परजेंट होते नहीं होते इस टाइप का क्वेश्चन था मुझे एजेक्ट याद नहीं अभी सो नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं तो इसको क्या बोल साइक्णो, साइक्णो सिंपल हम सकते हैं अगर एल्केन है तो कैटेगरी में आते और इसके लिए भी फॉर्मूला आपका सी एन एच टू एन हो जाएगा लेकिन यहां साइक्ण, पर चेन बनाने वाले है सच एज द्रोपेन सच एज द साइक्लोप्रोपेन सच एज द साइक्लोप्रोपेन एन दिथाइल साइक्लो एक्सन जो कि ऑयल में प्रेजेंट रहता है साइक्लो प्रोपेन हो गया उसके अलावा मिथाइल

रोमेटिक कॉम्पोनेंट नंबर हाईएस्ट होता है तो सिंपली देखिए हम लोग क्या करते हैं ये जो नेपथ्स होते हैं है ना जब हम लोग मतलब लाइक आपके लाइक साइक्लो कॉम्पोनेट है आपके मतलब गेसोलिन में अगर साइक् कॉम्पोनेट परजेंट है तो डेफिनेटली वो उसके ऑक्टेन नंबर को रिड्यूस कर देंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अगर गेसोलिन की अगर हम बात करें तो तो मतलब पेट्रोल पेट्रोल इंजन के लिए ऑक्टेन नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है तो अगर नेप्तलिन जो है उनको हम लोग कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं हम लोग क्या करते हैं जो है बेसिकली जीटीयू में हर क्या है जीटीयू व्हाट इज दिस जीटीयू जीटीयू में हर साल पूछता है <coughs> या गेट में लिख रहे हो हाई मोलिकुलर हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट इन द लो मोलिकुलर हाइड्रोकार्बन वेरी गुड ठीक है <coughs> तो सिंपल इस नेप्थिन को हम क्या कर कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ रिफॉर्मिंग रिएक्शन रिफॉर्मिंग रिएक्शन की हेल्प से हम लोग इसको एरोमेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं जो है साइक्लो साइक्लो हम लोग एरोमेटिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ये जस्ट स्पेशल चीज बता दिया मैंने आगे तो हम इसकी बात करेंगे हमें पता है कि एरोमेटिक्स जो है उनका अगर हम लोग कंपेयर करेंगे एरोमेटिक्स तो एरोमेटिक्स तो एरोमेटिक का नंबर हाइयर होगा किससे नेप्थिन से क्लियर है नाउ अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एरोमेटिक थर्ड हो गया नाउ फोर्थ वन इज द एरोमेटिक एरोमेटिक क्या हो गया सिंपल पता है बेंजिन टोलविन बेंजिन टोलविन जाल्विन है ना बेंजिन फॉर एरोमेटिक ये सी एस सी माइनस सिक्स देन गुजरात टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ सर ओके जी से okay, हो तुम ना पूछेगा यार बेसिक चीज़ें हैं बेंजिन देन बेंजिन देन टोलविन देन इसके बाद में जाइलिन है ना जाइलिन तो यहां पर देखिए एरोमेटिक देखिए में अवेलेबल में अवेलेबल रहते हैं, और भी है, Cn, कर देते हैं तो हमको के लिए जनरल फॉर्मुला मिल जाता है और एरोमेटिक्स का जो ऑक्टेन नंबर है वो हाइस्ट होता है ऑक्टेन नंबर क्या होता हम आगे बात करेंगे सबको पता भी होगा है ना अनसे कॉम्पोन होते हैं। फिर उसके बाद में आता है तो हो गया, उसके बाद नेप्तिलीन। नेप्तिलीन पहले ही बोल दिया था बोला था उसके बाद देखिए नेप्तिलस जो है बेसिकली

तो इसमें बेसिकली क्या होता है दो तीन मतलब कि एरोमेटिक चेंस होती है मोलिकुलर वेट अगर कंपेयर करें तो वो हाई होता है यहाँ पर लाइक मोलिकुलर वेट जो है के लिए हाई होता है देन लास्ट में आता है सिक्स इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड राउट राइट हरी ना प्रदिमन सिंह या ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सल्फर ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड की मैं बात कर रहा हूँ तो सच इज ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड भी प्रेजेंट होते हैं क्रूड ऑयल में लाइक थायोफीन हो गया थायोफीन हो गया पैरेडिन हो गया ये सब बेसिकली क्रूड ऑयल में परजेंट होते है ना ये सब सिर्फ ओलिफिन जो वो परजेंट नहीं होता है वो सिर्फ जो मतलब क्रैकिंग रिएक्शन होती है उसकी हेल्प से मिलता है अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो पहली प्रॉपर्टी में यहां पर बात कर रहा हूं फ्लैश एंड फाइव पॉइंट ओके प्रद्युमन है ना वेरी गुड ठीक है क्या हो रहा है हरी भाई गजब हो भाई अच्छा है यार तुम तो भी गजब तो सब हो सकते हैं है ना फ्लेश फ्लेश फायर पॉइंट की हम बात कर रहे हैं फ्लेश एंड फायर पॉइंट तो इसमें फ्लेश एंड फायर पॉइंट में आपको क्या याद रखना देखिए

ओके okay, देन उसके बाद में उसके बाद में हम लोग देखे अगर कि सेकंड जो इक्विपमेंट है अच्छा ऑनलाइन वीडियो लेक्चर प्लान एक्सपायर सून ठीक है सेकंड जो इक्विपमेंट है वो होता है एबेल एपेटस एबेल एपेटस जो है वो लेस देन 50 डिग्री के लिए हम लोग यूज करते हैं क्लियर है सेकंड में यहां पर लिख रहा हूं देखिए एबेल एपेटस जो है ये हम लोग बेसिकली यूज करते हैं पेंसकी मार्टिन एपेटस वेरी गुड है ना ये हम यूज करते हैं फॉर लेस देन 50 डिग्री ये, या, ये याद ये याद रखना है आपको है ना और जनरली जो आपका फायर पॉइंट होता है वो फ्लिस पॉइंट से फोर टू फाइव डिग्री हाई रहता है है ना? ना ये मसरा सर ओपेक क्या होता है यार ओपेक तो मतलब जो बॉडी है बेसिकली ना पेट्रोलियम पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो भी मतलब जिनके पास क्रूड प्रोडक्शन ज्यादा है तो वो लोग क्या करते हैं मतलब ओपेक तो सबसे इंपॉर्टेंट है सारी कट इंडिया तो किससे क्रूड ऑयल है Opec ये सबसे क्रूड ऑयल लेती है ना जो कंट्रीज मतलब की पेट्रोलियम बेसिकली एक्सपोर्ट करती है ना द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज वही बेसिकली ओपेक है उसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आप देख सकते हो जस्ट गूगल करके है ना मोस्टली तो उसमें आपका ये आ, मतलब कि इराक बगदाद ये सभी बेसिकली आती है कंट्रीज जो भी मतलब कंट्रीज uh, है जहां पर क्रूड ऑयल मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है ना ओपेक तो देन उसके बाद में नेक्स्ट देखिए हो सकता है आपको कभी पूछ ले तो ओपेक के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए स्टूडेंट को ना मिकल इंजीनियर को तो स्पेशली देन सेकंड डे की हम लोग बात कर रहे हैं क्लाउड पॉइंट तो क्लाउड एंड पोर पॉइंट ये भी सबको पता होगा कब आपका क्लाउड पॉइंट आता है कब पोर पॉइंट आता है सिंपली क्लाउड ओके इसके लिए जो अपेटस यूज होता है वो सिंपली यूज होता है क्लाउड पॉइंट अपेटस इसका नाम है बेसिकली है ना और देन उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे ओक्टेन नंबर इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है ओक्टेन नंबर गेट पॉइंट ऑफिस भी इंपॉर्टेंट है ऑक्टेन नंबर तो किसके लिए डिफाइन करते हैं हम लोग गैसोलीन जिसे हम लोग को पेट्रोल भी क्या देता है, मतलब है, मतलब है, मतलब है yeah, exactly, स्पार्क मतलब की जो कि और गैसोलीन बेसिकली पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री एक्जेक्टली है और स्पार्क मतलब स्पार्क इग्निशन जो इंजन होता है जिसे हम लोग डायरेक्टली पेट्रोल इंजन बोल सकते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन

यहां पर देखिए हम लोग लिखते हैं इसमें देखिए आपका ऑटो इग्निशन नहीं होता है ना ऑक्टेन जो पेट्रोल इंजन बेस्ड होता है वहां पर हमको इग्निशन सोर्स प्रोवाइड करना पड़ता है लेकिन डीजल इंजन में नहीं होता है वहाँ पर आपका ऑटो इग्निशन होता है ऑटो इग्निशन बेसिकली वहां पर होता है और आइसो ऑक्टेन ठीक है नॉकिंग टेंडेंसी यस नॉकिंग टेंडेंसी जो बोल रहा हूँ नॉकिंग टेंडेंसी है द so सिंपलीज है जो हमारे पास में आइसो ऑक्टेन कितना है आइसो ऑक्टेन डिवाइड कर रहे हैं परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ आइसोक्टेन प्लस ऑफ परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ एन हेप्टेन तो यहां पर हमको पता है सबके लिए ऑक्टेन नंबर पता है ऑक्टेन नंबर हंड्रेड हो जाता है और ये जो हम लिखते हैं ऑक्टेन है? है। का मतलब क्या देखिए आइसोक्टेन ये हो गया आपका सी एस थ्री सी सी एस टू सी एस सी एस थ्री सी एच थ्री है ना यहां पर भी सी एस थ्री आएगा यहां पर भी सी एस थ्री आएगा ये हो गया आइसोक्टेन टू टू फोर मिथाइल स्पार्क इग्निशन यस सब फॉर्म में अच्छा अच्छा लग रहा है देख के तो so, सिंपल आपको याद रखना है कि अगर देखिए मैं रिलेशन बता देता तो हूं यहां पर आपको कि हाइयर द ऑक्टेन नंबर हाइयर द ऑक्टेन नंबर हाइयर द ऑक्टेन नंबर अगर ऑक्टेन नंबर हाई है तो जो uh, मतलब नॉकिंग टेंडेंसी होगी नॉकिंग टेंडेंसी जो है बेसिकली वो क्या होगी लो होगी नॉकिंग टेंडेंसी जो है वो क्या होगी लो होगी हाइयर द ऑक्टेन नंबर मीन्स द लोअर द नॉकिंग टेंडेंसी सिंपल चीज है ये तो हम सिंपल यहां पर अगर हम बात करें ऑक्टेन नंबर के ऑर्डर की तो ऑक्टेन नंबर का ऑर्डर ऑलरेडी बताया था किसी ने देखिए एरोमेटिक्स के लिए ऑक्टेन नंबर मैक्स होता है देन उससे कम रहता है आइसोप्रो आइसोपेराफिन के लिए आइसो के लिए उससे कम रहता है देन उससे कम रहता है ओलिफिन के, के लिए देन उससे कम रहता है उससे कम रहता है बेसिकली नेप्थिन के लिए है ना नेप्थिनस के लिए देन उससे कम रहता है बेसिकली पेराफीन्स पेराफी के लिए यही ऑर्डर आई थिंक बताया था संतोष ने उससे कम रहता है देखते हैं संतोष का ऑर्डर क्या था एरोमेटिक आइसो आइसोपेराफिन देन उसके बाद ओलिफिन देन उसके बाद में नेफ्थिन उसके बाद में पेराफिन क्लियर है यही ऑर्डर था वेरी गुड तो ये हो गया किसका एरोमेटिक का ना मतलब ऑर्डर जो हमने लिखा है किसका किसका ऑर्डर हो गया ऑक्टेन नंबर का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया बेसिकली ऑक्टेन नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर हमने लिखा है ऑक्टेन नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर बेसिकली हमने लिखा है तो ये ऑर्डर आपको याद रखना गेट में बहुत बार पूछा गया गाइस अब नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी अगर बात करें नंबर नंबर डीजल की डिफाइन करते हैं अभी जस्ट बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में तो सिटेन नंबर का जिसमें आपको बता देता हूं सिटेन बेसिकली क्या होता है ओके आपको एक और एक और चीज आपको याद रखनी है हम लोग ऑक्टेन बूस्टर्स भी यूज करते हैं ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करने के लिए होता है क्या इंडस्ट्री में है ना लाइक जो गेसोलिन बनाते हैं हम लोग उस गेसोलिन में डायरेक्टली ऑक्टेन ऑक्टेन बूस्टर जिनका ऑक्टेन नंबर बहुत हाई रहता है है ना वो ऑक्टेन बूस्टर हम लोग यूज करते हैं तो ऑक्टेन बूस्टर बेसिकली क्या क्या काम करता है ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करने के लिए ओके लाइक ऑक्टेन ओके लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ यहाँ इंक्रीज करता है उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ देखिए एम टी बी एम टी बी जो है ये क्या है मिथाइल ट्रसरी ब्यूटाइल मिथाइल ट्रसरी ब्यूटाइल इथर तो इथर जो है उनका ऑक्टेन नंबर हाई रहता है तो वो बेसिकली हम ऐड करते हैं गैसोलीन के साथ में उसके अलावा मिथेनोल हो गया इथेनॉल हो गया मतलब हाई कंपोनेंट हाई मतलब है पर हो गया, तो ये सब एज ऑक्टेन बूस्टर ऑक्टेन बूस्टर टोलविन हो गया इन सबका ऑक्टेन नंबर हाई रहता है इलेवन ऑलमोस्ट ट्वेल्व हो गया है ऑक्टेन नंबर तो देखते हैं यार कितनी देर तक होती है जल्दी जल्दी ट्राई तो कर रहा हूं मैं तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं देखिए नेक्स्ट

हाँ जस्ट आपका इसका प्रॉपर्टी अलग होता है अगर हम लोग गैसोलीन इंजन मतलब कि डीजल इंजन और गैसोलीन इंजन को कंपेयर करें तो नेचुरल ऑक्टेन नंबर हंड्रेड तो सिंपल देखिए अगर हम लोग बूस्टर की बात करें तो यहाँ पर हम लोग ऑक्टेन नंबर सिटे नंबर इंक्रीज करने के लिए बूस्टर यूज करते हैं देखिए इथाइल ओके यहाँ पर मैं बता देता हूँ यहाँ पर इसका देखिए परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सीटेन सीटेन का जो है जो ऑक्टेन नंबर िन uh, जो है इसका सीटेन नंबर हो जाता है संतोष लिख रहा है यहां पर कुछ और उसके बाद देखिए यहां पर uh, ये यह हम लोग जो लिख रहे हैं एल्फा मिथाइल इसका फॉर्मुला लिख सकते हैं इतना इंपॉर्टेंट है बट आपको जस्ट नॉलेज होनी चाहिए सीटेन नंबर इतना होता है अब सीटेन नंबर का कंपेरिजन देखिए यहां पर मतलब बूस्टर जो हम यूज करते हैं सीटेन नंबर के लिए एसिटोन इथाइल नाइट्रेट एंड एसिटोन आप याद रख सकते हो कि दो बूस्टर है तो अब देखिए सिंपल क्या होगा कि अगर सीटेन नंबर हाई है हाइयर सीटेन नंबर है तो क्या होगा उससे देखिए हाइयर सीटेन नंबर का फायदा क्या होगा कि हमारा जो इंजन है वो ईजी स्टार्ट हो जाएगा जो आपका ऑटो मतलब कि जो ऑटो ऑटो इग्निशन होता है ना वो जल्दी हो जाता है जिस जिस यहां पर डीजल के लिए सीट नंबर हाई होगा तो ऑटो इग्निशन जो है वो इजी होता है तो हम बोल सकते हैं कि इजी स्टार्टिंग होगा इंजन का इजी स्टार्टिंग ऑफ इंजन ये बेसिक एक नॉलेज है जो आपको पता होनी चाहिए ना उसके बाद ऑर्डर तो सबको पता है नंबर का क्या होगा सिटी नंबर जो है सबसे हाई किसके लिए रहता है मतलब जितना सिंपल देखिए गाइस सिंपल फंड है नंबर मतलब ऑटो इग्निशन हो रहा तो जितना जल्दी फ्लूड ऑटो इग्निशन कौन होगा जो सबसे सिंपल मतलब जिसका स्ट्रक्चर सबसे सिंपल होगा हमें पता है कि एरोमेटिक आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है एरोमेटिक बेंजिन टोलविन जो जयलिन है वहां पर एरोट साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है तो उनको मतलब कि उनका कंबशन होना वो लाइक टिपिकल टास्क है मतलब आपको मतलब इतना हीट चाहिए होगा कि पहले चेन ब्रेक करना पड़ेगा उसके बाद ही तो कंबशन होगा ना वहां पर तो ऑटो इग्निशन हो रहा है इस वजह से हम बोल सकते हैं कि लाइक नॉर्मल पेराफिन सिंपल स्ट्रेट चेन होती है तो उनका इजिली हम बोल सकते हैं कि आ, मतलब कंबशन हो जाएगा वहां पर तो इसलिए सीटेन नंबर उस फ्लूड का उस बेसिकली पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कम रहेगा जिसका मतलब कि स्ट्रक्चर इजी है ना सिंपल सीट नंबर हम लिख रहे हैं यहाँ पर सिटन नंबर का ऑर्डर लिख रहे हैं तो सीट नंबर का ऑर्डर देख लीजिए सिटीन नंबर सबसे ज्यादा किसका रहेगा नॉर्मल पेराफिन नॉर्मल पेराफिन उससे उससे कम रहेगा और उससे कम किसका किसका और का किसका रहेगा ओलिफिन का ऑर्डर किसने लिखा था मैं देखता हूँ है ना उससे उस, उससे कम बीच में आपका नेफ्तलिन भी आ जाता है ओके नेफ्तलिन है ना ठीक है उसके बीच पहले ये नेफ्तलिन भी लिख देता हूँ नेफ्तलिन देन इसके बाद देखिए नेपथलिन और नैफ्थीन आई थिंक नैप्थिन की बात कर रहा हूँ मैं है ना तो ये हो गया नेपथथिन और उससे कम बेसिकली क्या होगा ओलिफिन और उससे कम क्या होगा आई थिंक एरो हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे हैं ना डिक्रीजिंग ठीक है उससे कम किसका हो जाएगा आइसो आइसोपेराफिन और फाइनली सबसे ज्यादा किसका सबसे कम किसका रहेगा आइसोपेराफिनस हो गया और फाइनली सबसे कम रहने वाला है एरोमेटिक्स का रीजन सिंपल जो मैंने बोला है वही रीजन रहेगा यहाँ पर ओके okay. तो ये ऑर्डर हो गया है पर नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए नेक्स्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्रॉपर्टी जो है वो है सिट sit, नंबर uh, हो गया नेक्स्ट स्मोक स्मोक पॉइंट स्मोक पॉइंट बेसिकली हम लोग uh, किसके लिए किसके लिए डिफाइन करते हैं केरोसिन के लिए फॉर केरो केरोसिन के लिए हम लोग स्मोक नंबर डिफाइन करते हैं देखिए तो सिंपल यहां पर देखिए मतलब अगर हाई हाई हाइयर स्मोक पॉइंट होगा तो हम बोल सकते हैं कि हाईयर जो क्वालिटी है मतलब हाई स्मोक पॉइंट होने का मतलब है कि जो क्वालिटी है क्वालिटी जो है बेसिकली वो हाई होगा स्मोक का जो क्वालिटी है सो सो हाइयर द क्वालिटी सिंपल फंड है कि अगर स्मोक पॉइंट हाई होगा तो क्वालिटी जो है वो भी हाई होगी उस फ्यूल उस केरो की बेसिकली क्वालिटी जो है वो हाई होगी इसमें मतलब सिंपली हम क्या करते हैं लाइक जितना फ्लेम बेसिकली बनता है लाइक हम लोग जब उस फ्यूल को बैन करते हैं लाइक जो केरो हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट स्मोक पॉइंट का मतलब कैसे कि जब उसको बैन करते हैं तो कितना प्योर फ्लेम जो होता है ना ब्लू कलर का ब्लू जो प्योर फ्लेम उसका कितना लेंथ है ना उस फ्लेम का लेंथ हम कैलकुलेट करते हैं मिलीमीटर में एम एम मिलीमीटर में हम कैलकुलेट करते हैं तो जितना फ्लेम का मतलब फ्लेम का लेंथ है उतना ही बेसिकली आपका वो मतलब कि बेटर मतलब बेटर बेसिकली वो फ्यूल होगा मतलब केरो बेटर केरो आपका होगा ना तो सिंपल है अगर हम बात करें तो पेराफिनस के लिए आ, पेराफिन्स के लिए मतलब कि मतलब आ, मतलब कि पेराफिन्स के लिए आ, जो केरोसिन है केर, मतलब कि जो स्मोक पॉइंट है वो हाई मिलता है और एरोमेटिक के लिए लो मिलता है बिकॉज आपको पता है लाइक एरोमेटिक जो है आ, उनके लिए आपको इतना फिल्म मतलब क्लियर फिल्म जिसे बोलते हैं ना क्लियर फिल्म आपको नहीं मिलेगा क्लियर फिल्म नहीं मिलेगा एटीन एम mm. एम भैया स्टैंडर्ड याद करके बैठे हो तुम तो ना मतलब अप्रॉक्सिमटली ट्वेंटी फाइव एम एम तक हम बात करते हैं ट्वेंटी फाइव एम एम मैक्स मैक्स होता है गुड क्वालिटी केरोसिन के वं लिए जो uh, मतलब कि हाईएस्ट मैक्स जो uh, मतलब कि जो स्मोक पॉइंट होता है वो होता फाइव ओके एम होता है हार्दिक okay, ने बताया 18 mm, वो भी ठीक है। Then इसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है कार्बन रेजिट्यू कार्बन रेजिट्यू देखिए कार्बन रेजिट्यू कार्बन रेजिट्यू तो कार्बन रेजिट्यू मेजर करने के लिए जो पेटर्स हम यूज करते हैं बैन विदाउट सूट यस वेरी गुड अप्रेटस जो है बेसिकली हम ये यूज करते हैं और सिंपल हम ये बोल सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ कार्बन मतलब लाइक एक डिस्टलेश, मतलब डिस्लेशन कॉलम है बेसिकली तो वहां पर जब क्रूड ऑयल का डिस्लेशन कर रहे हैं तो जो रिमेनिंग रेजिडुअल जो परसेंटेज ऑफ कार्बन रहता है ना वो बेसिकली किसको डिनोट करता है यहां पर कार्बन रेजिड्यू को तो अगर गुड फ्यूल है अगर कोई गुड फ्यूल हम डिफाइन करते हैं तो कार्बन रेजिड्यू उसके लिए कम होना चाहिए सिंपल फंड है गुड फ्यूल के लिए कार्बन रेजिड्यू अगर आपको बोला जाए तो पॉइंट से लेस होना चाहिए लेस देन पॉइंट वन परसेंट लेस देन कितना जितना क्रूड था उसका लेस देन पॉइंट वन परसेंट होना चाहिए तो आपका वो गुड फ्यूल है पूछा जा सकता है कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में ना तो देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो एनलिन enil, पॉइंट तो ये किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं अगेन डीजल के लिए डीजल के लिए हम लोग डिफाइन कर रहे हैं हंड्रेड एटीन लाइक स्टूडेंट अभी भी है सभी बारह बज गए गाइस और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पर पेट्रोलियम इंडस्ट्री काफी पार्ट है थोड़ा स्पीड करते हैं हम लोग एनिलिन पॉइंट जस्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं तो मतलब सिंपली क्या होता है लाइक कोई क्रूड ऑयल जो बेसिकली एनेलिन के लिए मतलब एट लोवेस्ट टेम्परेचर पेटली कंप्लीटली मिसिबल हो जाए ना वो बेसिकली उसको हम बोलते हैं एनोलिन पॉइंट बोलते हैं तो एरोमेटिक कंटेंट जो है एरोमेटिक कंटेंट ओके मतलब एरोमेटिक कंटेंट मेजर करने के लिए बेसिकली यूज होता है एनिलिन पॉइंट जो है डीजल में आपका आई थिंक यू हैव मिस द टॉपिक लाइक मेजरिंग द डेंसिटी ऑफ एपीआई वाटसन करेक्टराइज फैक्टर नहीं नहीं मैं भूला तो नहीं हूं मैं आपको बता देता हूँ वो पॉइंट मैंने क्यों नहीं कंसिडर किए हैं एसिड वैल्यू थिंक क्ट्राइजेशन फैक्टर की बा, बात करें वो तो मैं कर देता हूँ वॉटन कराइजेशन फैक्टर आई हैवे मेस दॉपिक लाइक मेजरिंग द डेंसिटी है ना एपीआई अरे यार याद कर लीजिए एपी एन ग्रेविटी वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना पार्ट यहाँ पर क्वेश्चन अभी पूछा गया हो तो मुझे बता दो मुझे तो नहीं लगता क्वेश्चन पूछा गया बट स्टिल आप देख लीजिए है ना ये, ये जो प्रॉपर्टी है एपीआई ग्रेविटी वो सब आप देख लीजिए वाटस करेक्ट्रिस्टिक फैक्टर में आपको बता दूंगा एनलिन प्रॉपर्टी इतनी है मतलब एरोमेटिक कॉम्पोनेट बेसिकली हमको देता है ना सिंपल है लाइक एनलिन पॉइंट अगर ज्यादा मतलब पॉइंट हमको ज्यादा मिल रहा है, है तो उसमें एरोमेटिक जो कॉम्पोनेट है वो लो रहने वाले हैं तो सिंपल यहां पर हम बता सकते हैं देख लो यार एपीआई देख लो ना मैं यहां पर आपको भी बता देता हूं क्रेक्टाइजन फैक्टर जरूर बता देता हूँ क्रेक्ट्राइजेशन फैक्टर जो होता है ना वॉटसनजेशन फैक्टर जो डिफाइन करते हैं ठीक है करेक्ट्राइजेशन फैक्टर को के से डिनोट करते हैं और के का अगर हम रिलेशन देखें तो पेराफिनिक के लिए के का जो वैल्यू कितना होता है ग्रेटर देन ट्वेल्व पॉइंट फाइव है ना 12.5 या 12.5 पॉइंट ट्वेल्व से, से हाइर रहता है और कोई इंटरमीडिएट मतलब एरोमेटिक और मतलब पेराफिन और एरोमेटिक को कंपेयर करते हैं हम इसे पेराफिन और एरोमेटिक है ना एरोमेटिक नेचर का पता चलता है अगर लेस देन टेन है यहाँ पराइजेशन फैक्टर लेस देन टन टेन या टेन से लेस देन है तो आपका एरोमेटिक होगा फ्यूल देन उसके अलावा अगर इंटरमीडिएट बात करूँ तो इसके बीच में इंटरमीडिएट आ जाता है टेन से जो केसी हम लोग यहाँ पर केसी मतलब करकेटराइजेशन फैक्टर हम डिफाइन कर रहे हैं ये वाटसन करेक्टराइजेशन फैक्टर है ना वाटसन करेक्टराइजन फैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ सो so, ये इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट में कुछ ऐसा होता है ना 12.5 से ग्रेटर देन पैराफिन हो गया लेस देन 10 आपका आ, एरोमेटिक हो गया तो आपका जो क्रूड है उसकी क्वालिटी आप देख सकते हो है ना बेस्ड ऑन करेक्टराइजेस फैक्टर बेस्ड ऑन एपीआई सब ये सब क्रूड का क्वालिटी डिफाइन करने के लिए होता है तो आ, जैसे ही आपने देखा कि अगर पेराफिन इतना है तो मेरा पैराफिनिक कॉम्पोने इतना है एरोमेटिक इतना है तो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो आपका रिक्वायरमेंट है वही आप यूज करते हो बेसिकली ना मतलब वही क्रूड ऑयल फिर आप यूज करते हो अपनी इंडस्ट्री के लिए तो यहाँ पर इंटरमीडिएट आ जाता है

सल्फर कंटेंट के लिए, हम, के लिए, के लिए हम यूज करते हैं बॉम कैलोरीमीटर देन इसके बाद में देखिए मॉइस्चर के लिए डीन एंड स्टार्क अपेटस होता है मॉइस्चर के लिए अगर आपको मॉइस्चर मेजर करना है मॉइस्चर आपका अप टू वन परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्रूड में डीन एंड स्टार्क अपेटस हम यूज करते हैं एंड इसके बाद देखिए मतलब आपका क्रूड ऑयल मतलब अगर बेटर मतलब कि वाटर क्रूड क्रूड ऑयल में जो वाटर का परसेंट है बेसिकली वो अप टू वन परसेंट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ना अगर गुड क्रूड ऑयल है तो उसके बाद में डिस्लेशन डिस्लेशन रह जाता है इनिशियल बोलिंग पॉइंट फाइनल बोलिंग पॉइंट विथ बोलिंग पॉइंट वो सब आपको पता होगा फिर होता है कलोरफिक वैल्यू फिर एक टाइम हम डिफाइन करते हैं कैलोफिक वैल्यू कलोरफिक वैल्यू सिंपली क्या होता है जब आपका जो क्रूड बेसिकली है मतलब जो आपके पास में फ्यूल है उसको जब आप बर्न करोगे तो कितना एनर्जी आपको बेसिकली मिलता है ना क्लोरफिक वैल्यू आपको देता है किलोजूल पर मोल किलोरफिक वैल्यू अब कलोरफिक वैल्यू हम लोग दो टाइम 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 के टाइम में लिखते हैं लाइक एक होता है ग्रोस कलरफिक वैल्यू एक होता है नेट कलोरफिक वैल्यू है ना तो नेट ने आप अब ये देखोगे कि, कि ग्रोस कलरफिक वैल्यू जो है ना वो ऑलवेज हाईएस्ट होता है किससे ग्रोस कलरफिक वैल्यू जो है वो आपका यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये ग्रोस है और ये आपका नेट है नेट कलोरफिक वैल्यू तो ग्रोस कलरफिक वैल्यू ऑलवेज नेट कलरफिक वैल्यू से आपको हाइयर मिलता है ना, simple, मतलब, है ना सिंपल मतलब ग्रोस कैलोरीफिक वॉल्यूम हम क्या कंसीडर करते हैं अमाउंट ऑफ द हीट रिलीज बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ अ यूनिट ऑफ ऑफ यूनिट ऑफ अ नेचुरल गैस आल्सो नोन एज द हायर हीटिंग वैल्यू तो इसमें इसमें लाइक देखिए हम लोग ग्रोस कलर ग्रोस वैल्यू जो हाई है बिकॉज ग्रोस कलर वैल्यू हाई क्यों रहती है देखिए आपको सिंपल इतना इसमें आइडिया होना चाहिए कि वैल्यू में में जो जो लाइक आपके में बेसिकली मॉइस्चर परजेंट है ना मतलब लाइक वाटर परजेंट है लाइक क्रूड में तो उसको आप लाइक बैन करो मतलब की जब आ, मतलब की उसका कंबेशन जब होगा तो कुछ हीट जो है बेसिकली कुछ हीट यहाँ पर कुछ कैलोरफिक वैल्यू मतलब कैलोरफिक वैल्यू जो हम डिफाइन कर रहे हैं तो सिस्टम में कुछ हीट बेसिकली उस वाटर को वेपराइज करने के लिए यूज हो जाता है तो वो वो बेसिकली हम जब वाटर जो जब इस कंडीशन को हम कंसिडर करते हैं तो आपका जो एनर्जी होता, होता है वो नेट नेट कैलोरीफिक वैल्यू होता है और कैलोरीफिक वैल्यू में हम कंसीडर नहीं करते हैं कि वाटर का वेपराइजेशन हो रहा है लेकिन हम लोग प्योर 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 फ्यूल बेसिकली कंसीडर कर रहे हैं तो उस केस में आपको ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू मिलती है इसलिए हम इसे हाइयर कलोरफिक वैल्यू भी बोलते हैं इसमें इससे ज्यादा आपको रिलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है उसके बाद में हम लोग एक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, हैं विस्कोसिटी इंडेक्स विस्कोसिटी इंडेक्स विस्कोसिटी इंडेक्स सो विस्कोसिटी इंडेक्स बेसिकली क्या देता है विस्कोसिटी इंडेक्स मिनिमम होना चाहिए सर आपने आईपीसी के लेक्चर क्यों हटा दिए वेरी गुड सरम जैन वो आपको जो कैंप्यूटर अकेडमी का आई है आपको उस पर मिल जाएंगे है ना कुछ कंडीशन है उसकी वजह से बस सो विस्कोसिटी इंडेक्स देखिए विस्कोसिटी इंडेक्स जो है विस्कोसिटी इंडेक्स क्या है जीरो जीरो होता है किसके लिए नेपतेनिक के लिए नेपतेलिन जो है उसके अलावा विस्कोसिटी इंडेक्स जो है वो हंड्रेड होता है किसके लिए पेराफिनस के लिए पेराफिनिक के लिए तो मतलब लु, लु, मतलब कि लुब्रिकेटिंग टेंडेंसी देता है विस्कोसिटी पता है हमें लुब्रिकेटिंग टेंडेंसी देता है तो पेराफिन्स के लिए हंड्रेड विस्कोसिटी इंडेक्स और के लिए जीरो है देन इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आई थिंक हो गया है सो so अगर संयम जैन आप गेट 22 के लिए या 23 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो देन आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि केमकेट अकेडमी का एप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा है ना उसके बाद वहाँ पर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज मिल जाते हैं है ना इंडिविजुअल आप पूछ रहे हो है ना एंड प्रोसेस कंट्रोल प्रोसेस कंट्रोल का जो वहाँ पर है पर okay, है उसके बाद हम लोग बात करते हैं just point of petroleum fractions की देखिए जो कॉम्पोनेंट सबसे मतलब कि जो प्रोडक्ट लाइटर होता है जो हमको टॉप में मिलता है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पेट्रोलियम फ्रैक्शन तो सिंपल देखिए मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ, हम अगर इनको अरेंज करें तो लाइक एलपीजी एलपीजी के लिए सबसे लो होगा गेट ट्वेंटी वन के लिए तो गेट ट्वेंटी वन के लिए तो यार दो ही दिन बचे हैं है ना अभी उसमें आईपीसी के लेक्चर का क्या करोगे तुम एलपीजी एलपीजी के लिए सबसे कम रहेगा मिनिमम रहेगा बोलिंग पॉइंट देन उसके बाद में उससे ग्रेटर रहेगा किसके लिए पेट्रोल के लिए उससे ग्रेटर रहेगा डीजल के लिए देन उससे ग्रेटर रहेगा लाइक ए है ना गैस ऑयल के लिए देन उसके बाद में लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए तो ये आपका एक लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए आपका मैक्सिमम होता है बेसिकली बोलिंग पॉइंट जो होता है है ना तो ये सिंपल ऑर्डर आप याद रख सकते हो एजीओ यहाँ पर क्या एटमोस्फेरिक गैस ऑयल एटमोसफेरिक गैस ऑयल तो बात करते हैं पर क्रेकिंग की है ना क्रेकिंग की हम बात करते हैं कैसे बेसिकली प्रोडक्ट फाइनली मिलते हैं हमको तो सिंपल एक होता है एटमोस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट जिसे हम लोग एडियो बोलते हैं एटमोस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट है unit, ना एटमोस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट और उसके अलावा एक होता है वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट तो हम लोग सिंपल फ्रेक्शन की बात करें देखिए सिंपल अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक डिस्ट्लेन यूनिट की पहले बात करें तो यहां पर लाइक फलू गैसेस फ्यूल गैसेस हम नॉट फ्लू गैसेस फ्यूल गैसेस में बोल रहा हूँ फूल फ्यूल गैसेस होता है लाइटर लाइटर गैसेस ना तो लाइटर हाइड्रोकार्बन जो है बेसिकली लाइक फोर्टी डिग्री टेम्परेचर फोर्टी डिग्री से ग्रेटर देन पे तो इनका जो कार्बन कंटेंट है लाइक सी वन एंड सी टू मिथेन एंड प्रोपेन जो बेसिकली होगा है ना तो इनका यूज भी यहां पर लिख देते हैं इनका यूज बेसिकली हम करते हैं एज फ्यूल एज ए फ्यूल गैस जो हम जिसे बोलते हैं एज ए फ्यूल हम यूज करते हैं फ्यूल गैसेस को सीवन बहुत ज्यादा लाइटर हाइड्रोकार्बन जो होता है उसको हम लोग एज ए फ्यूल गैस यूज करते हैं देन उसके बाद में आता है एलपीजी एलपीजी में देखिए आपका जो कार्बन नंबर रहता है कार्बन कंटेंट वो सी थ्री से सी फोर रहता है सी थ्री से सी फोर मीन प्रोपेन एंड ब्यूटेन प्रोपेन एंड ब्यूटेन जो है वो आपका एज ए डोमेस्टिक फ्यूल हम यूज करते हैं है ना बिकॉज इसका एनर्जी ज्यादा देता है ये कैलोरीफिक वैल्यू तो हम इसका आगे बात करेंगे ऑर्डर ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू वो सब अभी जस्ट आप देख लीजिए कॉमन चीजें यहाँ पर फ्यूल गैस हो गया उसके बाद एलपीजी हो गया उसके बाद में स्टेटन गेसोलिक उसके बाद में होता है गेसोलिन स्टेट रन गेसोलिन जो होता है उसका बोलिंग पॉइंट की अगर रेंज की बात करें तो 20 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड और फाइनली कार्बन नंबर टू आपको मिलता है इसे हम लोग स्ट्रेट रन नेफ्ता बेसिकली बोलते हैं स्टेट रन नेफ्ता जो आपको एट्यू से मिलता है जिसे फाइनली क्या बनता है गेसोलिन बनता है गेसोलिन पेट्रोल ऑक्टेन नंबर वो सब मेजर मेंटेन करने के लिए हम लोग ऑक्टेन बूस्टर वो सब मिक्स करते हैं देन फाइनली देखिए नेफ्ता नेफ्ता जो है इसे हम लोग मीडियम एंड मतलब आपका लाइट मतलब कि ये क्या हो जो, जो हम लिखते हैं ना लाइट लाइट इसे बोलते हैं लाइट नेफता ना तो नेफ्ता बेसिकली अगर टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर 130 से 180 डिग्री और फाइनली अगर कार्बन नंबर तो सिक्स से सिक्स टेन होता है और फाइनली यूजिस मतलब हम इसको आगे डील करते हैं मतलब कैटली रिफॉर्मिंग में है ना उसके अलावा सिंथेसिस वर? गैस बनाने के लिए यह सब यूज बेसिकली नेफ्ता का होता है नेफता ए यहाँ पर लगा लीजिए देन उसके बाद में केरो आता है सिर्फ एडियो डिस्कस कर रहे हैं पहले देन उसके बाद में केरो केरोसिन जो होता है टेम्परेचर की बात करें तो 150 से 270 डिग्री कार्बन नंबर यहाँ पर C11 से C12 कुछ होता है तो केरोसिन जो है एज ए एवेशन टर्बाइन फ्यूल मतलब केरोसिन को जब हम लोग इंप्रूव करते हैं क्वालिटी तो हमको क्या मिलता है एवेसन टर्बाइन फ्यूल मिलता है और एज ए डोमेस्टिक फ्यूल भी हम केरोसिन को यूज करते हैं आफ्टर दैट केरोसिन की बात आता है लाइट गैस ऑयल एल जीओ तो एल जीओ बेसिकली हाई स्पीड डीजल है डीजल बनाने के लिए बेसिकली यूज होता है लाइट गैस ऑयल जो है वो अल्टीमेटली उसको आप डीजल ही बोल सकते हो उसके बाद एक हैवी गेस ऑयल होता है वो भी आपका डीजल ही होता है यहाँ पर बोलिंग रेंज अगर देखोगे तो देखिए 230 से 332 थर्टी टू यहाँ आपका लाइटर यहाँ पर एंड आता है उसके बाद यहां पर देखिए आता है 380 तक अरे जिस ठीक है बात करते हैं तो यहाँ पर अगर कार्बन नंबर की बात करें आपके लेक्चर बहुत अच्छे हैं अच्छे हैं सर कौन से सब्जेक्ट के लेक्चर अच्छे हैं सूर्य प्रकाश सी से सी सेवनटीन सी एटीन से सी ट्वेंटी ये सब कार्बन नंबर का रेंज हो गया तो यहां पर सिंपल यार एटमोस्फेर डिस्लेशन यूनिट एमरिक प्रेशर पे डील कर रहे हैं एडियो जिससे हम बोल रहे हैं एटमोफे डिस्लेशन यूनिट और वैक्यूम डिस्लेशन यूनिट हम लोग डील कर रहे हैं इसके साथ वैक्यूम वैक्यूम डिस्लेशन यूनिट जो है वो वैक्यूम में मतलब है ना लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेशर पे हम डील करते हैं उसके साथ नेगेटिव प्रेशर जिसे हम बोलते हैं वैक्यूम तो वैक्यूम पे बेसिकली होता क्या है कि लाइक अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर पे अगर आप और यहाँ पर टेपरेचर इंक्रीज करोगे क्रूड का तो वहां पर थर्मल क्रैकिंग हो जाएगा आपका क्रूड बेसिकली किसमें कोक में कन्वर्ट हो जाएगा अल्टीमेटली है क्या क्रूड कार्बन नहीं कार्बन कार्बन और हाइड्रोकार्बन ही तो है कार्बन एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन का मिक्सचर ही तो बेसिकली तो अगर वहां पर टेम्प्रेचर थ्री प्रेशर पे आप ज्यादा करोगे तो वो क्या है कंप्लीटली थर्मल क्रैकिंग वहां पर हो जाएगा लेकिन वैक्यूम यूनिट में क्या होता है हम प्रेशर डिक्रीज कर देते हैं तो प्रेशर डिक्रीज करने से बेसिकली हमें पता है क्या हो जाता है बोलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है बोलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है है ना तो बोलिंग पॉइंट बेसिकली इंक्रीज हो जाएगा सर आपके फ्लूड अच्छे अच्छे थे सर क्या लिख रहे हो ना थर्मल okay, क्रैकिंग नहीं होगा ना ठीक है जिस जिसवर्स रिलेशन रहता है प्रेशर का यहां पर आ, मैं टे, मैं दोनों चीज की बात कर रहा था ना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने पर बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज हो जाता है मतलब कि हाइयर टेम्परेचर वो बॉइलिंग होगा वहां पर तो एक्चुअली थर्मल सॉरी बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा ना टेम्परेचर मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं लाइक टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर हमने रिड्यूस कर दिया प्रेशर रिड्यूस कर दिया तो बोलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है बोलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है बेसिकली ओके okay? तो सिंपली मतलब हम क्या कर सकते हैं कि जो कॉम्पोनेट लाइक इससे मतलब कि लाइक थ्री एटी like टेमप्रचर होगा इससे ज्यादा हमको टेम्परेचर पर डील करना लाइक फोर फोर हंड्रेड फोर फिफ्टी तो वहां पर बेसिकली हम लोग और भी हाई मतलब हेवियर फ्रिक्शन जो कॉम्पोनेंट है लाइक like लाइट हम लोग वीडियो में क्या करते हैं वीडियो में बेसिकली वैक्यूम डिस्प्लेसिंग यूनिट जो रहता है वहां पर हम लोगों को लाइक लाइट गैस ऑयल मिल रहा है लाइट वैक्यूम गैस ऑयल लाइट वैक्यूम एल वी जी ओ इसे बोलते हैं उसके बाद एच वी जी ओ या फिर एम वी जी बोलते हैं एम वी जियो है नावी मीडियम वैक्यूम गैस ऑयल उसके बाद में हेवी हेवी वैक्यूम गैस ऑयल ये सब हमको मिलता है बेसिकली अगर इसका टेम्परेचर रेंज की बात करोगे तो थ्री ट्वेंटी से फोर ट्वेंटी फाइव और उसके अलावा फोर ट्वेंटी फाइव से फाइव फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड और उसके अलावा ग्रेटर देन फाइव सिक्सटी डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पर अगर कार्बन नंबर की बात करें तो सी एटीन से सी ट्वेंटी फाइव सी ट्वेंटी एट से सी थर्टी एट उसके बाद में ग्रेटर देन सी थर्टी एट यहाँ पर है ना तो अभी सिंपली देखिए जो लाइट वैक्यूम गैस ऑयल होता है हम उसको फीड मतलब कि एफसीसी का फीड होता है ये फ्लूड क्रैकिंग का उसके अलावा हैवी वैक्यूम गैस ऑयल जो है ये आपका फीड होता है किसका एफसीसी का ये भी मतलब एज ए फीड हम यूज करते हैं उसके अलावा ओके एम वीजीओ का और भी यूज होता है है ना इसमें आपका वैक्स वैक्सी कॉम्पोनेंट बेसिकली रहता है MV, में है ना इसको हम लोग हाइड्रो ये सब हाइड्रो के एफ सी डिपेंड करता है आपको डीजल प्रोडक्ट बनाना या फिर आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाना उस पर डिपेंड करता है तो उसके अकॉर्डिंग आप फीड बेसिकली यूज करते हो सेम अगर आपकी इंडस्ट्री में अगर लेक, लेक, मतलब लाइक मतलब कि डीजल आपको आप डीजल प्रिपेयर कर डीजल बनाना बेसिकली प्रिपेयर करते हो तो ये जो प्रोडक्ट है वैक्यूम डिस्लेशन यूनिट के इसको आप किस में सेंड करते हो हाइड्रोकेर यूनिट में है ना हाइड्रोकेर यूनिट में बेसिकली यूज कर इनको सेंड करते तो फाइनली आपको डीजल मिलता है मतलब हेवी कंपोनेंट मतलब कि जो अमाउंट ऑफ डीजल है वो आई मिलता है अगर आप इसको एफ में बेचते हो तो एफ में गैसोलिन में बेसिकली कन्वर्ट होता ज्यादा तो ये डिपेंड करता है और मेन है यहाँ पर एयर टेम्परेचर है इस अगर एटमोस्फेरिक डिस्लेशन पे डील करोगे इसके साथ यहाँ पर मतलब कि इस टेम्परेचर पे नॉर्मल एटमोस्फेरिक टेम्परेचर पे तो क्या हो जाएगा थर्मल क्रैकिंग हो जाएगा ओके okay, 12 ट्वेल्व पे स्टूडेंट धीरे धीरे सब जा रहे हैं ओके okay, काफ़ी टाइम हो गया एक्चुअली ठीक है जो स्टूडेंट मतलब अभी छोड़ रहे हैं लेक्चर वो कल कंटिन्यू कर ले बिकॉज आपको मतलब कि रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगा चैनल पर तो उससे ज़्यादा लाइक इससे ज्यादा अगर हम लोग बात करें लाइक मतलब कि फाइव फाइव हंड्रेड डिग्री फाइव सिक्सटी डिग्री से हाईयर टेम्परेचर पे अगर हम बात करें ग्रेटर देन ग्रेटर देन थर्टी एट डिग्री ये एम बी जी एच बी जी एक साथ लिख लीजिए आप ये जो मैंने लिखा है रेंज फाइव सिक्सटी और ग्रेटर देन थर्टी एट मतलब कार्बन नंबर ये आपका वैक्यूम रेजिडी हो जाता है वैक्यूम रेजिडी जो होता है इसको हम लोग बेसिकली क्या डील करते हैं या तो इसको हम लोग डी सी में भेज देते हैं कोक बनाने के लिए वहां पे मतलब डिलेड कोकर प्रोडक्ट हमको मिलते हैं फाइनली जो रिमेनिंग होता है वो मतलब वैक्यूम रेजिडी जो होता है बेसिकली वो फीड होता है किसका डीसी यूनिट का डिलेट कोकन यूनिट डिलेट कोकन यूनिट का है ना या फिर आप इससे मतलब बिटूमन uh, या ब्रेकिंग जिस भी यूनिट में आप यूज करना चाहो उसमें आप यूज कर सकते हो एज ए फीड मतलब जो वेक्युम, वेक्युम, वेक्युम जो वैक्यूम 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 होता है बेसिकली देखिए हम लोग यहाँ पर बात करें स्टेटन गैसोलिन जो क्या होता है बेसिकली अगर मैं बात करूं स्टेटर गैसोलिन जो डायरेक्टली हमको सीडियो में प्रोडक्ट मिलता है ना स्टेटन गैसोलिन इसका बेसिकली होता क्या है जो ऑक्टेन नंबर होता है ना वो बहुत कम रहता है इन द रेंज मतलब कि अगर रेंज की बात करें तो हम 46 टू 60 डिग्री की रेंज में रहता है 42 टू तो 60 डिग्री की रेंज में रहता है लेकिन हमारा डिजायर्ड ऑक्टेन नंबर कितना होता है जो आप पेट्रोल यूज करते हो उसमें ऑक्टेन नंबर जो रहता है वो 85 से 90 के बीच रहता है ना हाई ऑक्टेन नंबर बेसिकली 95 फाइव टू नाइन टू नाइन फाइव क्या वो रहता है बट जनरली एटी टू नाइन्टी की रेंज में आपका ऑक्टेन नंबर ऑक्टेन नंबर डिजायर्ड होता है ये डिजायर्ड है ना फोर बी मतलब इसके लिए डीजल के गैसोलीन के लिए यह डिजाइड आपका तो यहां पर देखिए हम लोग ऑक्टेन ऑक्टेन नंबर अपग्रेड कैसे कर सकते हैं स्टेटन गैसोलीन को हम लोग देखिए या तो क्रैकिंग की हेल्प से मतलब हम लोग अपग्रेड कैसे कर सकते हैं ऑक्टेन नंबर ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करने का देखिए मैकेनिज्म देखिए यहां पर या तो हम लोग क्रैकिंग की हेल्प से लाइक या तो हम लोग क्रैकिंग कर सकते हैं क्रैकिंग में आपको क्या होगा ऑक्टेन नंबर इंक्रीज होगा उसके बाद में या फिर आप रिफॉर्मिंग कर सकते हो है ना रिफॉर्मिंग उसके बाद में या आइसोमराइजेशन ये सब मेथड हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम आपको ये क्लियर हो जाएगी चीजें देखिए क्रैकिंग में बेसिकली क्या होता है क्रैकिंग में सिंपली जो हेवियर हाइड्रोकार्बन होते हैं क्रैकिंग की अगर मैं बात करू तो क्रैकिंग में क्या होता है हेवी जो जो हाइड्रोकार्बन 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 है वो एच सी में हाइड्रोकार्बन को डिनोट कर रहा हूं ये लाइटर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है लाइटर हाइड्रोकार्बन हेवियर हाइड्रोकार्बन जो है वो लाइटर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है देन देन इसके अलावा देखिए थर्मल क्रैकिंग में क्या होता है थर्मल क्रैकिंग की अगर हम बात करें सिंपली वैक्यूम गैस होल जो होता है उसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ थर्मल क्रैकिंग हाइर मोलिकुलर वेट टू लोअर मोलिकुलर वेट है ना यहाँ पर आपका हेवियर, हेवियर जो हाइड्रोकार्बन है वो लाइटर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो रहा है थर्मल क्रैकिंग और क्रैकिंग में डिफरेंस क्या है सिंपली थर्मल क्रैकिंग में हमको कैटलिस्ट यूज नहीं करते हैं थर्मल क्रैकिंग की अगर हम बात करें यहां पर क्रैकिंग में देखिए एक हो गया थर्मल क्रिकिंग हो गया कटलिटिक क्रैकिंग थर्मल क्रैकिंग में हम लोग कोई कैटलिस्ट यूज नहीं करते हैं मतलब विदाउट कैटलिस्ट कोई भी कैटलिस्ट यूज नहीं हो रहा है कोई कैटलिस्ट यूज नहीं कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पे हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे हम लोग बेसिकली थर्म, थर्मल क्रैकिंग करते हैं हम यहां पर बात करते हैं कैटलिटिक क्रैकिंग की है ना क्रैकिंग का दो टाइप हो गया एक हो गया थर्मल क्रैकिंग एक हो गया कैटलिटिक क्रैकिंग सॉरी <coughs> कैटलिटिक क्रैकिंग संतोष तो सिंपल देखिए हम लोग कैटलिटिक क्रैकिंग जो है इसमें क्या होता है मतलब uh, <coughs> इतना प्रेशर <coughs> मतलब टेम्परेचर uh, और प्रेशर जो है मतलब ड्रास्टिकली चेंज करते हैं बेसिकली ना तो अब इसमें कटलेटिक क्रैकिंग में देखिए क्या क्या होने वाला है? एक तो कैटलिस्ट हम यूज करेंगे उसके अलावा क्रैकिंग में होता क्या है लॉन्ग चेन जो पैराफिन है देखिए क्या क्या होगा लॉन्ग चेन पैराफिन है लॉन्ग चैन पेराफिन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं लॉन्ग चेन पेराफिन ओलिफिन में कन्वर्ट हो जाते हैं डबल बॉन्ड्स में और उसके अलावा स्ट्रेट रन स्ट्रेट रन जो बेसिकली चेन स्ट्रेट रन चेराफिन स्ट्रेट 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 चेन बेसिकली पेराफिन जो है वो किस Branch, में कन्वर्ट हो जाएंगे ब्रांच ब्रांच में कन्वर्ट हो रिं, जाएंग जाएंग जाएंगे ब्रांच पेराफिनस में एंड इसके अलावा यहां पर रिंग रिंग चैन पेराफिन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे एल्काइलिट एल्काइलेटेड एरोमेटिक्स में है हाँ ना एल्को एरोमेटिक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं रिंग चेन जो भी पैराफिन है वो आपके uh, Elk, मतलब कि एरोमेटिक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमें पता है कि एरोमेटिक्स का बेसिकली क्या होता है एरोमेटिक्स का uh, जो ऑक्टेन uh, मतलब कि ऑक्टेन नंबर जो हम डिफाइन करते हैं वो हाई रहता है तो सिंपली देखिए यहां पर मतलब विद द हेल्प ऑफ कैटेलिटिक क्रैकिंग हम क्या कर सकते हैं ऑक्टेन नंबर बूस्ट कर सकते हैं इंक्रीज कर सकते हैं और कैटेलिटिक क्रैकिंग के लिए देखिए आपको सिंपल कटलिस जो है याद रखना है जियोलाइट जियोलाइट जो है वो कैटलिस यूज करते हैं हम फॉर कैटेलिटिक क्रैकिंग जियोलाइट फेमस कैटलिस्ट है जो कि हम यूज करते हैं के, uh, के, मतलब कि की uh, क्रैकिंग के लिए अब मैंने ऑलरेडी बताया कि क्रैकिंग जो है क्रैकिंग जो है मैंने बताया कि क्रैकिंग जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन लेकिन मैंने इसमें आपको एक ए, एक, चीज ऐड किया कि जो रिएक्शन है बेसिकली वो क्या होनी चाहिए कि, मतलब कि uh, जो uh, क्रैकिंग जो है जेड एस एम फाइव वो एफ सी सी का कैटलिस्ट होता है गेट में जो पूछा गया था जेड एस एम फाइव बट हाँ जिंक बेस्ट कैटलिस्ट होता है जेड एस एम फाइव जो होता है है ना तो हम यहां पर बात कर रहे थे देखिए पेट्रोलियम इंडस्ट्री जिसमें मैंने आपको बताया कि क्रैकिंग जो है मतलब क्रैकिंग की एंडोथर्मिक मैं ऑलरेडी तो, uh, आपको बता चुका हूं अब नेक्स्ट देखिए मतलब अनडिजल कंडीशन तो क्या cracking के केस में अगर आपने टेम्परेचर ज्यादा रख दिया तो होगा क्या मतलब कि एक्सेस अगर क्रैकिंग हो गया मतलब है तो, तो आपको मतलब क्या करना होता है इसके लो बोलिंग ऑक्टेन जो है उसको भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं विद्पी क्रैकिंग कन्वर्ट कर सकते हैं बेसिकली अ, लो बोलिंग लो बोलिंग ऑक्टेन नंबर में तो देखिए अब आपको याद रखना यहां पर देखिए अगर हम लोग बात करें ऑपरेटिंग पैरामीटर्स की मतलब थर्मल क्रैकिंग देखिए कितने टेम्परेचर पर हम करते हैं ऑपरेटिंग कंडीशन की अगर हम बात करें तो हम कंपेयर कर रहे हैं थर्मल क्रैकिंग एंड कटेटिक क्रैकिंग को थर्मल क्रैकिंग थर्मल क्रैकिंग की अगर हम बात करें और यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं कैटलेटिक क्रैकिंग कैटेलेटिक क्रैकिंग तो देखिए कैटलेटिक क्रैकिंग जो है यहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस देखिए थर्मल क्रैकिंग ऑलमोस्ट सिक्स हंड्रेड डिग्री टेम्परेचर पर हो रहा है हाँ ये टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात कर रहा हूँ और देखिए थर्मल क्रैकिंग और कैटलेटिक क्रैकिंग में टेम्परेचर जो है ऑलमोस्ट फोर फिफ्टी रेंज फोर फिफ्टी डिग्री रेंज में होता है और थर्मल क्रैकिंग देखिए यहाँ पर प्रेशर भी हाई रहता है ऑलमोस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी एटमोस्फेयर और यहाँ पर देखिए कैटलेटिक क्रैकिंग में लो प्रेशर होता है पॉइंट तो सेवन टू एटमोस्फेयर तो ये एक डिफरेंस है यहाँ पर थर्मल क्रैकिंग हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे होता है कैटलेटिक क्रैकिंग जो है वो लो ट तेम्परे, लो टेम्परेचर नहीं बोल सकते मतलब जितना एक रिक्वायर्ड होता है पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए या ऑप्टिमम टेम्परेचर हम बोल सकते हैं तो फोर फिफ्टी टेम्परेचर पर हो रहा है ऑलमोस्ट उस रेंज में और उसके अलावा लो प्रेशर आप बोल सकते हो तो यहां पर जो कैटलिस्ट यूज करते हैं हम लोग क्रैकिंग के लिए वो कैटलिस्ट लाइक like मैंने जो जिंक बोला उसके अलावा लाइक हमारा जो कैटलिट होता है बेसिकली एसिड एसिड ट्रेटेड एसिड ट्रेटेड एसिड ट्रेटेड सिलिका सिलिका अलूमिया कैटलिस्ट हम यूज करते हैं आगे हम लोग देखिए वन बाई वन चीजें ये क्लियर कर देंगे लाइक पहले हम लोग पहले डिस्कस करते हैं थर्मल क्रैकिंग थर्मल क्रैकिंग हम बात करते हैं उसके बाद केटलीटर क्रिकिंग वापस स्टार्ट करेंगे सो टाइप्स ऑफ थर्मल क्रैकिंग देखिए थर्मल क्रैकिंग के टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं थर्मल क्रैकिंग इसमें मैं पहले आपको बता रहा हूँ विस ब्रेकिंग तो विस ब्रेकिंग में बेसिकली क्या होता है देखिए विस ब्रेकिंग जो प्रोसेस है वो लो टेम्परेचर लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर प्रोसेस है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर प्रोसेस है इसमें बेसिकली क्या होता है मतलब <coughs> विशाल गोस्वामी टैलेंटेड मैन लेक्चर देख रहे हो क्या विशाल विशाल इज वन ऑफ माई कलीग बेसिकली ओके सो विस ब्रेकिंग देखिए विस 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 ब्रेकिंग ब्रेकिंग जो है वो उसमें सिंपली क्या होता है सा, मतलब साइड साइड चेन लाइक एरोमेटिक कंपाउंड जो है ना साइड चेन एरोमेटिक कंपाउंड्स उसको हम किसमें कन्वर्ट करते हैं शॉर्ट चेन एरोमेटिक कंपाउंड्स में ओके okay, यहाँ पर हम साइड चेन एरोमेटिक कंपोनेंट जो है उसको हम किसमें कन्वर्ट करते हैं शॉर्ट चेन एरोमेटिक्स में शॉर्ट चेन एरोमेटिक्स में हम कन्वर्ट करते हैं है ना शॉर्ट चेन एरोमेटिक एरोमेटिक्स और

ब्रेकिंग होता है एक आपका सॉकर विस ब्रेकिंग होता है ना इतना डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है सिंपल कॉल विस ब्रेकिंग और सॉकर विस ब्रेकिंग में मतलब कि कुछ रेजिडेंस टाइम बेसिकली प्रोवाइड करते हैं ना रेजिडेंस टाइम भी प्रोवाइड करते हैं तो विस ब्रेकिंग हो गया और यहां पर देखिए मैंने विस ब्रेकिंग में आई थिंक uh, सारी चीजें कंप्लीट नहीं की किए टी के से? नहीं 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 ऐसा नहीं गेट की बात नहीं है नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गेट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गेट यार इंडस्ट्रियल कलिंग में बोल रहा हूं ठीक है तो देखिए मतलब थर्मल क्रैकिंग में एक चीज मैंने आपको बताया केस के के में और यहां पर हम लोग टेम्परेचर मेंंडो हंड्रेड फिफ्टी टू फोर फोर हंड्रेड फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड के केस से में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है सिंपल आपके जो साइड चेन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो यहाँ पर एरोमेटिक मतलब में कन्वर्ट हो जाते हैं उसके अलावा देखिए नेक्स्ट यहां पर लिख रहा हूं सेकंड जो टाइप वो कोकिंग यहाँ पर देखिए इसमें बेसिकली क्या होता है कोकिंग के केस में क्या होता है सिंपली मैंने बोला ना लाइक जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था एक होता है डिलेट कोकिंग एक होता है फ्लूड को, आ, फ्लूड कोकिंग ना कोकिंग के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक होता है डिलेट कोकिंग और एक होता है यहां पर फ्लूड कोकिंग फ्लूडाइज कोकिंग और ये आपका हो गया एक हो गया सिंपल डिलेट कॉकिंग इसमें आपको देखिए के केस में मतलब सिंपल हर जगह में क्रैकिंग ही कर रहे हैं लेकिन ये थर्मल क्रैकिंग है इसके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप है लाइक ये जो प्रोसेस है कॉकंग वाला ये आपका uh, पहला हमने देखा विस ब्रेकिंग विस ब्रेकिंग में हमने देखा कि हाई टेम्परेचर है एंड लो प्रेशर है हाई सॉरी लो एंड हाई प्रेशर है ब्रेकिंग लो रेजिडेंस टाइम एंड हाई रिफ्लेक्स रेस और शोक्रेकिंग हाई रेजिडेंस टाइम एंड लो रिफ्लेक्स हाँ मैंने रेजिडेंस टाइम बोला कि उसमें हम लोग रेजिडेंस टाइम हाई रखते हैं सोकर के केस में जो बेसिकली uh, मतलब कि रेजिडेंस टाइम है वो हम हाई रखते हैं। तो विस ब्रेकिंग देखिए सिंपली विस ब्रेकिंग में क्या हो रहा है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर प्रोसेस है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर प्रोसेस है सिंपली अब यहां पर देखिए सेकंड जो प्रोसेस है वो भी आपका लो टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर तो वीडियो अपलोड रहेगी आर्यन एक्सैक्टली मेरे सारे वीडियो आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा केमेट अकेडमी का जो चैनल है यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा क्यूक रीजन वीडियो उसमें आपको मिल जाएगा सारे सब्जेक्ट के लास्ट सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं तो लो टेम्परेचर एंड हाई लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर सेम प्रोसेस है यहां पर आपका जो टेम्परेचर है वो रहता है इन द रेंज ऑफ फोर टू फाइव डिग्री सेंटीग्रेड और प्रोडक्ट पर बेसिकली जो मिलता है हमको हम, हमको हाई वोलेटाइल प्रोडक्ट बेसिकली पर मिलता है विद द हेल्प ऑफ द कोकिंग अब ये डिफरेंट डिफरेंट आपका एक डिलेड कोकिंग हो जाता है एक कोकिंग हो जाता है मतलब थर्मल कोकिंग का ही टाइप है ये कोई कैटलिस्ट इसमें हम यूज नहीं कर रहे हैं थर्ड देखिए रिफॉर्मिंग अब रिफॉर्मिंग में क्या हो रहा है थर्मल रिफॉर्मिंग रिफॉर्मिंग आपका कैटलेटिक भी होता है यहां पर मैं इसलिए लिख देता हूं थर्मल ये थर्मल रिफॉर्मिंग की बात कर रहे हैं मतलब एरोमेटिक एर, ओके एरोमेटाइजेशन मतलब कि एरोमेटिक कंपोनेंट बनने वाले इंक्रीज करने का बेस्ट वे है, है ना इंक्रीज करने का बेस्ट वे रहता है, ये. इसमें क्या होता है जो नेफ्ता होता है ना या तो नेफता या फिर जो है ना, को आप कन्वर्ट कर सकते हो कि इसमें एरोमेटिक कॉम्पोनेट में ब्रेकिंग फॉर मोर मेडल रेजिटेंस इल ओके बाद यहां पर हम लोग सिंपल देख रहे हैं एरोमेटिक एरोमेटिक्स मैं इसको कन्वर्ट करते हैं नेफ्ता को एरोमेटिक्स में कन्वर्ट करते हैं विद दी हेल्प ऑफ थर्मल रिफॉर्मिंग तो टेपरेचर अगेन टेम्परेचर हाई रहेगा यहाँ पर फाइव थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड और अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर भी हाई रहता है बट तो हाँ तो यहां पर देखिए कंपेयर टू तो पहले जो मतलब कोकिंग और विस््रेकिंग से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर लो, लो मतलब कि लो रहेगा प्रेशर लाइक रे, रेंज की अगर बात करें तो फिफ्टी टू सेवेंटी मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं यहां पर फिफ्टी टू सेवेंटी प्रेशर रहता है मतलब एटमोस्फियर तो सिंपल नेफता जो है वो एरोमेटिक में कन्वर्ट करके हम लोग मतलब थर्मल रिफॉर्मिंग की हेल्प से क्या कर सकते हैं एरोमेटिक कॉम्पोनेट इंक्रीज कर सकते हैं एरोमेटिक कॉम्पोन मतलब कि इंक्रीज करें तो अल्टीमेटली होगा क्या अल्टीमेटली इज नॉट यूज नाउ वी ओके थर्मल क्रैकिंग इज नॉट यूज नाउ या यूज करते हैं बट uh, हम लोग uh, मैं तो बता रहा पर ना टाइप ऑफ थर्मल क्रैकिंग है तो थर्मल क्रैकिंग की हम बात तो तो उसमें तो आ रहा है तो मैं बता दिया ना सो सिंपल देखिए एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा तो अल्टीमेटली ऑक्टेन नंबर इंक्रीज हो जाएगा अल्टीमेटली जो होगा वो क्या होगा ऑक्टेन नंबर इंक्रीज होगा लेकिन यहां पर देखिए थर्मल रिफॉर्मिंग के केस में एज अ बाई प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है हाइड्रोजन मिलता है ये चीज ध्यान रखिए बाई प्रोडक्ट जो है यहां पर बाय प्रोडक्ट क्या है थर्मल रिफॉर्मिंग का वो है हाइड्रोजन और ओके okay, देन इसके बाद में जब हमले कैटेलेटिक रिफॉर्मिंग की जब यूज करेंगे ओके लाइक केटेलेटिक रिफॉर्मिंग की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं मैं सेम मतलब थर्मल रिफॉर्मिंग की जगह कैटेटिक रिफॉर्मिंग की बात करूं तो कटेलेटिक रिफॉर्मिंग मतलब परफेक्ट uh, वे हो रहा है जिसमें एरोमेटाइजेशन बोलते हैं उसमें सेम नेफ्थलीन पेराफीन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं एरोमेटिक में कन्वर्ट करते हैं और वहां पर जो कैटलिस हम यूज करते हैं वो रहता है निकिल निकिल बेस्ड कैटलिस रहता है यहां पर साथ में हम लोग थर्मल मतलब कि रिफॉर्मिंग को डिस्कस कर लेते हैं मैं हम लोग डिस्कस तो कर रहे थे बेसिकली थर्मल क्रैकिंग लेकिन यहाँ पर रिफॉर्मिंग कटलेटिक रिफॉर्मिंग डिस्कस कर लेते हैं तो कैटलेटिक रिफॉर्मिंग जो बेसिकली है उसमें क्या होता है कि सेम ये जो नेफ्ता है नेफ्ता है उसको हम लोग एरोमेटिक में कन्वर्ट कर रहे हैं एर, एरोमेटिक्स और सिंपली यहां पर आपको कैटलिस याद रखना है केटलिस जो रहता है वो रहता है निकल निकल पर कैटलिस्ट रहता है थर्मल के लिए ये थर्म नॉट थर्मल कैटलिटिक रिफॉर्मिंग के लिए और ये बेसिकली बेस्ट वे है यहां पर मैंने थर्मल रिफॉर्मिंग के लिए गलत बोल दिया था है ना उसमें भी बेसिकली यही होता है रिफॉर्मिंग में थर्मल रिफॉर्मिंग में, में लेकिन वहां पर लाइक एक कंट्रोल रेट में रहता है ये आपका बेस्ट है नेफ्ता और जो पैराफिनिक है उसको कन्वर्ट करने के लिए यहां पर एरोमेटिक्स में आ, विद द हेल्प ऑफ बेसिकली निकिल उसके बाद कन्वर्ट मतलब, कर रहे हैं तो ये बोल सकते हो अल्टीमेटली हम लोग ऑक्टेन नंबर जो है वो बूस्ट कर सकते हैं ऑक्टेन नंबर इंक्रीज हो जाएगा हमारा फ्यूल होगा उसमें सो so, मेनली हम लोग थर्मलटिक रिफॉर्मिंग मोलियम का भी यूज करते हैं लाइक like हमें अगर गैसोलीन प्रोडक्ट इंक्रीज करना हो बिकॉज देखिए यहां पर पेराफिनिक और नेफ्ता जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है एरोमेटिक कॉम्पोनेट में तो ये हमारा मतलब गैसोलीन में हेल्प करेगा सो इसके बाद लास्ट अगर मतलब ये हम लोग जो थर्मल रिफोरिंग पढ़ रहे थे उसी का टाइप हम डिस्कस कर लेते हैं थर्मल थर्मल क्रैकिंग का जो लास्ट टाइप रहता है थर्मल क्रैकिंग का वो रहता है पायरोलाइसिस पायरोलाइसिस तो पायरोलाइसिस में आपको देखिए याद रखना है कि अगेन पायरोलाइसिस जो है वो हाई टेम्परेचर फिनोमिना है हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर तो अभी तक देखिए हम लोग देख रहे थे जो थर्मल क्रैकिंग है वहां पर मतलब कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर था उसके बाद में हाई हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर लेकिन यहां पर क्या हो रहा है अभी हाई टेम्परेचर हो गया और प्रेशर जो है वो लो हो गया थर्मल क्रकिंग इज नॉट यूज ना ये तो ऑलरेडी रीड कर लिया हमने तो सिंपल देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं फॉर पायरोलाइसिस py क्या होता है कि जो नेफ्ता है बेसिकली लाइट नेपतास लाइट नेपतास या गैस ऑयल की अगर हम बात करें तो नेपता को हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं अगेन एरोमेटिक कंपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं विद विद्यूल थर्मल क्रैकिंग है ना तो साइड में यहाँ पर देखिए पायरोलाइसिस का बाय प्रोडक्ट आपको याद रखना है ओलिफिन बनता है ना ओलिफिन यहां पर बनता है पायरो के केस में ओलिफिन बनता है तो जो लाइट नेपता है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड में जो कि प्रोडक्ट है हमारा सिंपल और उसके अलावा हमको यहाँ पर मिल जाता है ऑलिफिन एज ए बाई प्रोडक्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर प्रेशर है टेम्परेचर की तो मैंने लाइट हाई टेम्परेचर बताया तो हाई टेम्परेचर जो है ऑलमोस्ट सेवन हंड्रेड डिग्री रेंज में होता है और लो प्रेशर ऑलमोस्ट वन एटमोस्फेर पर पायरोलाइसिस का रिएक्शन होता है तो यहाँ पर, पर याद रखना आपको कि लाइट नेपता को एरोमेटिक में कन्वर्ट करते हैं और अल्टीमेटली ऑलिफिन भी यहां पर एज अ बाई प्रोडक्ट बनता है तो सिंपल है कि क्रैकिंग अगर हो रहा है तो डेफिनेटली ऑक्टेन नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा ऑक्टेन नंबर इंक्रीज हो रहा होगा अगर क्रैकिंग हो रही है तो डजन मैटर की वो थर्मल क्रैकिंग हो रही है या फिर कैटेडिक क्रैकिंग हो रही है

हम लोग अगर केटलिस uh, मतलब कि यहाँ पर बात करें करेंटलिटिक टेम्परेचर uh, 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 की रीजनरेटर में रीजनरेटर 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 है ना बेसिकली यहाँ पर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट uh, मतलब कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है लेकिन uh, लेकिन होता क्या है मैंने बात किया ना क्रैकिंग ऑलवेज एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है बट एफ के केस के के में क्या होता है जब केटलिस रीजनरेशन होता है ना तो वहाँ पर हम लोग जो केटलिस रीजनरेशन है वहां पर हम लोग हीट सप्लाई करते हैं ना कंबशन के लिए तो सिंपली वहां पर आपका हीट रिलीज होता है एंडोथर्मिक है ना वहां पर हीट रिलीज होता है तो ऑलमोस्ट टेमपेचर जो है वो 700 हंड्रेड टू फाइव डिग्री टेमरेचर पे आपका जो कैटलिस्ट है रीजनरेट होकर वो वापस आता है रिएक्टर में तो जितना हीट रिएक्टर को रिएक्टर को बेसिकली चाहिए होता है फॉर फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन वो मतलब कैटलिस्ट से मिल जाता है वो हमको कैटलिस्ट से मिल जाता है इसलिए मतलब फ्लूडाइज कैटलिटिक्रैकिंग जो है वहां पर हमको एडिशनली मतलब हीट हीट सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वो रीजनरेशन रीजनरेशन मतलब कैटलिस्ट जो है वो आपका uh, मतलब की एंडोथर्मिकोथर्मिक रिएक्शन होता है तो उसी हीट को हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं ओके okay. तो रि, रिफॉर्मिंग में ये तो सिंपल है हम लोग यहां पर क्या करेंगे ऑक्टेन नंबर एरोमेटिक कंपाउंड बनने वाला है ऑक्टेन नंबर जो इंक्रीज होगा तो एफसीसी की अगर हम बात करें सिंपली आपको याद रखना गाइस एफसीसी में पूछा जाता है एफसीसी की हम बात कैटेलिटिक फ्लूडाइज कैटेलिटिक क्रैकिंग तो यहां पर देखिए सिंपल एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है किसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है इन रिएक्टर इन रिएक्टर जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है इन रिएक्टर जो क्रैकिंग रिएक्शन है वो तो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है लेकिन यहां पर जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो कहां पर होती है जो रीजनरेशन कैटेलिटिक रीजनरेशन जो है रिएक्टर हाँ एक्जेक्टली रिएक्टर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है किसमें रिएक्टर में और एंडोथर्मिक uh, और एक्जोथर्मिक किसमें रीजनरेशन में रीजनरेटर में कैटेलिस्ट रीजनरेशन में जो है वो होता है एक्जोथर्मिक uh, रिएक्शन और यहाँ पर हम अगर क्रैकिंग के लिए बात करें केटलिस की तो कैटलिस के लिए कैटलिस क्या होता है यहाँ पर जो हम लोग बोल रहे थे जेडएसएम जेडएसएम मतलब जिंक जियोलाइट है ना जियोलाइट जेड एस एम फाइव नोट जीक जियोलाइट जी होता है या तो आप जियोलाइट बोलते हो और एक्जैक्टली इसमें जो यूज होता है वो होता है जेड एस फाइव जेड फाइव जो है वो एफ का केटलिस होता है और ये केटलिस बेसिकली क्या हेल्प करता है मतलब कि ऑक्टेन नंबर इंप्रूव करता है है ना तो ऑक्टेन नंबर इंप्रूव करने की काम आता है नउ सेकंड देखिए अभी ये हो गया कैटरेटिक क्रैकिंग उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्रैकिंग उसके बाद में हाइड्रोकेकिंग की के हम बात करते हैं मैंने आपको एक एक रीजन बताया था जस्ट पेट्रोलियम जब स्टार्ट किया था पेट्रोलियम हमने स्टार्ट किया था ओके पेट्रोलियम प्रॉपर्टीज से पहले स्टार्ट किया काफी सेक्शन डिस्कस कर लिया हमने इस सेक्शन में ट्वेल्व थर्टी नाइन सो मैंने आपको बताया था कि कैटलिटिक क्रैकिंग एक्सो एंडोथर्मिक है बट हाइड्रोकेकिंग बट हाइड्रोकेकिंग जो है वो क्या है एंडोथर्मिक रिएक्शन है जियोलाइट कैटलिस्ट यस एग्जैक्टली विसा अरे विशाल यार कब तक देखोगे बस करो भी है ना तो सिंपल मैं यहां पर लिख रहा हूं रिएक्शन so, में बेसिकली क्या होता है ये इन परजेंस ऑफ हाइड्रोजन होता है इन परजेंस ऑफ हाइड्रोकेकिंग जो है वो इन परजेंस ऑफ हाइड्रोजन होता है इन ऑफ हाइड्रोजन लॉन्ग चेन इंप्रूव या एक्टली इंप्रूव ऑक्टे नंबर इंप्रूव होगा तो सिंपली अगर हम लोग हाइड्रोकेकिंग की बात करें है ना हम लोग क्रैकिंग की बात करें तो इसमें बेसिकली जो क्रैकिंग का बेसिकली क्या होता है इनपर्जेंस ऑफ हाइड्रोजन इनपर्जेंस ऑफ हाइड्रोजन होता है तो अगर हम केटलिस्ट की बात करें इन केस ऑफ द इन केस ऑफ द हाइड्रोकेकिंग क्या होता है हमारा अगर हम वेपर फेस में बात करें तो वेपर फेस में हमारा केटलिस्ट हो जाता है टंगस्टन टंगस्टन सल्फाइड और उसके अलावा और उसके अलावा अगर लिक्विड फेस में बात करें तो आयरन केटलिस्ट होता है लिक्विड फेस के केस में जो कैटलिस्ट है वो रहता है फाइव ऑवर्स okay, का सो so, इसके बाद मैंने अगर मैं बात यहाँ पर रिएक्शन कंडीशन की तो हाइड्रो मतलब कि जो हाइडोकेकिंग रिएक्शन देखिए टेम्परेचर जो है वो हमको फोर हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड डिग्री रेंज में चाहिए होता है और अगर हम प्रेशर की बात करें तो सेवनटी टू सेवेंटी सेवेंटी टू सेवन हंड्रेड के पर सेंटीमीटर स्क्वेयर चाहिए होता है तो सिंपली देखिए ओके यहाँ पर uh, मतलब कि हाइड्रो हाइड्रो हाइड्रोकेकिंग जो प्रोसेस है हाइड्रो हाइड्रोकेकिंग प्रोसेस वहाँ पर uh, यह मतलब मैंने uh, केटलीस आपको बता दिया उसके बाद में अगर मोलिक्यूल की बात करें तो मोल्यूल मोलिक्यूल ऑलरेडी आई थिंक संतोष बता रहा है वो आई थिंक पहले वाले प्रोसेस के लिए बताया तो इसमें सिंपली हमको लो मोलिकुलर वेट प्रोडक्ट मिलता है लो मोलिकुलर वेट प्रोडक्ट मिलता है जिनका बेसिकली ऑक्टेन नंबर क्रैकिंग हो रहा है तो ऑक्टेन नंबर डेफिनेटली इंक्रीज होगा अब देखिए हाइड्रोके में बेसिकली क्या होता है हाइड्रोजन की परजेंस में होता है तो यहां पर जो इंप्योरिटीज है लाइक सल्फर नाइट्रोजन सल्फर नाइट्रोजन ऑक्सीजन है ना और सेचुरटेड ऑलिफिन ये सब भी बेसिकली हम लोग रिमूव कर सकते हैं कंप्लीटली हम लोग रिमूव कर देते हैं मतलब की इंप्योरिटीज जो है सल्फर नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड द सेचुरेटेड सेचुरेटेड ऑलिफिन ये सब भी हम लोग यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं हाइड्रोकेकिंग की हेल्प से Now, उसके बाद में नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट ये हो गया हाइड्रोके उसके बाद में हाइड्रोजनेशन की बात करते हैं तो हाइड्रोजनेशन में भी सेम ये जो इंप्योरिटी की हम बात कर रहे हैं कि इंप्योरिटीज को रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजनेशन में बेसिकली क्या होता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो वहां पर भी हम हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हैं ट्रीट विद हाइड्रोजन है ना हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हैं तो सिंपल उसमें कटलिस का रहता है हमारा देखिए हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए आपको कैटलीस याद रखना निकल मतलब देखिए निकल यूज कर सकते हो प्लेडियम आप यूज कर सकते हो उसके बाद में प्लेटिनम आप यूज कर सकते हो लेकिन बेस्ट अगर आपको पूछा जाए तो निकिल जो है वो बेस्ट रहेगा बेस्ट कैटलिस्ट आउट ऑफ आउट ऑफ थ्री अगर हम बात करें निकिल प्लेटिनियम और प्लेटिनियम में अगर हम कंपेयर करें तो जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है वो बेस्ट है मतलब कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में जो कैटलिस्ट है वो निकिल जो है वो बेस्ट है थर्मल क्रैकिंग में बेसिकली हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो पैराफिन है मतलब लॉन्ग चेन पैराफिन चेन पैराफिन और रिंग चेन पैराफिन तो वो सबका ही बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्रैकिंग कर रहे हैं मतलब हम बोल सकते हैं हेवी हाइड्रोकार्बन का बेसिकली क्रैकिंग करते हैं हेवी हाइड्रोकार्बन का क्रैकिंग करते हैं तो सिंपली यहां पर आपको क्या मिलता है देखिए यहाँ पर ओके okay, एक तो रिएक्शन की अगर हम बात करें हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी है ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहां पर रहेगी और यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि सल्फर लाइक like, अगर आपके फीड में जो सल्फर पर्जेंट है वो सल्फर बेसिकली क्या होता है केटलिस के लिए पॉइजन का काम करता है ये चीज ध्यान रखिए सल्फर जो ऑलवेज केटलिस के लिए एज ए पॉइजन का वर्क करता है जो uh, जो सल्फर होता है बेसिकली बिकॉज uh, वो केटलिस के क्या होता है पोर में जाके फिक्स हो जाता है ना वहां पर तो एक्टिव साइट जो है उसको रिड्यूस कर देता है केटलिस में जो एक्टिव साइट रहती है उस uh, जो एरिया होता है बेसिकली उसको रिड्यूस कर देता है ना तो यहाँ पर हम लोग uh, मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उनको रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजनेशन देन उसके बाद में देखिए जो है बेसिकली मतलब आप लोग कैटलिस्ट हम लोग रिप्लेस कर तो उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस चेंज हो जाता है हाइड्रोजनेशन था अब यहां पर देखिए हाइड्रोट्रीटिंग हाइड्रोट्रीटिंग की अगर हम बात करें तो हाइड्रोट्रीटिंग में क्या हो रहा है कैटलिस्ट हमारा क्या रहता है मतलब हाइड्रो हाइड्रोट्रीटिंग में कैटलिस्ट जो हाइड्रोजन जो है वो कंज्यूम होता है हाइड्रोजन जो है वो कंज्यूम होता है हाइड्रोजन जो है कंज्यूम होता है तो सिंपली यहां पर देखिए कैटलिस्ट क्या रहता है कैटलिस्ट जो बेसिकली है वो रहता पर

ना उसके बाद में लाइक ट्रेस मेटल्स है तो ये सब इंप्योरिटीज हम लोग रिमूव कर सकते हैं हेल्प ऑफ हाइड्रोट्रेटिंग अब हम लोग बात करते है, हैं जस्ट यहां पर शोर्ट और हमने डिस्कस कर लिया ना अब मैं लिख रहा हूँ टाइप्स ऑफ केटलिस्ट टाइप ऑफ केटलिस्ट रिफॉर्मिंग यूनिट टाइप ऑफ केटलिस्ट रिफॉर्मिंग यूनिट तो सिंपली हम लोग रिफॉर्मिंग यूनिट में क्या करते हैं रिफॉर्मिंग यूनिट मेंफ्ता जो है उसको हम लोग लाइक गेसोलिन में लाइक रिप्लेस कर रहे हैं ना मतलब कन्वर्ट uh, कर रहे हैं तो सिंपली हम बोल सकते हैं रिफोर्मिंग में क्या हो रहा है ऑक्टेन नंबर अगेन आपका इंक्रीज हो रहा है नेफाता जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है गेसोलिन में इंक्रीज हो रहा है हाँ ये स्कोबल मोटिबिलेशन और यहाँ पर देखिए नेफ्ता जो है किस में कन्वर्ट होता है गेसोलिन में कन्वर्ट होता है मतलब हम बोल सकते हैं हाई ऑक्टेन नंबर गेसोलिन का जो है ऑक्टेन नंबर हाई होगा हाई ऑक्टेन नंबर तो नेता को हम गैसोलिन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो फिक्स देखिए पहला जो टाइप है रिफॉर्मिंग का वो होता है फिक्स बेड मतलब आपका जो बेड का टाइप है वो अगर फिक्स बेड है

Nep, nep, मतलब कि नेप्तिन nep, जो है बेसिकली उनका डिहाइड्रोजेशन dehydrogen, मतलब डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है ना तो नेप्फ्न जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है एरोमेटिक्स में नेप्तन जो है बेसिकली वो किसमें कन्वर्ट होता है एरोमेटिक में मतलब ऑक्टेन नंबर देखिए गेसोलिन रहा है उसके अलावा हाई ऑक्टेन नंबर मतलब कि एरोमेटिक कॉम्पोनेट जो है वो इंप्रूव होता है रिफॉर्मिंग रिफॉर्मिंग में सिंपली क्या होता है अरेंज मतलब कि मॉलिक्यूल्स का जो है अरेंजमेंट मतलब, रिफॉर्मिंग में बता रहा था रिफॉर्मिंग में सिंपली क्या होता है मॉलिक्यूल्स जो है मतलब मॉलिक्यूल्स का मतलब अरेंजमेंट चेंज होता है ना वहां पर मतलब मोलिक्यूल्स uh, जो है वहां पर सिर्फ उनका रीअरेंजमेंट re हो रहा है लाइक क्रैकिंग नहीं हो रहा है लाइक रिफॉर्म uh, मतलब uh, reforming, मतलब कि रिफॉर्मिंग रिफॉर्मिंग जो है है वहां पर आपका रीअरेंजमेंट ऑफ होता विदाउट सच अफेक्ट द मतलब सॉरी क्रैकिंग मतलब कि ब्रेक होता है, है मोलिक्यूल्स मतलब, मतलब लेकिन उनका जो मोलिकुलर वेट है मोलिकुलर वेट चेंज नहीं होगा मोलिकुलर वेट जो है वो चेंज नहीं होगा जैसा आपका एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ फीड है वैसे ही आपका एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ प्रोडक्ट आपको मिलेगा तो सिंपली हम लोग रिफॉर्मिंग की हेल्प से क्या कर सकते हैं मतलब ने, जो उनको एरोमेटिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं उसके बाद देखिए पोलिमराइजेशन तो हमने देखा लाइक कब देखिए ओलिफिन के लिए मैं लिख रहा हूँ पोलिमराइजेशन जो है पोलिमराइजेशन तो पोलिमराइजेशन में क्या होता है ओलिफिन जैसे है ना ओलिफिन ओलिफिन को बेसिकली हम कन्वर्ट किस में कर सकते हैं गैसोलीन में ओलिफिन को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं गैसोलीन में मतलब पोलिमराइजेशन करके यहां पर हमको कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है

वो बेसिकली क्या क्या फॉर्म कर लेते हैं मतलब कि like, लाइक ऑलिफिन है पेराफिन है तो जो पेराफिन बेसिकली वो लार्ज वो लार्ज आइसो पेराफिन चेन बना लेते हैं लार्जर 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 चेन बेसिकली बना लेंगे है ना जिनका ऑक्टेन नंबर लाइक आइसो पेराफिन अगर लार्ज आइसो पेराफिन है तो वहां पर आपका हाई ऑक्टेन नंबर होगा हाई ऑक्टेन नंबर होगा उसके इसमें सिंपली देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें लाइक आइसोब्यूटेन आइसोब्यूटेन जो है उसका अगर एल्कैलेशन हम करें तो नॉर्मल ब्यूटेन के साथ वो रिएक्ट करके क्या बना लेगा

है आइसो पेराफिन में कन्वर्ट हो जाएगा का मतलब ये आपका स्ट्रक्चर चेंज होता है आइसो पेराफिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो सिंपल हम बोल सकते हैं लाइक यहां पर मतलब अगर मतलब कि हम लोग बात करें कैटलिस्ट की तो यहां पर अलूमिनियम क्लोराइड हम यूज करते हैं अलूमिनियम क्लोराइड यहां पर कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं या फिर अलूमिनियम ट्राईक्लोराइड हम यूज करते हैं कैटलिस्ट है, हम ये हमारा कैटलिस्ट हो गया ओके okay, उसके बाद में हम लोग मतलब कि प्रमोटर भी यूज करते हैं लाइक प्रमोटर के लिए हम बात करें तो एस सी एल मतलब प्रमोटर क्यों यूज किया जाता है कैटलिस्ट की स्पीड इंक्रीज करने के लिए एस सी एल जो है यहां पर एज ए प्रमोटर हम यूज करते हैं और उसके बाद एक नेक्स्ट टाइम देखिए गाइस हम लोग बात करें ऑर्डर ऑफ मतलब कि रिफॉर्मिंग रिफॉर्मिंग के लिए अगर आपको पूछा जाए ऑर्डर ऑफ फीड मतलब ऑर्डर ऑफ प्रिफरेंस ऑफ फीड ऑर्डर ऑफ प्रिफरेंस ऑफ फीड अगर पूछा जाए आपको तो सिंपल क्या होगा उस केस में मतलब फर्स्ट प्रिफरेंस मतलब ऑर्डर मतलब कि फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी वर्जिन नेफ्ता वर्जिन नेफ्ट का मतलब आपका जो अनयूज नेफता मतलब ना आपने उसको किसी के साथ ट्रीट नहीं किया है उसके अलावा एक होता कोकिंग नेफता ना आपको जो कोकिंग से बेसिकली नेफ्ट मिल रहा है वो आपका कोकिंग नेफ्ट होगा उसके अलावा एक होता है जो कैटेलिटिक कैटेलिटिक नेता मतलब कैटेटिक रिएक्शन की हेल्प से मिल रहा है तो ये बेसिकली होता है तो यहां पर मेरा मतलब रिफॉर्मिंग के केस में ऑर्डर बेटर होगा कोकिंग नेता उससे बेटर होगा वर्जिन नेता तो ये मेरा प्रायरिटी हो जाता है ये क्वेश्चन गेट में पूछा गया भी था ना तो सिंपली मतलब होता क्या है डिहाइड्रोजनेशन होता है नेप्थिन जो है रिफॉर्मिंग में है ना रीअरेंजमेंट ऑफ द मोलिक्यूल बेसिकली होता है मोलिकुलर वेट वहां पर चेंज नहीं होता है

रिमूवल ऑफ सल्फर एस टू एस मरकेप्टन है ना मरकेप्टन देन उसके बाद मतलब इंप्योरिटीज जो भी इंप्योरिटीज है उनको रिमूव करना तो इसके लिए देखिए टोटल फाइव प्रोसेस है पहला जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं डॉक्टर्स टेस्ट पहला जो प्रोसेस है वह डॉक्टर्स टेस्ट देखिए डॉक्टर्स टेस्ट. टेस्ट में क्या होता है मतलब हम लोग मार्केप्टन को रिमूव करते हैं बेसिकली ना इसमें सोडियम सोडियमए बेसिकली जो बेसिकली है उसको हम लोग लो एनओ एच की हेल्प से मार्केप्टन पे कन्वर्ट कर देते हैं आ, सो उसके बाद देखिए नेक्स्ट में लिख रहा हूं मतलब तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डॉक्टर्स मेथड नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मेथड है वो डायरेक्टली उसकी मैं बात करता है उसके बाद एक होता है कॉपर कॉपर क्लोराइड स्वीटनिंग प्रोसेस वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है देन थर्ड जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस उसके बात करते हैं देखिए इसमें बेसिकली क्या होता है सोल्यूटीजर जो प्रोसेस है मतलब इन, इसमें क्या हम यूज कर रहे हैं लाइक इसके दो पार्ट है लाइक एक आपका यूनिसोल प्रोसेस एक आपका यूनिसोल प्रोसेस उसके अलावा एक है मार्केप्सोल प्रोसेस तो सिंपली ये जो दोनों प्रोसेस है इसमें देखिए क्या हो रहा है यूनिसोल जो प्रोसेस है उसमें हम लोग डील मतलब हम लोग यूज करते हैं मतलब कि सोल्युटाइजर मतलब यूज कर, हम बेसिकली मिथेनल जो है वो एज एज्यू मतलब कि सोल्युटाइजर हम यूज करते हैं उसके अलावा यहां पर इसमें हम लोग मिथेनलॉ यूज करते हैं और इसमें हम लोग यूज़ करते हैं एसिड जो है सोल्यूटाइजर जो प्रोसेस है तो इसमें सिंपली मतलब एक्सट्रेक्शन प्रोसेस होता है ये जो प्रोसेस है इसमें मतलब कि हम लोग सोल्यूट यूज करते हैं प्रमोटिंग के लिए सोल्यूट जो यह लाइक यहां पर मैं बता रहा हूं सोल्यूटाइजर लाइकनोल हो गया एसिड हो गया तो तो उसके बाद में नेक्स्ट देखिए यहां पर हम लिखतेटिक में देखिए क्या हो रहा है टलिस डिसल्फराइजिंग में सिंपली क्या हो रहा है कैटलिस्ट हम यूज करते हैं बॉक्साइड बेसिकली कैटलिस्ट रहता है हमारा केटलिस डिसल्फ्यन में हमारा कैटलिस्ट जो है वो रहता है बॉक्साइड है ना मिक्सचर ऑफ द अल्यूमिनियम हाइड्रस अल्यूमिनियम ऑक्साइड बेसिकली इसे हम बोलते हैं बॉक्साइड ये हमारा कैटलिस्ट होता है कैटलिस्ट के लिए इंप्योरिटीज रिमूव करने के लिए लास्ट जो बेसिकली है वो है हाइड्रो हाइड्रो फिनिशिंग हाइड्रो फिनिशिंग में हमने देखा सिंपली क्या होता है शिंग प्रोसेस जो है वहां पर हम लोग हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हैं तो इंप्योरिटी जो है उनको हम लोग रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन उसके बाद में एक प्रोसेस होता है डी वैक्सिंग प्रोसेस देखिए डी वैक्सिंग प्रोसेस में क्या हो रहा है डीवैक्सिंग प्रोसेस हाँ मिथेनॉल बोला मैंने मिथेनॉल यूज करते हैं हम लोग यूनिसोल प्रोसेस में डॉक्टर लीड सोल्यूशन एक में ठीक रहे हो, देन, ओके, देन, इतना, मुझे लगता नहीं है कि इतना डिटेल में रिक्वायरमेंट है जो भी इंपॉर्टेंट है देखिए मैं बता देता हूँ आपको डीवैक्सिंग प्रोसेस जो है डीवैक्सिंग प्रोसेस

इसमें वैक्स प्रोडक्ट को हम डीवैक्सिंग प्रोसेस की हेल्प से सिंपली वैक्स प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं तो आपको इंपॉर्टेंट यहां पर रहता है सोल्वेंट जो सोलवेंट यूज करते हैं फॉर डीवैक्स तो सोलवेंट में आपको बताया तो देखिए एक सोलवेंट रहता है मिथाइल मिथाइल इथाइल कीटोन मिथाइल इथाइल कीटोन और एक यूज करते हैं हम लोग सेकेंड जो है सोल्वेंट यहां पर प्रोपेन ओके तो यहां पर मिथाइल इथाइल कीटोन जो है वो हम यूज करते हैं या फिर हम प्रोपेन यूज करते हैं तो इसमें मतलब जो वैक्सीन वेक्स, कॉम्पोनेंट जो रहता है फीड में है ना मोस्टली वो एमबीजियो रहता है वैक्यूम गैस ऑयल उसी में आपका वैक्स कॉम्पोनेट सबसे मैक्स होता है तो उसको हम लोग रिमूव करते हैं विद हेल्प ऑफ मतलब की डीवेक् प्रोसेस नाउ देखिए डी मतलब डी एस एस्फाल, मतलब एसफाल्टिंग कम्पोनेट जो उनको रिमूव करना तो डी एसफाल्टिंग डी एसफाल्टिंग डी एसफाल्टिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट डी एस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो डी एसफाल्टिंग में सिंपली हम क्या करते हैं मतलब लुब्रिकेटिंग uh, ऑयल के लिए बेसिकली रहता है ये मतलब प्रोसेस uh, में क्या करते हैं जो ऑक्साइड्स होते बेसिकली है ना उनको हम रिमूव करते हैं जो होता है उसको हम लोग रिमूव करते हैं लाइक वर्ड से ही पता चल रहा है तो यहाँ पर देखिए कैटलिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ओके okay, uh, 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 तो प्रोसेस होता है मतलब कि वहां पर

केरो के लिए मतलब केरोसिन जो होता है उसके लिए हम लोग डी एरोमेटाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज हमें पता है कि केरोसिन के केस में मतलब कि हमको क्लियर फ्लेम चाहिए तो वहां पर हमको एरो, एरोमेटिक कंपोनेंट को रिमूव करना होता है है ना एरोमेटिक कॉम्पोनेंट को बेसिकली हमको रिमूव करना होता है तो विद मतलब डी एरोमेटाइजेशन करते हैं हम लोग यहाँ पर नो या एग्जैक्टली मैंने बोला नो नो वी यूज दोल्वेंट ना इसलिए मैंने पूछा था उसके बाद मैंने रीजन दिया ना आपको कि कैटरीस अगर यूज करते हैं तो मोस्टली आपका कोक प्रोड्यूस होता है ना कोक प्रोड्यूस हो जाता है लेकिन हमको यहां पर इसकाल रिमूव करना होता है सो so, इसके बाद देखिए नेक्स्ट डी एरोमेटाइजेशन जो प्रोसेस है यहां पर हम लोग यूज करते हैं सोल्वेंट यहां पर हम लोग सोलवेंट क्या यूज करते हैं लिक्विड सल्फाइड ऑक्साइड लिक्विड लिक्विड सल्फा लिक्विड सल्फेट डी डाइ बेसिकली इस प्रोसेस को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं देखिए ओके ठीक है सोल्ड सौल, यहाँ पर हो, होता है सल्फर डाई ऑक्साइड और यहाँ पर अब मतलब वो इंपो, 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 डिपेंड करता है कि सोलवेंट की क्या प्रॉपर्टीज रहती है बेसिकली अब ये एरोन प्रोसेस होता है यहाँ पर हम लोग केरो केरो में मतलब जो एरोमेटिक कॉम्पोनेंट है उनको रिमूव करते हैं बिकॉज हमें पता है कि एरोटिक एरोमेटिक कॉम्पोनेंट जो है वो बेसिकली क्या करेगा स्मोक बेसिकली बनाएगा

लिक्विड बर्जियस प्रोसेस देखिए इसमें क्या होता है सिंपली आई थिंक दिस इज द सब्जेक्ट विच हैड टेकन लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम सर यह एग्जैक्टली एक्चुअली कंटेंट काफी है मतलब इसमें कंटेंट काफी है ना बर्जियस प्रोसेस जो है देखिए ये इसमें क्या होता है इसमें सिंपली मतलब हम लोग पाउडर कोक की हेल्प से बेसिकली हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं हेवी ऑयल है ना मतलब हम लोग यहाँ पर देखिए मतलब कि लिक्विड फ्यूल फ्रॉम कोल से बनाने की हम बात कर रहे हैं तो वर्जिस जो प्रोसेस है इसमें हम देखते हैं कि सिंपल पाउडर कोल से कोल से बेसिकली क्या प्रोड्यूस करते हैं है ना मतलब कि पाउडर कोल इज मेड इंटू ए पेस्ट विद हेवी ऑयल तो सिंपली यहाँ पर देखिए हमको रिक्वायरमेंट होती है लिक्विड फ्यूल की हम बात कर रहे हैं लिक्विड फ्यूल तो सिंपली यहाँ पर देखिए जो कैटलिस्ट हमको रिक्वायर्ड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कैटलिस्ट वो होता है टिन तो ये आपको याद रखना ये आपका कैटलिस्ट हो गया yes. तो यहां पर यस तो सिंपली देखिए बिकॉज यहां पर थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है तो जहां पर थ्योरेटिकल पार्ट आता है तो वहां पर डेफिनेटली हमको थोड़ा टाइम लगता है बाकी सब में तो मतलब फिक्स फॉर्मूला है फिक्स टॉपिक है लेकिन यहां पर मतलब कंप्लीट ही थोड़ी आप मतलब कुछ स्किप कर ही नहीं सकते ना आपको स्किप मतलब हर चीज को लेना ही पड़ेगा थोड़ा तो एक आइडिया उसका uh, मतलब डिस्कस करना ही पड़ेगा तो जो बर्ज जो प्रोसेस है बेसिकली उसमें कोल से मतलब लिक्विड फिल्म बनाते हैं और वहां पर हमें रिक्वायर्ड होता है टिन और अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो फोर टू फाइव डिग्री कोल इज द मोल्टेड विद हेवी ऑयल फॉर लिख मैं लिख रहा हूँ फोर टू फिफ्टी डिग्री टेम्परेचर और उसके अलावा प्रेशर की बात करें तो टू 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 फिफ्टी एटमोस्फेयर पर हमें रिक्वायर्ड होता है बेसिकली प्रेशर और देन इसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो है वो है फिशर ट्रॉप मेथड ये इंपॉर्टेंट होता है फिशर ट्रॉप प्रोसेस फिशर ट्रॉप प्रोसेस जो होता है उसमें मतलब हम लोग क्या करते हैं मतलब कोल जो है कोल आ, उस, आ, कोल को बेसिकली वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं वाटर बेसिकली आपका स्टीम फॉर्म में रहता है यहाँ पर तो 1200 डिग्री टेम्परेचर पे ये बेसिकली किस में कन्वर्ट होता है सीओ प्लस एस टू में और सीओ प्लस एस टू है इसे हम क्या बोलते है? वाटर हैं वाटर गैस इसे हम क्या बोलते हैं वाटर गैस यहां पर रेशो की अगर हम बात करें सीओ एस टू का जो रेशो है वो यहां पर वन वन रहता है यहाँ पर कैटलिस्ट की बात करें तो यहां पर कोबाल हमारे कैटलिस्ट रहता है कोबल या फिर आयरन ऑक्साइड कोबाल जो हमारे यहाँ पर प्रायरिटी कैटलिस्ट है और इसके बाद में देखिए सिम सेम जो हमको वाटर गैस मिलता है बेसिकली ओके वाटर गैस हमको मिलता है यहाँ पर CO प्लस सीओ एंड एस टू ये होता है वाटर गैस Now, अब यहां पर देखिए सीओ प्लस एच टू सीओ प्लस एस टू जो है वो आपका मतलब फेरिक मतलब आयरन ऑक्साइड जो है आयरन ऑक्साइड की सीओ टू प्लस एस टू में कन्वर्ट होता, होता है और ये जो सीओ टू प्लस एस टू वाटर वाटर गैस जो हमने लिखा वाटर गैस मतलब कि कोबाल्ट थोरियम कैटलिस्ट और आयरन ऑक्साइड या कोबाल्ट या फिर आयरन ऑक्साइड है ना आ, मैंने जस्ट आपको बोला कि यह पर आ, कोबाल्ट होता है उसके बाद में आयरन ऑक्साइड जस्ट आगे बता ही रहा हूं तो सेकेंड प्रोसेस में और ये हो गया था कि वाटर गैस देन इसके बाद में यहाँ पर वाटर गैस रिएक्ट करके क्या बनाता है सी ओ प्लस ऑफ सी ओ प्लस ऑफ टू एस टू बनाता है तो वाटर गैस जो है वो देखिए सी ओ प्लस एस टू है और यह जो सी ओ प्लस टू एस टू यह क्या है सिंथेसिस गैस है जो ऑलरेडी यहाँ पर संतोष ने मैंशन किया है है ना ये आपका क्या है सिंथेसिस गैस है ये सिंथेसिस गैस है इसका रेशो जो है वो टू हो जाएगा वन रेशो टू हो जाएगा ओके okay? उसके अलावा रिफॉर्मिंग जो बेसिकली एंडोथर्मिक रिएक्शन हम बोल सकते हैं रिफॉर्मिंग जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो ये ये होता है फिशर ट्रो प्रोसेस ये इंपॉर्टेंट है यहां से सिंथेसिस मतलब वाटर गैस क्या होता है इसका केटलिस क्या होता है ये काफी, काफी पूछा जाता है मतलब काफी पूछा जाता है ये।

कोई भी हाइड्रोकार्बन है तो वो बेसिकली किससे वाटर से रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ द निकल इन ऑफ़ निकल बेसिकली क्या कन्वर्ट कर रहे हैं रिफॉर्मिंग 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 की हम बात कर रहे हैं uh, है। okay, तो जो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक मैंने बोला भी रिफॉर्मिंग जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा सो so, यहां से मैं बोल सकता हूं देखिए कि हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन जो है वो मतलब कि रिएक्ट करेगा वाटर से निकल की में और क्या बनाएगा वो? CO of H2O, जिसे हम लोग वाटर गैस बोल रहे हैं है ना जिसे हम लोग बेसिकली क्या बोल रहे हैं वाटर गैस बोल रहे हैं सीओ प्लस ऑफ एस टू वाटर गैस बनाता है देन ये देखिए यहां पर हाइड्रोकार्बन जो है हमको रिमेनिंग हाइड्रोकार्बन यहां पर मिल जाता है और यहां पर कैटलिस्ट ऑलरेडी हमने बता दिया कि निकल जो है हमारा वो कैटलिस्ट है यहाँ पर देन सेकेंडरी क्या होता है देखिए सेकेंडरी प्रोसेस में हाइड्रोकार्बन जो है वो रिएक्ट किससे करता है एस टू प्लस एयर से और फाइनली वो क्या बनाता है सीओ प्लस ऑफ सीओ टू बनाता है प्लस ऑफ एस टू प्लस ऑफ एन टू रिफॉर्मिंग में बेसिकली बता रहा हूं कि जो रिमेनिंग हाइड्रोकार्बन होता है वो वो वाटर और एयर से रिएक्ट करके फाइनली क्या बना लेता है CO, ये सब बेसिकली स्टीम रिफॉर्मिंग में आता है ये सेकंड स्टेप होता है है ना सेकेंडरी प्रोसेस हो गया ये तो स्टीम रिफॉर्मिंग में स्टीम रिफॉर्मिंग बेसिकली हमारा ये बाई प्रोडक्ट होता है ये सब स्टीम स्टीम रिफॉर्मिंग स्टीम रिफॉर्मिंग की हम बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट यहां पर हम लोग शिफ्ट कन्वर्जन की बात करेंगे शिफ्ट कन्वर्जन देखिए शिफ्ट कन्वर्जन क्या है शिफ्ट कन्वर्जन में सिंपल क्या होता है शिफ्ट कन्वर्जन में कि CO ऑफ H2O जो है CO ऑफ H2O CO ऑफ H2O H2 स्टीम फॉर्म में रहता है ये क्या प्रोड्यूस करता है CO2 H2O हीट अब यहां पर देखिए मतलब कन्वर्जन जो है वो दो रिएक्टर में होता है एक आपका होता है एच टी एस कन्वर्टर जिस रेक्ट्री में होता है एक हाई टेम्परेचर सेपरेटर होता है एक लो टेम्परेचर सेपरेटर होता है स्विफ्ट कन्वर्जन के केस में तो हाई हाई टेम्परेचर सेपरेटर जो रहता है उसमें हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं फेरिक 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 बेस्ड और उसमें यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सीओ कॉपर बेस्ड बेसिकली कैटलिस्ट यूज करते हैं ये फेरिक बेस्ड ये कॉपर बेस्ड उसके अलावा हाई टेम्परेचर जो है वो थ्री ट्वेंटी डिग्री टेम्परेचर और लो टेम्परेचर जो है लो टेम्परेचर लो टेपेचर सेपरेटर वो आपका टू ट्वेंटी फाइव डिग्री पर होता है ये आपका स्टीम कन्वर्जन में बेसिकली यूज होता है है ना स्टीम कन्वर्जन का जो प्रोसेस है गैस सिंथेसिस ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ सीओ प्लस ऑफ टू एस टू सिंथेस गेस होता है तो सिंपली यहाँ पर देखिए जो कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होता है हमको ओरल कैटलिस्ट अगर ओरल कैटलिस्ट हम बात करें कंप्लीट स्वफ्ट कन्वर्जन प्रोसेस में जहां पर सिंपल देखिए हम लोग सीओ uh, जो है इसको सीओ uh, जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है यहाँ पर सी टू प्लस एस टू ओ प्लस ऑफ हीट तो फाइनली यहां पर जो कैटलिस्ट यूज होता है वो सीआर टू ओ सी आर टू ओ थ्री या फिर फेरिक बेस है ना एफ ई टू ओ थ्री कंप्लीट कैटलिस्ट की अगर हम बात करें तो और उसमें देखिए सिंपली मतलब इस प्रोसेस की एल्पिसियम सीओ प्लस एस टू मतलब कि हम लोग जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको मतलब कि एस टो के साथ रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट करें सिफ्ट कन्वर्जन शिफ्ट कन्वर्जन बेसिकली डायरेक्टली आप कार्बन मोनोऑक्साइड को मतलब एटमोस्फेयर में रिलीज नहीं कर सकते हो ये जस्ट आपका स्टीम रिफॉर्मिंग का ही पार्ट है तो सिंपल सीओ प्लस एस टू जो है उसको हम लोग एज ए सी ओ टू रीलीज करते हैं तो सीओ टू प्लस एस टू और यहाँ पर सी टू जो रिमूव करते हैं तो रिमूव करते हैं मतलब कि इसके लिए आ, मतलब जो सोल्यूशन लाइक यूज़ कर रहे हैं लाइक लाइक बेनफील्ड जो सोल्यूशन है उसको हम लिखते हैं के टू सी थ्री के टू सी थ्री देन इसके बाद में उसके बाद में देखिए यहां पर हम लोग यूज करते हैं इथेन इत, इथेन सोल्यूशन भी यूज करते हैं इथेन इथेन अमाइन इथेन अमाइन भी बेसिकली हम यूज आ, यूज करते हैं आ, ये बेसिकली सीओ सीओ टू रिमूव करने के लिए बेसिकली सोल्यून है ना तो अल्टीमेटली रिमूव करने का मतलब क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को अल्टीमेटली सीओ टू में कन्वर्ट कर देगा और अब्जॉर्प्शन प्रोसेस है तो हाई प्रेशर प्रोसेस होगा ये यहन प्रोसेस होते हैं सोल्यूशन बेसिकली मतलब सीओ टू को ऑब्जॉर्व करते हैं तो यहाँ पर हाई प्रेशर प्रोसेस होता है ये हाई प्रेशर मतलब एच जो आ, मतलब कि हाई प्रेशर होगा यहां पर हाई प्रेशर बिकॉज इज अब्जॉर्प्शन प्रोसेस है उसके बाद मिथेनेशन मिथेनेशन सबको पता होगा मिथेनेशन में बेसिकली क्या होता है प्रोसेस यहां पर मैं लिख रहा हूं मिथेनेशन तो सिंपली इसमें क्या होता है रिएक्शन अगर मैं लिखे तो सीओ प्लस ऑफ एस टू जो है वाटर गैस जो है बेसिकली वो रिएक्ट करती है और क्या फॉर्म करती है सीएचओ मतलब मिथेन का प्रोडक्शन है ना मिथेनसन मतलब कि विद हेल्प ऑफ वाटर गैस वाटर गैस मतलब यहां पर देखिए सीओ प्लस एस टू जो रिएक्ट करेगा एट अ टेम्परेचर ऑफ थ्री हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड फोर्टी डिग्री सेंटीग्रेड और कटलिस की बात करते हैं तो निकल होगा और निकल केटलिस्ट होगा और उसके बाद में अलूमिना जो है वो सपोर्ट होगा है ना अलूमिया जो है वो सपोर्ट होगा अलूमिना सपोर्ट और इसके बाद यहाँ जो रिएक्शन है वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी एक्जोथर्मिक रिएक्शन रहेगी एक्जोथर्मिक रिएक्शन तो यहाँ पर हमको मिथेन प्लस वहाँ पर वाटर वेपर एक्स्ट्रा मिलता है उसके बाद में देखिए कन्वर्जन यहाँ पर लेकिन कन्वर्जन बहुत कम रहता है ओनली ट्वेंटी परसेंट कन्वर्जन रहता है सीओ प्लस एस टो से जब मिथेन बनता है उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और हम लिख रहे हैं मिथेनेशन हो गया लाइक अगर अमोनिया रिएक्शन अगर हम लिखें तो अमोनिया में क्या होता है सिंपल एन एन टू है जो थ्री एन टू जो है वो थ्री एस टू से रिएक्ट करके क्या बनाता है ओके okay, यहाँ पर कटलिस मैंने लिख दिया उसके अमोनिया बनता है और अमोनिया यहाँ पर बेसिकली कैटलिस्ट क्या रहता है फेरिक ऑक्साइड एफ ई टू एफ ई टू ओ थ्री है ना एफ ई टू ओ थ्री बेसिकली कैटलिस्ट रहता है हमारे यहाँ पर सिंपल और ये रिएक्शन जो है ये भी क्या होती है एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, है अमोनिया रिएक्टर सो so, इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर नाइट्रिक एसिड की हम बात करें नाइट्रिक एसिड मतलब प्रोडक्शन की बात कर रहा करो मैं मथे मतलब मेथेन कैसे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसके बाद में नाइट्रिक एसिड एच ओ थ्री एच ओ थ्री कैसे प्रोड्यूस हम करते हैं तो अमोनिया जो है बेसिकली अमोनिया एयर के साथ रिएक्ट करता है तो एच ओ थ्री बताया है और यहाँ पर अगर कैटलिस्ट की बात करिए इंपॉर्टेंट प्रोसेस गेट में भी आया हुआ है यहाँ पर जो कैटलिस्ट है वो कैटलिस्ट यहाँ पर रहता है प्लेटिनियम प्लस ऑफ टेन परसेंट ऑफ रोडियम ये आपका कैटलिस्ट रहता है इस प्रोसेस के लिए है ना टेल्व प्रोसेस बेसिकली से हम बोलते हैं एक्सट्रक्शन प्रोसेस बोल सकते हैं ना या उसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड इसके साथ में आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड भी यूज करते हैं ऑक्सीडेशन के लिए नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड 112 ठीक है देन इसके बाद देखिए वाटर गैस वाटर गैस की बात करते हैं फाइनल देखिए अभी लाइक पेट्रोलियम इंडस्ट्री मतलब ऑलमोस्ट फिनिस्ट, फिनिशिंग फिनिश फिनिश होने वाला है लास्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं देखिए यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं वाटर गैस तो वाटर गैस में सिंपली क्या हो रहा है देखिए वाटर गैस को हम लोग ब्लू गैस भी बोलते हैं वाटर गैस को हम लोग ब्लू गैस भी बोलते हैं यहां पर बिकॉज जब इसको बैन करते हैं तो इसका जो कलर है बेसिकली हमको ब्लू कलर का फ्लेम दिखता है ना इस वजह से तो सिंपल देखिए इसमें कोक है ना कोक जो है उसको जब वाटर के साथ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं है ना कोक को, को, कोल कोल गैसिफिकेशन कोक या कोल गैसिफिकेशन इसे हम बोल सकते हैं तो सिंपल इसमें क्या होता है कि वाटर गैस बेसिकली बनता है सीओ प्लस तो फर्स्ट की बात करेंगे बिल्कुल करेंगे बात आई थिंक तुम बता ही दोगे मुझे लग रहा है मेरे बोलने से पहले तो मतलब कि कार्बन प्लस कार्बन प्लस एस टू जो रिएक्ट करके क्या बनाएगा सीओ प्लस ऑफ बनाएगा तो ये जो रेशियो यहाँ पर वन वन रहता है उसके बाद हम देखते हैं कि कार्बन प्लस ऑफ अगर रिएक्ट करे तो ये क्या बनाता है सीओ टू प्लस ऑफ टू एस टू बनाता है टू एस टू बनाता है तो ये आपका क्या हो जाता है सिंथेसिस गैस हो जाता है ये आपका सिंथेसिस गैस हो जाता है ये सिंथेसिस गैस है और ये क्या है वाटर गैस है सिंथेसिस गैस गैस जिसे हम सिन भी बोलते है सिन भी हैं ना है, सिन गैस भी इसे हम बोलते हैं सिन गैस आपको थोड़ा याद यहां पर जो रखना है वो रखना देखें कंपोजिशन मैं यहां पर बात कर रहा हूँ देखिए कंपोजिशन तो कंपोजिशन की बात करें अगर वाटर के कंपोजिशन की कंपोजिशन ऑफ वाटर तो कंपोजिशन ऑफ वाटर देखिए क्या हो जाएगा कंपोजिशन ऑफ वाटर कम्पोजिशन ऑफ वाटर गैस में लिख रहा हूँ इसमें सीओ मैक्स होता है 43 परसेंट ऑलमोस्ट देन उसके बाद में सीओ जो है वो रहता है थ्री उसके बाद में हाइड्रोजन जो एस टू वो रहता है फिफ्टी उसके बाद में एन जो है वो रहता है थ्री ये कंपोजिशन है वाटर गैस का तो ये वाटर गैस बेसिकली हम लोग स्टीम रिफॉर्मिंग में यूज करते हैं फॉर फॉर मिथेन प्रोडक्शन वो चीज ऑलरेडी हम देख चुके हैं तो यहाँ पर इस वाटर गैस का प्रोडक्ट ये आपको कंपोजिशन याद रखना है इसी बेस पे हम लोग कलोिक वैल्यू की भी बात करेंगे है ना बिकॉज सीओ इसमें फोर्टी थ्री परसेंट है सीओ टू इसमें थ्री परसेंट है फिफ्टी परसेंट है एन टू इसमें थ्री परसेंट है नौ सेकंड टाइप का गैस देखिए गेस पर नेचुरल गैस जिसे हम बोलते हैं

कॉमन गैस देखिए को कॉमन गैस जो है उसमें कंपोजिशन हमारा रहता है देखिए सी टू का है सिक्स परसेंट देन इसके बाद में ओके uh, सीओ okay, लिख रहा हूँ मैं पहला सी ओ लिख रहा हूँ CO है ना सी ओ जो जो है वो सिक्स परसेंट है देन सी ओ टू जो है वो टू परसेंट है इसके बाद हाइड्रोजन इसमें रहता है कॉमन co गैस में फिफ्टी थ्री परसेंट रहता है देन इसके बाद में सी एच फोर रहता है थर्टी टू परसेंट इसके बाद में रहता है नाइट्रोजन थ्री परसेंट ये कम्पोजिशन हो गया किसका कॉमन गैस का अभी हम बात करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू की जस्ट हम पहले कंपोजिशन देख लेते हैं इसके बाद एक गैस हम लिखते देखिए, तो सीओ तो जो है ट्वेंटी सेवन परसेंट देन इसके बाद में सीओ टू रहता है फाइव परसेंट इसके बाद में अगर हम बात करें तो एस टू वो रहता है एन टू की अगर हम बात करें तो वो रहता है फिफ्टी वन परसेंट यह कंपोजिशन हो गया किसका ना ये हो गया प्रोड्यूसर गैस इसके बाद में देखिए अब फाइनली हम लोग बात करते हैं यहां पर कंपोजिशन मतलब कि इसमें देखिए सीओ टू है ऑलमोस्ट ट्वेंटी सेवन परसेंट और सीओ और उसके बाद नाइट्रोजन है फिफ्टी वन परसेंट तो अगर हम कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें कैलोरीफिक वैल्यू तो कैलोरीफिक वैल्यू में पता है कि जितना आपका हाइड्रोकार्बन मतलब कि ज्यादा होगा ना उसका उतना कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगा तो सिंपल एलपीजी एलपीजी के केस में देखिए एलपीजी में हम देख सकते हैं एलपीजी सीएनजी जो है मतलब एलपीजी जो होता है बेसिकली लिक्विफाइड नेचुरल गैस होता है उसका और भी आपका मतलब की कैलोरीफिक वैल्यू हाई रहता है उसके बाद हमने यहाँ पर सीएनजी देखा है तो सीएनजी जो है नेचुरल गैस कंप्रेस नेचुरल गैस उसका कैलोरीफिक वैल्यू एलपीजी से कम रहेगा लेकिन नेचुरल गैस जो उससे हाई रहेगा देखिए नेचुरल गैस अब नेचुरल गैस देखिए मैंने आपको बताया वेरी नेचुरल गैस नेचुरल गैस में देखिए नेचुरल गैस तो हो गया है ना मतलब सीएनजी मतलब कंप्रेस नेचुरल गैस का नेचुरल गैस से भी आपका वैल्यू हाई रहेगा और उसके बाद नेचुरल गैस तक नेिक्स परसेंट है और फाइनली इसके बाद आता है को कोवन गैस देखिए को कोवन गैस क्यों आ रहा है को कॉमन गैस कहां पे लिखा है कोकोवन गैस में देखिए सीएच फोर परसेंट है थर्टी टू परसेंट इसलिए कोकोवन गैस इसके बाद में आ रहा है को कोवन गैस बिकॉज यहाँ पर ऑलमोस्ट थर्टी मतलब कितना परसेंट था कोकोवन गैस में

नाइट्रोजन बिकॉज आपको पता है कि इनर्ट गैस की तरह काम करता है तो इसका जो मतलब कि जो बेसिकली होगा कैलोरीफिक वैल्यू वो सबसे कम रहेगा तो कैलोरीफिक वैल्यू का जो अरेंजमेंट है वो है कैलोरीफिक वैल्यू सिंपल कैलोरीफिक वैल्यू का अरेंजमेंट याद रखिये एलपीजी सी एनजी है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ सी देन नेचुरल गैस देन कोमन गैस को कॉमन गैस आफ्टर इसके बाद में आफ्टर को वाटर गैस एंड वाटर गैस के बाद क्या है

ये सिंपल आपको रिलेशन याद रखना है ना इसके बाद नेक्स्ट है एक और कार्बोरेटेड गैस भी होता है बेसिकली वाटर गैस ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको भी मैं लिख देता हूं एक गैस बेसिकली मिस कर दिया यहां पर कार्बोरेटेड वाटर गैस मतलब इसमें क्या होता है कि वाटर मतलब स्प्रे जो मतलब कि ऑयल जो है बेसिकली हम स्प्रे करके रखते हैं वाटर वाटर गैस के साथ में तो इसमें कुछ कुछ कंपोजिशन जो है बेसिकली देखिए यहाँ पर सीओ जो है फोर्टी थ्री परसेंट हो गया मतलब सम क्वांटिटी ऑफ सी एच फोर इसमें आ जाता है कुछ फ्रैक्शन में तो इस वजह से इसका कलर फी थोड़ा इंक्रीज हो जाता है सी फोर्टी थ्री परसेंट है सी टू थ्री परसेंट है और एच टू फिफ्टी परसेंट एन टू है, 50%, N2 है थ्री परसेंट लाइक कुछ फ्रैक्शन में हमने कंसर कर लिया कि इसमें सी एच फोर आ गया जो स्प्रे किया वाटर उसकी वजह से इसका जो सी एच फोर कम्पोजिशन आ गया तो इसका कलोरफिक वैल्यू थोड़ा इंप्रूव हो जाता है तो कलोरफिक वैल्यू देखिए इसका कुछ रहेगा को कॉमन गैस के बाद में को कॉमन गैस और वाटर गैस के बीच में आप यहाँ पर लिख लीजिए कि यहाँ पर रहेगा कार्बोरेटेड गैस कार्बोरेटेड वाटर गैस है ना अगर ऑयल लगे ऑयल का अगर मिक्स कर दोगे तो डेफिनेटली कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगा ही है ना कैलोरीफिक वैल्यू बिल्कुल इंक्रीज होगा हीटिंग वैल्यू की हम बात करें सिंपली हीटिंग वैल्यू देखिए हीटिंग वैल्यू जो है मतलब किसके लिए मोर रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड मतलब 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 अगर आप मतलब, सिंपल करना है वही बात हो गया मतलब कि आपको मोर किसके लिए होगी हीट देखिए मोर रिक्वायर्ड फॉर मोर कार्बन नंबर मोर हीट रिक्वायर्ड मोर हीट रिक्वायर्ड मोर हीट रिक्वायर्ड फॉर मोर कार्बन नंबर अगर आपके फीड में मोर कार्बन नंबर तो उसको बेसिकली मतलब कंबेशन के लिए ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी लाइक पहला देखिए पेंटेन देन ओके okay, मतलब सिंपल हम कंपेयर करेंगे सबसे कम किसके ले रहेगा मिथेन के लिए कम कार्बन है कम हीटिंग वैल्यू रिक्वायर्ड होगी उसके बाद यहां पर देखिए इथेन उसके बाद प्रोपेन तो इस तरीके से हीटिंग वैल्यू आपकी बेसिकली आपको हाईर रिक्वायर्ड होगी फॉर हाइयर कार्बन नंबर तो यहां पर मिथेन के लिए लेस हीट रिक्वायर्ड होगी फॉर बर्निंग एंड कंबेशन क्लियर गाइस उसके बाद आपको यहाँ पर ये यह याद रखना देखिए एल एल डी हाइड मैनुफैक्चरिंग के लिए एल डी हाइड मैनुफेक्चरिंग के लिए जो भी लाइक फोर मेल डी हाइड है ना हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली तो कोई भी एल डी हाइड यहाँ पर एल डी हट वर्ड मैं बता रहा हूँ एल डी हाइड मैनुफेक्चरिंग के लिए बेसिकली जो हम कटलिस यूज करते हैं वो हम क्या यूज करते हैं सिल्वर बेस्ड सिल्वर जिसे हम लोग एजी लिखते हैं सिल्वर बेस्ड केटलीस बेसिकली हम लोग यूज करते हैं ना, like है ना लाइक फोर मेल डी आइड हो गया तो इन सब में हम लोग सिल्वर बेस्ड केटलीस यूज करते हैं ये आपको याद रखना है बेसिक है देन इसके बाद में नेक्स्ट देखिए एल पी जी एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की बात करें तो ये बेसिकली क्या है प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है प्रोपेन एंड ब्यूटेन का मिक्सचर होता है है ना सो इसमें सिंपली ये तो चीज सिंपल ठीक आपको पता होगा उसके बाद कुछ कुछ टाइम से मैं बताता हूँ देखिए लाइक like, पहला मेथड यहाँ पर कोल गैसिफिकेशन सो कोल गैसिफिकेशन में क्या होता है सिंपल हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कार्बन मतलब कोक जो है वो वाटर स्टीम के साथ रेस्ट करके क्या बनाता है सी ओ प्लस एस टू जिससे हम लोग वाटर गैस भी बोल रहे हैं जिसे हम लोग वाटर गैस भी बोल रहे हैं उसके बाद हम देखते हैं सेकंड देखिए कोल्ड गैसिफिकेशन हो गया उसके बाद एक हम एक बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन तो वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन क्या होता है इसमें सिंपल सीओ जो है एस से रिएक्ट करके सीओ टू बनाता है देन उसके इसको बोलते हैं वाटर गैस रिएक्शन उसके बाद थर्ड देखिए यहां पर बोरोड रिएक्शन है बोरोड रिएक्शन जो है देखिए ओके ओ यू ए आर डे ना बोरोड रिएक्शन जो है तो बोरोड रिएक्शन में सिंपल हम लिखते हैं कि कार्बन जो है सीओ टू से रिएक्ट करके क्या बनाता है टू सीओ बनाता है कार्बन मोनोक्साइड फॉर्म कर रहा है उसके बाद फोर्थ देखिए मिथेनेशन रिएक्शन ओके ये रिएक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुका मिथेनेशन रिएक्शन जो है है ना सिंपल मतलब कोल कोलिफिकेशन की जहां पर रिक्वायरमेंट हो रही है टू प्रोड्यूस द प्रोड्यूसिट्यू नेचुरल गैस तो सिंपली हम यहाँ पर देखिए मिथेनेशन मिथेनेशन के लिए लिख रहे हैं सर ये लेक्चर तो कोर सब्जेक्ट से भी बड़ा हो गया ओके तो मिथेनेशन में देख सकते हैं आप सीओ प्लस ऑफ थ्री एस टू ये जो बेसिकली सी एच फोर प्लस ऑफ एस टू से बन जाता है कोर सब्जेक्ट सबसे ज्यादा तो मास ट्रांसफर में टाइम लगाता है बट स्टिल इस इसमें टाइम लग रहा है बिकॉज uh, मैंने सारा एज ए मतलब कोर सब्जेक्ट की तरह इसको डिस्कस कर लिया सिक्स टू एट मार्क्स काफी बैठे मुझे नहीं लगता कि दो मार्क्स आपके मतलब सिक्स टू एट मार्क्स जो आएंगे एग्जाम में वो आपके यहाँ पर यहाँ से लाइक like, स्किप हो सकते हैं अभी पूरे के पूरे मार्क्स आपको स्कोर करने इस सेक्शन से बिकॉज सब कुछ कवर कर लिया मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है सब कुछ कवर कर लिया है ना इसके बाद देखिएगा एक प्रोसेस होता है लुर्गी प्रोसेस है ना तो ये प्रोसेस बेसिकली क्या होता है इसमें आपका मतलब सिन गैस का यूज होता है ना यूज फॉर सिन गैस सिन गैस प्रोडक्शन के लिए बेसिकली यूज करें यूज फॉर सिन गैस और उसके अलावा एक होता है लिंडे प्रोसेस ये इस प्रोसेस को बेसिकली हम यूज करते हैं ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए लिंडे प्रोसेस जो है ओके प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन के लिए देन उसके बाद स्टीम रिफॉर्मिंग में ओके okay, पता है आपको कैटलिस्ट जी सर जी ठीक है ओके okay, उसके बाद सारी चीज हो गया इथालीन हम प्रोड्यूस करते हैं इथाली प्रोड्यूस करते हैं नेपताम है, है ना ठीक है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है का देखिए uh, कैसे करते हैं सिंथेसिस गैस की हेल्प से सिंथेसिस गैस की हेल्प से हम लोग इन द स्विफ्ट रिएक्शन देखिए ऑलरेडी बता तो दिया था मैंने स्विफ्ट गैस के लिए सब कुछ तो बता दिया था स्विफ्ट uh, मतलब स्विफ्ट रिएक्शन ना catalyst, uh, और मतलब कि केटलीस्ट uh, जो है सी आर टू ओ थ्री या फिर एफ ई टू ओ थ्री फेरिक बेस्ड या फिर uh, मतलब क्रोमियम बेस्ड है ना ये बेस्ड कैटलिस्ट होता है बेसिकली सी आर टू ओ थ्री सी आर टू ओ थ्री या एफ टू ओ थ्री ओवरऑल कैटलीस की अगर हम बात करें तो तो सिंपल यहां पर देखिए कि सिंथेसिस गैस सिंथेसिस गैस की हेल्प से हम लोग इससे हम लोग चीफ रॉ मटेरियल मतलब ये सबसे चीप रॉ मटेरियल है सिंथेसिस गैस सिंथेसिस गैस जो है ना सिंथेसिस गैस तो सिंपली सिंथेसिस गैस में देखिए क्या हो रहा है कैटलिस्ट इन ओके सर ठीक है uh, तो सिंथेसिस गैस सिंथेसिस गैस में क्या हो रहा है प्रोड्यूस हो रहा है सिंथेसिस सीओ ओओ जेड एन ओ है जिंक ऑक्साइड परमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, uh, तो लिए यूज किया जाता है मिथेनोल का जो प्रोडक्शन है से, अगर आपको पूछा जाएगा कैसे चीप रो मटेरियल कौन सा रहेगा तो आप चूज uh, कर सकते हो मिथेनोल मतलब मिथेनो me, के लिए यहां पर मतलब कि प्रोड्यूस करेंगे प्रोड्यूस करेंगे कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है yes, 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 hari santos, hari santos. ओके okay, फाइनली अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इसमें तो इतना टाइम नहीं लगने वाला है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री ओके पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री आई थिंक क्लास एट फोर फाइव फाइव एंड हाफ आवर्स ना ठीक है लास्ट थर्टी मिनट होपुली लास्ट थर्टी मिनट लास्ट थर्टी मिनट अभी देखिए डिस्कस कर रहे हैं हम लोग तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन रहता है हमारा वो स्टीम क्रैकिंग में रहता है मतलब स्टीम क्रैकिंग ही बेसिकली यहाँ पर बेसिस है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का ना स्टीम क्रैकिंग इज द हेड ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री आप बोल सकते हो लाइक सिंपली हम लोग इथालियन या प्रोपालियन सिंपल स्टीम क्रैकिंग बेसिकली हम लोग करते हैं पर तो प्रोडक्ट आपके कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे टाइप के आपके प्रोडक्ट है ना लाइक सी टू एच फोर हो गया सी टू एच टू हो गया हाइड्रोजन CO, सी ओ सी ओ टू पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में है ना बहुत सारे लाइक मिथेन मतलब ये सब uh, ये सब प्रोडक्ट हम लोग स्टीम क्रैकिंग की हेल्प से बेसिकली बनाते हैं तो हम लोग बात करते हैं स्टीम क्रैकिंग की स्टीम क्रैकिंग सी एक्स एच वाई प्लस ऑफ एच टू ओ प्लस ऑफ ओ टू स्टीम हम यूज कर रहे हैं और फाइनली प्रोडक्ट मतलब लाइक इथाइलिन हो गया प्रोपालीन हो गया है ना फॉर इथाइलिन, प्रोपालिन में कंसिडर कर रहा हूं कि मेरा प्रोडक्ट है तो 800 डिग्री टेम्परेचर पर हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं सिंपली है ना हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं, स्टीम क्रैकिंग ओके okay? तो सिंपली यहां पर देखिए स्टीम क्रैकिंग में मतलब हम लोग पायरोलाइसिस पायरोलाइसिस रिएक्शन बोल सकते हैं लाइक ओके रिएक्शन में भी सिंपल क्या करते हैं हम लोग लाइक करतेचर प्रोवाइड करते हैं तो पर जो नेपता है बेसिकली किस में कन्वर्ट होता है एरोमेटिक में कन्वर्ट होता है तो ये स्टीम क्रैकिंग तो आपको पता होगा ना अब हम लोग पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट का मतलब कि कैसे हम लोग कौन से रॉ से उसको बनाते हैं उसकी बात करेंगे पहला यहाँ पर मैं प्रोडक्ट बात कर रहा हूँ फोर्म एल है ना फोर एल जो है जिसे हम लोग एच लिखते हैं तो एच बेसिकली किससे बनाते हैं हम लोग पैरोलाइसिस मेथड से मतलब दो प्रोसेस होते हैं इसके से मतलब दो स्टेप में होता है मिथेन से सबसे पहले हम लोग बनाते हैं मिथेनल से कैसे बनेगा कॉपर और जियोलाइट कॉपर और जियोलाइट की टाइम कोपर और जियोलाइट यहां पर हमारा कैटलिस्ट रहेगा है ना कॉपर जियोलाइट सीयू सी, यु, सी जेड है और यहां से बेसिकली हम लोग मतलब मिथेनॉल बना रहे हैं यस नितिन कैसे हो आ, तो सिंपली देखिए यहां पर क्रैकिंग है ना क्रैकिंग क्रैकिंग होता है सेकंड स्टेप में जो मिथेनल बन रहा है वो मिथेनल क्रैकिंग होकर देखिए सिल्वर बेस्ट कैटलिस्ट रहता है लाइक एजीओ जेडनो है ना फाइनली हमको यहां पर मिलता है एच सी एच ओ फोर मेलडियट फोर मेल्डीएट प्लस हाइड्रोजन बेसिकली यहां पर बाई प्रोडक्ट है तो ये फोर मेलडीएट हम लोग किससे प्रोड्यूस कर रहे हैं मिथेनल से देन इसके बाद में देखिए क्लोरो क्लोरो क्लोरोमिथेन क्लोरोमिथेन जो है हम लोग यहाँ पर सी एच uh, सी एस थ्री सी एल क्लोरोमिथेन की मैं बात कर रहा हूं तो क्लोरीनेशन सिंपली इसमें क्या हो रहा है क्लोरोमिथेन हम सिंपल कहाँ से बनाते हैं uh, प्रोपेन जो है uh, मिथेन मिथेन जो बेसिकली है मिथेन को हम लोग सीएल टू से रिएक्ट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो गए सी एच फोर नॉट सी एच फोर सी एस थ्री सी एस थ्री सी एल प्लस ऑफ एच सी एल एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है ये मतलब अलग अलग स्टेप में होती है लेकिन फाइनल मैंने रिएक्शन लिख दिया ओके okay, कि क्लोरोमिथेन हम लोग कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं ये ये सब है ना पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है लाइक विनोइल क्लोराइड हो गया इथाइनिल इथाइलिन हो गया ये सब आपको बस पता होना चाहिए रेशो इतना इंपॉर्टेंट इतना रेशो कोई नहीं पूछेगा आपको यार ठीक तो है नेक्स्ट प्रोडक्ट देखिए विनाइल इता, क्लोराइड विनाइल क्लोराइड देखिए विनाइल क्लोराइड सी एच टू सी एच टू सी एच सी एल तो ये कैसे बनाएंगे हम इथाइ इथाइलिन से सी अगर क्लोरिन के साथ रिएक्शन करेगा एट

ओके ये लिक्विड फेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है पर, मतलब पहले कैटलिस्ट था उसके बाद चारकोल यहाँ पर आपको याद रखना मिनल क्लोराइड बनाने के लिए यहां पर से बेसिकली हम लोग यूज करते हैं चारकोल कैटलिस्ट देन नेक्स्ट देखिए इथालीन अमाइन नेक्स्ट है इथाइनिन अमाइन सो so, अमाइन में देखिए हम लोग लिखते हैं सी एच टू सी एस टू ओ सी एच एन टू है ना तो यहां पर मतलब इथाली इथालीन से बना रहे हैं विनाइल क्लोराइड के केस में बिल्कुल कैटलिस्ट चारकोल भी होता है अब uh, तुम बोल रहे हो ठीक है डाई मिथाइल बोरोमाइड ये भी मैंने भी सुना है ठीक है यहाँ पर लिख सकते हो तो मैंने भी सुना है ये पर यहाँ पर मैंने चार मतलब चारकोल भी यूज़ होता है देख सकते हो आप गूगल करके भी देख सकते हो ना तो सिंपल देखिए इथैलिन अमाइन जो है सी एच टू ओ सी एच एन मतलब एन एस टू जो है यहाँ पर देखिए हम लोग किससे बना रहे इथैलिन इथैलिन जब रिएक्ट करेगा द ऑफर केटलिस एजीओ सिल्वर ऑक्साइड तो यहाँ पर यह ना तो <coughs> पहले इथाली ऑक्साइड बनेगा यहाँ पर तो ये जो इथालियन ऑक्साइड बनेगा ये बेसिकली किसके साथ रिएक्ट करेगा ओके यहाँ पर मैंने मैंने लिखा क्या किसके चार सिंपल ओके यहाँ पर जब इसमें फिर हम लोग क्या ऐड कर देंगे इसमें हम लोग ऐड कर देंगे अमोनियाक्स फेस में अमोनिया जब ऐड करेंगे तो ये दोनों मिल्क यहाँ पर क्या बनाएंगे देखिए

ना इसको बोलते हैं इथाई नमाइन उसके बाद डीई ए -E उसके बाद देखिए उसके बाद -E आ जाएगा। ना मतलब डाई के साथ उसके बाद में ये हो जाएगा सी एच एन एस थ्री सी एच एन एस थ्री सी ओ ओके एन एस थ्री ओ सी एच एन एस टू मतलब यहाँ पर सिंपली क्या हो रहा है एन एस थ्री एड हो गया ना तो ये सिंपली होता है प्रोसेस यहाँ पर एस टू एड होगा फाइनली ठीक है मतलब जैसे जैसे अमोनिया उसमें ऐड करोगे वैसे वैसे वहां पर आपका लाइक ये इथाइल इथाइल अमाइन उसके बाद में अमाइन हो जाएगा उसके बाद अमाइन हो जाएगा तो सिंपली इथाइलिन से प्रोड्यूस करते हैं तो यहां पर कैटलिस्ट आप देख सकते हो कैटलिस्ट क्या आपका एजियो अमाइन बेस है पहले रिएक्शन के लिए और सेकंड रिएक्शन के लिए बेसिकली रिएक्शन होती है थर्ड फोर्थ हो गया फिफ्थ देखिए आइसोप्रोपेन आइसोप्रोपेन कैसे प्रोड्यूस करेंगे

आइसोप्रोपाइल सल्फोनेट आइसोप्रोपाइल सल्फेट है ना ये बन जाता है इसमें पहले सल्फोनेशन हो रहा है उसके बाद में क्या हो रहा है नेक्स्ट देखिए ये आपका हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और ये बेसिकली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और ये क्या बना लेगा आइसोप्रोपेन है ना आइसोप्रोपेन की हम बात कर रहे थे तो ये आइसोप्रोपेन बना लेगा सी एस थ्री सी एस थ्री सी सी एस थ्री ओ एच ये आइसोप्रोपेन आपका बना लेगा ये आपका आइसोप्रोपेन है ना तो सिंपली इसमें सेकंड जो प्रोसेस हो रहा है उसमें क्या हो रहा है हाइड्रोजन पहले हो रहा है सल्फेशन उसके बाद में हो रहा है हाइड्रेशन है ना उसके बाद लाइक अगर क्यूमिन आपको कोई क्यूमिन से मतलब आपको बनाना क्यूमिन से मतलब आइसोप्रोपेन बना है ना नॉट क्यूमिन से आइसोप्रोपेन नहीं मैं क्यूमिन प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ देखिए क्यूमिन अगर मैं क्यूमिन uh, मतलब एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है ना अगर मैं क्यूमिन की बात करूँ क्यूमिन कैसे बना सकते हैं हम तो देखिए क्यूमिन बेसिकली आइसोप्रोपाइल प्रोफाइल बेंजिन से हम बनाते हैं सिंपल लाइक बेंजिन आपके पास में बेंजिन जो है प्रोपाइलिन से रिएक्ट करेगा बेंजिन जो है प्रोपाइलिन से रिएक्ट करेगा तो ये बना लेगा ये आपका बेंजिन हो गया ठीक है ये हो गया प्रोपाइलिन तो ये सब फाइनली क्या बना लेता है? देखिए इन प्रेजेंस ऑफ जियोलाइट रखिए मतलब कि हम कैसे क्यूमिनली मतलब बना रहे है बेसिकली होता क्या आइसो प्रोफाइल आइसो प्रोफाइल बेंजिन ही है इस तरीके से आपका बेन्जिन रिंग है आपका लग जाता है सी एच सी एस थ्री सी एस थ्री है तो ये आइसो प्रोफाइल बेंजिन हो गया आइसो प्रोफाइल ग्रुप बेंजिन पे एड हो गया यहां पर तो सिंपल इसे बोलते हैं क्यूमिन तो हम कैसे बना सकते हैं क्यूमिन सिंपल बेंजिन को प्रोपाइलिन से रिएक्ट कराते हैं तो हमको क्यूमिन मिलता है और कैटलिस यहां पर जो है वो रहता है जियोलाइट जेडन जो मैं जिंक लिख दिया मतलब जियोलाइट जी, यहां पर मुझे लिखना जियोलाइट ना? और देन इसको हम लोग एल्कालेशन प्रोसेस भी बोल सकते हैं तो आइसोप्रोपेलिन है, मतलब क्यों डिस्कस कर रहा हूं लाइक जस्ट हमने देखा कि आइसोप्रोपेन का प्रोडक्शन उस आइसोप्रोपेन को बेसिकली हम लोग यूज कर सकते हैं आइसोप्रोपेन को क्यूमिन प्रोडक्शन के लिए उसके लिए हम लोग एसीटोन प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं एसीटोन प्रोडक्शन एसीटोन जो है एसीटोन कैसे बनाएंगे आपके पास में आइसोप्रोपेनॉल तो उसमें से लाइक

इट्राइल तो देखिए इसमें क्या होता है सिंपली प्रोपाइलिन जो है सी एस थ्री एस सिक्स में यहाँ पर देखिए ऑलवेज ये वर्ड लिख देता हूं जिससे आपको कभी कंफ्यूजन ना हो प्रोपाइलिन तो प्रोपाइलिन बेसिकली अमोने के साथ रिएक्ट करता है प्लस ऑफ ये रिएक्ट करके क्या बनाता है एम ओ बी आई बेसिकली कैटलिस्ट हो गया है ना मोलिबेडेनियम बीस कैटलिस्ट हो गया और उसके बाद में ना उसके बाद में यहां पर फाइनली क्या बन जाता है मतलब एक

मेन तो मतलब ट्राई प्रोपाइलिन अब अलूमिनियम में लिख देता हूँ यहाँ पर देखिए आइसोप्रीन जो है देखिए आइसोप्रीन ये हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं आइसोप्रीन सिंपल हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं प्रोपाइलिन से प्रोपाइलिन से अगर हम लोग प्रोड्यूस करें प्रोपाइलिन से तो यहां पर देखिए प्रोपाइलिन के साथ हम कैटली यूज कर रहे हैं ट्राई प्रोपाइल ट्राइल प्रोपाइल अल्यूमिनियम ना एल लिख रहा हूँ एलुमिना को तो यहां पर हमको बन जाता है टू मतलब कि पहला स्टेप जो हो रहा है उसमें डायमराइजेशन हो रहा है सेकंड आइसोमराइजेशन सिंपल हमको यहाँ पर मिलता है टू मिथाइल टू मिथाइल वन वन पेंटेन है ना इतना मतलब यहाँ पर रिएक्शन भी नहीं लेगा उसके बाद इस रिएक्शन का आइसोमराइजेशन होता है तो उसके लिए एसिडिक मीडियम कैटलिस्ट आपको कुछ चाहिए होता है मतलब आप ओवरऑल कैटलिस्ट देखते हो तो लाइक

फोर गेट दिस प्लस इनजेंस ऑफ दी ओ एंड दफ्तोलियन गेव एल डी आइट नहीं मैं एक्चुअली लिखा ही नहीं ना एल डी आई एल डी आई मैंने लिखा गया एल डी आईट तो मैंने सबसे पहले आई थिंक एल डी आईट ही बताया था फोर मेलडियट जो बोला है ना फोर मेलडी एट बोला फोर मेलडियट बोल रहे हो ऑलिफिन प्लस इंथे प्लस इंथेसिस जो है ना ऑलफिन से बेसिकली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं ये एक्जेक्टली करते हैं ऑलिफिन प्लस इंथेसिस गैस जो है इन प्रजेंस ऑफ द सीओ एल डी आईट ठीक है एल डी आई इतना, इतना मैंने नहीं फोर आपको एक। और ठीक है अच्छा है तुमको ये भी चीज पता है ओके आई विल चेक इट सर ठीक है तो सिंपल ये एच बी आर एक मत की टाइम में बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाता है आइसोप्रिट आइसोप्रिन आप लिख सकते हो क्या हो जाएगा सिंपली आइसोप्रिन सिंपली क्या हो प्लस सी एच फोर आपको मिल जाएगा तो आइसोप्रिट क्या हो गया सी एच टू डबल बोन सी सी एस थ्री सी एच सी एच टू आपको मिल जाएगा यहाँ पर देन इसके बाद नेक्स्ट देखिए ने डिसाइड किया था वन थर्टी फोर्टी हो गया हाँ ओके नेक्स्ट ठीक है विद इन टेन मिनट हो जाने चाहिए अभी तो सिंपल उसके बाद एक ऑक्सो उक, प्रोसेसिंग देखिए ऑक्सो प्रोसेसिंग में बेसिकली हम एलडीआई फॉर्म कर आई थिंक प्रोफाइल इन हाँ ठीक है ठीक है आ, सो सिंपली हम लोग लिख रहे हैं यह तो डिस्कस करने वाला था या नहीं करने वाला था देखता हूँ मैं भी ठीक है तो ऑक्सो ऑक्सो प्रोसेसिंग में देखिए क्या होता है ऑक्सो प्रोसेसिंग इसमें हम लोग ओलिफिन crawl... ऑलिफिन की अगर हम बात करें लाइक ओलिफिन क्या हो जाएगा आपका प्रोपालिन प्रोपाइलिन बेसिकली थ्री देखिए प्रोपाइलिन जो है, है प्रोपाइलिन ऑक्सो प्रोसेसिंग की बात कर रहे थे तो ये तो नेक्स्ट डिस्कस कर रहा हूं मैं जस्ट है ना सो so, ऑक्सो प्रोसेसिंग की तुम बात कर रहे हो है ना ऑक्सो प्रोसेसिंग में एल्डिहाइड जो देता है है ना एल्डिहाइड बेसिकली देता है तो उसे हम लोग ऑक्सो प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सो प्रोसेसिंग और सिंपल इसमें देखिए जो सी सी थ्री एच सिक्स अलग ओलिफिन हो गया ये ओलिफिन जो है यहां पर CO प्लस एस टू सीओ प्लस टू क्या हो गया CO प्लस एस टू है ना सिंथेसिस गैस तुमने यहां पर सिंथेसिस गैस बोला ना तो ये बेसिकली इससे रिएक्ट करके क्या बनाने वाला है CO प्लस एस टू तो CO प्लस टू जो सिंथेसिस गैस नहीं वाटर गैस होता है वाटर गैस के साथ रिएक्ट करके वाटर गैस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है एल बनाता है तो इसको करेक्ट कर लो तुम सिंथेसिस गैस वाटर गैस लिख लो तो प्रोफाइलिन जो है वो वाटर गैस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है एलडीएड बनाता है डन और यहां पर जो कैटलिस्ट है जो तुमने बोला है ये इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है कॉपर नेफ्तलिन यही कैटलिस्ट आई थिंक बोला था तुमने यस कॉपर कैटलिस्ट तुमने बोला था तो नेफ्तिल सेम कॉपर नेफ्तलिन कैटलिस्ट यहां पर होता है फाइन तो ये प्रोसेस जस्ट मैं डिस्कस ही करने वाला था उससे पहले ही तुमने बोल दिया उसके अलावा एल्काइल एलडीआईट और मतलब एल, मतलब कि या फिर एलडीआईट बनाने की अगर बात करें तो हम आप लोग मतलब कि निकल कैटलिस्ट बेसिकली यूज करते हैं नाउ नेक्स्ट देखिएगा प्रोसेस इतना रिमेनिंग रे, प्रोसेस सिंपल ही रहे नेक्स्ट अब ड्यूटा ब्यूटाडाइन देखिए ब्यूटाडाइन बेसिकली क्या होता है नॉर्मल ब्यूटेन जो है नॉर्मल ब्यूटेन रिएक्ट करता है यहाँ पर नॉर्मल ब्यूटेन का मतलब डीहाइड्रोजनेशन होता है डीहाइड्रोजनेशन तो डीहाइड्रोजनेशन के, के केस में कैटलिस्ट uh, रहता है क्रोमियम ऑक्साइड क्रोमियम ऑक्साइड और यहाँ पर अलुमिनिया सपोर्ट रहता है अलूमिनिया सपोर्ट तो ये बेसिकली यहां पर बन जाता है ब्यूटाडाइन नॉर्मल ब्यूटेन जो है उसको हम लोग ब्यूटाडाइन में कन्वर्ट कर देते हैं ब्यूटाडाइन आप लिख सकते हो ब्यूटाडाइन देखिए क्या हो जाएगा वन थ्री ब्यूटाडाइन डाइन सी एच सी एस टू सी एच सी एच सी एच टू ये हो गया वन थ्री ब्यूटाडाइन

ऑक्साइड तो हमारा होता है और टोलबिन में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जिसमें okay. uh, आपको जो बता रहा हूं uh, मतलब आई 14, 15 uh, प्रोडक्ट बताऊंगा यही आपको याद रखना है तो नेक्स्ट फिनोल फिनोल देखिए कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं फिनोल के लिए डिफरेंट डिफरेंट लाइक हम लोग हम लोग क्यूमिन से कर सकते हैं तो क्यूमिन केस में सिंपली क्या होता है देखिए क्यूमिन जो है बेसिकली क्यूमिन क्या होता है बेंजिन के ऊपर आपका एल्कैल ग्रुप लगा रहता है सी एच सी एस थ्री सी एच ये आपका क्यूमिन है इससे आपको फिनोल में कन्वर्ट करना है ना फिनोल में आपको कन्वर्ट करना है मतलब ये हो गया बेंजिन बेंजिन पर आपका ओएच लग जाएगा ओवएच ग्रुप तो ये फिनोल बन जाएगा इसको हमको क्यूमिन को फिनोल में कन्वर्ट करना तो एयर के साथ जब रिट करेगा ये है ना इन द प्रेजेंस ऑफ एन एच एन एच मतलब बेसिक मीडियम बेसिक मीडियम में ये आपका क्यूमिन हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है पहले क्यूमिन हाइड्रोपरॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है क्यूमिन हाइड्रोपरोक्साइड देन उसके बाद में यहां पर यह हो गया पर ऑक्सीडेशन ये आप देख सकते हो कि पर ऑक्सीडेशन यहां पर हो रहा है ना ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके बाद में सिंपल सल्फे, सल्फे, सल्फेशन होता है मतलब सल्फ्यूरिक एसिड एस टू एसओ फोर के साथ रिएक्ट कराते हो प्लस ऑफ एस टू एसो फोर मतलब एसिटिक मीडियम पहले बेसिक मीडियम था एसिटिक मीडियम है तो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है फिनोल प्लस ऑफ फिनोल प्लस ऑफ एसिटोन आप यहां पे ये भी बोल सकते हो कि जब क्यूमिन से फिनोल बनाते हैं तो एसिटोन आपको बाई प्रोडक्ट मिलता है एसिटोन आपको क्या मिलता है बाई प्रोडक्ट मिलता है एसीटोन आपको बाई प्रोडक्ट मिलता है ये चीज भी आप याद रख सकते हो जब हम क्यूमिन से प्रोडक्ट मतलब कि प्रोड्यूस करते हैं उसके अलावा हम प्रोड्यूस कर सकते हैं टोलविन से हम लोग टोलविन से भी फिनॉल, आ, मतलब कि फिनॉल बना सकते हैं टोलविन में सिंपली क्या होता है आपका बेंजिन पर सीएस थ्री ग्रुप लगाता है इसको हमको कन्वर्ट करना है क्यूमिन में तो सिंपल हम क्या करेंगे सबसे पहले ऑक्सीडेशन करेंगे सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा ऑक्सीडेशन ऑफ टोलविन जो है बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे बेंजोइक एसिड बेसिकली क्या होता है टोलविन को हम लोग यहां पर देखिए कोबाल्ट कोबाल्ट मतलब कि मतलब कि कोबाल्ट आपका यहां पर क्या हो गया कैटलिस्ट हो गया कुछ टेम्परेचर 120 जैसा होता है और फाइनली ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है मतलब जो सी, सी एस थ्री जो था उसमें हम लोग सी ओ एच है ना बेंजोइक एसिड ये बन जाता है उसके बाद ये जो बेंजोइक एसिड है उसको हम लोग देखिए यहां पर कॉपर या तो कॉपर मैग्नीशियम या फिर हम लोग यहां पर ये देखिए लिथियम एलुमिनियम हाइड्रेट जो कैटलिस्ट है इसकी हेल्प से है ना यहाँ पर मैंने हाइड्रेट लिखा है ना तो इसकी हेल्प से हम लोग लिथियम एलुमिनियम हाइड्रेट जो है उसकी हेल्प से हम लोग इसको किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं फाइनल फिनोल में कन्वर्ट कर सकते हैं ये क्या है बेसिकली क्यूएस कैटलिस्ट ना हाँ तो सिंपल यहाँ पर हम लिख सकते हैं देखिए हम लोग ये बेंजो ये बेंजोइक एसिड है बेंजोइक एसिड है ये है ना तो इस हेल्प से हम लोग मतलब इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं टोलविन uh, को किसमें कन्वर्ट कर uh, मतलब टोलविन uh, टोलविन से हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या फिनोल फाइनल हमें जो uh, मिलेगा वो क्या मिलेगा फिनोल मिलेगा तो मैंने देखिए फिनोल आपको बताया क्यूमिन से क्यूमिन से प्रोड्यूस करना उसके बाद आपको टोलविन से बताया सी मैं आपको बता देता हूं फ्रॉम बेन्जिन देखिए बेंजिन से कैसे कैलकुलेट uh, मतलब बेंजिन से कैसे प्रोड्यूस करेंगे सबसे पहले आपको क्लोरिनेशन चाहिए देखिए बेंजिन जो है वहां पर क्लोरिनेशन सी एल टू से जब रिएक्शन कराओगे क्लोरीनेशन होगा इसके लिए आपको एफी एफी सीएल थ्री केटली चाहिए तो सिंपल आपको मोनोक्लोरिन मिल जाएगा मतलब बेंजिन पे जो है आपको सीएल ना क्लोर मोनोक्लोरोजिन मिल जाएगा सीएल वहां पर लग जाएगा उसके बाद में आप क्या करोगे एनोएथ से एनोएथ से जब रिएक्ट कराओग, कराओगे रिएक्शन कराओगे मोनोक्लोरोजिन की तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा सोडियम बेंजो बन जाएगा यहां पर ये बेसिकली क्या बन जाएगा ये ये बेसिकली बन जाएगा सोडियम सोडियम बेंजो एट और उसके बाद में इसको आप लोग मतलब हाँ, इसका हाइड्रोलाइसिस कर सकते हो एक्वस एस के टाइम में तो जो मतलब एनए जो है मतलब सोडियम परजेंट होगा जो हमारे फॉर्मल वो क्या बन जाए एन एस के टाइम में रिमूव हो जाएगा है ना तो उसके बाद फाइनली हमको यहाँ पर करना क्या है फिनोल प्रोड्यूस करना हमको ओ ग्रुप चाहिए हमको सिर्फ ओ ग्रुप चाहिए एनए जो एन के साथ कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद में यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो भी यूज हो जाएगा तो फाइनली हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा ये मिल जाएगा बेसिकली फाइनल बेंजीन हमको नॉट बेंजीन हमको मिल जाएगा फिनोल ओ ग्रुप लग जाएगा यहाँ पर ना सिंपल ओएच ग्रुप लग जाएगा और इसमें हम क्या करें सिंपल एकवच एससी के साथ रिएक्ट करा रहे हैं आ, बे, आ, सोडियम बेंजोड को मतलब ये आपका टू स्टेप प्रोसेस हो गया कोस्टिंग आ, मतलब उसके बाद में सिंपल क्या किया आ, NUH, आ, NUH के साथ रिएक्ट कराया उसके बाद में Aqueous, के साथ करा तो फाइनल मतलब कि फिनोल हम लोग तीन रिएक्शन से प्रोड्यूस कर सकते हैं अब आपको तीनों के लिए कटलीस याद रखना है तीनों के लिए कटलीस याद करना है और याद रखना उसके अलावा फीड आपको याद रखना है नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट वन इज द दिन नेक्स्ट टॉपिक का मतलब ट्वेल्थ पॉइंट है यहां पर स्टाइरीन तो स्टाइरीन देखिए कैसे प्रोड्यूस करते हैं हम लोग

Uh, uh, मतलब कि एच टू डिहाइड्रजनेशन है तो एच टू मतलब रिमूव हो जाएगा तो ये फाइनल बन गया स्टायरिन इस तरीके से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं पैथलिक एनाइड्राइड नेक्स्ट थर्टीन पॉइंट है पैथलिक एनाइड्राइड तो पैथलिक देखिए कैसे कैसे प्रोड्यूस करते हैं सबसे पहले तो कैटलिस्ट याद कीजिए कैटलीस तो होगा वीटू फाइव वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड लेकिन यहाँ पर डिपेंड दोनों प्रोसेस में आ, मतलब कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस है पैथली केनाइड्राइड तो यहाँ पर दो प्रोसेस या तो आप बना सकते हो या तो बना सकते हो आप नेफ्थेन से नेफ्तलिन से आप बना सकते हो नफ्तलिन का जब ऑक्सीडेशन करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ द वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड तो फाइनली पैथली केनाइड्राइड बन जाएगा सेकंड है ओर्थोजाइन ऑर्थो तो, ऑर्थोजाइलिन तो जो है वो उसमें उसका ऑक्सीडेशन जब कराएंगे ओर्थोजाइलिन तो का आपको ये पूछा जाता है मतलब कि फीड क्या रहता है बेसिकली ना ने, मतलब कि पैथेली एनाइड्राइड कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं तो नेपथेलिन से या उसके अलावा ओर्थोजाइलिन तो से हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं और यहाँ पर सिंपली पैथली एनाइड्राइड मिल जाएगा हमको है ना पैथली एनाइड्राइड पी ए लिख रहा हूँ मैं पैथली केनाइड्राइड सिंपल यहाँ पर बाई प्रोडक्ट जो भी मिलता है एस टू ओ सी ओ टू उसके बाद यहाँ पर होता है एस टू ओ तो सिंपल ये आपको याद रखना और कैटलिस्ट मैनेडियम पेंटा ऑक्साइड ना उसके बाद देखिए नेक्स्ट वन इज द मेलिकनाइड्राइड मेलिक एनाइड्राइड जो उसमें है उसमें देखिए क्या होगा मेलिक एनाइड्राइड में सिंपल बेंजिन से बनाते हैं हम लोग बेंजिन जो है बेंजिन का ऑक्सीडेशन कराएंगे करेंगे ऑक्सीडेशन के लिए मोस्ट uh, जो कैटलिस्ट यूज होता है है ना वो यूज होता है वेनेडियम uh, पेंटाऑक्साइड तो सिंपली हम लोग यहां मेलिक मेलिकोनाइड्राइड हमको मिल जाता है सिंपल इसका ऑक्सीडेशन करके रिएक्शन में यहां पर नहीं लिखने वाला हूँ मेलिक है ना सिंपल लास्ट आई थिंक लास्ट है देखिए लास्ट बट नॉट लीस्ट देखते हैं

का लेसन है ना सो so, डी जो है सिंपल ये क्या है आपका पेस्टिसाइड है जो कि अभी बैन है अभी यूज नहीं करते हैं बट स्टिल हमें पता होना चाहिए कि डी कैसे बनता है डी जो है वो सिंपल मोनोक्लोरोबेंजिन 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 जो है उसको चारकोल के साथ रिएक्ट कराते हैं चारकोल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको तो डी मिलता है ना कंसनट्रेटेड एस टू पर रखते हैं हम लोग कंसनट्रेटेड एस टू की परजेंस में और जब हम लोग मोनोक्लोरोबेंजिन को चारकोल के साथ रिएक्ट कराते हैं जिसे हम लोग ब्लैक कार्बन भी बोलते हैं चारकोल इस चारकोल को हम लोग किससे जानते हैं ब्लैक कार्बन के नाम से भी जानते हैं है ना ये आपका मोनोक्लोरोबेंजीन हो गया मोनोक्लोरो तो जैसे आपको मतलब वही ना मोन लाइक सिंपल जैसे पोलीमराज में मोनोवर पता होता है तो यहाँ पर आपको रो मटेरियल पता होना चाहिए ओके किससे बन रहा है ये अब अब यहाँ पर चारकोल का टाइम आ गया ना चारकोल कैसे प्रोड्यूस करते हैं ये भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग चारकोल का प्रोडक्शन देखिए कैसे करते हैं अरे बाप रे सब कुछ लिख दिया हरि संतोष कुमार ने तो गिव्स द चारकोल इट इज राइट सर <laughs> यार ऐसा क्यों लग रहा है मेरे सेम नोट्स कॉपी हो रहे हैं है ना सिंपल नेक्स्ट चारकोल का प्रोडक्शन अगर हम लिखे तो चारकोल बेसिकली क्या होता है देखिए इथेनॉल तुमने क्या लिखा सी थ्री सी एच ओ एस लिखा गया है ना ये आपका इथेनॉल हो गया इथेनॉल को हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं सी क्या लिखा है तुमने, तुमने सेकंड टाइम और डायरेक्टली तुमने आई थिंक सी एल उसके साथ ही कंसिडर कर लिया ठीक है मैं अगर अलग से लिखू इथेनॉल प्लस प्लस सी एल सी एल टू प्लस एच टू ओ ये जब रिएक्ट करता है तो चारकोल बनाता है तो मतलब ये याद रखना कि इथेनॉल से इथेनॉल से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं इथेनॉल से प्रोड्यूस करते हैं ठीक है वो एक ही बात है तुमने स्टार्टिंग से लिखा है मैंने यहां पर इथेनॉल से लिखा तो इथेनॉल से आपको चारकोल मिल जाएगा ओके गाइस तो ये था कंप्लीट सारे फिफ्टीन जो पॉइंट आपको बताएं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में सफिशियंट है इतने अगर आपको पता है कंपोनेंट के बारे में तो वो काफी रहेगा